हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग होप आप सब ठीक होंगे और लास्ट का लेक्चर जो हमने डाला था वो आपको एकदम पसंद आया होगा करेक्ट और अब मुझे लगता है कि हमारी ना वाइब्स भी मैच हो चुकी होंगी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी होंगी जो मैं चाहता था बेसिक लेक्चर डाल के कि गुरपी सर का टीचिंग मैथोलॉजी कैसा है ठीक है आज हम लोग लेक्चर नंबर टू करने वाले हैं मेरे बच्चा लेक्चर नंबर टू करने वाले हैं दैट इज पार्ट टू एंड वी विल ट्राई कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज कंप्लीट हो जाए और ये 22 मार्क्स के लिए आता है तो थोड़ा लेंदी है है ना तो जो आपके मार्क्स क्योंकि ज्यादा है कंटेंट ज्यादा है तो ये लेक्चर थोड़ा सा मेरे बच्चा लंबा होने वाला है बट कॉन्सेप्ट हम सारे कवर करने वाले हैं ओके okay, बहुत दिन हो गए लेक्चर वन देखे हुए पांच छह दिन हो गए होंगे करेक्ट अब आप थोड़ा बहुत भूलने लगे होंगे कि अरे क्या पढ़ाया था तो पहले क्या करते हैं ना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था एंड देन फिर हम लोग नए पे चलेंगे ओके okay, सर बिल्कुल ग्रेट तो क्या पढ़ा था बच्चों हमने सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था वट इज लॉ तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाता है, है ना या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है उसको हम लॉ कहते हैं पार्लियामेंट किसके लिए बनाता है लॉ पार्लियामेंट बना सकता है पूरी कंट्री के लिए या कंट्री के किसी पार्ट के लिए वहीं स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है वो किसके लिए बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकता है या अपने स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है बिल्कुल सही उसके बाद लेकिन ये पावर कहां से ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर कहां से मिली है सर ये पावर मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो बहुत सारे आर्टिकल्स है बेटा कौन से आर्टिकल से पावर मिली थी आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर टू फोर फाइव से ये पावर मिली थी ओके okay, सर देन हमने थोड़ी सी और बात करी थी लॉ का प्रोसीजर कैसे बनता है क्या प्रोसीजर है टोटली लॉ को नया डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट ये सारी चीजें हमने बात करी थी बट अब चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट याद करिए लेक्चर नंबर वन पे आप लोग यहां खड़े थे क्या आपको याद आ रहा है टै टै लेक्चर नंबर वन पे मेरा प्यारा विद्यार्थी यहां पर खड़ा हुआ था और मैंने उसको यहां से पहले ऑफर समझाया ऑफर और प्रपोजल फिर एक्सेप्टेंस समझाया और लास्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस मिल तो आज हम यहां से चलने वाले है, आप यहां पे खड़े हुए हैं और हमें कहां तक जाना है मेरे बच्चा तक जाना है हमारी मंजिल कहां तक है कॉन्ट्रैक्ट तक मंजिल है लेकिन जब मैं मंजिल की बात करता हूं ना ये बेसिक मंजिल है भैया कॉन्ट्रैक्ट तक जब हम पहुंचेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर होगा फिर यहां से जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट तक वहां से आपको छलांग लगाना सिखाएंगे सर और क्यों क्योंकि एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा तो यहां तक तो बेसिक चलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को मजे के साथ ओके सर ओ हो 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 ऑफर पड़ा था एक बारी दोबारा देख लेते हैं याद नहीं आ रहा था सो ऑफर क्या था मेरे बच्चों जब कोई पर्सन कॉम्युनिकेट करता है किसी और पर्सन को क्या कॉम्युनिकेट करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए ठीक है और वो सामने वाले के क्यों बता रहा है बिकॉज़ मेरे बच्चा एसेंट लेना चाहता है इसीलिए हम कहते हैं कि उस बंदे ने ऑफर कर दिया है so, another, do, कुछ करना टू एबेन फ्रॉम डूइंग यानी कुछ ना करना बट क्यों कहा विद्यू टू ऑप्टेन दू सच एक्ट और प्रपोजल ठीक है हो गया, offer हमने था। हमने क्या पढ़ा था एग्जाम्पल पढ़े थे कि इस आशीष ने कहा भैया मेरी कार लोगे क्या भुवन ने कहा भैया हां खरीद लेंगे तो इसने ऑफर दिया और भुवन ने क्या किया उसको एक्सेप्ट कर लिया ओके सर आगे चलते हैं फिर हमने एक और एग्जाम्पल दिया था शाहरुख वाला की शाहरुख ने ऑफर दिया अपने बेटे को कि अगर तुम सी पास हो जाते हो सी का एग्जाम पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा दस लाख रुपए दूंगा और आर्यन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसे पता था कि भाई चनक के बैच आ गया अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके सर देन इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहां पे मैंने आपको नेगेटिव ऑफर समझाया था इंडियन ऑयल कहता है कि मैं गोवा में और कोई भी नया पेट्रोल पंप नहीं खोलूंगा अगर तुम मुझे कितने रुपए दे दोगे दस करोड़ रुपए दे दोगे तो मैं कोई भी नया पेट्रोल पंप नहीं खोलूंगा दिस इज अ नेगेटिव ऑफर कि मैं कुछ ना करने का ऑफर दे रहा था और सामने वाले ने मुझे ओके कह के, के क्या कर दी एक्सेप्टेंस दे दी ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये पहले क्लियर हो चुका है ना तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इस लेक्चर को देखने से पहले मैं कहूंगा

दिया था आगे चलते हैं क्रॉस ऑफर इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था गुरप्रीत सर ने करन को कहा था भैया मेरे को अपना आईफोन बेचोगे क्या और करण ने उसी सेम टाइम पे बोला था कि क्या तुम मेरा आईफोन खरीदोगे क्या लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑफर थे अनजान थे तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर और क्रॉस ऑफर कभी भी एक दूसरे की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है एक क्वेरी छोटी सी मैंने पढ़ी थी जो कमेंट्स में लिखा था कि सर अगर आप बोलते आई फोन बीस हजार रुपए का और करण ने आपको मैसेज करा होता आईफोन बेचने का बारह हजार रुपए का तो क्या वो क्रॉस ऑफर होते द आंसर इज नो जब तक ऑफर आइडेंटिकल नहीं है तब तक हम उन्हें क्रॉस ऑफर नहीं कहेंगे ओके okay, सर नेक्स्ट पॉइंट यह क्लियर हो गया था ओके okay. काउंटर ऑफर काउंटर ऑफर क्या होता है counter offer is nothing but conditional acceptance. जब आप original offer को accept करते हुए कोई condition लगा देते हो, उसमें चेंज कर देते हो तो हम बोलते हैं कि आपने काउंटर ऑफर दे दिया है और जैसे ही आप काउंटर ऑफर देते हो तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है बेटा रिवोक हो जाता है कैंसिल हो जाता है लैप्स हो जाता है फिर उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो उसके बाद हां अब जाके आया कुछ नया माल ये तो पुरानी बातें हो गई थी अब करेंगे हम लोग नया बातें इसको ध्यान से समझना स्लोली स्लोली चलेंगे बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ना ऊपर से निकल जाता है बच्चों को बाद में बड़ी दिक्कत आती है तो मैं एकदम सिंपल लेके चलूंगा ठीक है लॉ बोलता है ऑफर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए बहुत जरूरी है अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको ऑफर की नॉलेज नहीं है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज सो जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो सामने वाले को वो बात पता चलनी चाहिए कि आपने उसे ऑफर दिया है स्पेशल ऑफर है तो उस पर्सन को पता होनी चाहिए जिसे आपने ऑफर दिया है और अगर जनरल ऑफर है तो जो बंदा एक्सेप्ट करने आ रहा है ना उस बंदे को एटलीस्ट वो बात पता होनी चाहिए कि भैया ये ऑफर चल रहा था क्लियर है क्या यस और नो सर क्लियर है अब पढ़ते हैं आप कैसे ऑफर को कम्युनिकेट करेंगे आप कैसे ऑफर को कम्युनिकेट करेंगे देखिए सो मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑफर कितने रास्ते हैं जिससे कि मैं ऑफर को कम्युनिकेट कर सकता हूं पहला रास्ता है वर्ड्स से वर्ड्स से वर्ड्स कैसे हो सकते हैं हो सकता है मैं बोल के बताऊं और हो सकता है मैं लिख कर बताऊं राइटिंग ओरल भी हो सकता है राइटिंग में भी हो सकता है बड़ा प्यारा और सिंपल सा एग्जाम्पल ए ने बी को कहा ए ने बी को पूछा भाई तू मेरे जूते खरीदेगा क्या भाई तू मेरे जूते खरीदेगा क्या उसने फोन पे कहा अगर उसने यह बात टेलीफोन पे कही तो हम कहेंगे हमने ऑफर क्या किया है ओरली बताया है यही बात अगर वो ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज देता लिख कर भेज देता या बाय पोस्ट भेज देता तो हम क्या कहते ये हो गया बाय राइटिंग बट दोनों ही केस में आपने ऑफर क्या किया है मेरे बच्चों शब्दों से बयां किया है एक्सप्रेस बाय वर्ड्स दोनों ही केस में आपने क्या किया है शब्दों से बयां किया है तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर यानी जब भी ऑफर वर्ड्स और राइटिंग में किया वर्ड्स यूज करके या तो ओरल या राइटिंग में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं है मेरे बच्चा बाय बाय कंडक्ट कंडक्ट कैसे रणबीर कपूर को करेक्ट कैटरीना पसंद थी तो रणबीर ने क्या किया कैटरीना के साथ रणबीर ऐसे बैठा और रणबीर ने उसके सामने जो अंगूठी थी वो खोल दी और कुछ नहीं बोला बस अंगूठी खोल दी और क्या ये ऑफर समझ गई होगी कैटरीना की वो क्या चाह रहा है अंगूठी से है ना क्या वो क्वेश्चन समझ गई होगी तो यहां पे क्या हुआ बाय कंडक्ट मैंने ऑफर दिया दूसरा एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ दैट इज आप ट्रेन से उतरते हैं जैसे ही ट्रेन से उतरे एक कुली आया यूनिफॉर्म में लाल कलर की यूनिफॉर्म रहती है कुली की वो आया और आपका सामान उठाकर चलने लगा और आपने उसे नहीं रोका तो जैसे ही उसने आपका सामान उठाया यानी उसने आपको ऑफर दिया कि वो अपनी सर्विसेज कुली की सर्विसेज आपको देना चाहता है और आपने भी जब उसे नहीं रोका तो उसे एक्सेप्ट कर लिया सो नोन एज इंप्लाइड ऑफर क्या ये बात आपको क्लियर हो गई नो yes मोड्स no. क्या होते हैं एक होता है एक्सप्रेस ऑफर और एक होता है इंप्लाइड ऑफर ओके सर क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मैंडेटरी होता है द आंसर इज यस यानी अगर कॉम्युनिकेट नहीं हुआ है ऑफर तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब पता चलता है कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है सामने वाली पर्सन को जिसे हम जिसको हम ऑफर दे रहे थे ठीक है तो लॉ बोलता है भैया सेक्शन चार बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है व्हेन इट कम्स व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड ठीक है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे लॉ कह रहा है ऑफर तब कम्युनिकेट हो जाता है जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है भैया सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है जिसको आप देना चाहते थे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तीन चार एंड देन आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लाइन की क्लियर हो जाएगी देखिएगा ये मेरे बच्चों किंगडम है अगर आपने बाहुबली देखी होगी तो आपको पता होगा किंगडम है और का राजमहल है ये राजमहल बहुत बड़ा होता है राजमहल दूर दूर तक लोग खड़े होते हैं अब हुआ क्या राजमहल में बाहुबली आया राजमहल में कौन आया मेरे बच्चा बाहुबली आया ये हमारे बाहुबली हैं करेक्ट और बाहुबली थे और दूसरी पार्टी कौन है मेरे बच्चा मिस्टर कटप्पा बाहुबली ने कटप्पा को ऑफर दिया कह रहा है हे कटप्पा हे कटप्पा आई वॉन्ट टू सेल माई क्राउन फॉर रुपीज टू लैक क्या ये ऑफर है ये तो ऑफर है करेक्ट क्या ये मेरे बच्चा ऑफर है द आंसर इज यस वो बोल रहा है मैं अपना ये क्राउन जो सर का ताज जो मैं ऊपर पहनता हूं ये दो लाख रुपए में तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूं ये दो लाख रुपए में तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूं ऐसा किसको कहा कटप्पा को कहा अब देखेगा क्वेश्चन आता है कि क्या कटप्पा को ये ऑफर कम्युनिकेट हो गया या नहीं लॉ कहता है कि ये कटप्पा को ऑफर तब कम्युनिकेट हो जाएगा जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा कि ऐसा कोई ऑफर दिया गया है तो केस वन केस वन समझेंगे सब लोग केस वन कटप्पा बहुत दूर खड़ा था बाहुबली से जब बाहुबली ने ये ऑफर दिया देखो मैं यहां खड़ा हूं बाहुबली ने जब ये ऑफर दिया तो राजमहल में कटप्पा बहुत दूर खड़ा था इस वजह से वो ये ऑफर को सुन नहीं पाया इस वजह से वो ये ऑफर को सुन नहीं पाया देने वाले ने तो ऑफर दे दिया लेकिन जिसको ऑफर देना था वो ये बात सुन नहीं पाया आपको क्या लगता है क्या सामने वाले को कॉम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई क्या आप यह कह सकते हैं कि कॉम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड इन दिस केस यस और नो क्या कटप्पा की नॉलेज में ऑफर आ गया द आंसर इज नो क्योंकि उसने सुना ही नहीं तो उसकी नॉलेज में कैसे आएगा नॉलेज में आना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ तो तब तक मानेगा ही नहीं और यह उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता सेकेंड पॉइंट केस टू लेते हैं और बेटर समझेगा केस टू में सेम केस है बट क्या चेंज हो गया अब कटप्पा को मैंने पास खड़ा कर दिया पहले कटप्पा दूर था अब कटप्पा पास खड़ा हो गया बाहुबली बाहुबली के बाहु ने फिर से ऑफर बोला बाहुबली ने फिर से ऑफर बोला अब कटप्पा और दोनों सामने सामने खड़े हैं भाई पहले दूर खड़े थे अब सामने सामने खड़े हैं सेकंड केस पे उसने कहा हे हे कटप्पा क्या तुम मेरा क्राउन दो लाख रुपए में खरीदोगे ये उसने बोला लेकिन कौन सी लैंग्वेज में बोला ऐसी लैंग्वेज में बोला जो कटप्पा को समझती नहीं है आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें एक लैंग्वेज है जो काले लोग बोलते हैं आज आज इस तरह की बात होती है कुछ समझ नहीं आती कुछ पल्ले नहीं पड़ती इस बारी कटप्पा ने बात सुनी तो लेकिन उसे क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं आती थी क्योंकि उसे वो लैंग्वेज नहीं आती थी तो उसे क्या वो बात समझ आई होगी द आंसर इज नो तो अगेन मेरा क्वेश्चन रहेगा क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इस बार कंप्लीट मानोगे क्या क्या अब आप ये मानोगे कि कटप्पा की नॉलेज में कटप्पा की नॉलेज में ऑफर आ चुका है अगेन नो व्हाई इस बार तो उसने सुना भी था लेकिन सुना लेकिन समझ नहीं पाया एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं यूपी से बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने मैं पुणे आया था पुणे महाराष्ट्र में है तो वहां पर मराठी यहां पर मराठी चलती है पुणे महाराष्ट्र में क्या चलती है मराठी लैंग्वेज चलती है बट मैं यूपी से आया था तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज मेरे को तो मराठी समझती ही नहीं थी बिल्कुल जीरो था मैं उसमें जीरो मैं तो हमेशा से हिंदी में बात करता आया था तो जब मैं यहां नया नया आया ना तो लोग मुझसे मराठी में ऑफर देते थे मुझसे मराठी में बात करते थे तो क्या वो मुझे समझती थी नहीं मैं कैसे एक्सेप्टेंस दू किसी चीज का जब वो मुझे समझी ही नहीं तो लॉ कह रहा है अगर आपको बात बता भी गई लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो लॉ बोलेगा कम्युनिकेशन जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है ऑफर की वो कंप्लीट नहीं हुई आगे चलते हैं एक और केस लेते हैं केस नंबर थ्री तब तक केस लेंगे जब तक दिल में ना आ जाए कि भैया कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है थर्ड केस इस बार कटप्पा पास खड़ा था बाहुबली के इस बार कटप्पा खड़ा था पास बाहुबली के बाहुबली ने उसको उसी लैंग्वेज में बताया जो वो समझता है जो कटप्पा को समझ आती है आपको क्या लगता है अब कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लू क्या आपको क्या लगता है अब कम्युनिकेशन अब इसको सुनाई भी दे गया और उसी भाषा में बताया जो इसको समझती थी हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा जो भी कटप्पा भाई को समझती थी उसी लैंग्वेज में समझाया तो आंसर क्या होना चाहिए इस बार आंसर क्या होगा मेरे बच्चा इस बार होगा यस इस बार होगा यस लेकिन अगर मैं थोड़े से फैक्ट चेंज कर दूं आप बताना कि क्या ये आंसर फिर से बदल सकता है अगर कटप्पा ने बहुत दारू पी रखी थी वो बिल्कुल नशे में था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो तो नशे में था तो फिर तो फिर कटप्पा ने पास होके उसी भाषा में बोला जो वो समझती थी लेकिन वो इतने नशे में था कि उसको समझ नहीं आ रहा था तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया अगेन द आंसर इज नो क्या आप फील कर पा रहे हो मेरी बात को क्या आपको समझ आ रही है कि सामने वाले को समझ आने का क्या मतलब है यहां पे लॉ में कि हम ऑफर को कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है उसको कब कंप्लीट मान रहे हैं बिल्कुल सर समझ आ रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये तो हो गया ये केसेस मैंने लिए थे मेरे बच्चा फेस टू फेस जब आप आमने सामने दोनों पार्टीज खड़ी हैं तब ऑफर कैसे कंप्लीट होगा तब की बात होगी रूल सेम ही है लेकिन अगर पार्टीज दूर दूर हुई तो क्या होगा नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल कि पार्टीज दूर दूर रहती हैं और पोस्ट से कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक है जेठालाल ने जेठालाल ने एक फोन मिस्टर अय्यर को बेचना चाहा, ठीक है उन्होंने ऑफर दिया आई वॉन्ट टू सेल माई न्यू हैंडसेट मेरी शॉप पे एक नया हैंडसेट आया है वो मैं अय्यर को बेचना चाहता हूं दस हजार रुपए में क्या वो खरीदेगा क्या ऐसा उसने लेटर लिखा तो देखिए मैं लेटर भी ले आया मैं जेठा लाल हूं आप ध्यान दीजिएगा मैं जेठा लाल हूं ये लेटर मैंने लिखा हे hey, अय्यर क्या तुम मेरे से ये खरीदोगे सब कुछ लिख के साइन करके भेज दिया। ऑफर मैंने डिस्पैच करा यानी मैंने करा मतलब मैंने उसको भेजा उस दिन मैंने डाल दिया उसको पोस्ट बॉक्स में किस तारीख को एक जनवरी को ये मैंने डब्बे में डाल दिया ठीक है अब ये जाएगा जाएगा कुछ दिन लगेंगे अय्यर के पास कब तक पहुंचा ऑफरी मतलब अय्यर अयर के पास कब पहुंचा तीन जनवरी को पहुंचा उसने कब पढ़ा उसने कब पढ़ा उसने मेरा ऑफर जेठालाल का ऑफर चार जनवरी को पढ़ा चार जनवरी को उसने पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दो मार्क्स के लिए एग्जाम में ये दो मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी तारीख को मानेंगे कि कॉम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है कंप्लीट हो गया जिस दिन मैंने भेजा उस दिन जिस दिन उसको मिल गया या जिस दिन उसने पढ़ लिया लॉजिक्स लगाओगे ना तो काम हो जाएगा लॉजिक क्या बोलता है भाई उसको अंडरस्टैंडिंग कब आई होगी अयर -E भाई को अंडरस्टैंडिंग कब आई होगी अंडरस्टैंडिंग आई होगी चार तारीख को जब उसने पढ़ा तो कॉम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन ऑफर कम्स बी द नॉलेज ऑफ दिन उसने पढ़ा दैट इज फोर्थ जनवरी बट इंस्टीट्यूट कभी कभार सवाल के अंदर यह तारीख नहीं देता है यह तारीख आपको देगा ही नहीं कि अय्यर ने ऑफर किस दिन किस दिन पढ़ा तब आप क्या करेंगे Adumption करना पड़ेगा सर क्या एदमशन करना पड़ेगा सर क्या करना पड़ेगा बेटा यह एदमशन करना पड़ेगा कि जिस दिन ऑफर मिला उसी दिन अय्यर ने पढ़ लिया यानी अगर सवाल के अंदर यह लाइन ना लिखी होती अगर सवाल के अंदर यह लाइन ना लिखी होती ठीक है तो सिर्फ यही दो लाइन लिखी होती कि एक तारीख को ऑफर गया और तीन तारीख को पहुंचा तो मैं ये एज्यूम करता कि उसने तीन तारीख को ही पढ़ लिया और क्योंकि उसने तीन तारीख को पढ़ लिया तो उसकी नॉलेज में कौन सी तारीख को आया मेरे बच्चा तीन तारीख को आया क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया मैं इसको वापस बैक ले लेता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ज्यादा कटिंग कर दी है फिर आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ओके सर ओके सर अंडरस्टूड सो मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है इफ डेट ऑफ रीडिंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन एज्यूम कि जिस दिन रिसीव हुआ था उसी दिन रीड हो चुका है क्या यह आपको पॉइंट क्लियर हो गए और नो यस सर यह पॉइंट हमें क्लियर हो गए तो बेसिक सा सा सिंपल मुद्दा यह है कि ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है करेक्ट ऑफरी की नॉलेज तो जिस दिन उसकी नॉलेज में आ गया कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया गया अब वो चाहे एक दिन बाद पढ़े दस दिन बाद पढ़े उससे हमें लेना देना नहीं जिस दिन वो पढ़ेगा हम मान लेंगे नॉलेज में आ गया और अगर डेट पढ़ने की नहीं दी हुई है तो एज्यूम कर लेंगे कि उसने सेम डे पढ़ लिया था आगे चलते हैं कॉम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात हो गई क्या एक्सेप्टेंस भी कॉम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है क्या अय्यर को जेठालाल को यह बताना जरूरी है अगर वो इसका फोन खरीदना चाहता है तो उसको क्या हां बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा जेठालाल को बिल्कुल बोलना पड़ेगा और यह बात जेठालाल को पता होनी चाहिए या नहीं पता होनी चाहिए पता होनी चाहिए ठीक है सर तो आगे चलते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ठीक है इसमें मैं आपको दो हिस्सों में पढ़ाने वाला हूं ध्यान से समझना थोड़ा सा और स्पीड गिरा लेता हूं सर और स्पीड क्यों गिरा रहे हो क्योंकि बेटा यह ना स्पीड ब्रेकर है आप ऐसे जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर अगर आपने नहीं देखा ना तो आप गिर जाएंगे तो आप गिर जाएंगे इसीलिए यहां पे स्पीड स्लो कर ली है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा स्लो चलेंगे चलिए दो पार्ट की जब मैं बात करता हूं तो मैं पहले आपको पढ़ाने वाला हूं लॉजिकल पार्ट कि लॉजिकली क्या होना चाहिए था और फिर पढ़ाऊंगा लॉ में क्या लिखा हुआ है तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बांटा है मेरे बच्चा लॉजिकल में और लॉ में क्या लिखा हुआ है सर पेपर में कौन सा याद करना है बेटा पेपर में ये याद करना है ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूं दैट सेट ओके सर तो हुआ क्या देखिए अयर खड़ा हुआ अयर ने पढ़ा भैया अच्छा 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 जेठालाल ने फोन का ऑफर भेजा है एक्सेप्टेंस लिख दी यस एक्सेप्टेंस लिख दी है। इसने किस तारीख को पढ़ा था बेटा ऑफर 4 जनवरी को पढ़ा था 4 जनवरी को पढ़ने के बाद इसने एक्सेप्टेंस दी लॉ बोल रहा है अय्यर ने कौन सी तारीख को एक्सेप्टेंस दी मेरे बच्चा हाँ, कौन सी तारीख को एक्सेप्टेंस दी 6 जनवरी को एक्सेप्टेंस भेजी यानी अय्यर ने 6 तारीख को लेटर पोस्ट में डाल दिया पोस्ट बॉक्स में डाल दिया लेटर बॉक्स में डाल दिया करेक्ट छे तारीख को ये डाल दिया ओके okay. फिर क्या हुआ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो गया जेठालाल को 9 जनवरी को 9 जनवरी को इसे मिल चुका है जेठालाल को लेटर मिल गया अब उसने लेकिन उसके पास टाइम नहीं था तो उसने कौन सी तारीख को पढ़ा मेरे बच्चा उसने पढ़ा 10 जनवरी को तो आप बताओ लॉजिकली लॉजिकली बताना अभी लॉ में क्या लिखा है मैं बात नहीं कर रहा लॉ का मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके जाऊंगा बट लॉजिकली क्या लगता है लॉजिकली कब होनी चाहिए भाई जिस दिन जेठालाल को पता चला दैट इज दस जनवरी टू जीरो दस जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा लॉजिकली और अगर क्वेश्चन में ये डेट ना दी जाती रीडिंग की डेट ना दी जाती इफ रीडिंग डेट इज नॉट गिवन फ इफ रीडिंग ठीक है मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा छोटा इफ रीडिंग डेट इज नॉट गिवन तो आंसर क्या होता मेरे बच्चा तो हम एज्यूम करते कि जिस दिन रिसीव हुआ था उसी दिन कम्युनिकेट हो गया दैट इज जीरो नो जीरो वन टू जीरो एक्स एक्स तो रीडिंग डेट दी है तो रीडिंग डेट के दिन कंप्लीट हो गया और रीडिंग डेट नहीं दिया है रीडिंग डेट नहीं दिया है तो हम मानेंगे सेम डे रीड कर लिया तो 9 जनवरी को कंप्लीट हो गई एक्सेप्टेंस की कॉम्युनिकेशन नाउ दिस इज लॉजिकल दिस इज लॉजिकल कि भैया सामने वाले को बंदा को पता चल गया ठीक है कम्युनिकेट हो गया जब उसको पता चला तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया जब इसको पता चला तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया बिल्कुल सही बट सर लॉ में क्या लिखा है यह क्वेश्चन है लॉ में क्या लिखा है यह क्वेश्चन है तो लेट्स अंडरस्टैंड इट लॉ ने ऐसा नहीं कहा लॉ ने कहा एक्सेप्टेंस दो पार्ट में कंप्लीट होगी यहां पे लॉ ने क्या कहा एक्सेप्टेंस टू पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है टू पार्ट्स में किसकी एक्सेप्टेंस कॉम्युनिकेशन की जो एक्सेप्टेंस है कॉम्युनिकेशन की जो एक्सेप्टेंस है वो दो पार्ट में कंप्लीट हो रही है मेरे बच्चा पहला पार्ट समझिएगा ठीक है पहला पार्ट लॉ बोलता है कॉम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दिख रहा है क्या कलर हां कॉम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर इज कंप्लीटेड वेन इट इज पुट इन transmission, इसका क्या मतलब हुआ सर इसका मतलब यह है जेठालाल के लिए, जेठालाल के एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो गया था जिस दिन अय्यर ने लेटर लेटर बॉक्स में डाला था यानी ट्रांसमिशन में डाला था यानी कौन सी तारीख मेरे बच्चा छ जनवरी छ जनवरी आ, छे जनवरी टू जीरो एक्स एक्स ठीक है जेठालाल के लिए तभी कंप्लीट हो गई थी बट अयर के लिए अय्यर के लिए, लिए अगेंस्ट दी ऑफरी कब कंप्लीट हो गई जिस दिन सामने वाले की नॉलेज में आई जिस दिन किसकी नॉलेज में आई ऑफर की नॉलेज में आई ऑफरर की नॉलेज में कब आई थी दस जनवरी दस जन वरी टू जीरो अब मेन क्वेश्चन आता है कि लॉ ने दो पार्ट क्यों करे अरे भैया सिंपल सा लॉजिक था कि जिस दिन इसको पता चल गया उस दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी लॉजिकल बात भी लग रही थी तो लॉ को ऐसी क्यों जरूरत हुई कि उसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो पार्ट्स में करना पड़ गया तो दो पार्ट्स में क्यों है यह हमें लॉजिक समझना पड़ेगा राइट तो चलो लॉजिक समझाते हैं मेरे बच्चों को आओ लॉजिक समझाया जाए ये देखिए मैं केस स्टडी टाइप लाया हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए इसमें क्या हुआ ये मिस्टर ए हैं जिन्होंने ऑफर भेजा था और ये मिस्टर बी ऑफर ही है तो ऑफर भेजने वाला ऑफरर ऑफर offer लेने वाला जिसको ऑफर दिया वो ऑफर ही ए ने कौन सी तारीख को ऑफर भेजा जरा मैं पढूं ए ने लेटर भेजा था ऑफर का एक जुलाई दो हजार बाईस को कब भेजा मेरे बच्चा हमने लेटर एक जुलाई दो हजार बाईस को भेजा ठीक है एक जुलाई दो हजार बाईस को हमने लेटर भेजा है अभी पहुंचा है क्या नहीं सर अभी पहुंचा नहीं है अब लेटर ऑफ ऑफर रीचिज मिस्टर बी ऑन चार जुलाई ये कौन सी तारीख को पहुंचा चार जुलाई को पहुंच गया चार जुलाई को इसको मिल गया अब यहां पे डेट ऑफ रीडिंग दी है क्या नहीं यानी कम्युनिकेशन कब पूरा हो गया ऑफर कब बी को पता चल गया लॉ कहता है कॉम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट हो गया है चार जुलाई 2022 को यानी जिस दिन हमारा लेटर बी को पहुंच गया था यहां तक सिंपल यस सर यहां तक सिंपल अब मिस्टर बी ने हमारा ऑफर पढ़कर एक्सेप्ट करना चाहा उसने कहा अरे बहुत प्यारा ऑफर है बड़ा ही लवली ऑफर है इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब डाला पांच जुलाई को एक्सेप्टेंस डाला तो देखिएगा पांच जुलाई को क्या करा है एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है तो लॉ कहता है एक्सेप्टेंस दो पार्ट में क्योंकि एक्सेप्ट होती है तो फर्स्ट पार्ट यानी अगेंस्ट स्ट ऑफरर अगेंस्ट ये क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है यानी कॉम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑन पांच जुलाई अब ऐसा क्यों कहा लॉ ने इसको समझते हैं ऐसा लॉ ने इसलिए कहा क्योंकि कई बार ऑफरर को ऑफर देने के बाद लगता है कि मैंने गलती कर दी मुझे ऑफर भेजना नहीं चाहिए था मुझे इस ऑफर को वापस ले लेना चाहिए उससे पहले कि वो एक्सेप्ट कर ले उससे पहले कि वो एक्सेप्ट कर ले करेक्ट तो क्या करेगा ए ने देखिएगा ए ने लेटर ऑफ रिवोकेशन यानी रिवोकेशन ऑफ ऑफर यानी अपने ऑफर को वापस लेने के लिए एक लेटर भेजा कब भेजा दो जुलाई को देखो एक जुलाई को मैंने लेटर भेजा था ऑफर का अगले ही दिन ए को लगा कि यार गड़बड़ हो गई चलो लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेज देते हैं और वो लेटर कब पहुंचा बी के पास कब पहुंचा बी के पास वो पहुंचा है लेटर पहुंच गया था तीन जुलाई को तीन जुलाई को तीन जुलाई को लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंचा चार जुलाई को लेटर ऑफ ऑफर पहुंचा और पांच जुलाई को उसने क्या करा एक्सेप्टेंस डाली तो लॉ बोलता है कि ये जो रिवोकेशन किया था ऑफर का क्या ये वैलिड है या नहीं यानी ऑफर क्या इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या नहीं तो लॉ कहता है अगर के बी के लेटर भेजने से पहले एक्सेप्टेंस का लेटर डालने से पहले अगर तुम्हारा ऑफर ऑफ रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाता है ना तो तुम्हारा ऑफर माना जाएगा ऑफर इज रिवोक्ड ऑफर क्या माना जाएगा रिवोक्ड माना जाएगा ऑफर क्या माना जाएगा रिवोक्ड माना जाएगा एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट और माना जाएगा कि तुम्हारे बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है सर एक बात बताइए अगर यह लेटर तीन जुलाई की जगह सात जुलाई को पहुंचता तो क्या होता सर हमारा सवाल यह है अगर यह तीन जुलाई की जगह सात जुलाई को पहुंचता तो क्या होता तो लॉ कहता क्या एक्सेप्टेंस का लेटर पहले डाल चुका है क्या बी यस yes. तो अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पांच जुलाई को जा चुका है यानी ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है अब उसका रिवोकेशन वैलिड नहीं रहेगा यानी सात जुलाई को अगर लेटर पहुंचता है सात जुलाई को अगर लेटर पहुंचता है सात जुलाई को अगर लेटर पहुंचता है, है तो आपका जो ऑफर था वो रिवोक नहीं होगा और एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी और ए और बी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दिस इज द लॉजिक कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट ये जो बनाया है ना कि ऑफरर के अगेंस्ट उस दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन जिस दिन सामने वाला पर्सन एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देता वो इसीलिए कि उस दिन और उस दिन के बाद से वो ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है इस टाइम गैप को बनाने के लिए उन्होंने ये डाला था इस टाइम गैप को बनाने के लिए कि कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए ओके आगे चलते हैं इसी केस स्टडी को मैं और आगे ले गया ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेप्टर को गलत लग जाए कि भैया अरे मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए था गलती कर दी ऐसा भी तो हो सकता है तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा एक जुलाई को लेटर डाला चार जुलाई को पहुंच गया चार जुलाई को ऑफर कम्युनिकेट हो गया बी ने पांच जुलाई को लेटर डाला ठीक है और नौ जुलाई को इनके पास पहुंच गया कौन सी तारीख को लेटर पहुंचा नौ जुलाई को एक्सेप्टेंस का लेटर ए के पास पहुंच गया लॉ कहता है बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई नौ जुलाई को किस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी कंप्लीट हो गई एक्सेप्टेंस कब कौन सी तारीख को 9 जुलाई को 9 जुलाई को ठीक है 9 जुलाई को बट यहां पे बी ने अपने एक्सेप्टेंस को वापस लेने के लिए 6 जुलाई को ही लेटर डाल दिया था और वो लेटर कब पहुंचा मेरे बच्चा 8 जुलाई को तो अगर आपका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर 9 जुलाई से पहले पहुंच गया तो वो वैलिड मानी जाती है तो वो क्या मानी जाती है वैलिड मानी जाएगी यानी अगर 8 जुलाई को पहुंच गया तो लॉ कहेगा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया सर अगर दस तारीख को होती तो क्या होती दस तारीख मतलब नौ तारीख के बाद गया है तो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन वैलिड नहीं होता यानी आपकी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ली जाती और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता सर एक बात बताओ अगर नौ ही तारीख को ये होता नो तारीख को दोनों लेटर नौ तारीख को पहुंचते एक्सेप्टेंस का लेटर भी नौ तारीख को पहुंचा और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भी नौ तारीख को पहुंचा तो क्या होगा वो बताइए तो लॉ कहता है ध्यान दीजिएगा लॉ कहता है उसमें से दोनों में से उसने पहला लेटर कौन सा पढ़ा वो देखना दोनों में से कौन सा अगर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पढ़ा तो एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगी रिवोकेशन वैलिड नहीं रहेगा बट अगर उसने अगर उसने रिवोकेशन का लेटर पहले पढ़ा तो रिवोकेशन वैलिड रहेगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और एक्सेप्टेंस इन मानी जाएगी बट कई बार इंस्टीट्यूट इसको इग्नोर करता है इस को लिख देता है कि रिवोकेशन वैलिड है कई बार इंस्टीट्यूटो में दोनों में से जो सा पहले पढ़ेगा वो माना जाएगा वो माना जाएगा तो आप अपनी हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई होप आपको लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के दो पार्ट क्यों है चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑफर को रिवोक करने के यानी वापस लेने के कितने तरीके रिवोक मतलब कि अगर एक बार ऑफर रिवोक हो जाता है ना तो उसके बाद उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर ऑफर रिवोक हो जाता है तो उसके बाद उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है पहला क्या है पहला है अभी जो हमने सीखा कि आप सामने वाले को नोटिस दे देते हो ऑफरी को कि हम अपना ऑफर रिवोक करना चाहते हैं यानी उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर आप उसे नोटिस दे देते हो भेजने से पहले अगर आप उसे नोटिस दे देते हो कि हाँ हाँ भैया हम क्या करना चाहते हैं अपना ऑफर वापस लेना चाहते हैं तो आपका ऑफर रिवोक हो जाता है कई बार मतलब देखिए टाइम लैप्स का मतलब है कई बार ऑफर में टाइम मेंशन होता है कि इतने दिन में आप एक्सेप्ट कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला कि आप मेरा पेन ये वाला पेन सेवन डेज में बता दो खरीदोगे कि नहीं तो टाइम मेंशन है

सोच के बता दो भैया सोच के बताएंगे टाइम दो बारह साल हो गए बारह साल हो गए मैंने आपको ऑफर दिया था टाइम नहीं बताया था आप बारह साल बाद आए कह रहे याद है सर बारह साल पहले आपने मुझे ऑफर दिया था घर खरीदने का मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो लॉ कहता है भैया जब टाइम मेंशन नहीं होता ना तो कोई बात नहीं बट रीजनेबल टाइम में तो होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप इतने सालों बाद आ रहे हैं और रीजनेबल टाइम क्या होता है डिपेंड्स फ्रॉम क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर मैं आपको टमाटर बेच रहा था तो टमाटर तो अगले दिन ही खराब हो जाते हैं तो उसमें आपका रीजनेबल टाइम कितना होगा एक दिन ही तो होगा उसके बाद तो टमाटर मेरे खराब हो जाएंगे भैया है ना और घर बेच रहा हूं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा बट ऐसा नहीं कि आप कई सालों बाद आ रहे हैं तो ऑफ़ टाइम हो जाता है तो भी आपका ऑफर रिवोक हो जाता है देन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट सर इसका क्या मतलब है कई बार हम ऑफर देते हैं जैसे मैं कहता हूं किसी को अगर मेरा घर रेंट पे चाहिए तो वो मुझे एक्सेप्टेंस के साथ बीस हजार रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे बीस हजार रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे ये मैंने कंडीशन लगाई थी अब आपने अपना एक्सेप्टेंस तो भेज दिया कि मैं आपका घर रेंट पे लेना चाहता हूं बट बीस हजार रुपए साथ में नहीं भेजे बट बीस हजार साथ में नहीं भेजे यानी वो कंडीशन जो ऑफर को एक्सेप्ट करने के पहले लगाई गई थी वो आपने फुलफिल नहीं करी तो मैं कहूंगा भैया आपका मेरा ऑफर रिवोक हो चुका है आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करा देन ऑफर देते ही उस पर्सन की डेथ या वो पागल हो गया तो अब आप एक्सेप्ट कर भी लेंगे प्रोवाइडेड की ये बात आपको बताओ प्रोवाइडेड कि ये बात की आपको नॉलेज हो तो लॉ कहता है अगर डेथ हो जाती है ऑफरर की या पागल हो जाता है और आपको यह बात पता चलती है तो ऑफर क्या हो गया रिवोक हो गया काउंटर ऑफर तो हम लोग जानते ही हैं कि जब हम ऑफर देते हैं और सामने वाला कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे देता है या अपना ऑफर दे देता है नया तो लॉ क्या कहता है भैया जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिवोक हो गया अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता सबसिक्वेंट इन इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा सबसिक्वेंट इन देखिएगा। ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है इसको समझिएगा अगर वो चीज पहले से ही इलीगल थी वो चीज पहले से ही इलीगल थी मैंने आपको फिर भी ऑफर दिया आपने एक्सेप्ट किया तो लॉ कहेगा ये एक वाइड एग्रीमेंट है आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज अ वाइड एग्रीमेंट ठीक है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वाइड एग्रीमेंट क्या होता है आगे जाके मैं बताऊंगा चिंता मत करो उसके बाद मेरे बच्चा लेकिन अगर मैंने आपको ऑफर दिया जब ऑफर दिया था तब तो वो लीगल थी लेकिन एक्सेप्टेंस आने से पहले वो इन हो गई तो लॉ कहता है आपका ऑफर क्या हो गया रिवोक हो गया आपका ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया वो काम क्या हो गया? हो गया और कई बार क्या होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट हम डिटेल में समझेंगे आप बस लेक्चर के साथ बने रहे अभी के लिए सिर्फ हमें यह समझना है कि ऑफर देने के बाद बट एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर देने के बाद बट एक्सेप्टेंस इसके बीच का जो टाइम गैप है अगर वो चीज इसमें इलीगल हो जाती है तो हमारा ऑफर रिवोक हो जाता है तो हमारा ऑफर क्या हो जाता है मेरे बच्चा? रिवोक हो जाता है, ओके? ऑफर of में लिखा था कि आपको जो हमारा ऑफर है वो व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्ट करना है अगर आपने हमें टेलीग्राम भेजा पोस्ट भेजा तो क्या माना जाएगा क्या माना जाएगा उसको माना जाएगा कि हमारा ऑफर कैंसिल हो चुका है रिवोक हो चुका है अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो और दूसरा अगर हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया था तो जो नॉर्मल मेथड है जो नॉर्मली हमारे यहां फॉलो होता है उस मेथड से आपको करना था अगर उससे नहीं करा तो भी रिवोक हो जाता है अच्छा हाँ तो यह बात लिखी हुई of of है इंग्लिश लॉ में ओनली रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज अलाउड इंग्लिश लॉ में रिवोकेशन ऑफ ऑफर अलाउड है इंडिया में भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर अलाउड है इंग्लिश लॉ में भी अलाउड है बट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस को वापस लेना इंग्लिश लॉ में अलाउड नहीं है बट इंडिया में वो दोनों ही अलाउड है यानी इंडिया में ऑफर भी वापस लिया जा सकता है एक्सेप्टेंस भी वापस लिया जा सकता है विद इन द टाइम लिमिट जो हमने डिस्कस करी है बट इंग्लिश लॉ में एक बार एक्सेप्टेंस दे दी तो वो कभी वापस ली जा नहीं सकती है ओके okay, सर आगे चलते हैं मेरे बच्चा पॉइंट पे यस yes, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज थिंग्स आपको क्वेश्चन में बार बार इस तरह की केस स्टडीज में पूछा जाता है कि ये ऑफर है या नहीं पहला लाइन है मेरे बच्चा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इसको समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ सर दोबारा क्यों लिख रहे हैं लिखा तो हुआ है बेटा मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी हाँ सर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए अब है ना हमें हाँ मत पढ़ाइएगा अरे बेटा तो पढ़ा तो रहे हैं चिंता मत करो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन लॉ ये कह रहा है मेरा बच्चा कि ए ने बी को कहा मेरा मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है क्या मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कार बेच दूं मैं तुम्हें अपनी कार बेच दूं क्या ये क्या ये ऑफर है लॉ कहता है ये ऑफर नहीं है क्योंकि ये आपकी इच्छा है हाँ, अगर आप ये पूछते मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं मेरा मन कर रहा है क्या तुम खरीदोगे क्या वो ऑफर होता है सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना ऑफर नहीं माना जाता है तो इसको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन को कभी भी ऑफर नहीं मानते हैं सेकेंड है मेरे बच्चा जो न्यूज में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि नहीं मोबाइल की फोटो बनी होती है उसके नीचे लिखा होता है रुपीज बारह हजार ओनली स्टार मार्क लगा के

एक आंसर टू क्वेश्चन सर इसका क्या मतलब है आंसर टू क्वेश्चन देखो इसमें केस बताता हूं ए ने केस लो का नाम क्या है हार्वी वर्सेस इसको केस लो में क्या हुआ ए ने बी को दो क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन नंबर वन क्या तुम मुझे अपना बम्पर पेन सेल करोगे क्या पहला क्वेश्चन था क्या तुम मुझे अपना बम्पर पेन सेल करोगे और क्वेश्चन नंबर टू लोएस्ट प्राइस क्या रहेगा तुम्हारे पेन का लोएस्ट प्राइस क्या रहेगा तुम्हारे पेन का ये दो क्वेश्चन ए ने बी को भेजे बी ने रिप्लाई करा बी ने रिप्लाई करा और रिप्लाई में क्या करा पहले क्वेश्चन को आंसर नहीं करा कि बेचोगे या नहीं बेचोगे सिर्फ लोएस्ट प्राइस लिख के भेज दिया मान लीजिए रुपीज नो हजार हजार वैसे वो पुराना केफलो है बाहर का केफलो है तो वहां पर रुपीज में नहीं यूरोज़ में बात होती है डॉलर्स में बात होती है बट मैंने लिख दिया रुपीस नौ हजार रुपए ठीक है अब ए ने कहा मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं मैं तुम्हारा जो पेन है वो नौ हजार रुपए में खरीदने को रेडी हूं ऐसा कहा बट बी ने कहा मैंने तो तुम्हें कभी पेन बेचने की बात करी ही नहीं ए ने कहा तुमने मुझे बोला तो रिप्लाई करके कि 9000 में बेचोगे मिनिमम है ना 9000 में बेचोगे ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कि ये देखिए ऑफर हो गया था मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन ये अपना वादा निभा नहीं रहा है ये मुझे नौ रुपए में पेन नहीं दे रहा है तो कोर्ट ने कहा भैया उसने आपके सिर्फ इस क्वेश्चन को आंसर किया था क्वेश्चन को आंसर कर दिया इसका मतलब यह नहीं है कि उसने ऑफर दे दिया करेक्ट ऑफर दे दिया हा अगर वो इसका रिप्लाई करता कि मैं पेन खरीदना चाहता हूं तुम तो मुझे बेचते क्या तो वो ऑफर होता बट इस क्वेश्चन के आंसर से वो ऑफर नहीं मानता है। जैसे सिंपल आपका दोस्त नई स्कूटी लाया आपने स्कूटी भैया कितने की लिए ये उसने सत्तर हजार की लिए आपने मैं सत्तर हजार खरीदने को एक्सेप्ट करता हूं तेरे सत्तर हजार। वो कह रहा है भैया मैं कब कहा कि मैं अपनी स्कूटी बेचने को रेडी हूं उसी की बात यहां पे हो रही है कई बार आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहां पे मेन्यू कार्ड देखते हैं या कई बार वो आपको अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग दिखाते हैं जिसमें फोटो बनी होती है प्राइस लिखा होता है फोटो बनी होती है प्राइस लिखा होता है फोटो बनी होती है प्राइस लिखा होता है ये सारे क्या होते हैं मेरे बच्चा ये सारे क्या होते हैं दीज ऑल आर दीज ऑल आर दीज ऑल आर दीज ऑल आर Not the the offer offer. but invitation to the offer. But invitation to the offer i hope case study aayegi आएगी तो आप kar कर पाएंगे easily. आगे चलते हैं मेरे बच्चा स्पेशल conditions की एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं सर ये स्पेशल conditions क्या होती हैं? इसको layman लैंग्वेज में समझते हैं मानिए आपने जनरल टिकट खरीदी मान लीजिए आपने रेलवे की जनरल टिकट खरीदी जनरल टिकट मतलब वही डब्बा जिसमें लोग भरे रहते हैं जिसमें लोगों की सीट होती है तीस और लोग बैठे होते हैं तीन सौ उसकी बात कर रहा हूं वही डब्बे की बात कर रहा हूं उस डब्बे की आपने टिकट खरीदी यह उसकी टिकट है यह उसकी फ्रंट साइड है और फिर उसकी नीचे बना देता हूं बैक साइड ताकि आपको समझ आ जाए ये उसकी बैक साइड है ठीक है फ्रंट साइड बैक साइड फ्रंट साइड पे क्या लिखा होगा आपकी जर्नी ए स्टेशन से बी स्टेशन तक और कितने की आपने टिकट ली है वो सब लिखा होता है बैक साइड पे लिखा होता है कंडीशन क्या कंडीशन लिखी होती है एक कंडीशन तो ये लिखी होती है दिस टिकट इज नॉट ट्रांसफरेबल दिस टिकट इज नॉट ट्रांस परएबल अब और यहां पे लिखा होता है नॉर्मली लिखा होता है सी बैक साइड फॉर कंडीशंस सी बैक साइड फॉर कंडीशंस और और भी फिर लिखी होती हैं और भी कंडीशन लिखी होती हैं तो लॉ कहता है ये जो कंडीशन देखो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आपने भैया सर्विस लेनी थी एक जगह से दूसरी जगह की उसके पैसे दे दिए बट उसने कुछ कंडीशंस लगा दी जो उसने आपको बोल के नहीं बताई बस टिकट पे ही पीछे लिखी हुई थी कई बार ये टिकट पे लिखी होती है कई बार अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और सामान लेते हो तो उसकी दुकान पे बोर्ड लगा होता है कि पंद्रह दिन तक ही वापस होगा पंद्रह दिन तक ही वापस होगा उसके बाद वापस नहीं किया जाता है प्रोडक्ट इस तरह की कंडीशन लिखी होती है तो लॉ कहता है उसे आपको ये कंडीशन बोल के बताने की जरूरत नहीं है ये साइलेंटली ही बताई जाती है और साइलेंटली यानी जब आपने उससे टिकट खरीदा तो उसने आपको बता दी ऐसा मान लेगा लॉ और आपने भी एक्सेप्ट कर ली ऐसा मान लेगा लॉ यानी दोनों चीजें मान ली जाएंगी दोनों चीजें बेटा मान ली जाएंगी बट इंपॉर्टेंट क्या बात है जो कंडीशन होनी चाहिए ना वो रीजनेबल होनी चाहिए यानी अगर वो कंडीशन रीजनेबल नहीं है तो वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है जैसे एक केस में क्या हुआ था जैसे एक केस में क्या हुआ था मेरे बच्चा वेयर आर लॉन्ड्रर हिज कस्टमर अ रिसीप्ट फॉर क्लॉथ लॉन्ड्री वाले ने कपड़े लिए और एक रिसिप्ट दी वॉशिंग करने के लिए एक प्रूफ रहेगा ना कि आपने कपड़े दिए हैं उसे भैया तो एक प्रूफ होना चाहिए रिसिप्ट में पीछे स्पेशल कंडीशन लिखी हुई थी ठीक है और मान लिया जाएगा कि उसे ड्यूली कस्टमर को कम्युनिकेट हो गई है ठीक है मान लिया जाएगा कि वो कस्टमर को ड्यूली कम्युनिकेट हो गई है तो टासीड एक्सेप्टेंस उनका माना जाएगा लेकिन अगर उसने ये लिखा है पीछे कि अगर आपके कपड़े हमसे खो गए तो हम आपको बस थर्टी परसेंट ऑफ दी प्राइस ही देंगे हम आपके कपड़ों का थर्टी परसेंट पैसा ही वापस करेंगे अगर आपके कपड़े हमसे खो गए तो यह कंडीशन क्या है अनरीज़नेबल है भले ही उसने पीछे लिखी हो भले ही उसने पीछे लिखी हो हम उसे एक्सेप्ट साइलेंटली नहीं माना जाएगा और हम पूरा एलिजिबल होंगे हंड्रेड परसेंट पैसा लेने के लिए सो so, कंडीशंस हम

ठीक है तो यानी इनका कम्युनिकेशन भी साइलेंटली हो जाता है और एक्सेप्टेंस भी साइलेंटली हो जाता है चलिए आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से छोटी बात करना चाहता हूं छोटी छोटी बातें करते रहेंगे लंबा लेक्चर है ना लंबा लेक्चर है लेक्चर वैसे भी हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है मान लो इसकी ड्यूरेशन जाएगी पहले ही बता देता हूं एट टू नाइन आवर्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं मेरे बच्चा इसकी ड्यूरेशन अरे एट टू नाइन आवर्स कौन देखेगा आप क्या करना आप चाहे तो इसको पार्ट्स में देख लेना मतलब कैसे थ्री आवर्स के पार्ट्स में थ्री आवर्स के थ्री थ्री आवर्स के अगर तीन स्लॉट में देख लोगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है वो आप देख लेना आप कितने घंटे बैठ सकते हो लगातार आपकी कैपेसिटी के ऊपर है आप पांच घंटे बैठ सकते हो तो पांच घंटे दो दिन में खत्म हो जाएगा अगर तीन घंटे बैठ सकते हो तीन दिन और जो प्रो हैं और आई शुड से पिरो करेक्ट राहुल सर क्या बोलते हैं पिरो हैं तो वो लोग तो एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं ये हो गई बात पहली बात दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं आपके आईसीआई मटेरियल के मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा करेक्ट लेकिन 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 सर क्या लेकिन, क्या लेकिन, मेरा जो फ्लो हो सकता है वो थोड़ा आगे पीछे होगा जो मुझे लॉजिकल लगेगा तो मेरा फ्लो क्या हो सकता है बुक से मैच ना करे हो सकता है बट कंटेंट बुक से मैच करेगा क्योंकि मैं कंटेंट बनाता ही आईसीआई की स्टडी मटेरियल से हूं तो हो सकता है मेरा फ्लो थोड़ा आगे पीछे हो जाए मतलब कोई टॉपिक आपको पहले दे रखा है मैंने एंड में सिखाया है कोई टॉपिक आपको बाद में दे रखा है बट मुझे लगा कि बच्चे को ये पहले पहले पता होना चाहिए तो तो मैंने वो पहले बताया तो ऐसी थोड़ी बहुत के के देता हूं एक, दे एक डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगा आपको प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो स्टडी मटीरियल में यूनिट टू कंसिडरेशन में दिया हुआ यूनिट टू कंसिडरेशन में दिया हुआ बट क्योंकि मुझे लगता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि जब वादा टूट जाता है तो आप एक पार्टी को केस कर सकते हो तो मैं उसे किस यूनिट में पढ़ाता हूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले यूनिट में पढ़ाता हूं तो इस तरह का एक एग्जाम्पल है कि कैसे फ्लो जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट कंटेंट ऑलमोस्ट में सारा ही कवर करूंगा अच्छा एक और चीज सुन लो कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर होंगे ठीक है कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर होंगे बट हो सकता है आपके स्टडी मटेरियल में जो डिफरेंसेस हैं जो दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार होता है ना कि भैया इन दो चीजों का डिफरेंस बता दो तो वो मैं हो सकता है टाइम की वजह से यहां पे डिस्कस ना करूं बट अंडरस्टैंडिंग आपको उसकी भी आ जाएगी साथ ही साथ करेक्ट तो उसको आपको खुद रीड कर लेना है किसको डिफरेंसेस जो आपको आईसीआई मटेरियल में दिए हुए हैं और बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो मैं क्लास में कवर करूंगा आप इजिली पूरी बात समझ पाओगे इस केस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आते हैं अब डीपीपी पे

बच्चा नाइनटी क्वेश्चन देख के ही भाग गया कह रहा बंद करो भैया ये सब कौन देखेगा नाइनटी क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैं इस क्वेश्चन 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 डाल रहा हूं कैसे करना सिंपल डेली भी अगर आपने करें देखो जो मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बेचारे ज्यादा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बता रहा हूं वैसे तो इस टाइम आपको बहुत मेहनत करनी है ज्यादा करना है क्योंकि टाइम कम है डेली टेन क्वेश्चन भी करोगे ना मेरे बच्चा तो आपका क्या नाइन डेज में पूरा का पूरा पूरा का पूरा ये सॉल्व करके हो जाएगा easily solve करके हो जाएगा 90 क्वेश्चन सर आप इतने क्यों दे रहे हो बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और minimum अगर डेली आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो कम से कम उसमें से तीन से चार खुद से बिना आंसर देख के लिख कर लिख कर देखना और फिर अपना आंसर डीपीपी के आंसर से कंपेयर करके देना कि क्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है वो नॉर्मली थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, जो डिस्कशन में बात हुई है है ना तो डरना नहीं है चलते हैं हम लोग अब आगे चल सकते हैं हां नाउ कॉम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैंडेटरी होती है नॉर्मली करेक्ट मैंडेटरी होती है लेकिन ये हम कवर कर चुके हैं अगेंस्ट और अगेंस्ट दी ऑफरी करेक्ट कब कम्युनिकेशन मानी जाती है ठीक है ये ऑलरेडी कवर्ड हो गया केस स्टडी के थ्रू थ्रू पीछे बात करते हैं टेलीफोन की कई बार हम ऑफर टेलीफोन पे देते हैं तो सामने वाले को अरे भैया मुझे वो दस आम भेज देना दस आम भेज देना तो सामने वाला कह रहा है यस कह रहा है लेकिन लाइन कट जाती है तो लॉ कहता है जहां कि नेटवर्क वीक था कॉल ड्रॉप हो रही है लाइन सही नहीं है आवाज क्लियर नहीं आ रही है वहां पे हो सकता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो क्योंकि सामने वाले को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया उसने यस yes कहा कि क्या कहा तो आपको उस केस में दोबारा फोन करके पूछना चाहिए आपको क्या करना चाहिए दोबारा फोन करके एक बार एक्सेप्टेंस ले लेनी चाहिए कि सामने वाले ने सुना है या नहीं सुना है मोड ऑफ कॉम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस आप कैसे कैसे एक्सेप्टेंस जो है वो कॉम्युनिकेट कर सकते हो आप कैसे कैसे जो है एक्सेप्टेंस जो है मेरे बच्चा कम्युनिकेट कर सकते हो एक होता है आप बोलकर या राइटिंग में राइटिंग में मतलब मेल कर दिया व्हाट्सएप कर दिया उस तरह से आप कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय एक्ट कि आपने एक्ट करके एक्सेप्टेंस दी है दूसरा होता है आप कुछ करके एक्सेप्टेंस दे सकते हो कुछ करके एक्सेप्टेंस दे सकते हो ठीक है और तीसरा क्या है रन कुछ ना करके एक्सेप्टेंस दे सकते हो सर कुछ करके एक्सेप्टेंस दे सकते हैं कुछ ना करके सर समझा नहीं रणबीर ने अंगूठी खोली रणबीर ने अंगूठी खोली कैटरीना के सामने और कैटरीना ने हाथ ऐसे कर दिया फिंगर ऐसे कर दी ठीक है तो यहां पे हमने कुछ करके एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये हो गया बाय कंडक्ट बाय डूइंग समथिंग सर का कैसे एग्जांपल दोगे कुछ ना करके मैंने एक बंदे को बोला ठीक है एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो रहा था बहुत बड़ा ऑप्शन हो रहा था किस चीज का ऑप्शन हो रहा था मान लीजिए ये लीजिए ये रही मेरी एंटीक बोतल ये बहुत एंटीक बोतल है इसमें बहुत बड़े राजा महाराजा ने पानी पिया था ये एंटीक बोतल है इसका ऑप्शन हो रहा था मुझे पता है कि ये जो बंदा है दूसरा पर्सन जो है ये ऑप्शन में जाएगा और खरीद लेगा बट उसे मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं उस पर्सन को पास गया मैंने कहा देख मैं चाहता हूं कि तू कल कल के कल के ऑप्शन में ना जाए तो मैं तुझे तीन लाख रुपए दूंगा अगर तू कल के ऑप्शन में नहीं गया बोतल खरीदने और जब मैं कल ऑप्शन में बोतल खरीदने गया ना तो वो बंदा वहां पर नहीं था यानी उसने वहां ना आकर कर, कर कुछ ना करके मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया अब मैं उसे क्या दूंगा तीन लाख रुपए दूंगा अब मैं उसे क्या दूंगा तीन लाख रुपए दूंगा चलो इतनी अच्छी बात करिए तो पानी पी लेता हूं तो ये जो बोतल है मेरी पता कितने की है ऑक्शन में मुझे दस लाख की पड़ी प्लस तीन लाख उसे दिए तेरह लाख रुपए की बोतल है इज्जत करा करो तेरह लाख की बोतल की इसलिए तो इसमें से पानी पीता हूं मैंने कहा इतनी महंगी बोतल है पानी पी लू कहीं यूज ना करे तो क्या फायदा अब नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो मैंडेटरी होती है बट देर इज वन केस जहां पे अगर आपने कॉम्युनिकेट नहीं भी करी सो देर इज वन एक्सेप्शन देर इज वन एक्सेप्शन जहां पे अगर आपने कॉम्युनिकेट नहीं भी करी तो भी आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्या लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस इज वैलिड अगर कोई भी अगर हमने जनरल ऑफर दिया था और कोई भी पर्सन उस एक्ट को कर देता है भले ही वो हमें करे ना करे। तो करना जरूरी है, कहा था भले ही उसने हमें कम्युनिकेट करा या नहीं करा तो भी वो हो जाएगा सर समझ नहीं आया आएगा बेटा समझ आएगा इसके लिए हमें ना एक प्यारी सी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए हमें प्यारी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी वो पढ़ाता हूं मैं तुम्हें कार्लिल वर्सिस कार्बोलिक स्मोक बोल का हम लोग केस लो पढ़ने जा रहे हैं ठीक है अब इसमें होता क्या है इसको समझेंगे क्या केस है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक कंपनी है जिसका नाम क्या है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चा कार्बोलिक स्मोक बोल जिस कंपनी का नाम क्या है कार्बोलिक स्मोक बोल ओके सर कार्बोलिक स्मोक बोल इस कंपनी ने एडवरटाइजमेंट निकाला इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला और लिखा कि जो भी हमारी स्मोक बोल यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा उसको क्या नहीं होगा इन्फ्लुएंजा नहीं होगा जो भी हमारी स्मोक बोल यूज करेगा अब स्मोक बोल क्या होती है बेटा वो फिल्टर की तरह होती है उसमें इनहेल करनी होती है उसकी स्मोक को अगर आप दवाई को इनहेल करेंगे ना तो वो चीज स्मोक बॉल होती है तो कंपनी ने कहा जो भी हमारी स्मोक बॉल यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होने वाला है अगर आपने यूज करी और अगर आपको फिर भी इंफ्लुएंजा हो गया तो हम उसको क्या देंगे हंड्रेड पाउंड का रिवॉर्ड देने वाले हैं ये बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बड़े सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में निकाला था दिस इज द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट ठीक है ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको समझे अब कंपनी ने कहा इन्फ्लुएंजा अब एक मैडम थी जिनका नाम है मेरे बच्चा कार्लिल एक मैडम थी मिसिस कार्लिल मिसिस कार्लिल थी उन्हें बहुत डर लगता है इन्फ्लुएंजा से उन्होंने कहा अगर मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो तो उन्होंने क्या किया वो दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ते दौड़ते जाने के बाद मेडिसिन शॉप पे जाने के उन्होंने कहा अरे भैया कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी की जरा मुझे स्मोक बॉल्स दे दीजिए मैं इन्फ्लुएंजा से बचना चाहती हूँ उन्होंने वो स्मोक बॉल्स ले ली उनको यूज करा ताकि उन्हें कभी इंफ्लुएंजा ना हो बट प्रॉब्लम हो गई सर क्या प्रॉब्लम हो गई उन्हें हो गया, जबकि जबकि उन्होंने तो कार्लिल की जो स्मोक बोल्स थी वो सही से यूज करी थी फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो कुछ दिन बाद इन्फ्लुएंजा से ठीक हुई और इन्फ्लुएंजा से ठीक होने के बाद वो पहुंची कहां ऑफिस में किसके ऑफिस में पहुंची किसके ऑफिस में पहुंची कार्बोलिक स्मोक बोल के ऑफिस में पहुंची और कहने लगी मुझे मेरे हंड्रेड पाउंड दीजिए ना प्लीज तो उन्होंने कहा कोई हंड्रेड पाउंड्स नहीं मिलेंगे आपको उन्होंने कहा ये क्या बात हुई मैंने आपने तो न्यूज़पेपर में भी निकाला था तो उसने कहा भैया हमने पहली बात उन्होंने कही कि हमने आपको कोई ऑफर ही नहीं दिया वो तो बस एडवर्टाइजमेंट था एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं होता है पहली बात दूसरी बात कही कि अगर वो ऑफर होता भी है तो तुमने हमें एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट ही नहीं करी अगर तुमने हमें कम्युनिकेट नहीं करी एक्सेप्टेंस तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और अगर हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा मैं तुम्हें पैसे देने के लिए लाइबल नहीं हूं यह बात उन्होंने करी ठीक है ओके सर समझ गए नाउ बड़ा ही बुरा हुआ भाई किसके साथ कार्लिल के साथ कार्लिल रोने लगी कह रही है एक तो पैसे भी खर्च हो गए इन्फ्लुएंजा भी हो गया और ऊपर से इन लोगों ने मुझे हंड्रेड पाउंड भी नहीं दिए कहाँ चली गई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भैया कोर्ट का दरवाजा हे कोर्ट हे कोर्ट देखो मेरे साथ क्या हो गया मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के मैंने इनकी दवाई इस्तेमाल करी जैसा कहा था वैसा करा लेकिन फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया और अब ये लोग मुझे पैसे देने से मना कर रहे हैं कोर्ट ने पूरी बात सुनी दोनों पक्षों की कोर्ट ने कंपनी की भी बात सुनी और कार्ली लाटी की भी बात सुनी दोनों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया एक दिया, जो क्या बोला? उसने सबसे पहला बात कही कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं ऑफर नहीं होते उन्होंने कहा उन्होंने कहा क्या कहा एडवरटाइजमेंट जो आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में वो क्या होते हैं ऑफर होते, है, होते हैं इनविटेशन टू ऑफर होते हैं इनविटेशन टू ऑफर होते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है वो है जब भी आप एडवरटाइजमेंट रिवॉर्ड की फॉर्म में करते हो तो उसको इनविटेशन टू ऑफर नहीं जनरल ऑफर बोला जाता है यानी 99 नाइन परसेंट केसेस में एडवरटाइजमेंट आर इनविटेशन टू ऑफर बट नॉट दी ऑफर बट अगर एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया आप मेरा कुत्ता ढूंढ दोगे तो मैं आपको हजार रुपए दे दूंगा आप मेरा खोया हुआ वॉलेट वा ढूंढ दोगे तो मैं आपको पांच हजार रुपए दे दूंगा तो ये एडवर्टाइजमेंट जनरल ऑफर माने जाते हैं इनविटेशन टू ऑफर नहीं माने जाते तो पहली बात उन्होंने क्लियर कर दी कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था कंपनी ने वो एक ऑफर ही था सेकेंड पॉइंट कोर्ट ने कहा कार्बोलिक कंपनी कह रही थी ना भैया हमने ठीक है चलो ऑफर है लेकिन इन्होंने हमें बताया नहीं कि ये एक्सेप्ट कर रही हैं ये तो घर पे ही अपनी दवाइयां यूज कर रही थी कि हमारे पास आई बताने कि भैया हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूं तो इसलिए हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफर भी था तो एक्सेप्टेंस तो नहीं था कॉम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो नहीं था वो तो मैंडेटरी है कोर्ट ने कहा रुको कोर्ट ने कहा अगर आपका ऑफर जनरल ऑफर है ठीक है सिर्फ जनरल ऑफर के केस में ये बात लगती है अगर आपका ऑफर जनरल ऑफर है तो कोई भी पर्सन जो वो काम कर देता है जो आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था भले ही फिर वो आपको बताए चाहे ना बताए हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे यानी कार्लिल ने जैसे ही स्मोक बोल को सूंगा करेक्ट यूज करा वैसे ही उसी दिन आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसे आपको बताने की जरूरत नहीं है एंड क्योंकि आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इसीलिए कोर्ट ने कहा कि मिसिज कार्लिल जी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए और इस कंपनी को पैसा देना पड़ गया इस कंपनी को पैसा देना पड़ गया क्या यह केस लो आपको एकदम क्लियर हो गया यस yes no? और नो और यह एक इंपॉर्टेंट केस लो है इस पर कई बार केस स्टडी जो है पूछा जाता है मैंने दिल से बता दिया आपको कि भैया इसका मतलब क्या हुआ था इस केस लॉ में आगे चलते हैं मेरे बच्चा अब हमने कहा था भैया ऑफर हो गया एक्सेप्टेंस हो गया सब कुछ हो गया अब थोड़ा सा प्रोमिस पे आते हैं वापस एक प्रोमिस की बात करते हैं देखना प्रोमिस क्या होता है वट इज प्रोमिस जब भी ऑफर को उसकी एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो क्या बन जाता है प्रॉमिस बन जाता है जब भी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है वो क्या बन जाता है मेरे बच्चा प्रॉमिस बन जाता है ओके सर ठीक है अंडरस्टूड एग्जाम्पल देखेंगे एनालिसिस करेंगे हम इस बात को एक कॉफी की दुकान है ठीक है एक कॉफी की दुकान है जो कौन चलाते हैं दुखी राम जी चलाते हैं और एक कस्टमर है सुखी राम जी सुखी राम जी दुकान पर आए भैया हे दुखी राम हे दुखी राम मुझे कॉफी चाहिए ठीक है क्या तुम मुझे दोगे उन्होंने कहा हां हां क्यों नहीं देंगे दुखी राम ने कहा कह रहा है कितने की कह रहा है सौ रुपए की देंगे ठीक है सौ रुपए की देंगे इन्होंने कहा इन्होंने कहा आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी विल यू गिव मी विल यू गिव मी ऐसा करके उन्होंने पूछा तो ऑफर दिया सामने वाले ने क्या करा सामने था। आदुणे आदुणे। वाले ने यस बोला किसने यस बोला दुखी राम जी ने तो जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो लॉ बोल रहा है ये क्या बन गया मेरे बच्चा प्रॉमिस बन गया क्या बन गया है प्रॉमिस बन चुका है तो देखिएगा दुखी राम जी का प्रॉमिस क्या है दुखी राम जी का प्रॉमिस क्या है दुखी राम जी का प्रॉमिस है मैं डी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे डी का प्रॉमिस है कि वो कॉफी देगा डी का प्रॉमिस क्या है वो कॉफी देगा ठीक है ओके और सुखी राम का प्रॉमिस क्या है कि वो हंड्रेड रुपीस देगा सुखी राम का प्रॉमिस क्या है वो क्या देगा हंड्रेड रुपीस देगा ये दोनों प्रॉमिस हो गए तो दुखी राम के प्रॉमिस को मैं बोलता हूं पी वन वन सुखी राम के प्रॉमिस को बोलता हूं पी टू तो देर आर टू प्रोमिस पी वन एंड पी टू पी वन दुखी राम ने कॉफी देगा और उसने कहा मैं पैसा देगा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन जो आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं वो है प्रोमिसर कौन है क्वेश्चन में प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है ठीक है प्रोमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है सिंपल सा समझ लेना बहुत लैंग्वेज में, में। प्रोमिसर वो होता है जिसने वादा किया होता है और प्रोमिसी वो होता है जिसको वादा किया होता है अब यहां पे अगर आपको और जानना है, तो आपको प्रोमिस वाइज देखना पड़ेगा यानी पहले प्रोमिस का प्रोमिसर कौन है तीवन का प्रोमिसर कौन है जिसने वो वादा किया है किसने ये वादा किया है कि कॉफी देगा दैट इज दुखी राम तो दुखी राम इज द प्रोमिसर इज द प्रोमिसर ऑफ पीवन ठीक है दुखी राम प्रोमिसर है पीवन ओके एंड सुखी राम प्रोमिस वन का क्या है प्रोमिसी होगा क्योंकि उसको यह प्रोमिस किया गया है तो पीवन का क्या रहेगा प्रोमिसी रहेगा सेकेंड सेकंड प्रॉमिस टू की बात जब मैं करता हूं सौ रुपए देने की तो उसका प्रॉमिसर कौन होगा सिंपल वेरी वेरी सिंपल सौ रुपए देने का वादा किसने किया है इसने किया है तो टू का प्रॉमिसर यहां से दिखेगा पी टू का प्रॉमिसर कौन है दैट इज सुखी राम और पी टू का प्रोमिस ही कौन है क्या यह बात आपको क्लियर हो गई यानी जो प्रोमिसर और प्रोमिस होते हैं वो प्रॉमिस वाइज निकाले जाते हैं कि कौन से प्रॉमिस की बात हो रही है तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन प्रॉमिसर है तो आप पूछेंगे भैया कौन से प्रॉमिस की बात हो रही है अगर इस प्रॉमिस की बात कर रहे हो कॉफी वाले की तो प्रॉमिसर कॉफी वाला है और प्रोमिसी कस्टमर है अगर आप पैसे देने के प्रॉमिस की बात कर रहे हो तो पैसे देने के लिए प्रोमिसर कस्टमर है और प्रोमिसी कौन है जिसको वो रिसीव होने वाले हैं पैसे क्या ये बात आपको क्लियर हो गई सो so हमारा यहां पे प्रॉमिस का टॉपिक भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि कौन प्रोमिसर होता है कौन प्रोमिसी होता है लेमन लैंग्वेज में, में प्रोमिस करने वाला प्रोमिसर और जिसको प्रोमिस किया गया वो प्रोमिसी लेकिन हमेशा यह पूछना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली दो प्रॉमिस होते हैं तो कौन से प्रॉमिस की बात हो रही है उस प्रॉमिस के हिसाब से आपको आंसर करना है एक और स्टेप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे बच्चा अब आएगा नेक्स्ट स्टेप आएगा कंसीडरेशन कंसीडरेशन सबसे पहले कंसीडरेशन को हम समझेंगे लेमैन लैंग्वेज में सबसे पहले हम कंसीडरेशन को समझेंगे लेमैन लैंग्वेज में क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यस सर कंसिडरेशन का लेमन लैंग्वेज में मतलब होता है बदले में कुछ मिलना बदले में कुछ मिलना यानी समथिंग इन रिटर्न तो अगर आपको बदले में कुछ मिल रहा है मतलब कंसिडरेशन है और लॉ बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है कंसीडरेशन होना मैंडेटरी है यानी अगर आपको आपके प्रॉमिस के बदले में कुछ और नहीं मिल रहा है तो वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसीडरेशन इज मैंडेटरी ठीक है और जो कंसीडरेशन होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होती है वो प्रॉमिस की होती है बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट की देखी जाती है या प्रॉमिस की तो कंसीडरेशन भी प्रॉमिस वाइज देखी जाती है सर मतलब सिंपल पहला प्रॉमिस क्या था P1 क्या था कॉफी देगा और P2 क्या था पैसा देगा ठीक है P1 था कॉफी देगा और P2 था पैसा देगा अब हमें यह चेक करना है कि क्या कंसीडरेशन है या नहीं तो आपको पूछना है प्रॉमिस वन के बदले में क्या मिल रहा है प्रॉमिस वन के बदले में क्या मिल रहा है वो प्रॉमिस वन की कंसिडरेशन होगी प्रॉमिस वन के बदले में क्या कुछ रिटर्न में मिल रहा है क्या यस प्रॉमिस वन के बदले में क्या मिल रहा है हंड्रेड रुपीज तो पी वन की कंसिडरेशन है पी टू पी वन की पी वन के बदले यानी कॉफी देने के बदले सौ रुपए मिल रहे हैं और P2 की कंसीडरेशन है P1 यानी ये प्रॉमिस एक दूसरे के क्या माने जाएंगे कंसीडरेशन माने जाएंगे बदले में कुछ मिलना बदले में कुछ मिलना ठीक है सिंपल सी बात बस यही लिखी हुई है कि इन रिटर्न होता है ठीक है यानी कंसीडरेशन कोई नई चीज है क्या आपको क्या लग रहा है मेरे बच्चा कंसीडरेशन कोई नई चीज है नहीं ये प्रॉमिस ही है बस वो ये कहना चाहते हैं इस प्रॉमिस के बदले ये वाला प्रॉमिस मिला है तो इस प्रॉमिस की ये कंसिडरेशन और इस प्रॉमिस की ये कंसिडरेशन सिंपल यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक प्रॉमिस है जिस एग्रीमेंट में सिर्फ एक प्रॉमिस है तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं है जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल एक देता हूं ए ने बी को कहा मैं तुझे दस हजार दूंगा बी ने कहा यस मैं ले लूंगा बी ने ए ने कहा बी को मैं तुझे दस हजार दूंगा तू लेगा क्या बी ने कहा हाँ हाँ मैं ले लूंगा इसमें ऑफर तो दिया आपने कि भैया दस हजार लेगा सामने वाले ने एक्सेप्टेंस भी दिया आपने ऑफर भी दिया बट क्या इस के बदले में ए को दस हजार रुपए देने के बदले में यानी ए को अपने प्रॉमिस के बदले में कुछ बी देने वाला है क्या नहीं देने वाला तो लॉ कहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कह सकते हैं कंसिडरेशन नहीं है या मैं ये कह सकता हूं इस प्रॉमिस की कोई कंसिडरेशन नहीं है यानी इस प्रॉमिस के बदले किया गया कोई और प्रॉमिस नहीं है तो वेरी 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 सिंपल कि अगर एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस किया गया है तो वो कंसिडरेशन है चलिए एक और बच्चे को कंफ्यूजन आती है वो क्या कंफ्यूजन आती है वो भी क्लियर कर देते हैं तो कंफ्यूजन ये आती है मेरे बच्चा उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दो प्रोमिस हैं तो कंसिडरेशन पक्का है दो प्रोमिस होंगे तो कंसिडरेशन होगी ही होगी ये आती है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं ए ने कहा बी को बहुत सिंपल एग्जाम्पल ए ने कहा बी को हे hey बी मैं तुझे कार एंड एक लाख रुपए देना चाहता हूं एक लाख रुपए देना चाहता हूं तू लेगा क्या तू लेगा क्या कहा अरे कितनी अच्छी बात है यस यस ले लूंगा एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पे दो प्रॉमिस है एक का एक है कि वो कार देगा प्रॉमिस वन और ए का दूसरा प्रॉमिस है दैट इज वो एक लाख देगा दैट इज प्रॉमिस टू क्या यहां पे कंसीडरेशन है क्या अब चेक करेंगे पी वन के बदले ए को क्या मिल रहा है कार देने के बदले में क्या बी से कुछ मिल रहा है नहीं तो देर इज नो कंसिडरेशन एक लाख रुपए बी को दे रहा है कुछ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है देर इज नो कंसिडरेशन यानी जरूरी नहीं है दो प्रॉमिस है तो आप मानोगे भैया है, है दो प्रॉमिस है एक इस तरफ से आना चाहिए और एक इस तरफ से आना चाहिए तब वो कंसिडरेशन होते हैं एक ही तरफ से आप सौ तो प्रोमिस भी कर दोगे तो कंसिडरेशन वहां पर नहीं होती है ओके सर क्लियर हो गई सर हमें ये बात तो आपने पीछे और कुछ भी ज्ञान की बातें लिखी हुई थी ये yes, बेटा कंसीडरेशन एक्ट में भी हो सकती है मतलब कुछ करने की भी हो सकती है और कुछ ना करने की भी हो सकती है कुछ करने की भी हो सकती है कुछ ना करने की भी हो सकती है अपने फेमस एग्जाम्पल पे चलते हैं इंडियन ऑयल वाले पे इंडियन ऑयल ने ऑफर क्या दिया था इंडियन ऑयल ने ऑफर दिया था भैया कि मैं अपने गोवा में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं खोलूंगी अगर तुम मुझे दस करोड़ दोगे तो इंडियन ऑयल का प्रॉमिस क्या था इंडियन ऑयल का प्रॉमिस क्या था प्रॉमिस वन इंडियन ऑयल का दैट इज नॉट टू ओपन नॉट टू ओपन नॉट टू ओपन पेट्रोल पंप इन गोवा पीपी इन गोवा बदले में हिंदुस्तान ने क्या कहा भैया हम क्या देंगे टेन सी आर देंगे ये क्या है बच्चा पीट ठीक है पी वन पीट पहले चेक करते हैं कंसिडरेशन है कि नहीं तो मुझे बताओ इंडियन ऑयल को P1 के बदले क्या कुछ मिल रहा है yes. यस P1 के लिए क्या है 10 करोड़ है करोड़ रुपए दैट इज P2 ठीक है तो यहां पे जो कंसिडरेशन है वो क्या है वो दस करोड़ देंगे दैट इज एन एक्ट दैट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग वो देंगे वहीं अगर मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे जाता हूं तो उनका प्रॉमिस था कि हम आपको दस करोड़ देंगे और बदले में क्या मिल रहा है उनको उनको मिल रहा है कंसिडरेशन इन एप्टेंस मतलब सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करने वाली है सो नॉट डूइंग समथिंग का उन्हें कंसिडरेशन मिला नॉट डूइंग समथिंग का उन्हें क्या मिला मेरे बच्चा कंसिडरेशन मिला क्लियर है क्या तो इंडियन ऑयल को तो बदले में डूइंग समथिंग का कंसिडरेशन मिला कुछ ना करने के लिए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बदले में कंसिडरेशन क्या मिला नॉट डूइंग समथिंग का कि भैया इंडियन ऑयल जो है ये काम नहीं करेगी क्लियर है क्या यस yes, सर ये बात हमें क्लियर हो गई चलिए लेमन लैंग्वेज बहुत हो गई है टेक्निकल लैंग्वेज पे चलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलती है टेक्निकल लैंग्वेज ये बोलती है अब डेफिनेशन पढ़ेंगे ठीक है डेफिनेशन पढ़ेंगे बट डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ी सी ये दो पॉइंट पढ़ लेता हूं देन आई विल रीड द डेफिनेशन फॉर यू कंसीडरेशन को लैटिन लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ठीक है तो लैटिन लैंग्वेज में यानी समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यू बोलते हैं ये आपको बस लर्न कर लेना है ये आपको लर्न कर लेना है जब आप इस बात को एग्जामिनर के सामने लिखेंगे कंसिडरेशन के क्वेश्चन में कि भैया कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू होता है तो क्या होगा एकदम प्यार में पड़ जाएगा आपके कहेगा यार क्या बात है क्या कॉन्सेप्ट है बाकी सब ज्ञान बाद में डेफिनेशन बाद में ये वर्ड देख के तो वो खुश हो जाएगा क्वाइट प्रो को ठीक है ओके अगली लाइन ये बोलती है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि कंसिडरेशन एक पर्सन के लिए फायदा होता है एक पर्सन के लिए फायदा होता है एक पार्टी का फायदा होता है और दूसरी पार्टी का लॉस होता है मतलब अगर कस्टमर सौ तो दे रहा है तो कस्टमर के सौ रुपए जा रहे हैं करेक्ट और सामने वाली पार्टी को सौ रुपए मिल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, एक पार्टी का फायदा होता है कंसिडरेशन में क्योंकि उसको सौ रुपए मिल रहे हैं है ना कॉफी के बदले और इसका क्या होता है लॉस होता है क्यों क्योंकि उसके सौ रुपए जा रहे हैं सो कंसिडरेशन कैन बी अ प्रॉफिट और बेनिफिट फॉर वन पार्टी बट वही लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी अदर पार्टी सिंपल नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू पॉइंट लेट्स गो डेफिनेशन पढ़ते हैं ठीक है हो सकता है आपको कुछ समझना है बट मैं आपको समझा दूंगा चिंता मत करिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्लॉज से ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेवनटी टू वेन डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है जब वेन द डिजायर ऑफ द और ओके द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग और एबस्टेन फ्रॉम हैं सर, सर। लेमन लैंग्वेज में तो सब समझ गया था सर समथिंग इन रिटर्न यानी कुछ बदले में तो यहां पे इतनी बड़ी डेफिनेशन क्यों दी है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लगे कि लीगल लैंग्वेज भारी हो रही है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे हम उसको क्या करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे ओके सर आई हैव ब्रोकन डाउन मैंने इसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में अब एक एक पॉइंट को समझना कंसीडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर फर्स्ट पॉइंट जब वादा करने वाले के कहने पर कुछ होता है जब वादा करने मैंने आपको वादा किया है और उसके बदले आप कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरे कहने पर खुद से नहीं कर रहे हैं जैसे मैंने कहा मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको एक किलो आलू दूंगा वन केजी दूंगा ये मेरा वादा था तो मैं कौन हूं प्रोमिसर तो मेरा वादा क्या है मेरा वादा है मैं आपको आलू दूंगा ठीक है मैं आपको आलू दूंगा तो ये मेरा वादा है तो मैं गुरप्रीत सर हो गए आपके जीएस क्या हो गए

50 रुपीस मांगे और आपने कहा ठीक है दे दूंगा आपने पहले तो यह कहा आप मैंने आपको आलू पकड़ाए आपने क्या करा आपने जेब में हाथ डाला और आपके पास 50 रुपए की च्युइंगम्स पड़ी हुई थी और आपने कहा गुरप्रीत सर ये 50 रुपए की च्युइंगम्स ले लीजिए अपना हिसाब हो गया आपने 50 रुपए मांगे थे मैं 50 रुपए की आपको चिंगम दे रहा हूं लो कह रहा है नहीं आप जो देंगे वो मेरी मर्जी से देंगे यानी मेरे आलू के बदले मैंने पचास रुपए मांगे हैं तो आपको पचास रुपए देने आप मुझे कुछ और चीज नहीं दे सकते आई वॉन्ट माई फिफ्टी रूपीज ठीक है मैंने डिसाइड करा इट विल बी डिसाइडेड द पर्सन तो मेरे प्रॉमिस के बदले आप क्या देने वाले हैं वो मैं ही डिसाइड कर सकता हूं और कोई डिसाइड कोई थर्ड पार्टी उसे डिसाइड नहीं कर सकती है ओके सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है डेफिनेशन का प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन यानी वो बोल रहा है आलू के बदले जो पैसा देना है वो हो सकता है आप ही दे जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है यानी जरूरी नहीं है कि जो पैसे हैं वो मुझे आप ही से मिले अगर कोई और आपकी जगह आपका दोस्त आके मुझे पचास रुपए दे गया तो वो भी कंसिडरेशन यानी डिसाइड तो मैं ही करूंगा डिसाइड तो प्रोमिसर ही करेगा बट उसको देने वाला हो सकते हैं आप हो या कोई थर्ड पार्टी हो ठीक है अब आगे क्या लिखा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कंसिडरेशन एक्ट भी हो सकता है कुछ करना भी हो सकता है और कुछ नहीं करना भी हो सकता है तो लॉ ने क्या करा ना लॉ ने मेरे बच्चा लॉ ने इसको टेंस में लिख दिया लॉ ने कहा कुछ करना कुछ नहीं करना पास्ट टेंस में फिर लिखा और डज कुछ करना कुछ नहीं करना इसको लिख दिया प्रेजेंट टेंस में ठीक है फिर लिखा कहना कि मैं कर दूंगा या नहीं करूंगा ठीक है इसको लिख दिया फ्यूचर टेंस में यानी वो बोल रहे हैं कि कंसीडरेशन कैन बी पास्ट कंसीडरेशन 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 कैन कैन बी बी प्रेजेंट फ्यूचर कंसीडरेशन यानी जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन आज ही आप मैंने आपको अगर आलू दिए हैं तो आप मुझे दस दिन बाद भी उसके पैसे दे सकते हैं फ्यूचर में भी दे सकते हैं आज भी दे सकते हैं और हो सकता है पहले से एडवांस पैसे दे के गए हो तो लॉ यही कह रहा है इट कैन बी अ पास्ट कंसिडरेशन प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन ठीक है ओके okay. सच एक्ट मतलब जो भी आपने किया था प्रॉमिस उसके लिए और कंसीडरेशन जो होती है वो की होती है. की नहीं होती है, और फिफ्टी रूपीज के बदले जो आलू मिल रहे हैं वो आलू उस प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन है क्या यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया ब्रेक डाउन कर लीजिए हमेशा कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा प्रोमिस और डिसाइड करेगा ओके okay, सर उसको मिलेगी किससे जरूरी है कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसी से मिलेगी नहीं कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है अभी इस पे मैं केस आपको तो आपको तो एकदम क्लियर हो जाएगा पास्ट भी हो सकती है प्रेजेंट भी हो सकती है फ्यूचर भी हो सकती है और यह तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ करना भी कंसिडरेशन हो सकता है डन और कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हो सकता है दैट इज एपेंट ओके सर क्लियर है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पॉइंट जो थ्योरी क्वेश्चन में मोस्टली पेपर में दिखाई देता है पांच या छह मार्क के लिए आपको ये पेपर में नजर आएगा ये पॉइंट आपको लिखने हैं बट लिखने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड एक एक पॉइंट को दिल से समझते हैं हा सर दिल से समझ लेते हैं पहला पॉइंट क्या है कि कंसीडरेशन जो डिसाइड करेगा वो प्रोमिसोर डिसाइड करेगा मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस मतलब कंसीडरेशन कौन डिसाइड करेगा प्रॉमिस और डिसाइड करेगा इस पे एक केस लो है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्दिओ इसको समझते हैं तो आपको फर्स्ट पॉइंट एकदम टनाटन क्लियर हो जाएगा इस केस में क्या हुआ एक मिस्टर बालदियो थे कॉन्ट्रैक्टर जो क्या करते हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं मार्केट्स बनाते हैं चीजें बनाते हैं एक पर्सन थे मिस्टर दुर्गा और एक पर्सन थे कलेक्टर तो देर आर थ्री पार्टीज इस केस में जो है जो आपका रोल निभाएंगी कलेक्टर ने बाल्दियों को कहा हे hey, बालदियों किसने कहा कलेक्टर ने कहा अरे बाल्दियो तू एक मार्केट बना तू एक बहुत बड़ा मॉल बना एक बहुत बड़ी मार्केट बना जिसमें बड़ी सारी दुकानें होगी बाल्दियों ने कहा बना दूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है और बाल्दियों ने क्या करा बाल्दियों ने मार्केट बना दी बाल्दियों ने क्या करा बहुत बड़ी मार्केट बना दी जिसमें सौ दुकानें बना दी सौ दुकानें बन गई ठीक है अब इनोग्रेशन हुआ इनग्रेशन होने के बाद उसमें से एक दुकान दुर्गा प्रसाद ने ली उसमें से एक दुकान किसने ली मेरे बच्चा दुर्गा प्रसाद ने ली और जब उसने यह दुकान ली तो दुर्गा प्रसाद ने बाल्दियों को कहा ठीक है बाल्दियों को कहा कि भैया मैं तुझे ना जितना भी मेरा इस दुकान से सामान बिकेगा उसका पांच परसेंट कमीशन दूंगा उसका क्या दूंगा जितना भी मेरी दुकान से माल बिकेगा उसका पांच परसेंट कुछ महीने हुए एक महीना हुआ दो महीने हुआ तीन महीने हुआ ऐसे हुआ दुर्गा प्रसाद कमीशन देता रहा बाल्टियों को अब कुछ महीने बाद दुर्गा प्रसाद ने पैसे देने बंद कर दिए बाल्टियों को बाल्दी उसकी दुकान पे पहुंचा कह रहा अरे दुर्गा प्रसाद तुम कमीशन नहीं दे रहे हो यार आजकल कहा है कमीशन तो दुर्गा प्रसाद ने कहा मैं तुझे अब कोई कमीशन देने वाला नहीं हूं चल सुट यहां से निकल जा दोबारा मत दिखना ओके सर अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई ये गुस्सा हो गया इसे इसने कहा ओ माय गॉड अच्छा तो ये चला गया कोर्ट के पास बाल्दियों कोर्ट के पास चला गया कि दुर्गा प्रसाद ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे क्या देगा कमीशन देगा और वो नहीं दे रहा है लोने का अच्छा हाँ ये तो देखना पड़ेगा तो लोने कहा लोने बालदियों से पूछा कि तुम इस कमीशन के बदले तुमने दुर्गा प्रसाद के लिए क्या करा है तुमने दुर्गा प्रसाद के लिए क्या करा है क्योंकि कंसिडरेशन होनी चाहिए भैया कॉन्ट्रैक्ट में तो उन्होंने साफ-साफ पूछा तुम बताओ तुमने क्या करा तो बालदियों ने कहा मैंने इतनी बड़ी मार्केट बनाई है मैंने इतनी बड़ी मार्केट बनाई है इसीलिए मैं 5% ले रहा हूं तो कोर्ट ने कहा अरे बेटा तुमने मार्केट तो कलेक्टर के लिए बनाई थी ना मार्केट किसके लिए बनाई थी एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर एट डिजायर ऑफ द कलेक्टर एट डिजायर ऑफ कलेक्टर तो जाके कलेक्टर से पैसे लो तुमने उसके कहने पे काम किया तुमने दुर्गा प्रसाद के लिए कुछ नहीं करा और क्योंकि तुमने दुर्गा प्रसाद के डिजायर पे कुछ नहीं करा तो तुमने मतलब उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दी यानी ये जो तुम पांच परसेंट मांग रहे हो उससे उसके लिए तुमने कोई काम नहीं कराया दुर्गा प्रसाद के लिए इसलिए तुम एलिजिबल नहीं हो और इसीलिए फिर बालदियों को कभी भी पांच परसेंट कमीशन नहीं मिला क्या यह केस लो आपको क्लियर हो गया ये और नो कि अगर काम जो करना है आपको वो प्रोमिसर की डिजायर पर करना है तभी आप उससे क्या कर सकते हैं कंसिडरेशन यानी प्रोमिस निभा सकते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बच्चों ठीक है सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो कंसिडरेशन है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी से ही मिले उसे कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है पहले एक बार लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं फिर केस लॉ बता देता हूं मैंने एक बच्चे को कहा मैंने कहा भाई मैं तुझे लॉ पढ़ा दूंगा तू मुझे सौ रुपए दे देना मैं तुझे लॉ पढ़ा दूंगा तू मुझे सौ रुपए दे देना ठीक है उसने कहा ठीक है उसने एग्री कर लिया मैंने उसे लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया लेकिन सौ रुपए उसने नहीं दिए उसके पापा ने आके दिए तो लॉ कहता है अगर उसके पापा ने भी आके दिए तो कोई दिक्कत नहीं है डिसाइड तो मैंने ही करे थे ना कि मुझे सौ रुपए मिलने तो डिसाइड मैं ही करूंगा बट जरूरी नहीं है कि सौ रुपए मुझे जो है उनसे ही मिले करेक्ट uh, बच्चे से ही मिले उसके पापा उसकी मम्मी उसके चाचा उसके ताऊ कोई भी आके दे सकता है कोई भी आके दे सकता है बट इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है दैट इज कि अगर वो पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट है मतलब उसने टीचिंग मुझसे लेनी थी मैंने कहा अरे मेरा छोटा भाई आके पढ़ा देगा तो वहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते जहां पे उसने मुझसे पढ़ना है तो मुझे ही उसे पढ़ाना पड़ेगा वहां पे नहीं मैं कह सकता कंसिडरेशन कोई और आपके सौ रुपए के बदले मेरा छोटा भाई आके पढ़ा के दे देगा क्योंकि वहां पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है तो वो एक एक्सेप्शन है बाकी नॉर्मली जो है थर्ड पार्टी दे सकती है इसका भी एक केस लो है चिनइया वर्सेस रमैया बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है बार बार पेपर में आता है मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिख के दिया हुआ है इस केस लो को समझते हैं इसमें हुआ क्या था लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस लो चलिए इस में क्या हुआ मेरे बच्चा एक ओल्ड लेडी थी ठीक है ओल्ड लेडी थी उसने क्या करा ओल्ड लेडी ने चिन को बोला अपनी बेटी ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को बोला बेटी मेरी उम्र हो गई है मैं कभी भी टपक सकती हूं बेटी मेरी उम्र हो गई है मैं कभी भी टपक सकती हूं मैं ऐसा करती हूं जाने से पहले तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देती हूं मैं जाने से पहले तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देती हूं लेकिन एक बात का ख्याल रखना जो तेरे मामा है ना रमैया उनको हर साल तू क्या करना सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज देती रहना हर साल क्या करना सिक्स फिफ्टी थ्री ताकि वो अपना खर्चा बेचारे निकाल सके वो भी तो बूढ़े हो गए हैं तो चिनैया ने कहा हाँ हाँ मम्मी मुझे पैसे दे दीजिए और चिनइया ने क्या करा चिनैया ने क्या करा एकदम एक, एक डॉक्यूमेंट साइन करा एक डॉक्यूमेंट साइन करा, करा विद रमैया कि वो उसको हर महीने क्या देगी सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज देगी ये डॉक्यूमेंट उसने रमैया के साथ साइन कर लिया तो ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और इसने सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज देना चालू कर दिया एक महीना दिए दो महीना दिए तीन महीना दिए तीसरे चौथे महीने में क्या हुआ ओल्ड लेडी चल बसी ओल्ड लेडी चल बसी अब चिनैया जो है वो अपने असली रूप दिखाने लगी और उसने क्या करा डेथ के बाद पैसे देना अपने मामा को बंद कर दिया मामा उसके घर पहुंचे कह रहे बेटी आजकल वो पैसे नहीं आए तुमने पैसे देने थे ना तुमने मेरे को साइन करके डॉक्यूमेंट दिया है कि तुम मुझे हर साल सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज दोगी है ना तो वो सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज दे दो ना मुझे प्लीज तो उसने कहा चिनैया ने कहा मैं तुम्हें कोई सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज नहीं दूंगी तो रमैया ने कहा अरे लेकिन मेरे पास तुम्हारा साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट है तुम्हें देने पड़ेंगे तो चिन्ह ने कहा तो क्या हुआ डॉक्यूमेंट है तो क्या हुआ तुमने मुझे बदले में क्या दिया तुमने कोई मुझे कंसिडरेशन दी है क्या तुमने मुझे कोई कंसिडरेशन दी है क्या मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली जाओ जिस कोर्ट में जाना चले जाओ जाओ जिस कोर्ट में चले जाओ चले जाओ क्योंकि ये वन साइडेड प्रॉमिस है इसकी कोई कंसिडरेशन तुमने मुझे कुछ दिया है द आंसर इज नो

कि आप इन्हें 653 फिफ्टी थ्री एनुअली देंगी उसका कंसिडरेशन इन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं लेकिन वो आंटी तो आपको ऑलरेडी देके चली गई ना आपकी मम्मी तो आपको ऑलरेडी देके चली गई ना तो वो कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ गया इन्होंने रमैया जी ने कंसिडरेशन नहीं दिया कोई बात नहीं लेकिन ओल्ड लेडी ने तो आपको कंसिडरेशन दिया था ना आपकी मम्मी ने तो दैट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन एंड एज पर लॉ आपको सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज देने पड़ेंगे चेनैया जी सिक्स फिफ्टी थ्री रुपीज देने पड़ेंगे समझ गई कि नहीं समझी तो चेनैया ने कहा अच्छा यानी कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑल्सो थर्ड पार्टी ऑल्सो ये मूव हो सकती है इस केस लो में ये बताया है एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चलिए वापस चलते हैं तो अगेन हमारा सेकेंड uh, पॉइंट भी क्लियर हो गया ओके okay. यहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड इन लॉ इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है ये भी बता देता हूं मुझे बताइए किसने दिया है ओल्ड लेडी ने कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ था डॉक्यूमेंट का कि पैसे देंगे इन दोनों के बीच में तो कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर कौन हुआ अगर कंसिडरेशन यहां से यहां गई है तो कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर पर्सन कौन है हम इसको बोलेंगे स्ट्रेंजर टू यानी रमैया एज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और यह वैलिड है मतलब इवन दो वो कंसिडरेशन उन्होंने नहीं दिया है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा वैलिड रहेगा बस इतनी सी बात लिखी हुई है नेक्स्ट पॉइंट कंसिडरेशन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है सर इसका क्या मतलब है आइए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा एकदम क्लिक हो जाएगा देखो जितना सिंपल एग्जाम्पल लेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा ए ने बी को कहा मैं तुझे घर दूंगा और बी ने ए को कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा ए ने बी को कहा मैं तुझे घर दूंगा बी ने ए को कहा मैं तुझे एक करोड़ दूंगा ठीक है लॉ बोलता है अगर ए अपना प्रॉमिस और बी अपना प्रॉमिस निभा चुके हैं दोनों ने अपना अपना अगर प्रॉमिस निभा दिया है तो हम इसको बोलेंगे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव हाँ, कंसिडरेशन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे एक्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मतलब ए की consideration भी एग्जीक्यूट हो चुकी है और बी की कंसिडरेशन भी एग्जीक्यूट हो चुकी है लेकिन केस ए ने अपना प्रॉमिस अभी निभाना बाकी है बट बी ने अपने पैसे दे दिए तो लॉ कहेगा ए की जो कंसिडरेशन थी वो अभी एग्जीक्यूटरी है यानी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन और इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन सिंपल ओके एंड लास्ट हो सकता है वाइस वाइस में क्या हो सकता है ए ने अपना प्रॉमिस कर दिया बट बी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो ए की कंसिडरेशन हो जाएगी एग्जीक्यूटिव और बी की हो जाएगी एग्जीक्यूटरी बी की हो जाएगी एग्जीक्यूटरी क्लियर है क्या यस और नो सिंपल देन कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है प्रेजेंट की भी हो सकती है फ्यूचर की भी हो सकती है ये तो ऑलरेडी हमें डेफिनेशन में क्लियर हो गया था ना पहले से कुछ कर दिया कर रहे हैं या करने वाले हैं या ठीक है तो ये तीनों ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर है कि कंसिडरेशन पहले भी मिल सकती है अभी भी मिल सकती है और फ्यूचर में भी मिल सकती है कंसिडरेशन वैलिड ही रहने वाली है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझेंगे ये चार मार्क के लिए क्वेश्चन आता भी है पेपर में लॉ बोलता है कंसिडरेशन का एड्युक्ट होना जरूरी नहीं है कंसिडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्रॉमिस वन सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो प्रॉमिस वन की वैल्यू प्रॉमिस टू के होना जरूरी नहीं है सर इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है गुरप्रीत सर ने देखिए गुरप्रीत सर के पास आईफोन सिक्सटीन प्रो प्रोमैक्स अल्ट्रा है गुरप्रीत सर के पास कौन सा फोन है आईफोन प्रो प्रो मैक्स अल्ट्रा फोन है यह गुरप्रीत सर का फोन है प्रो प्रो मैक्स अल्ट्रा ठीक है तो ये जो गुरप्रीत सर का आईफोन प्रो प्रो मैक्स अल्ट्रा है इसकी मार्केट में कीमत इस टाइम अगर मैं बेचने जाऊं मार्केट में वैल्यू इसकी तीस हजार रुपए ठीक है मार्केट में वैल्यू इसकी कितनी है मेरे बच्चा तीस हजार रुपए इस फोन की वैल्यू तीस हजार रुपये लेकिन अगर ये फोन मैंने किसी को पांच हजार में भी बेचना चाहा तो लॉ कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी चीजें सस्ते में भी बेच दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसिडरेशन एडुकेट होनी जरूरी नहीं है यानी एक प्रॉमिस की वैल्यू दूसरे प्रॉमिस की वैल्यू से इक्वल होने की बात नहीं करी गई है क्या मैं ये प्रॉमिस क्या मैं ये फोन एक लाख का भी बेच सकता हूं तो भी लॉ को प्रॉब्लम नहीं है लॉ कह रहा है चाहे तुम अपना तीस का फोन पांच में बेचो चाहे एक लाख में बेचो मैं चेक करने नहीं आऊंगा ये तुम दोनों पार्टीज की सरदर्दी है जब तुम कॉन्टेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हें नेगोशिएट करना है उस टाइम पे तुम्हें नेगोशिएट करना है कि कितने में सामान मिलना चाहिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन हां किसी से जोर जबरदस्ती में ऐसा मत करना यानी अगर कोई बंदा मुझसे मेरा इतना तीस हजार रुपए का फोन गन पॉइंट पे मेरे ऊपर गन रख के कह रहा है गुरपीत सर अपना आईफोन प्रो प्रो मैक्स अल्ट्रा फोन अपना पांच हजार रुपए में दे दीजिए और मुझसे छीन लेता, लेता है तो कहेगा वरना नॉर्मली नॉर्मली कंसीडरेशन एड है या नहीं है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है आप अपनी एक रुपये की चीज सौ रुपए में बेचो चाहे एक रुपए की चीज आप फ्री में दो मुझे कोई लेना देना नहीं है ओके सर ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा 99% परसेंट बच्चा इसको गलत लिखता है उसे लगता है कि हाँ दोनों प्रॉमिस जो है देखो इस पॉइंट को समझो कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है लेकिन उसका एडुकेट होना जरूरी बिल्कुल नहीं है लॉ कहता है देयर शुड बी सम कंसिडरेशन बट क्या वो एडुकेट होनी चाहिए लॉ कह रहा है वो मुझे चेक नहीं करना है बस कंसिडरेशन हुई मेरे लिए उतना काफी है मेरे लिए उतना काफी है कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच इज इसको कर देते हैं विच इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इसका क्या मतलब है सर लॉ कहता है अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी वो काम करना है तो वो कंसिडरेशन नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की जैसे एक गवर्नमेंट इंप्लॉय है एक गवर्नमेंट इंप्लॉय है मानिए उसको गवर्नमेंट पचास हजार रुपए पर मंथ की सैलरी देती है पचास हजार रुपए पर मंथ की सैलरी देती है क्यों देती है सैलरी ताकि वो जो फाइल्स गवर्नमेंट के ऑफिस में पड़ी हैं उन्हें चेक करके क्लियर कर दे उन्हें चेक करके क्या कर दे बेटा क्लियर कर दे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पचास हजार रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है कि फाइल चेक करके क्लियर करनी है अब एक बंदा अपनी फाइल लेके आता है एक बंदा अपनी फाइल लेके आता है चेक करवाने की भैया चेक करके इस पर साइन करके इसे क्लियर कर दो तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहता है कि भैया कर तो देंगे लेकिन पैसा लगेगा लाइए तीन हजार रुपये दे दीजिए आपकी फाइल आज ही चेक होके क्लियर हो जाएगी लाइए तीन हजार रुपए दे दीजिए तो लॉ कह रहा है ये ऑलरेडी ये बाउंड है काम करने के लिए तो आपके तीन हजार रुपए के लिए इसके बदले में इसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया बिकॉज ये तो इसको करना ही था ये तो इसको करना ही था तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने तो तीन हजार दिए लेकिन इसने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया क्योंकि ये ऑलरेडी बाउंड था उस काम को करने के लिए तो आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ये बात आपको समझ आ गई होगी ठीक है, कंसीडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी उसको अगर करना ही है तो वो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या है? ये इसमें मेन एग्जाम्पल आता है मेरे बच्चा कौन सा एग्जाम्पल आता है एक तांत्रिक है एक तांत्रिक है वो एक लेडी को कहता है लेडी को कहता है तुम मुझे पचास हजार दो मैं तुम्हारे हस्बैंड को जिंदा कर दूंगा मैं तुम्हारे हसबैंड को जिंदा कर दूंगा यानी तांत्रिक प्रॉमिस करता है कि मैं हस्बैंड को जिंदा कर दूंगा और लेडी प्रॉमिस करती है मैं तुम्हें पचास हजार दूंगी तो लॉ कह रहा है इस प्रॉमिस की जो कंसिडरेशन है ये जो आप पचास हजार रुपए दे रहे हो इसकी जो कंसिडरेशन है कि वो आपके पति को जिंदा कर देगा ये रियल नहीं है दिस इज नॉट रियल दिस इज इंपॉसिबल ये हो ही नहीं सकता है अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं है कि ये तांत्रिक जिंदा कर देगा तो आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है आपके बीच क्या नहीं हो सकता है, मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया यस yes, सर ये पॉइंट मुझे क्लियर हो गया इसमें एक और एग्जाम्पल भी आता है कि वो बोलता है कि आप मुझे एक लाख रुपए दो मैं जादू से बहुत बड़ा खजाना ढूंढ के दे दूंगा तो खजाना ढूंढना रियल नहीं है तो इसीलिए वो भी क्या माना जाएगा कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी ठीक है ओके कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए अनलॉफुल मतलब कि ए ने कहा बी को कि तू मुझे एक लाख रुपए दे ए ने बी को कहा तू मुझे एक लाख रुपए दे और मैं तुझे गांजा दूंगा मैं तुझे ड्रग्स दूंगा तो वो क्या हो गई अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गई तो वो भी लॉ में नहीं चलती है इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है आगे इसका लेक्चर में डिटेल डिस्कशन होने वाला है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आगे मैं इसका डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का ओके सर तो कंसिडरेशन हो गया है hmm. लॉ हो गया है ओके hmm. हाँ अब जाके आया नया टॉपिक सेक्शन ट्वेंटी फाइव सेक्शन ट्वेंटी फाइव ये बोलता है कि अगर आपके एग्रीमेंट में अगर आपके एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एक वाइड एग्रीमेंट है सर इसका क्या मतलब है वो एक वाइड एग्रीमेंट है इसका बेटा ये मतलब है कि आप उसे कोर्ट में ले जाकर केस नहीं कर सकते यानी अगर आपके एग्रीमेंट में प्रोमिस नहीं है प्रोमिस के बदले प्रॉमिस नहीं है समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो आप दूसरी पार्टी पे केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वॉइड है वो लीगली लॉ की नजरों में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेकिन देर आर सर्टेन केसेस देर आर सेवन केसेसू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देर आर सेवन केसेस जहां पे कि अगर प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस नहीं भी हुआ यानी कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो भी आप सामने वाले को केस करके उससे क्या करवा सकते हैं उससे क्या करवा सकते हैं उसका वादा पूरा करवा सकते हैं ओके okay, सर एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं यह वाली स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क करी हुई है इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कोई सा भी केस और खासकर यह वाला नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से हुआ है जो प्रॉमिस किया है और दोनों पार्टी नियर रिलेशन में है नियर रिलेशन मतलब हस्बैंड वाइफ डोटर मदर यानी बहुत करीबी रिलेशन में है और वो बात राइटिंग में हुई है और लॉ के अंडरफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे वट वी विल से नेचुरल लव एंड अफेक्शन की भले ही कॉन्ट्रेक्ट में एग्रीमेंट कंस, में कंसिडरेशन मिसिंग था फिर भी आप सामने वाले पे केस करके समान जो है वो प्रॉमिस uh, जो है वो फुलफिल करा सकते हो इस वाले का एक एग्जाम्पल देखते हैं लेट सी वन एग्जाम्पल ये बलदेव सिंह है और ये सिमरन है बलदेव की बेटी सिमरन बलदेव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है सिमरन से बहुत प्यार करता है बलदेव सिमरन से अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है तो वो चाहता था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले किसके नाम कर दे सिमरन के नाम कर दे करेक्ट तो उसने क्या डिसाइड किया उसने डिसाइड किया कि वो जो अपना घर है वो किसको दे देगा अपनी डॉटर सिमरन को दे देगा क्योंकि वो अपनी डॉटर से बहुत बे प्यार करता है बलदेव ने क्या करा एक डॉक्यूमेंट बनाया घर ट्रांसफर का उसे राइटिंग में था वो डॉक्यूमेंट और उसे साइन कर दिया उसे साइन करा और वो जाने लगा विद लॉयर टू गेट द डॉक्यूमेंट रजिस्टर वो अपने लॉयर के साथ गया चलो आओ इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराएं केस वन बलदेव जा रहा था गाड़ी में और रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई जब एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो बलदेव भाई नहीं रहे सिमरन को वो डॉक्यूमेंट मिला जिस पे पापा के साइन थे और लिखा हुआ था कि ये घर अब किसका हो गया है सिमरन का हो गया है क्या वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है लॉ पूछ रहा है क्या वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है ये केस स्टडी आता है तो आप कहेंगे नहीं क्यों नहीं बिकॉज सिमरन ने बदले में कुछ नहीं दिया सिमरन ने बदले में कुछ नहीं दिया भी थी पापा बेटी की राइटिंग में भी था बट लॉ के अंदर क्या नहीं हुआ मेरे बच्चा रजिस्टर नहीं हुआ लॉ के अंदर रजिस्टर होना बाकी था इसलिए वो नहीं ले पाएगी लेकिन वहीं अगर बलदेव मर जाते एक्सीडेंट में रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्रेशन करा लिया था अब गाड़ी से निकले रजिस्ट्रेशन ऑफिस से और फिर उनकी डेथ हो गई सिमरन को सेम डॉक्यूमेंट मिला बट अब वो डॉक्यूमेंट क्या था रजिस्टर्ड था क्या वो अब प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है द आंसर इज यस बिकॉज नाउ ऑल दी फोर आर सेटिस्फाइड तो आपको ये याद रखना है कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो ले सकती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं रहेगा वैलिड नहीं रहेगा और अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं सिंपल ओके सेकंड एक्सेप्शन है मेरे बच्चा एजेंसी यानी लॉ बोलता है सेक्शन 185 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एजेंट अगर आपको किसी बंदे को एजेंट बनाना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे कंसिडरेशन दे यानी आप किसी को एजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी नॉर्मली क्या होता है एजेंट आपसे कमीशन चार्ज करता है अगर आपने सुना होगा एजेंट क्या चार्ज करता है आपसे कमीशन चार्ज करता है आपने किसी को काम करने के लिए एजेंट बनाया उसने आपसे कमीशन चार्ज करी वो तो वैलिड है वो तो वैलिड है देखिए ये आर है, आर है, के पास एक घर है वो अपने घर को बिकवाना चाहता है तो उसने अपने घर बिकवाने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट करा उसने अपने घर बिकवाने वाले को एजेंट को अपॉइंट करा नाउ देर आर टू केसेस देर आर टू केसेस फर्स्ट केस क्या है फर्स्ट केस ये है कि एजेंट ने कमीशन चार्ज करी और दूसरा ये केस है एजेंट ने कमीशन चार्ज नहीं करी दूसरा ये केस है एजेंट ने कमीशन चार्ज नहीं करी आर के पास एक घर है एजेंट है कमीशन है नहीं कमीशन नहीं है लॉ बोलता है एजेंट ने कमीशन चार्ज करी तो तो भैया एजेंट आपको सर्विसेज दे रहा है एजेंट का प्रॉमिस क्या है? सर्विस देना और आपने प्रॉमिस किया आप क्या दोगे कमीशन दोगे तो यहां तो कंसिडरेशन हो गई तो अगर यहां कंसिडरेशन हो गई तो आपके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन लेकिन मेरे बेटा अगर उसने कमीशन नहीं मांगी यानी आप कमीशन नहीं दे रहे हो तो उसने तो अपनी सर्विसेज दी बट आपने कोई भी प्रॉमिस नहीं दिया तो भी एजेंट वो आपका एजेंट रहेगा लीगली क्योंकि ये हमने एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ये हमने एक्सेप्शन में लिखा हुआ है क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया ये और नो यस yes, सर ये पॉइंट क्लियर हो गया ओके थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बेलमेंट के पॉइंट पे अब बेलमेंट होता क्या कहीं बच्चों को यही नहीं पता है बेलमेंट होता क्या कई बच्चों को यही नहीं पता है तो बेलमेंट अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी भाषा में वो ये बोलता है कि जब भी मैं अपना सामान अपने गुड्स किसी पर्सन को देता हूं कुछ करने के लिए कि भैया तुम ये करो और फिर मुझे वापस दे देना तो उसको बोलते हैं बेलमेंट उसको बोलते हैं बेलमेंट जैसे एग्जाम्पल मेरे दोस्त आप इंट्रोड्यूस हो ही गए हैं करण से तो करण की शादी थी करण की शादी थी तो करण ने कहा अरे गुरप्रीत मुझे यार तेरी कार चाहिए तीन दिन के लिए मेरी शादी है आई नीड योर कार फॉर थ्री डेज आई नीड योर कार फॉर थ्री डेज मैंने कहा तू मेरा दोस्त है कार मेरी है चल ले जा तीन दिन के लिए

दस हजार रुपए पर डे चार्ज करता तो लॉ कहता है ये भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है बस ये क्या है यहां पे मैंने बदले में गुड्स देने के बदले में कुछ लिया है वो तो वैसे भी वैलिड है क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन है मेरा वादा था कार देना उसका वादा था दस हजार रुपए देना बट केस ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जहां पे मैंने करण को कार तो दी बट करण ने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया लॉ कहता है ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल करता है ओके सर दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट और बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी जाता है चैरिटी मुझे एक बात बताओ क्या चैरिटी के केस में क्या अगर ए बी को चैरिटी करता है क्या वापस क्या वापस ले कुछ लेते हैं हम नॉर्मली जब चैरिटी करते हैं जब हम चैरिटी करते हैं तो क्या हम कुछ वापस लेते हैं द आंसर इज नो चैरिटी का मतलब ही यही है कि वापस बदले में कुछ ना लेना सर फिर ये एक्सेप्शन में क्यों लिखा हुआ है तो एक बहुत बढ़िया केस लो हुआ नॉर्मली अगर ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें दस दिन में प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें दस दिन बाद एक लाख रुपए डोनेट करूंगा एक लाख रुपए डोनेट करूंगा और बाद में वो मुकर जाता है देने से तो लॉ कहता है आप चैरिटी नहीं ले सकते हो उसने कहा था बट उसने आपको दिए नहीं कोई बात नहीं आप उससे एक लाख रुपए रिकवर नहीं कर सकते हो बिकॉज बदले में कुछ नहीं था लेकिन देर इज वन एक्सेप्शन टू दैट केस यानी आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो क्या है वो ये है कि एक केस लॉ में एक केदारनाथ जी थे जिन्हें एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल बनाना था टाउन हॉल बोलते हैं जिसको टाउन हॉल बनाना था कहां बनाना था हावड़ा में उसे बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने लोगों को कहा अरे आओ मुझे पैसे दो मैं क्या बनाऊंगा एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल बनाऊंगा तो एक बंदा गोरी मोहम्मद सामने आया और उसने कहा हाँ हाँ मैं वादा करता हूं कि मैं आपको टाउन हॉल के कंस्ट्रक्शन में पैसा दूंगा एक्चुअली मैं सिर्फ गोरी मोहम्मद नहीं आया था बहुत सारे लोग आए थे उसमें से एक पर्सन था गोरी मोहम्मद जिसने भी वादा किया था कि हां मैं भी कुछ पैसे दूंगा किसके लिए टाउन हॉल बनाने के लिए टाउन हॉल का कंस... इस बात पे क्योंकि अब केदारनाथ को लगा यार बहुत सारे लोग आ गए हैं पैसा देने को रेडी हैं तो हम टाउन हॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं टाउन हॉल का कंस्ट्रक्शन क्या हो गया चालू हो गया लेकिन जब चालू हुआ फिर हमने गोरी को बोला अरे गोरी अरे गोरी पैसे दे दे भाई गोरी डिनाइड पेंग द मनी सेनी प्रॉमिस कह रहा है मैंने तुम्हें वादा तो किया था टाउन हॉल बनाने का बट इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें तो टाउन हॉल बन रहा है मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं लायबल नहीं हूं और मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा केदारनाथ जी दुखी होके कोर्ट के पास चले गए उन्होंने कहा कोर्ट को कहा कि सर इन्होंने मुझे वादा करा था कि टाउन हॉल के लिए पैसे देंगे और इस बेसिस पे मैंने टाउन हॉल बनाना शुरू कर दिया मैंने कॉन्ट्रेक्टर को अपॉइंट कर लिया मेरी लाइबिलिटी बन गई अब वो लोग पैसा मांग रहे हैं कि भैया टाउन हॉल बनाना है तो पैसा दो अब मैं उन्हें पैसा आधा काम हो चुका है मैं उन्हें पैसा कहां से दू? ये बंदा तो पैसा नहीं दे रहा है तो कोर्ट ने कहा अगर अगर प्रोमिसी प्रोमिसी मतलब कौन केदारनाथ क्यों ये प्रोमिसी क्यों है क्योंकि गोरी मोहम्मद ने प्रॉमिस करा था कि मैं पैसे दूंगा इसीलिए हमने इसको बोला प्रोमिस ही तो कोर्ट ने कहा अगर केदारनाथ ने कोई खर्चा कर दिया या कोई लाइबिलिटी ले ली बेस्ड ऑन बंदा पैसे देगा तो फिर सामने वाले बंसन को पैसे देने ही पड़ेंगे यानी गोरी को चैरिटी का जो वादा किया था वो देना ही पड़ेगा यानी नॉर्मली गोरी से आप पैसे नहीं मांग सकते थे लेकिन क्योंकि गोरी के वादे पे केदारनाथ ने आगे खर्चे कर दिए तो लॉ कह रहा है अब तो गोरी को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि बेचारा केदारनाथ फालतू में ही फंस गया ना तुम्हारी बातों पे बिलीव करके ये बस एक एक्सेप्शन है जहां कि आपकी कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा यस ओके नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा कंप्लीटेड गिफ्ट कंप्लीटेड गिफ्ट अब सबसे पहला गिफ्ट क्या होता है गिफ्ट जो हम देते हैं किसी को बिना कुछ लिए गिफ्ट क्या होते हैं बेटा जो हम किसी को भी सामान देते हैं बिना कुछ लिए रिटर्न में हम कुछ नहीं लेते हैं तो वो सामान लेते हैं तो हम कहते हैं उसे गिफ्ट लेना और गिफ्ट तो हमेशा ही फ्री होता है गिफ्ट तो हमेशा ही फ्री होता है अब लॉ बोलता है लॉ ने वर्ड क्या यूज करे मेरे बच्चा ध्यान देंगे दैट इज कंप्लीटेड गिफ्ट इस बात को समझने की कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे करण की गर्लफ्रेंड है करण की गर्लफ्रेंड है गोरी करण की गर्लफ्रेंड है अरे ये क्या हो गया ओ माई गोड्स ये हम्म हाँ करण की गर्लफ्रेंड है गोरी करण ने वादा करा गोरी मैं तुम्हें बर्थडे पे ना नेकलेस दूंगा मैं तुम्हें बर्थडे पे क्या दूंगा नेकलेस दूंगा इस बारी बर्थडे पे नेकलेस दूंगा ये वादा किया गिफ्ट करूंगा तुम्हारे बर्थडे पे नेकलेस बर्थडे आया गोरी का गोरी का जिस दिन बर्थडे आया ने नेकलेस नहीं दिया ने नेकलेस नहीं दिया तो गौरी दौड़ी चली गई गौरी दौड़ी चली गई चली चली गई कहां चली गई कहा था लॉ कहेगा लॉ पता क्या कहेगा लॉ कहेगा गौरी तुमने इसे बदले में कुछ दिया वो कह रहा है, नहीं मैंने तो कुछ भी बदले में नहीं दिया तो क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है

गौरी को सच में नेकलेस दे देता अगर करण गौरी को सच में नेकलेस गिफ्ट कर देता तो लॉ कह रहा है ये गिफ्ट क्या हो गया है कंप्लीट हो गया ये गिफ्ट क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है अब करण गौरी से वो नेकलेस वापस नहीं ले सकता ये कह के कि भैया तूने तो मुझे बदले में कुछ नहीं दिया चल मेरा नेकलेस वापस कर लॉ बोलेगा नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है यानी अगर आपने एक बारी किसी को कोई चीज गिफ्ट कर दी तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भैया इसने क्या किया है मेरा सामान ले रखा है और बदले में कुछ नहीं दिया था नहीं आपने खुद दिया था ना तो अब आप वापस नहीं ले सकते तो फर्क समझिए अनकम्प्लीटेड गिफ्ट नॉट कंप्लीटेड गिफ्ट और कंप्लीटेड गिफ्ट में एक्सेप्शन में कंप्लीटेड गिफ्ट बात करी गई है यानी जो गिफ्ट ऑलरेडी दे दिए हैं जो गिफ्ट अभी तक देने का सिर्फ वादा किया कि दे देंगे उस पर हम कुछ नहीं कर सकते वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट द वर्ड कंप्लीटेड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चा नेक्स्ट पॉइंट पे बहुत सिंपल पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चा तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन फॉर पास्ट पास्ट किसी ने अगर में मेरे लिए कुछ किया था ठीक है तो मैं अगर उसे कह देता हूं कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब क्या सर गुरप्रीत सर का वॉलेट खो गया गुरप्रीत सर का वॉलेट खो गया शाम ने वो वॉलेट लाके मुझे ढूंढ कर दे दिया शाम एक बंदा था मेरा वॉलेट खो गया था शाम ने मेरे को वो वॉलेट लाके दे दिया अरे गुरप्रीत सर आपका वॉलेट सर आपने गिरा दिया था सर आपने वॉलेट गिरा दिया था ये लीजिए आपका वॉलेट क्या मैंने इसे कहा था क्या कि मुझे मेरा वॉलेट ढूंढ के दे नहीं कहा था मैंने कोई नहीं कहा था ये उसने खुद से किया शाम भाई ने वॉल्ट्री किया मैंने उसे नहीं कहा था तो लॉ कह रहा है शाम कह रहा है सर मैंने आपका वॉलेट ढूंढा है मुझे दस हजार रुपए दे दो लॉ कह रहा है आपको देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर गुरप्रीत ने खुश होकर यह कह दिया कि हाँ शाम मैं तुझे पांच हजार रुपए दूंगा कल तूने मेरा वॉलेट ढूंढ दिया थैंक यू कल तुझे पांच हजार दूंगा तो लॉ कह रहा है कि भैया अब आपको शाम को पांच हजार देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये मेरे डिजायर ये ये

तो वो पैसे कोई भी रिवॉर्ड ले नहीं सकता है अंटिल मैंने कोई जनरल ऑफर दिया हो अंटिल मैंने कोई जनरल ऑफर दिया हुआ है क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सर एक और एग्जांपल दे दीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है ओके okay, एक और एग्जांपल ले लीजिए राधे राधे की शॉप में आग लग गई राधे की शॉप में आग लग गई एक बंदा आया राधा बेचारा कहीं घूमने गया हुआ था एक बंदे ने वो आग बुझा दी एक बंदे ने वो आग बुझा दी मान लीजिए सत्या सत्य ने वो आग बुझा दी क्या राधे ने सत्य को बोला था आग बुझाने के दान सरी लेकिन अब सत्या जो है राधे से कंपनसेशन नहीं मांग सकता रिवॉर्ड नहीं मांग सकता अरे भैया मुझे पैसा दे दो तो, देखो मैंने आपकी आग बुझा दी राधा कह रहा है मैंने थोड़ी कहा था तूने खुद तो ही तो बुझाई है लेकिन राधे ने अगर सत्या को वादा कर दिया यार तूने मेरी दुकान बुझा दी मैं तुझे क्या दूंगा दस रुपए दूंगा तो फिर बाद में सत्या को दस हजार रुपए देने ही पड़ेंगे अब आप, आप पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने पास्ट में आपके लिए खुद से कुछ किया था जिसको आपने एग्री कर दिया कंपनसेट करने के लिए जिसको आपने एग्री कर दिया कंपनसेट करने के लिए सो उसने सर्विसेज खुद से देनी चाहिए आपने नहीं कहना होना चाहिए सर्विसेज आपको देनी चाहिए यानी मेरे को वॉलेट ढूंढा है तो मेरे को सर्विस दी है दुकान की आग बुझाइए तो भी प्रोमिसर को सर्विस मिली है और उस टाइम पे आप में होने चाहिए, में होने चाहिए, आपने बोला होना चाहिए कि हाँ, मैं तुझे करूंगा, अगर missing, आपने उसे कंपनसेट करने के लिए कहा ही नहीं आपने कहा मैं नहीं कुछ दूंगा तो फिर वो आपसे पैसे नहीं मांग सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार कह दिया कि हाँ मैं तुझे दूंगा तो फिर वो आपसे लीगली पैसे मांग सकता है क्लियर है क्या लास्ट पॉइंट मेरे बच्चा जो एक्सेप्शन में आता है दैट इज टू टू पे पे टाइम टाइम डेट डेट और वो रिटर्न और साइन होना चाहिए नाउ वट इज टाइम बार डेट लेट्स अंडरस्टैंड वट इज टाइम बार डेट देखिए इसके इसको समझते हैं टाइम बार डेट को क्या हुआ था गोपाल भाई को पैसों की जरूरत थी गोपाल भाई बड़ी टेंशन में चले थे उन्हें पैसों की जरूरत थी उन्होंने कहा हे hey, वसूली भाई हे hey वसूली भाई मुझे पैसों की जरूरत है ये कब ये कब की बात है ये बात है 2015 की वो वसूली भाई के पैरों में चले गए कह रहे वसूली भाई तुम भगवान हो वसूली भाई तुम भगवान हो मुझे प्लीज पैसे दे दो कितने पैसे लिए दो लाख रुपए लिए दो लाख रुपए लिए ठीक है कह रहे हैं बस तीस दिन के लिए उधार देना वसूली भाई मैं तुम्हें तीस दिन बाद रिटर्न कर दूंगा वसूली भाई ने कहा ठीक है गोपाल दे देता हूं तेरे को वसूली भाई ने क्या कहा ठीक है गोपाल दे देता हूं मैं तुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन 2015 से अभी तक गोपाल ने एक रुपया भी वापस नहीं दिया वसूली को इतने साल हो गए इतने साल हो गए वसूली भाई ने ना मांगे पैसे ना गोपाल भाई ने पैसे दिए ना वसूली ने पैसे मांगे अब 2022 आ गया यानी कितने साल हो गए मेरे बच्चा पांच और दो सेवन ईयर्स हो गए इस बात को वसूली भाई सात साल बाद गए और वसूली भाई चाहते हैं क्या करना केस करना गोपाल के अगेंस्ट क्योंकि उन्हें पैसा वापस चाहिए वसूली भाई को सात साल बाद याद आया अरे गोपाल से तो दो लाख रुपए लेने थे मैंने इसे बहुत टाइम पहले दिए थे इससे वापस लेने हैं तो साल बाद वो कोर्ट में जाते हैं बट कोर्ट वसूली भाई को मना कर देता है कहता है वसूली भाई आप केस नहीं कर सकते गोपाल पे वसूली भाई कह रहा है क्यों मैंने पैसे दिए मैं केस क्यों नहीं कर सकता वो पैसे नहीं दे रहा है तो लॉ कहता है हर चीज की हमने एक लिमिट दी हुई है आपको वो पैसा ठीक है आपको जो केस करना था वो वो केस एज पर लिमिटेशन एक्ट तीन साल के अंदर करना था यानी अगर आपने पैसा दिया था 2015 में तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2018 तक टाइम था उसके ऊपर केस करने का अब आप वो राइट खो चुके हैं अब आप वो हक खो चुके हैं उसके ऊपर केस करने का क्योंकि वो टाइम बार डेट हो गया तो इस डेट को हम बोलते हैं जिसका टाइम खत्म हो जाता, है, जिसका हो जाता है।, तो पुराना हो गया है और हमने केस करने का टाइम भी चला गया तीन साल का टाइम था ड्यू डेट से तीन साल खत्म हो गए हमने केस नहीं करा अब तो सात साल हो गए लॉ कह रहा है अब आप पैसे रिकवर लीगली नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर केस करके ठीक है बट स्टोरी यहां खत्म नहीं होती स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है एक टाइम गलती हो भाई, मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया है ना सात साल से मेरी बड़ी मजबूरी चल रही थी बट अब मेरा धंधा सही चल रहा है मैं तुम्हें राइटिंग में लिख के दे रहा हूं दोबारा दो में कि मैंने तुम्हारे दो लाख रुपए देने थे अब मैं वो तुम्हें दूंगा और मैंने साइन भी कर दिया येलो डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें अब दो लाख रुपए दूंगा तो लॉ कहता है लॉ तो कहता है वसूली भाई को फ्रेश थ्री इयर्स मिल जाएंगे 2022 से यानी अब भले ही वसूली भाई ने नई कोई चीज नहीं दी है उसको लेकिन अब वो पैसा लीगली रिकवर कर सकते हैं यानी 2022 से जिस दिन इसने बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा अगेन अगर वो पैसे नहीं देता है तो वसूली भाई के पास राइट आ जाता है कि वो तीन साल तक यानी 2025 तक यानी 2025 तक केस कर सकते हैं गोपाल के ऊपर किस चीज का केस कर सकते हैं पैसे रिकवर करने का ओके क्या यह पॉइंट क्लियर हो गया यस और नो यस सर एक टाइम चार्ट बना के बताता हूं तो और ज्यादा क्लियर आएगा आपको समझ आएगा ये 2015 था जब हमने लोन दिया था 2018 तक आपके पास टाइम था उसके बाद ये क्या हो गया मेरे बच्चा टाइम बार्ड हो गया टाइम बार्ड हो गया मतलब अब आप केस करने का राइट जो है वो खो चुके दो हजार तक ये उधारी टाइम बार्ड रही 2022 तक ये उधारी टाइम बार्ड रही लेकिन जैसे ही उसने दोबारा साइन कर दिया कि हाँ मैं पुराना पैसा देने को तैयार हूं भले ही बदले में अब आपने कुछ नहीं दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि इस नए कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंसिडरेशन वसूली ने नहीं दी तो लॉ कह रहा है फिर भी ये वैलिड है यानी फिर भी आप अब 2025 तक यानी नेक्स्ट थ्री इयर्स तक आपके पास टाइम है कि आप दोबारा उसके ऊपर क्या कर सकते हैं केस कर सकते हैं क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया यस सर ये पॉइंट मुझे एकदम क्लियर हो गया ओके okay. यहां पे आपका कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है तो सी हमने बहुत सारी चल ली एक बार सी पहले रिवाइज करा देता हूं फिर आगे चलता हूं ऑफर पढ़ लिया ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आया करेक्ट एक्सेप्टेंस के बाद क्या आया मेरे बच्चा प्रॉमिस प्रॉमिस आया आया के बाद क्या ऑफर हुआ ऑफर को एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मिली acceptance से प्रॉमिस बना प्रॉमिस के बाद मैंने बताया कंसिडरेशन एक प्रॉमिस के बदले जो दूसरा प्रॉमिस होता है उस प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं कंसिडरेशन कहते हैं और कंसिडरेशन के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म पे दैट इज एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट पे और फिर आपके बेसिक्स सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे फिर हम आगे स्टोरी आगे बढ़ाएंगे ठीक है ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टर्म मेरे बच्चा एग्रीमेंट एग्रीमेंट की आपको सीधा टेक्निकल लेमन लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेक्निकल लैंग्वेज से ही आप समझ जाएंगे कि बॉस एग्रीमेंट क्या है एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होते हैं ईच अदर उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट मैंने इसको चार्ट में भी ब्रेक करके दिया है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि लीगल लैंग्वेज को चार्ट में ब्रेक करके पढ़ोगे तो ईजिली समझ आएगा यानी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट इसका क्या मतलब है ए hmm. ने बी को बोला मैं तुझे अपनी कार और अपनी साइकिल देता हूं अपनी साइकिल देता हूं तू मुझे बदले में रुपीज वन लैख दे दे तू मुझे बदले में क्या दे दे रुपीज वन लैख दे दे ए ने बी को कहा मैं तुझे अपनी कार और साइकिल दे रहा हूं तू मुझे बदले में क्या दे दे वन लैख रुपीज दे दे ठीक है ओके सर अब हुआ क्या ए का प्रॉमिस क्या है सो ए के प्रॉमिस नहीं है ए के प्रोमिस हैं A के सेट ऑफ प्रोमिस है सेट ऑफ प्रोमिस सेट ऑफ प्रोमिस ए ने क्या करें दो प्रोमिस करें कार प्लस साइकिल तो ए के दो प्रोमिस हैं पी वन और पी टू कार भी दूंगा और साइकिल भी दूंगा बी का क्या प्रॉमिस है मेरे बच्चा बी का प्रॉमिस क्या है सिर्फ और सिर्फ एक लाख देना यानी बी ने प्रोमिस करा है बी ने प्रोमिस करा है पी थ्री बी ने प्रॉमिस करा है उसको हम बोलेंगे प्री थ्री प्रोमिस थ्री प्रॉमिस वन प्रॉमिस टू प्रॉमिस थ्री तो लॉ कह रहा है पी वन प्लस पी टू का कंसीडरेशन है पी थ्री करेक्ट का कंसीडरेशन है पी थ्री और पी थ्री का कंसीडरेशन है पी वन प्लस पी टू इसी को हम बोलेंगे एग्रीमेंट इसी को हम बोलेंगे एग्रीमेंट की ए और बी के बीच में क्या हो गया एग्रीमेंट हो गया यानी एवरी प्रोमिस अगर एक ही प्रॉमिस किया है या अगर आपने सेट ऑफ प्रोमिस करें जो एक दूसरे के लिए क्या बन रहे हैं है तो उसी को हम क्या बोलेंगे एग्रीमेंट बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं ए और बी के बीच क्या हो गया है एग्रीमेंट हो गया है ए और बी के बीच क्या हो गया एग्रीमेंट हो गया है हा एग्रीमेंट के बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे जिसके लिए हमने ये सब कहानी पढ़ी अभी तक की कल से अब तक की दैट इज कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है लॉ कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट जो इंफोर्सिबल बाय लॉ है कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ इंफोर्स कर सकता है इसका क्या मतलब है यानी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके केस करके उससे उसका प्रॉमिस निभा सकते हैं या उससे डैमेजेस ले सकते हैं तो भैया हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो यानी एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं इससे यह पता चलता है एक जिसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और एक जिसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं जिसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जिसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे एक एक एग्जाम्पल लूंगा आप बताना कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं एग्जाम्पल नंबर वन हॉस्टल में रहता था एग्जाम्पल नंबर वन मैं हॉस्टल में रहता था मेरा दोस्त था मैंने कहा दोस्त और मैं रूम पे रहते थे हम रूममेट थे ठीक है शाम मान लीजिए उसका नाम मैंने कहा शाम भाई भूख लग रही है खाना बनाना है तो उसने कहा ठीक है बना दे तो मैंने कहा भैया मुझे भूख लग रही है तू खाना बनाएगा क्या उसने कहा हाँ बना दूंगा तो उसका प्रॉमिस क्या था शाम का प्रॉमिस क्या है मेरे बच्चा उसका प्रॉमिस है कि वो खाना बनाएगा आज का लंच वो बनाएगा शाम लेकिन शाम ने कहा अरे ऐसे थोड़ी बर्तन कौन धोएगा गुरप्रीत से भाई तू बर्तन धो देना कहा जीवन में क्या करना है यार संघर्ष किया है जीवन में तो कर लेंगे भैया बर्तन धो देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो गुरप्रीत सर ने क्या वादा किया गुरप्रीत सर का प्रॉमिस था कि बर्तन धो देंगे अब शाम ने खाना बनाया गुरप्रीत सर ने खाना खा लिया खाना खा लिया शाम आया थोड़ी देर बाद कह रहा यार वो बर्तन धोते गुरप्रीत मैंने कहा हो हो हा, हा कौन से बर्तन बे मैं नहीं दूंगा कोई बर्तन बर्तन मुझे बताइए क्या हमारे बीच ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो हुआ था बट क्या शाम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है और यह कह सकता है क्या कि सर साहब ये जो आदमी है ना ये दाढ़ी वाला आदमी यस ये, 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 ये बंदा ना भैया बहुत खतरनाक बंदा है इसने मुझसे खाना बनवा लिया मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया बट यह अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है बर्तन धोने का क्या जा सकता है आंसर इज नो बिकॉज वो लीगली इंफोर्सेबल नहीं है क्यों लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है बिकॉज हमारी इंटेंशन नहीं थी हमारी इंटेंशन नहीं थी क्या करने की उसे लीगल रिलेशन में आने की लीगल रिलेशन में आने की ये एक हो गया नंबर ए ने बी को ऑफर दिया कि तुम उससे ड्रग्स ले ले और बी ने ए को कहा मैं एक लाख रुपए दे दूंगा अब बी ने ए को एक लाख रुपए तो दे दिए लेकिन ए ने बी को ड्रग्स देने से मना कर दिया क्या अब ये बंदा

आपने काम लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकता यानी ये दोनों ही कौन से दिए मैंने जो एग्रीमेंट तो बने लेकिन yes. वहीं अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ए ने बी को कार देने का वादा किया और बी ने ए को एक लाख रुपए देने का वादा किया तो ये एग्रीमेंट भी है क्योंकि प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर और ये लीगली सेबल भी है यानी अगर ए ने बी को कार नहीं दिया बी ने ए को एक लाख रुपए नहीं दिए तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके क्या कर सकते हैं केस कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप अपना वादा पूरा करिए क्या ये क्लियर हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट yes no? yes, चलिए इसको मैंने एक अलग तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है एग्रीमेंट नॉट इनफोर्स एग्रीमेंट ये सारे एग्रीमेंट है ये जो दिख रहा है ना ये ये सारे एग्रीमेंट्स हैं एग्रीमेंट्स कुछ होंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे वो क्या बनेंगे मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और कुछ होंगे जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे वो क्या होंगे नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होंगे नॉट अ वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएंगे ठीक है तो एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट आती है बार बार आप बताना आपको क्या लगता है सही है या नहीं है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट कह रहा है सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्या ये बात सही लग रही है सोचो 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 एक मिनट है सोच के बताओ इस इस चार्ट को देख के आपको बताना है कि ये बात सही लग रही है या नहीं लग रही है क्योंकि ये चार मार्क के लिए सवाल जो है आता है एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन सोच लिया मेरे बच्चा सोच लिया सर तो देखो सिंपल सी बात है ऑल कॉन्ट्रेक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ये बात सही है क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है द आंसर इज यस बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट तो सारे एग्रीमेंट्स होंगे ये बात तो मुझे सही लग रही है सेकंड बात देखते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्या ये बात सही है हां ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स नहीं करता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते यानी इसका मतलब है कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बिल्कुल सही कह रहा है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं ठीक है तो ये चार मार्क के लिए स्टेटमेंट आएगा तो आपको इस इस तरह ही आंसर करना है कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं हैंस, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके नाउ कुछ इंपॉर्टेंट points जो मैंने आपको दे रखे हैं देखिएगा ए A ने एंड A बी ने वादा करा कि वो अपनी मेड के सन की पढ़ाई का खर्चा देंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा लॉ कहता है नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि यहां लीगल लीगल भी नहीं है इंटेंशन भी नहीं है और दूसरा यहां पर consideration भी नहीं है तो लॉ कहता है ये क्या बनेगा ये सोशल एग्रीमेंट है बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ठीक है मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ओहो कितनी बड़ी डिग्री लिखी हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोमिस टू हेल्प फ्रेंड टू हेल्प विद हिज टू फाइल हिज रिटर्न ए ने अपने दोस्त को वादा करा कि भैया मैं तुझे रिटर्न फाइल करने में हेल्प करूंगा अगेन वो बदले में कुछ नहीं ले रहा है तो लॉ कहेगा ये क्या है मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सिर्फ क्या है एक सोशल एग्रीमेंट है क्या है मेरे बच्चा तो शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल फादर ने आपने बेटे को अगेन दिस इज सोशल एग्रीमेंट और ये सोशल एग्रीमेंट क्यों है सिर्फ सोशल एग्रीमेंट लिखने से मार्क नहीं मिलेंगे आप लिखेंगे यहां पे एक तो इंटेंशन नहीं है काई की इंटेंशन नहीं है मेरे बच्चा इंटेंशन नहीं है किस चीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन जो है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं है इसीलिए यह सोशल एग्रीमेंट कहा जाएगा ठीक है ओके हा फाइनली भाई साहब फाइनली नाउ यू आर हेयर नाउ यू आर हेयर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था यहां से ऑफर पढ़ लिया ऑफर के वैलिड रूल पढ़ लिए एक्सेप्टेंस पढ़ लिया एक्सेप्टेंस के वैलिड रूल पढ़ लिए प्रॉमिस पढ़ लिया कंसिडेशन पढ़ लिया एग्रीमेंट पढ़ लिया लीगली इनफोर्सिबल भी पढ़ लिया कि भैया अगर आप कोर्ट में जा सकते हैं उस एग्रीमेंट को या नहीं जा सकते हैं और फिर हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट आपको इसी मैनर में याद करना है जबकि आपके स्टडी मटेरियल में यहां से स्टार्ट किया है आपके स्टडी मटेरियल में यहां से स्टार्ट किया बट मुझे लगता है कि हमेशा से आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ओके okay, सर Sir, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है यहां तक पहुंच गए कुछ थोड़े से डाउट थे बच्चों के वो क्लियर कर देता हूं कुछ डाउट जो मैंने देखे थे कमेंट सेक्शन में वो क्लियर कर रहा हूं पहला डाउट एक बच्चे का आया था साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस पहला डाउट क्या आया था साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस वर्सेस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस वर्सेस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इन दोनों में क्या फर्क है एक तरफ सर कह रहे हैं कि भैया अगर आप चुप रहोगे तो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे नहीं है क्लियर कर देता हूं ध्यान से देखना रणबीर ने कटरीना को बस ऐसे रिंग दिखाई ठीक है कि भैया शादी करना चाहते रिंग लोगी या नहीं लोगी ठीक है इस तरफ कटरीना खड़ी हुई है इस तरफ कटरीना है अब देखना कटरीना ने देखा वो चुप थी और वो चली गई वो चली गई वो चली गई वो चली गई ठीक है कटरीना चली गई यहां पे बना जाएगा वो साइलेंट थी अब आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मत समझ लेना बट इस केस में अगर कटरीना सिर्फ बोलती नहीं सिर्फ ये कह देती ऐसे हां कर देती या उंगली आगे कर देती फिंगर आगे कर देती उसको रिंग डालने के लिए तो उसने कुछ बोला नहीं लेकिन एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई बाय कंडक्ट हो गया क्या ये पॉइंट आपको समझा बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस वर्सेस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस यस सर एक और डाउट बच्चे को आया था बच्चा कह रहा था सर जनरल ऑफर को क्या ओपन ऑफर कह सकते हैं जनरल ऑफर को क्या ओपन ऑफर कह सकते हैं लेट्स टेक एग्जांपल मैंने कहा जो भी मेरे बनाए हुए समोसे खाएगा मेरे बनाए हुए सो समोसे एक साथ खा लेगा उसको मैं दस हजार रुपए दूंगा मैंने ये जनरल ऑफर निकाला मैंने ये जनरल ऑफर निकाला कि भैया जो भी मेरे बनाए हुए समोसे मैं उसे दूंगा ये क्या है जनरल ऑफर है पब्लिक एट लार्ज को दिया है मैंने कहा बट ये ऑफर तीन मंथ के लिए एप्लीकेबल है यानी तीन महीने तक ये ऑफर चलेगा तीन महीने के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है तो यस दिस इज ओपन ऑफर ऑल्सो दिस इज ओपन ऑफर ऑल्सो तो एक जनरल ऑफर ओपन ऑफर भी हो सकता है

स्पेसिफिक ऑफर भी तो कंटिन्यूइंग ऑफर हो सकता है ना क्योंकि वो बस आपको ये देखना है कि क्या वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए ओपन है क्या इफ यस देन वो ओपन आप कह सकते हो चलिए बच्चों इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है इसको डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको तीन टाइप्स के बेसिस पे बांटा गया है तीन टाइप के बेसिस पे बांटा गया है पहला क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं कि नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया किस तरीके से गया है और तीसरा मेरे बच्चा परफॉर्मेंस ठीक है तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको एक एक एग्जाम्पल लेंगे जहां पे लगेगा कि ज्यादा एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत है वहां पे ज्यादा एग्जाम्पल ले लेंगे बट नॉर्मली एक एक एग्जाम्पल ही लेंगे ओके okay, सर सबसे पहले बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तो लॉ क्या बोलता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सिंपल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो ही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप ले जाकर कोर्ट में जाके डिस्कस कर सकते हैं कि भैया ये अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है आप कोर्ट तक जा सकते हैं एग्जाम्पल अभिषेक जी ने जॉन जी को अभिषेक जी ने जॉन जी को ऑफर किया जॉन ने जॉन ने सॉरी जॉन जॉन ने ऑफर दिया John आस्क अभिषेक कह रहा है, मैं अपनी धूम मचाले वाली बाइक बेचना चाहता हूं कह रहा है, मैं अपनी धूम मचाले वाली बाइक बेचना चाहता हूं क्या तुम उसे दस हजार रुपए में खरीदोगे अभिषेक ने एग्री कर लिया कि हां जॉन मैं तुम्हारी बाइक दस हजार में खरीदूंगा तो लॉ कह रहा है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अगर अभिषेक अपना वादा नहीं निभाता है तो जॉन कोर्ट जा सकता है अभिषेक के खिलाफ केस करने और अगर जॉन अपना वादा नहीं निभाता है तो अभिषेक जा सकता है केस करने सो दिस इज अ केस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिस इज अ केस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चा वाइड कॉन्ट्रैक्ट की किसकी बात कर रहे हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट की पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे अभिषेक ने एक्सेप्टेंस तो दे दी जॉन को मैंने उसी एग्जाम्पल को आगे लिया है कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ था आठ जनवरी को आठ जनवरी को यह वादा हुआ था कि भैया बाइक खरीदने के लिए रेडी हैं दस हजार में डिसाइड हुआ कि जो डिलीवरी होगी वो दस जनवरी को होगी यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ आठ जनवरी को लेकिन डिलीवरी और पेमेंट नॉर्मली कब होगा दस जनवरी को होगा अब हुआ क्या नौ तारीख को आग लग गई किसमें लग गई भैया आग बाइक में आग लग गई सो नौ तारीख को आग लग गई भाई साहब बाइक में और आग जो है वो जलकर राख हो आ, आग जो जलकर राख नहीं हो गई सॉरी बाइक जो है वो जलकर राख हो गई है ना बाइक जो है वो जलकर राख हो गई नौ जनवरी को लॉ कह रहा है वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना अब वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है मतलब सर, मतलब सर ये कि 10 तारीख को को अब अभिषेक बाइक तो मिलेगी नहीं क्योंकि बाइक जल गई है बट अब वो जॉन के ऊपर केस नहीं कर सकता है कि हे जॉन हे जॉन तू मुझे 10 तारीख को बाइक दे जॉन कह रहा बाइक तो जल गई है मैं कैसे दू ये इंपॉसिबल हो गया है तो अब अभिषेक जॉन के ऊपर चाह कर भी केस नहीं कर सकता है क्योंकि ये दोनों पार्टी की जो पावर के बाहर है दोनों पार्टी की पावर के बाहर है तो इसी को बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो बनाया गया था तब तो वो वैलिड था जब वो बनाया गया था तब तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते थे उसमें सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ दिन बाद कोई ऐसी घटना हो गई कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से अब वो वैलिड नहीं रहा अब आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में अब आप कोर्ट में यानी वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा पहले तो था उसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसका डिस्कशन आगे भी डिटेल में होगा बट यहां पे थोड़ा सा बेसिक समझेंगे ये हमारे डीजे भैया हैं डीजे भैया के पास एक बहुत प्यारा सा स्कूटर है बहुत लवली स्कूटर है डीजे भैया के पास येलो कलर का कितना प्यारा लग रहा है और यहां पे हमारे रोकी भाई हैं रोकी भाई को ये स्कूटर देखते ही उस पे दिल आ गया स्कूटर देखते ही उस पे दिल आ गया रोकी भाई ने कहा अरे डीजे क्या तू मुझे अपना ये लवली येलो कलर का स्कूटर बेचेगा क्या तो डीजे ने कहा यार नहीं मैं तो नहीं बेचना चाहता एकदम से रॉकी भाई ने अपनी गन निकाल ली कहा अरे बता क्या तू मुझे अपनी स्कूटर बेचना चाहता है कि नहीं अरे मैं तो कब से बेचना चाह रहा था साहब आप मिल गए अच्छा हुआ मैं दे देता हूं मैं दे देता हूं और रोकी ने ये स्कूटर एक लाख रुपए में ले ली रॉकी ने स्कूटर एक लाख रुपए में ले ली उससे लेकिन अगर आप देखेंगे जो डीजे की कंसेंट थी वो गन पॉइंट पे ली गई यानी उसकी वो दिल से नहीं बेचना चाहता था वो खुद से नहीं बेचना चाहता था उससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराया गया ठीक है और भी यानी आप ये कह सकते हैं कि उसकी कंसेंट उसने जो हां बोला वो फ्री नहीं थी कंसेंट फ्री नहीं थी वो दबाव में आकर उसने कंसेंट दी थी तो लॉ कहता है इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वाइडेबल मतलब, कॉन्ट्रैक्ट मतलब है जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है यहां पे किस पार्टी के साथ गलत हुआ है यहां पे हमारे डीजे भाई के साथ गलत हुआ है यहां पे हमारे डीजे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है तो गलत जिसके साथ हुआ है उसके पास राइट है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके और चाहे तो उसको वैलिड भी मान सकता है यानी जिस भी पार्टी के साथ गलत होता है उसके पास हम ऑप्शन देते हैं वो चाहे तो इसे वैलिड मान ले और चाहे तो इसको कैंसिल कर दे लॉ की भाषा में कैंसिल करने को बोलते हैं रिजाइन करना लॉ की भाषा में कैंसिल करने को क्या बोलते हैं मेरे बच्चा रिजाइन करना बोलते हैं क्लियर है क्या तो मिस्टर डीजे कैन आइदर एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रीटेड एज वैलिड और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट सर लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों करेगा क्या पता उसे लगे यार लाख रुपए कह रहा है मेरा स्कूटर तो वैसे भी पचास हजार का ही था एक लाख रुपए दे दिए पागल रोकी वैलिड मान लेगा कहेगा चुप रहेगा और कहेगा रख लेता हूं एक लाख रुपए मिल गए नया ले लूंगा स्कूटर या उसे कहेगा नहीं, नहीं 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 इसने मेरे साथ गलत किया है इसने तो मेरे साथ गलत किया है मैं तो भाई मैं तो भाई क्या करूंगा कैंसल करूंगा तो इसी के केस में बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक पार्टी एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है उसे कैंसल करने का या उसे वैलिड मानने का बट दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसको तो उसे तब तक वैलिड मानना है जब तक सामने वाली पार्टी उसे कैंसल नहीं करती है तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्लियर हो जाएगा एक हाँ एग्रीमेंट जो इनफोर्स जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं लेकिन ये किसके पास ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के पास ऑप्शन है वन और मोर पार्टीज मतलब अगर एक पे एक साइड पे से ज्यादा हैं तो वो बोल रहे अगर दो लोगों का स्कूटर होता है तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनके पास ये ऑप्शन है बट दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है इसी को हम बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसका आगे डिटेल में डिस्कशन आएगा चिंता मत करना चलिए नेक्स्ट चलते हैं दैट इज इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट हम्म इीगल कॉन्ट्रैक्ट इसको समझते हैं भाई साहब इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको लॉ करने से लॉ ने मना करा है कि आप उसे कर नहीं सकते हैं एग्जाम्पल में देखिए हमारे हनी सिंह भैया जो कौन सा गाना गाते हैं चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का करेक्ट वो क्या कर रहे हैं उन्होंने एग्री करा चार बोतल ही बेचने का वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस मैंने एग्जांपल बनाया इसलिए कोइंसिडेंस लग रहा है चलो ठीक है मिस्टर हनी सिंह ने कहा चार बोतल किसको बेचने के लिए राहुल जैकर राहुल जैकर बहुत बड़े सिंगर हैं और बहुत बड़े दारूबाज भी हैं तो ये जो बंदा है भैया इसको हमने वादा करा फॉर ₹10000 ऑन 5 जनवरी 5 जनवरी को वादा हुआ कि भैया हनी सिंह जो है हनी सिंह जो है वो क्या करेंगे चार बोतल इन्हें देंगे कौन सी तारीख को देंगे बोतल दस जनवरी को तो वादा हुआ पांच तारीख को कि दस तारीख को हनी सिंह राहुल जयकर को दारू देंगे ठीक है लेकिन सरकार ने सात जनवरी को क्या करा लिकर को बैन कर दिया ओ माय गॉड ये लिकर को तो बैन कर दिया तो अब क्या हम दारू दे सकते हैं क्या अब हम लिकर दे सकते हैं द आंसर इज नो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया पहले ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया इलीगल बन गया अब राहुल जयकर हनी सिंह के ऊपर केस नहीं कर सकता कि इसने मुझे लिखकर नहीं दी वो केस नहीं कर सकता सर वो केस क्यों नहीं कर सकता है सर वो केस सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता है बिकॉज अब ये चीज बैन हो चुकी है अच्छा एक प्यारा सा क्वेश्चन आया मुझे दिमाग में ये बताओ अगर राहुल ने एडवांस में दस हजार रुपए दे दिए थे पांच तारीख को हनी सिंह को क्या वो दस हजार रुपये वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है? क्या लगता है आपको क्या वो दस हजार रुपए वापस ले सकता है या नहीं ले सकता ऑब्वियसली दस हजार रुपए वापस ले सकता है उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया अब उसे सामान तो नहीं मिला तो एटलीस्ट उसके पैसे तो उसे वापस कर दो यस और नो यस सर इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलता हूं ये हमारे आगे कबीर सिंह कबीर सिंह गाना याना वा वाओ वाव वही है ये कबीर सिंह देखिए ये चार बोतल वोट का नहीं है ये भैया सो बोतल रोज का है ये क्या है कबीर सिंह जो है सो तो बोतल रोज का है ठीक है अब कबीर सिंह को पता चला बड़े दुखी हैं पता क्यों दुखी है क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड चली गई ये इसलिए दुखी नहीं है ये इसलिए दुखी, दुखी है क्योंकि सात जनवरी को गवर्नमेंट ने दारू बैन कर दी ये बड़े दुखी हो गए कह रहे यार यही तो मेरा पैशन था और यही बैन हो गया लेकिन फिर इन्हें कौन मिला इन्हें हनी सिंह मिले और हनी सिंह को आठ तारीख को मिले और इन्होंने हनी सिंह को क्या बोला आठ तारीख को यह बोला कि मुझे चार सौ लीकर देना मुझे 400, 400 लिकर। भाई साहब कितनी पीते हैं चार सौ बोतल मंगा लिए कबीर भाई ने कह रहा है चार सो बोतल देना मैं स्टॉक रखूंगा ठीक है डिलीवरी शेड्यूल हुई दस जनवरी को डिलीवरी शेड्यूल हुई दस जनवरी को लॉ कहेगा यह एक इलीगल एग्रीमेंट है ये इलीगल एग्रीमेंट है जो पहले बताया तो वो इीगल कॉन्ट्रैक्ट था इसका रीजन समझेंगे वो 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 कॉन्ट्रैक्ट 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 इसलिए था 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 क्योंकि वो जब हुआ था, तब वो बना वैलिड बाद में इीगैलिटी आई यहां पर पहले दिन से ही पहले दिन से ही ये नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ था पहले दिन से क्योंकि बैन था तो ये नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ था तो हम इसको कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था कभी ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था क्योंकि फर्स्ट डे से ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ था सेकंड क्वेश्चन यहां पे मेरा आएगा कि भैया अगर कबीर सिंह ने एक लाख रुपए एडवांस दिए थे हनी सिंह को आठ तारीख को क्या वो वापस ले सकता है अगर हनी सिंह दारू देने से मना कर देता है यहां पर वो नहीं ले सकता सर तो क्यों नहीं ले सकता पहले तो वो ले सकता था पहले एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में क्यों नहीं ले सकता मेरे बच्चा पहले एग्जाम्पल में जब राहुल जयकर ने पैसे दिए थे ना तब वो ठीक था तब वो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड था करना इसे पता था कि ये चीज अलाउड नहीं है फिर भी कबीर ने ऐसा किया तो कहेगा पहले तो इसे जेल में डाल देंगे तुझे पता तो था ये अलाउड नहीं है करेक्ट अगर कोई बंदा ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देगा तो क्या वो पैसे रिकवर कर सकता है आंसर इज नो बिकॉज वो ऑलरेडी अलाउड नहीं है बस मुझे आपको ये फर्क एक बताना था अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ये हम ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं पहले अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी नहीं है वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी नहीं है वो एकदम गुड इन सबस्टांस है यानी सब कुछ ठीक है लेकिन किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है क्योंकि वो राइटिंग में नहीं किया गया ओरली कर लिया गया या वो लिमिटेशन एक्ट से टाइमिंग खत्म हो गई तो लॉ कहेगा अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया अन इनफोर्सेबल बन गया यानी अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ठीक है तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल है वही हमने जो पहले देखा था गोपाल ने दो लाख रुपए उधार लिए 2015 में 2022 में वसूली केस करना चाहता है क्या वो केस कर सकता है नहीं क्योंकि ये एक टेक्निकल डिफेक्ट और इसमें टेक्निकल डिफेक्ट क्या है कि ऑलरेडी तीन साल खत्म हो गए हैं ऑलरेडी तीन साल खत्म हो गए हैं इसलिए वसूली भाई अब उस पर गोपाल पे केस नहीं कर सकता है क्योंकि अन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है बट हां अगर गोपाल वापस राइटिंग में लिखकर दे देगा इसको कि मैं पैसे दूंगा तो फिर से वो अन कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा फॉर नेक्स्ट क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना ही आपको जानने की इसमें जरूरत है ओके ओके सर सर तो हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नाउ गोइंग टू वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एक एक पढ़ते हैं ठीक है ये एक-एक पढ़ते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यानी या तो वो ओरल में होता है या राइटिंग में होता है सिंपल सा एग्जाम्पल है ए ने बी को टेलीफोन किया यानी ओरल ए ने बी को टेलीफोन किया कि तू मेरा घर दो लाख रुपए में खरीदेगा क्या और बी ने कहा हाँ हाँ खरीद लूंगा तो ये क्या हो गया एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो भी कौन सा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ओरल माध्यम से लेकिन वही अगर ए बी को पोस्ट से लिख के देता कि तू मेरा घर खरीदेगा क्या दो लाख रुपए में तो और बी ने रिप्लाई करा पोस्ट से कि हाँ खरीद लूंगा तो ये भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है बट कौन से माध्यम से कौन से माध्यम से राइटिंग के माध्यम से दोनों ही वर्ड से हुए हैं बट ये क्या हो गया मेरे बच्चा ओरल और राइटिंग क्लियर है यस और नो यस सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया है आगे चलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अगेन सिंपल जहां पे बिना बात किए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है बात किए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है जहां पे बात नहीं होती है कंडक्ट होता है जैसे कि कुली कुली आता है अपनी यूनिफॉर्म में सामने वाले का सामान उठा लेता है पैसेंजर का सामान उठा लेता है और चलने लगता है रेलवे स्टेशन विदाउट बींग आक्स बाय ए और ए भी उसको अपना सामान ले जाने देता है तो इसने ऑफर कैसे दिया था इंप्लाइड ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्टेंस कैसे दिया पैसेंजर ने बिना कुछ बोले अगर उसे सामान उठाने दिया तो यहां पे लॉ बोलता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि आपने बात नहीं करी ऑफर और एक्सेप्टेंस देते हुए कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ वहीं दूसरा एग्जाम्पल होता है जब भी आप पब्लिक बस पे चढ़ जाते हो जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है बसेस चलती है सिटीज में आप जैसे ही उस बस में सीट लेते हो

कार तक या गाड़ी तक पहुंचा देगा जिसमें आपको वो सामान लेके जाना है फिर वो आपसे पैसे मांगेगा तब तो बात होगी ना तब तो बात होगी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन तब बात होगी क्योंकि आपको वो बताएगा ना भैया मुझे कितने पैसे लेने हैं वो कहेगा भैया साहब पच सौ रुपया हुआ है मेरी मजदूरी का सौ तो रुपया दे दो उस टाइम पे आपको सौ रुपए देने पड़ेंगे यानी ऐसा नहीं कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बात ही नहीं होगी मेरी बात को फील करना आपने ऑफर उसने दिया था सामान उठा के इंप्लाइड ऑफर था आपने उसे ले जाने दिया इंप्लाइड एक्सेप्टेंस थी लेकिन एंड में जाके थोड़ी बात होती है तो इंप्लाइड इंप्लाइड ऑफर में में कॉन्ट्रैक्ट मतलब एंड में जाके बात होती है नॉर्मली ये हम जानते हैं क्योंकि पैसे तो उसे बताना ही पड़ेंगे ना कितने हुए हैं है ना यस सर देन अब आता है टास्ड कॉन्ट्रैक्ट ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही बात है टास्ड कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी बात नहीं होती है इंप्लाइड में तो ऑफर एक्सेप्टेंस इंप्लाइड होते हैं बट थोड़ी बहुत बात हो जाती है ही इसमें सिंपल एग्जांपल उन्होंने दिया भैया आप जब एटीएम मशीन से जाते हो तो आप कभी एटीएम मशीन से बात नहीं करते हो। hey, मशीन मुझे दस हजार रुपए दे, दे ये देख मेरा कार्ड आप कभी ऐसे नहीं करते हो आप चुपचाप जाते हो एटीएम में कार्ड डालते हो पैसा निकालते हो और वापस आ जाते हो कोई बात आपके बीच में होती नहीं है तो लॉ कह रहा है टाइसिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं जिसमें वर्ड्स यूज होते ही नहीं है विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न जब भी आप कैश विड्रॉ करते हो कस्टमर है ना बैंक अकाउंट से एटीएम के तो हम बोलते हैं आपके बीच में क्या हो गया आपके बीच में हो गया है टासिड कॉन्ट्रैक्ट

ये नेक्स्ट ये आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये आपका यूनिट सिक्स का पार्ट है और ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा यूनिट सिक्स में जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन करने ही वाला हूं आज के लेक्चर में तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है आगे चल सकते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट

ठीक है आप फिजिक्स वाला से कोई कोर्स परचेज करते हो क्या है ई कॉन्ट्रैक्ट है समझ गए ना सो सिंपल ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है नेटवर्क आपस में लिंक होते हैं जिससे डाटा चेंज होता है टेक्निकल बात लिखी हुई कि भैया डाटा चेंज मतलब इंटरनेट ही की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू जो है डाटा एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में दोनों के बीच में और इसी को हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पे हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी वर्ड्स और राइटिंग में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्वाजी हमने बोला है बाद में करेंगे कॉमर्स e कॉन्ट्रैक्ट हो गया लास्ट आते मेरे बच्चा परफॉर्मेंस पे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है या नहीं परफॉर्म हो गया है इसका तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस कॉन्ट्रेक्टरी एग्जीक्यूटिड एग्जीक्यूटरी एक्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेक्ट एक्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता है मेरे बच्चा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टी मान लीजिए एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है जिसमें दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है अगर दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है तो हम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और इनके प्रोमिस को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन क्या ये बात आपको याद आई हमने एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन भी पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्जीक्यूटिव है और कंसिडरेशन भी है एक्सिक्यूटिवेशन भी है बट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो उसमें वो बोलता है इसके दो पार्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के हो सकता है दोनों ही पार्टीज ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना किया हो दोनों ही पार्टीज ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना करा हो यानी बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी अभी दोनों ही पार्टी का प्रॉमिस परफॉर्म करना बाकी है बायोलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है और या यह हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है एक पार्टी ने कर दिया और दूसरी पार्टी ने नहीं किया या तो यह हो सकता है। एक पार्टी ने कर दिया दूसरी पार्टी ने किया अब वो कौन सी पार्टी ने किया वो फर्क नहीं पड़ता है अगर दोनों परफॉर्म हो चुके हैं तो यानी दोनों पार्टी ने अगर अपना वादा पूरा कर दिया एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों ही पार्टी का बाकी है तो भी एग्जीक्यूटरी दोनों में किसी एक का बाकी है तो भी एग्जीक्यूटरी दोनों का ही बाकी है तो बाइलेट्रल एग्जीक्यूटरी और दोनों में से किसी एक का बाकी है तो यूनिलेट्रल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ओके सर हम्म हम्म ये लिखा हुआ है ठीक है आइए टेस्ट योर नॉलेज आई एम गिविंग यू टू मिनट्स जस्ट आपको ये पांचों पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिखने हैं मेरे को फटाफट लिख के बताना फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और आज मजा आएगी आपको ये आंसर करने में मुझे ये पांचों आंसर दिख रहा है ना कलर हाँ मुझे ये पांचों आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के आई एम गिविंग यू टू मिनट आई एम गिविंग यू मेरे बच्चा दो मिनट है आपके पास फटाफट इन्हें करके दिखाइए क्या आंसर आता है आप पढ़िए फिर मैं आपको पढ़ के करके बताऊंगा <laughs> you have two minutes to answer this question. You have two minutes to answer this question. चलिए मैं ट्राई करके बताता हूँ आइए एक कुली है जो यूनिफॉर्म में है जिसने लगेज उठाया ए का और उस रेलवे स्टेशन से और बिना ए से पूछे और ए ने भी उसे अलाउ करा तो ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है मुझे लगता है देखना हाँ मुझे लगता है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कोई दिक्कत बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है इस पॉइंट में अरे ओ माई गॉड ये क्या हो गया वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैं कह रहा हूं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है किसी को कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है ना अगर बाद में ए पैसे देने से मना करता है तो कुली जो है ए के ऊपर केस कर सकता है बट ये साथ ही साथ ये साथ ही साथ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है हाँ या ना ये साथ ही साथ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है करेक्ट ये साथ ही साथ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यह इंफोर्सेबिलिटी की बेस पे है कि केस करा जा सकता है या नहीं और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये फॉर्मेशन के बेस पे है इंस्टीट्यूट जब आपको क्वेश्चन पूछती है ना इंस्टीट्यूट जब आपको क्वेश्चन पूछती है ना तो ये नहीं बताती है कि कौन से बेसिस पे बताना है तो कुछ बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं कुछ बच्चे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं बट प्रॉब्लम क्या है वट इज द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज कि मेरे बच्चा ये ज्यादा बेटर क्या चेक करने के लिए पूछा है उसने ये वाला पॉइंट उसने क्या चेक करने के पूछा है उसने इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछा है इसीलिए हमें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है क्या फील कर पा रहे हो मेरी बात को ये मैंने देखा है मैं कई बार कॉपीज चेक करता हूं टेस्ट में तो मुझे पता चलता है कि भैया मैंने पहले करी थी कई बार टेस्ट में कॉपीज चेक तो मुझे पता चलता है कि बच्चा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है ये गलत नहीं है ना 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 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है मेरे बच्चे ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन इंस्टीट्यूट इसको टेस्ट कर रहा है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आई होप यू आर क्लियर विद दैट ओके सर तो आंसर में सर फाइनली क्या लिखेंगे ये तो बता दो बेटा आंसर में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे सेकंड है अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द सप्लाई ऑफ टेन टन ऑफ शुगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया भैया मुझे चीनी चाहिए बट सप्लाई होने से पहले ही आग लग गई और सारी चीनी की जल गई सारी चीनी जल गई यानी ये इंपॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट ये क्या हो गया मेरे बच्चे इंपॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसको मैं क्या आंसर दूंगा इंपॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट पहले तो ये वैलिड था बाद में ये क्या हो गया वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाद में ये क्या हो गया बेटा वाइड पहले वैलिड था जब हुआ था लेकिन आग लगने की वजह से इंपॉसिबल होने की वजह से अब हम केस नहीं कर सकते अब हम केस नहीं कर सकते थर्ड है एक्स ने वादा करा कि मैं अपना स्कूटर बेचूंगा एक लाख में लेकिन उसकी जो कंसेंट थी वो कैसे ली गई थी गन पॉइंट पर ली गई थी उसकी जो कंसेंट है वो कैसे ली गई थी गन पॉइंट पे तो ये क्या होगा वाइडेबल होगा ये क्या होगा मेरे बच्चा

बताओ क्या ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है द आंसर नो मेरा बच्चा द आंसर इज नो दिस इज केस एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट दैट इनफोर्बल कॉन्ट्रैक्ट दैट इजोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा लास्ट मेरे बच्चा चार मार्क कर लो क्योंकि पेपर में आप ये गलती करते हो बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेरेस्ट बच्चा होता है जो ये वाला आंसर ठीक लिख के जाता है बहुत रेयर रेयर ठीक होता है लेकिन ठीक नहीं होता है सर मतलब अभी पता चल जाएगा जी एग्रीज टू गिव टूशन टू एच अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ एंड कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे जी ऑफ पांच हजार रुपए पर मंथ सबसे पहले बच्चा यहां पता क्या लिखता है लिखता है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है जिसमें अगेन कोई गलत बात नहीं है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया हम ट्यूशन देंगे नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ से ट्यूशन देंगे नेक्स्ट मंथ से फीस भरी जाएगी बट इंस्टीट्यूट यहां पे वैलिडिटी नहीं पूछ रहा है इंस्टीट्यूट यहां पे पता क्या पूछ रहा है ये पूछना चाहता था कि ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि दोनों का वादा अभी होना बाकी है तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटरी देखो

पहला डिफरेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इसको दिल से समझ लीजिए सबसे पहले तो मीनिंग दिया हुआ है कि प्रॉमिस के बदले किया गया प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है कंसिडरेशन होती है और ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल वो क्या होता है एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है डेफिनेशन दी हुई है कौन सा बाइडर है कौन सा ज्यादा बड़ा है मैंने आपको बताया है एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा है क्यों ज्यादा बड़ा है बिकॉज इसमें लीगल एग्रीमेंट भी आते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इसमें सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है Narrow है नैरो क्योंकि इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट्स आते हैं जो लीगली इनफोर्स होते हैं अच्छा लीगल ऑब्लीगेशन एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लीगेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लीगेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है बट कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लीगेशन होगी ही होगी क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं नेचर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ये भी बात हमने पढ़ ली थी पहले ही और ऑल कॉन्ट्रेक्ट आर एग्रीमेंट क्या ये बात पे आप एग्री करते हो ना ये सर इस बात पे हम लोग एग्री करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं वाइड 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 एग्रीमेंट करेक्ट एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है वाइड एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क देखिए वाइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है इलीगल हो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप आपकी हमने किस कौन सा एग्जाम्पल लिया था ये वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें वो आग लग जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं चीजें तो वो वाइड एग्रीमेंट होते है या अगर आप किसी माइनॉर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो आगे हम पढ़ेंगे अगर आप किसी माइनॉर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता वो वाइड होता है बट वो इलीगल नहीं है यानी आप कर सकते हो अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो अलाउड है बस आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो बट इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे वाइड होंगे यानी इलीगल एग्रीमेंट के केस में आप कभी भी कोर्ट में जा नहीं सकते हो नेचर वाइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि लॉ ने मना करें हो लेकिन इललीगल एग्रीमेंट ने तो एग्रीमेंट तो लॉ ने मना कर ही रखे हैं कि आपको करने नहीं है पनिशमेंट किसमें मिलेगी पनिशमेंट वाइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं मिलती है बट इन एग्रीमेंट और इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पनिशमेंट मिलती है अगर उसमें दूसरे लॉस में यह बोला गया है कि भैया ये क्रिमिनल एक्टिविटी है तो कोलेट्रल एग्रीमेंट यानी सपोर्टिंग एग्रीमेंट सपोर्टिंग एग्रीमेंट मेरे बच्चा वाइड एग्रीमेंट के केस में सपोर्टिंग एग्रीमेंट्स वैलिड रहते हैं बट अगर आप कोई इन एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके कोलेट्रल यानी उसके जितने भी सपोर्टिंग होंगे वो भी वाइड हो जाएंगे यानी इन के केस में सपोर्टिंग एग्रीमेंट्स भी वाइड होते हैं लेकिन अगर सिर्फ वाइड एग्रीमेंट है तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसके सपोर्टिंग एग्रीमेंट क्या हो जाए वाइड हो जाए नेक्स्ट मेरे बच्चा ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर यह इंपॉर्टेंट है मैंने ऊपर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर क्या बोलता है मेरे बच्चा पहले ऑफर का उन्होंने बोला है ऑफर एक फाइनल विलिंगनेस है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दिस इज द कीवर्ड ऑफर फाइनल विलिंगनेस है कि अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं अपना वादा निभाऊंगा लेकिन इनविटेशन टू ऑफर फाइनल विलिंगनेस नहीं है विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस यानी यहां पे हम क्या करना चाहते हैं नेगोशिएट करना चाहते हैं ऑफर के केस में नेगोशिएट हम नहीं करना चाहते हम तो चाहते हैं सामने वाला एक्सेप्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए बट इनविटेशन टू ऑफर में हैं हैं नेगोशिएट करे, करेंगे फिर okay? तो मैं उस वादे से बाउंड हो जाऊंगा यानी निभाऊंगा ही निभाऊंगा ठीक है ऑफर केस में हमारी इंटेंशन एकदम क्लियर रहती है लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में हमारी इंटेंशन बंधने की नहीं होती बल्कि नेगोशिएशन करने की होती है ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स रहेंगे ऑफर कभी भी पहले नहीं आता टू ऑफर हमेशा पहले आता है ऑफर से तो यानी अगर मैं बात करूं जो हमने सीडी बनाई थी ना उस सीडी में एक और नीचे सीडी थी जहां खड़े थे जिसका नाम इनविटेशन टू ऑफर था क्लियर है क्या बच्चों नो यस सर क्लियर है ओके ओके वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट 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 और contract. Contract और के बीच का डिफरेंस पहले तो अगेन मीनिंग दिया हुआ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था बाद में वाइड हो गया उसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है करेक्ट तो एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है वो चाहे तो उसको लॉ से इन्फोर्स कर सकता है और चाहे तो वो उसको वैलिड भी मान सकता है बट दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है फोर्सेबिलिटी वाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं लेकिन में, aggrieved party के पास होता है कि में जाना है या नहीं जाना है दूसरी पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है मे बी लॉ चेंज हो गया वो चीज इलीगल हो गई मे बी इंपॉसिबल हो गया कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आप पार्टी अपना वादा कभी परफॉर्म नहीं कर सकती है जो उनके कंट्रोल से बियॉन्ड था तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है लेकिन वाइडेबल कब होता है वाइडेबल तब होता है जब पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं रहती है पार्टी की कंसेंट कभी कब कब फ्री नहीं रहती है ये लोग ये चीज अभी हम आगे डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं कि कब कब हम ये मानेंगे कि पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं वो दबाव में दी गई है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ओके वाइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकते लॉ आपको अलाउ नहीं करता है बट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर सामने वाली पार्टी उसको कैंसिल नहीं करती है जिसके साथ गलत हुआ था अगर वो पार्टी कैंसिल नहीं करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को तो दोनों पार्टी तो अपना अपना वादा निभाती हैं दोनों तो अपना अपना वादा निभाती है अगर जिस पार्टी के पास ऑप्शन पार्ट था उसे कैंसिल करने का अगर वो कैंसिल नहीं करती है तो दोनों पार्टी को अपना वादा निभाना पड़ता है राइट वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी किसी पर्सन को कोई लीगल राइट नहीं मिलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट वो एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी केस नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन वाइडेबल केस में एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है वो चाहे तो उसे कैंसिल कर सकती है रीजनेबल टाइम में और अगर वो उसे कैंसिल नहीं करती है रीजनेबल टाइम में तो ठीक है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है अगर आप टाइम पे कैंसिल नहीं करते हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे राइट्स आपको मिलते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑफ ऑफ अ अ वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सेक्शन में आपको दिए हुए हैं और कुछ मेरे बच्चा जो सेक्शन टेन में तो नहीं दिए हुए हैं बट फिर भी असेंशियल हैं तो असेंशियल होता क्या है सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं तो असेंशियल की अगर मैं बात करूं जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छी चाय बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है तो अच्छी चाय बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें लगेंगी सबसे पहले आपको दूध अच्छी क्वालिटी का चाहिए होगा करेक्ट चाय पत्ती अच्छी क्वालिटी की चाहिए होगी चीनी चाहिए होगी इलायची चाहिए होगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक अच्छी चाय बनाने के लिए लगेंगी उसी तरह से लॉ कह रहा है भैया कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है ना अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है तो ये जो बातें लिखी हुई है यहां पे लिखी हुई है सेक्शन टेन की छह बातें और यहां पे लिखी हुई है पांच बातें ये टोटल ग्यारह बातें अगर आपके एग्रीमेंट में है तो लॉ कहेगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग हो जाती है तो या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है ओके सर एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें जरूरी है पहली चीज मेरे बच्चा वो बोल रहा है एग्रीमेंट एग्रीमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एग्रीमेंट क्या था या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे की कंसिडरेशन बनते हैं वो ही एग्रीमेंट होते हैं करेक्ट तो एग्रीमेंट तो प्राइमा फेसी डेफिनेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट की बोलता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ करा सके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ओके सर सेकंड मेरे बच्चा फ्री कंसेंट बोल रहा है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए इसको समझेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए इसको समझेंगे बट सेक्शन टेन पे ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं छोटी छोटी बातें हैं जो सेक्शन टेन में नहीं लिखी हुई हैं बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है सबसे पहली चीज मेरे बच्चा कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टी की जरूरत है क्योंकि एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी क्या देगी मेरे बच्चा एक्सेप्टेंस देगी दो पार्टी और वो पार्टी कौन हो सकती है वो पार्टी हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो कोई हो सकता है एच हो एलएलपी हो फ हो कंपनी हो वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो ऑफर दे रहा है और कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक्सेप्टेंस दे रहा है तो दो पार्टी मिनिमम लगेंगी मिनिमम सेकेंड है मेरे बच्चा दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की अगर पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं है तो लॉ कहेगा भैया ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें हमने पहले भी एक नॉर्मल सा देखा था जिसमें मेरे दोस्त ने कहा था कि भैया मैं आज खाना बना देता हूं और तू आज बर्तन धो देना मैंने कहा ठीक है उसने खाना बना दिया हमने खाना खा लिया लेकिन जब बर्तन धोने की बात आई तो मैंने कहा भैया कौन से बर्तन क्यों बिकॉज यहां पे ऑफर भी था एक्सेप्टेंस भी थी बट मेरे बच्चा क्या नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी इसीलिए मेरा दोस्त जो है मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता इसलिए मेरा दोस्त मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता है। थर्ड फुलफिलमेंट ऑफ लीगल इसका क्या मतलब है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह बोलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है राइटिंग भी हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ ऐसे और लॉज हैं जहां पे यह लिखा हुआ है कि स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या तो उन्हें राइटिंग में होना चाहिए या उस पे स्टैंप ड्यूटी पे होनी चाहिए तभी वो वैलिड माने जाएंगे तो और लॉ में बोला कोई को करने के लिए तो वो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंप्लाई करनी पड़ेगी जैसे सिंपल मैंने सपोज अपनी स्कूटी बेचनी चाहिए मैंने कहा भैया मैं अपनी स्कूटी सेल करना चाहता हूं एक बंदे को मैंने बोला भैया मेरी स्कूटी दस हजार रुपए में लोगे क्या उसने कहा हाँ भैया ले लूंगा रुपीस में उसने मुझे टेन मैंने उसको चाबी दे दी और वो अपने घर मेरी गाड़ी लेकर चला गया क्या गाड़ी उसकी हो गई क्योंकि ऑफर भी हो गया एक्सेप्टेंस भी हो गया बट क्या गाड़ी उसकी हो गई द आंसर इज नो बिकॉज मोटर वाइकल मोटर वाइकल एक्ट क्या बोलता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है गाड़ी का जो आर होती है वो बायर के नाम पे ट्रांसफर करानी पड़ेगी जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगी तब तक गाड़ी किसकी मानी जाएगी बच्चा मेरी मानी जाएगी भले ही पैसे मेरे पास क्यों ना आ गए हो तो इसी की बात करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज दूसरा जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तो अगर कोई कोर्ट में जाके मैरिज करा रहा है तो वहां पर लगता है कि आपको साइन दुल्हा और दुल्हन के तो लगेंगे ही साथ में आप कुछ लोगों को एज अ विटनेस भी बुलाना पड़ेगा कि जिन्होंने हाँ इस बात को एग्री है शादी होते हुए देखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह बात नहीं करता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए मतलब क्या क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपल सा बोल देता है कि भैया अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज किसी लॉ में बताई हुई तो उनको जब तक कंप्लाई नहीं करोगे ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा नेक्स्ट मेरे बच्चा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इसमें एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने आपके दिया हुआ है कि ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया हंड्रेड टन ऑफ ऑयल सेल करने का क्या करने का हंड्रेड टन ऑफ ऑयल सेल करने का अब ने जब के साथ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि भैया ये मीनिंग ही सर्टेन नहीं है क्योंकि कौन सा ऑयल देना है कुकिंग ऑयल देना है दूसरा हेयर ऑयल देना है गाड़ी का ऑयल देना है जब यह क्लियर नहीं है तो लॉ कहता है भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रेक्ट नहीं बनाना पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का ऑयल लेना है कितनी क्वांटिटी में लेना है सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा तभी यह बन पाएगा कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मेरे बच्चा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी जो आपने प्रॉमिस किया है वो निभाने लायक होना चाहिए वो पॉसिबल होना चाहिए कि कि आप उसे परफॉर्म कर पाओ जैसे कि ए ने एक ने एक एक साधु कहा बंदे को साधु ने कहा तू मुझे दस हजार रुपए दे मैं अभी जादू से यहां पर तेरे सामने करोड़ों का खजाना ढूंढ दूंगा तू बस मुझे दस हजार रुपए दे दे तो लॉ क्या कहेगा लॉ कहेगा भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये परफॉर्म हो ही नहीं सकता या एक पर्सन ने कहा कि तुम मुझे एक लाख दो मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगा जिसकी डेथ हो गई है मैं उसको जिंदा कर दूंगा ये भी पॉसिबल नहीं है तो लॉ कहेगा भैया ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो असेंशियल्स हैं जो सेक्शन टेन में तो नहीं लिखे हुए बट इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे चलता हूं मेरे बच्चा एक एक चीज को क्लियर करते हैं इन चारों पांचों पॉइंट पांच को क्लियर करते हैं धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे सबसे पहले हम सेक्शन टेन को रीड ही कर लेते हैं सबसे पहले हम सेक्शन टेन को रीड कर लेते हैं भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन टेन के बारे में लिखा क्या हुआ है चलो रीड रीड करेंगे करेंगे सब लोग लोग मेरे साथ सर yes, सर हम लोग करेंगे, sir, कोई दिक्कत नहीं है 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 देखो एज पर सेक्शन सेक्शन क्या बोल रहा है? कह रहा कह वो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर उन कॉन्ट्रैक्ट को किसने किया है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है

पूरी होती हैं तो एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं मैंने इसको और सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन कर लिया कि वो क्या क्या चाह रहे थे पहली रिक्वायरमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बोली कॉम्पिटेंट पार्टी सेकेंड रिक्वायरमेंट फ्री कंसेंट थर्ड लॉफुल लॉफुलरेशन फोर्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फिफ्थ नॉट डिक्लेयर वाइट ठीक है अब एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं बिकॉज ये जो सारे ही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए इस यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ओके okay, सर सबसे पहले पता करते हैं कि भैया कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होती है कॉम्पिटेंट मतलब कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो लॉ कहता है कि कौन कर सकती है वो मेजर होना चाहिए पहली चीज क्या जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो माइनर नहीं हो सकती मेजर होनी चाहिए साथ ही साथ उसका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए साउंड मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए वो अपने डिसीजंस लेने की क्षमता रखता हो एंड थर्ड मेरे बच्चा लॉ ने उसको डिसक्वालीफाइड नहीं करना होना चाहिए अगर वो बंदे के अंदर ये तीनों चीजें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जैसे मैं चेक करता हूं ये मेरे ऊपर मी चेक क्या मैं एक मेजर हूं हाँ मैं मेजर हूं ओके okay. क्या मैं साउंड माइंड का हूं भैया पढ़ा रहा हूं तो मुझे लग तो रहा है कि मैं दिमाग तो मेरा ठीक चलता है और थर्ड क्या है नॉट डिस्कालीफाइड फ्रॉम नॉट डिस्कालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ ये अभी मैं आपको लिस्ट बता दूंगा उसमें भी मैं फॉल नहीं करता हूं ओके okay, सर सर लेकिन मेजर कौन होता है सर पहला क्वेश्चन आपका आना चाहिए हु इज मेजर एंड हु इज माइनर क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा तभी तो हम बता पाएंगे कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है ठीक है तो मेजर के ऊपर चलते हैं मेजर कौन होता है तो लॉ कहता है भैया कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जो इंडिया में डोमेसाइल है और जिसने 18 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली जिसने कितने इयर्स की एज कंप्लीट कर ली मेरे बच्चा 18 इयर्स की एज अगर कंप्लीट कर ली है तो वो बंदा मेजर हो जाता है यानी एक दिन भी अगर आप 18 इयर्स से कम हैं तो आप माइनर माने जाएंगे और जिस दिन आप 18 इयर्स की एज को कंप्लीट कर लेते हैं उस दिन आप क्या माने जाते हैं मेरे बच्चा मेजर माने जाते हैं यानी उस दिन आपके पास शक्ति आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट को करने की ओके सर देन आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करते हैं तो वो क्या होता है वाइड एब इनिशियो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चा वाइड एब इनिशियो होता है यानी शुरुआत से ही वाइड होता है मतलब आप माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हो आप माइनोर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो तो एक बात मैं आपको बताऊं क्या लॉ मुझे माइनोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर रहा है द आंसर इज नो लॉ कह रहा है तुम्हें करना है तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा मतलब अगर उसने माइनोर ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो तुम मेरे पास मत आना लेकर कि ये बंदा अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहा है तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इीगल नहीं है माइनोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल नहीं है माइनोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना सिर्फ क्या है वाइड है वाइड मतलब आप माइनोर कोर्ट में घसीट कर लेके नहीं जा सकते हैं सर नॉलेज चेक कर लेते हैं आइए आपकी नॉलेज चेक करते हैं सबसे पहले हमारे छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम इसको बहुत बढ़िया पसंद है भैया लड्डू है ना ओके छोटा भीम छोटा भीम जो है वो सत्रह साल ग्यारह महीने बीस दिन के हैं सत्रह साल ग्यारह महीने बीस दिन कुछ दिन बचे अठारह साल होने में ये बंदे को माइनर कहूंगा कि मेजर कहूंगा सर सर ये बंदा ना सर माइनर होगा ओ हो 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 ये बंदा माइनर होगा तो मुझे बताओ अगर ये बंदा माइनर होगा तो इसके साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे सर इसके साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे वाइड होंगे ओके फिर आती है हमारी चुटकी ओहो चुटकी आई चुटकी की उम्र कितनी है वैसे तो लड़कियों की उम्र बताई नहीं जाती है बट बत मैंने बता दी है सॉरी चुटकी ठीक है सोलह साल दस महीने बीस दिन ये कौन होगी मेजर या माइनर अगेन रूल क्या है एटीन ईयर्स ये क्या होगी माइनर होगी और इसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे इसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे वाइड इनिशो होंगे अब आगे हमारे कालिया भैया कालिया भैया तुम्हारी उम्र कितनी है कालिया भैया कह रहे मैं अठारह साल और जीरो मंथ दो दिन मुझे अठारह साल का होके दो दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं मैंने कहा अच्छा कहा लिया भैया तो आप तो बन गए हैं मेजोर आप कौन बन गए हैं मेरे बच्चा मेजर बन गए हैं और आपके साथ जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा वो क्या होंगे वो क्या होंगे वो वाइड नहीं होंगे वो वैलिड कॉन्ट्रेक्ट होंगे वो वैलिड होंगे प्रोवाइडेड अदर कंडीशन अदर असेंशियल उसमें प्रेजेंट हो ठीक है ओके सर तो यहां पे मैंने सॉल्व भी कर रखा था आपके लिए माइनर माइनर मेजर आपने भी एकदम सही सॉल्व किया ओके okay, अब चलते हैं पागलपन के ऊपर सर क्योंकि पागलपंथी जरूरी है तो लॉ बोल रहा है कि पर्सन साउंड माइंड अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट थी मेजर होना चाहिए सेकंड थी वो मेजर साउंड माइंड का होना चाहिए सेकंड क्या थी वो मेजर साउंड माइंड का होना चाहिए तो मेरे बच्चा साउंड माइंड का मतलब अब एक पर्सन है जो परमानेंट साउंड माइंड का है परमानेंट साउंड माइंड का मतलब उसका दिमाग खराब नहीं है वो एकदम ठीक रहता है कोई पागलपन वाली बात नहीं है नॉर्मली लोग यही फॉलो तो जब भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है एक ऐसा पर्सन है जो बेचारा परमानेंटली ही पागल हो चुका है या परमानेंटली अनसाउंड माइंड का पागल हो चुका है या आपकी बात को समझता नहीं है जैसे ये पर्सन ये पर्सन देखिए ये बेचारा अनसाउंड माइंड का हम इससे कोई बात करते हैं ये कभी रिप्लाई नहीं करता है इसे समझ ही नहीं आती है भैया कि क्या बोल रहे हैं तो लॉ कह रहा है जब आप अनसाउंड माइंड जो हमेशा के लिए अनसाउंड माइंड का हुआ है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि असेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसके बाद एक ऐसा पर्सन जो कभी कभार साउंड माइंड का रहता है और कभी कभार अनसाउंड माइंड का रहता है जैसे हमने कौन सी पिक्चर में देखा था कोई मिल गया में पिक्चर में देखा था जब तक जादू की शक्तियां चलती थी तो वो बंदा एकदम सही चलता था उसे सब समझ आता था जैसे ही जादू की शक्ति चली जाती थी तो वो बंदा कहता था अरे मुझे बॉनविटा पसंद है ना तो लॉ कहता है अगर आपका पर्सन जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कभी कभी साउंड माइंड का रहता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड का रहता है इसको लॉ में लुनेटिक शब्द से भी बोला गया है तो लॉ कहता है जब वो साउंड माइंड का होता है और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा लेकिन लेकिन मेरे बच्चा अगर जब वो अनसाउंड माइंड का होता है जिस टाइम टाइम आप उस उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाइड माना जाएगा अच्छा सर सर लेकिन अगर एक बात बताइए मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसने दारू पी रखी थी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक, एक पर्सन के पास किया मैंने कहा भैया भैया मेरा फोन दस लाख में लोगे क्या मैंने अपना दस हजार का फोन उसे कहा दस लाख में लोगे क्या उसने कहा अरे ले लूंगा ना क्या दिक्कत है तेरे को प्रॉब्लम क्या ले लेगा मैं तो लॉ कह रहा है जब ये ड्रंक होता है ना पर्सन जब ये इसको नशा चढ़ा हुआ होता है तो लॉ कहता है इसको हम बोलेंगे उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का और क्योंकि हम उसे उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे क्या माना जाएगा उसके साथ किया हुआ वाइड माना जाता है यानी आप एक ड्रंक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं ओके सर ओके सर क्लियर हो गया सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट चलते हैं दास्ट लास्ट लास्ट कंडीशन जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आती है वो क्या होती है आपका पर्सन एक्सप्रेसली यानी लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई नहीं कर देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे पहला एग्जांपल है फॉरेन सोवरियंस एंड फॉरेन एम्बेसडर फॉरेन सोवरियंस और फॉरेन एम्बेसडर जो बाहर के लोग हैं ना जो बाहर के लोग इंडिया में आते हैं लॉ कहता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर दे हमारी बातें लीक कर दे तो लॉ ने कहा भैया इनकी बातें इनसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे हुए क्या होंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे सेकंड आता है बेटा एलियन एनिमी एलियन एनिमी कौन होता है सर एलियन एनिमी सो देर आर टू कॉन्सेप्ट ठीक है एलियन एनिमी एंड हम्म एलियन एनिमी एंड एलियन एंड ठीक है कुछ लोग इसे अलायन भी बोलते हैं है ना कुछ लोग इसे अलायन भी बोलते हैं कुछ लोग इसे एलियन भी बोलते हैं आपको जो ठीक लगे स्पेलिंग सही लिखनी है आपको एग्जाम में ओके सो so, एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड पहले ये फर्क समझते हैं एक ऐसा पर्सन एक ऐसा पर्सन एलियन एनिमी एक ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ आपकी कंट्री का वॉर छिड़ चुका है या होने वाला है आपको लग रहा है तो हम उसको बोलते हैं एलियन एनिमी करेक्ट और जिसके साथ हमारी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन है उसको हम बोलेंगे एलियन फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो बंदा बी जो है चाइना में रहता था और इंडिया के जो है रिलेशन चाइना के साथ खराब होने लगे वार वाली सिचुएशन आ गई तो लॉ कहेगा भैया ये क्या है ये एक है ये अलाय है इसके साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था तो वो अवॉइड हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट अब आप एंटर नहीं कर सकते हैं फिर आता बेटा कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं वो लोग बात कर रहे हैं कंपनी की वो किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चा कंपनी की बात कर रहे हैं कंपनी ना डिसक्वालिफाइड नॉर्मली नहीं है तो सर यहां लिस्ट में क्यों लिखी हुई है क्या होता है ना बात समझो कंपनी जो है एक तो वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है जैसे कि मैरिज नहीं कर सकती करेक्ट तो जो पर्सनल नेचर जेल नहीं जा सकती तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते और दूसरी चीज हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे कि कंपनी कंपनी जो होती है वह अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट होता है उससे बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो उसके बाहर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी इट विल बी अ पर्सन क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया यस yes. नेक्स्ट है मेरे बच्चा यानी जिसने कोई जुर्म किया है जेल में पड़ा है उसको बोलते हैं कॉन्विक्ट तो अगर आप कॉन्विक जेल वाले बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हाँ लेकिन अगर वो बाद में अपनी जेल की सजा पूरी करके छूट कर आ गया तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बट जब तक वो कॉन्विक्ट है आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं ओके लास्ट मेरे बच्चा दैट इज इंसॉल्वेंट अगर कोई बंदे का दिवालिया हो जाता है यानी उसके जो एसेट्स हैं वो एसेट्सिटी से कम हो जाते हैं तो कोर्ट उसको डिक्लेयर करता है इंसॉल्वेंट देखिए कौन डिक्लेयर करता है कोर्ट डिक्लेयर करता है आ, मैं खुद को इंसॉल्वेंट कहने लगूंगा और डिस्कालीफाइड हो जाऊंगा ऐसा नहीं होगा कोर्ट का लिखित ऑर्डर आता है कि ये बंदा भैया इंसॉल्वेंट हो चुका है या ये कंपनी इंसॉल्वमेंट हो चुकी है या ये पार्टनरशिप एक ऑर्डर आता है जिससे कि हमें प्रूफ मिलता है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है और इसके साथ जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाइड हो जाते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट करने की इसकी कैपेसिटी चली जाती है ओके सर वेरी गुड सर आगे चलते हैं ओ माय गॉड आहा हा कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लाइड इसमें से आप ये मान के चलिए कि

कि जो माइनर होता है उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वाइड एब इनिशियो होता है वाइड फ्रॉम होता है ओके okay, सर इस स्लाइड को पढ़ते हैं पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इजी वाला देखिए क्या हुआ एक केस था मोहिरी बीबी वर्सिस धर्मोदास है हुआ क्या ये हमारी मुन्नी है मुन्नी जी मुन्नी है सोलह साल की है यानी सोलह साल की हुई मतलब क्या हो गया मेरे बच्चा माइनर हो गई और नो सर इसने हाथ जोड़ के सलमान को कहा सलमान भाई सलमान भाई मुझे बहुत जरूरत है प्लीज मुझे बीस हजार रुपए दे दीजिए किससे लिए बजरंगी भाई अच्छा सलमान भाई का नाम है बजरंगी भाई रखा है क्या चलो बजरंगी भाई से एंड एग्जीक्यूटेड मोर्गेज इन फेवर और उसने बीस हजार रुपए के बदले कुछ चीजें उसके क्या कर दी गिरवी रख दी उसने कुछ सामान गिरवी रख दिया अब दो साल कंप्लीट हो गए दो साल कंप्लीट हो गए और मुन्नी जो है वह बड़ी हो गई क्या बन गई मेजर बन गई और जैसे ही वो बड़ी हुई उसने बजरंगी भाई के ऊपर केस कर दिया उसने बजरंगी भाईजान के ऊपर केस कर दिया और कहा हे बजरंगी भाईजान वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना जो मैंने तुमसे बीस हजार उधार लिए थे और तुम्हें मॉर्गेज दिया था हाँ वो वाइड एब इनिशियो था वो वाइड एब इनिशियो था क्योंकि मैं माइनर हूं तो मुझे मेरा मॉर्गेज वापस दे दो क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल था ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड एब इनिशियो था और मुन्नी केस जीत मुन्नी केस केस जीत जीत गई गई इसलिए आप ना वाइडोर के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट मत करना बच्चा कह रहा है मैं तो खुद ही माइनोर हूं बच्चा क्या कह रहा है कह रहा है मैं तो खुद ही माइनोर हूं सेकेंड एग्जाम्पल ये एक और केस लो है जो बहुत प्यारा है इस बंदे ने कहा हाय किसको कहा आमिर हाँ, खान को का, कहा हाय माय नेम इज ईशान कह रहा है मैं ईशान हूं और मैं एक मेजर हूं ये देखो मेरी मुछे ऐसे मुछे लगा के गया कह रहा मेरी मुछे देखो मैं मेजर हूं मुझे प्लीज दस हजार रुपए का लोन दे दो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगा प्लीज मुझे दस हजार का लोन दे दीजिए अमीर ने देखा अमीर ने कहा हाँ यार लग तो रहा है देखने में बड़ा सा यार तो इसको क्या कर देते हैं दस हजार का लोन दे देते हैं लोन ग्रांटेड यानी आमिर खान ने लोन दे दिया अब आमिर खान गया कुछ दिनों बाद जब ड्यू डेट आई इसके घर ईशान के घर और कहने लगा hey इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसे वापस कर दो ना भाई वो पैसे मुझे वापस कर दो ना तो क्या हुआ पता है उस दिन ओ माय गॉड ये क्या हो गया भाई जी ओ हो ईशान हो हो हो। की मूछे गिर गई और वो कहने लगा कौन से पैसे मैं तो माइनर हूं मैं तो माइनर हूं उसने कहा मैं तो माइनर हूं और जैसे ही उसने कहा मैं माइनर हूं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मेरे बच्चों वाइड एब इनिशियो हो गया यानी कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो था और इसको आमिर खान वो पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा अगर ईशान ने उन्हें स्पेंड कर दिया है तो अगर नहीं करा है तो कर लेंगे अगर उसके पास पड़े हुए बट इफ यूज एक्सपेंडेड अगर उसने खर्च कर दिए है तो अमीर भाई इनसे पैसा ले नहीं सकते हैं बिकॉज लॉ कहता है कि भैया अगर माइनर ने पहले खुद को मेजर दिखाया था और बाद में उसने कहा कि मैं माइनर हूं तो भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो सो so इसका मतलब है माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है प्लीड कर सकता है कि मैं माइनर हूं मेरे साथ खिलाफ कुछ एक्शन ना लिया जाए ओके okay, सर एक और पॉइंट समझते हैं, आओ शीला शीला क्या बोल रही है शीला बोल रही है भैया देखो इस केस में क्या हुआ शीला ने अपने एटीन बर्थडे से शीला का अठारह बर्थडे में आने वाला था यानी वो मेजर बनने वाला था बनने वाली थी शीला ने सात दिन पहले प्ले स्टेशन फाइव खरीदा प्ले स्टेशन फाइव खरीदा कह रही है मैं विक्की के साथ गेम्स खेला करूंगी विक्की को गेम्स खेलना बड़ा पसंद है एंड इशूड प्रोमिसरी नोट टू द शॉपकीपर और शॉपकीपर को एक कागज पे साइन करके दे दिए कि मैं तुम्हें प्ले स्टेशन फाइव के पचास हजार रुपए दूंगी ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिनों में आफ्टर थर्टी डेज आफ्टर ट्वेंटी डेज जो भी लिखा था मैं तुम्हें दे दूंगी ऐसा करके लिख दिया ठीक है लॉ बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है मेरे बच्चा ये तो वाइड एब इन है क्यों बिकॉज माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वाइड रहता है इसीलिए ये जो प्रोमिसरी नोट उसने दिया है ये उसको ऑनर करने की जरूरत नहीं है यानी उसको पे करने की जरूरत नहीं है बट दिन बाद के पास तब तक शीला क्योंकि बीस दिन बाद जा रहा है तो सात दिन में ही वो मेजर हो चुकी थी तो जब वो बीस दिन बाद गया शीला के पास तो शीला की जवानी आ गई थी शीला की जवानी आ गई थी और वो मेजर हो चुकी थी और क्योंकि शीला मेरे बच्चा मेजर हो चुकी थी तो अब क्या लगता है आपको क्या अब लॉ कहेगा अब तो तुम मेजर हो गई हो चलो प्रोमिसरी नोट दे दो द आंसर इज नो यानी आप मेजर होने के बाद भी जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको अप्रूव नहीं कर सकते वो वाइड ही रहने वाले हैं सो शी कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी यानी आप बड़े हो जाओ तो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टार्टिंग से वाइड थे आप उन्हें कह भी रहे हो एक्सेप्ट कर रहे हो बट लॉ बोलेगा ये वाइड ही रहने वाले हैं अच्छा अब आती है सबसे बड़ी सुपर शक्ति माइनॉर की इसको फील करना इस शक्ति को जब तुम फील करोगे ना तब तुम्हें मजा आएगा देखो लॉ कहता है कि अगर आप माइनोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या है मेरे बच्चा वाइड है लेकिन एक और बात भी कहता है लॉ लॉ कहता है लेकिन माइनोर ना बेनिफिशरी बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या बन सकता है बेनिफिशरी यानी फायदा उठाने वाला बन सकता है नुकसान उठाने वाला नहीं बनेगा सर इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ देखो अगर माइनोर प्रोमिसरी नोट इश्यू कर रहा है यानी वो कह रहा है वादा कर रहा है कि मैं कुछ दिन बाद पैसे दूंगा तो आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जा सकते आप माइनर को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा नहीं सकते घसीट के कि चल तूने मुझे कहा था नोट दिया था पैसे नहीं दे रहा चल कोर्ट नहीं ले जा सकते बट यही अगर आपने माइनर को प्रोमिसरी नोट दिया है अगर किसी मेजर ने अगर किसी मेजर ने प्रोमिसरी नोट दिया है माइनर को तो माइनोर आपको कोर्ट में घसीट के ले जा सकता है कि चल मेरे साथ चल और तुझे दिखाता हूं तूने मुझे कहा था पैसे देगा तो समझ रहे हैं यानी आप तो माइनोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते बट माइनोर मेजर का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है बट माइनोर मेजर का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है ओके सर सो माइनोर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप बट कैन बी अब ये बोल रहे हैं कि माइनोर पार्टनर तो नहीं बन सकता है पार्टनरशिप में क्यों नहीं बन सकता बिकॉज पार्टनर बनता है तो प्रॉफिट भी शेयर करने पड़ते हैं लॉसेज भी शेयर और लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड बट माइनोर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो बच्चा है छोटा तो लॉ कह रहा है माइनोर कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन अगर आप चाहें तो उसको बेनिफिट्स में ओनली एंड ओनली पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट कर सकते हैं वो भी तब जब सारे पार्टनर्स ये कंसेंट दे दे कि हाँ इस माइनर को ऐड करना यानी अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर कह रहा है लाओ पैसे दे दो नुकसान हो रहा है तो कह रहा खुद देख लो भैया खुद देख लो धंधा नहीं करना आता तुम लोगों का हा? सही से करा करो बिजनेस क्या लॉस करे जा रहे हो अच्छा क्योंकि माइनोर जो होता है वो बेनिफिशियरी बन सकता है तो देखते हैं क्या वो कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है माइनोर कभी भी कंपनी में लॉजिकली शेयर होल्डर नहीं बन सकता है कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बन सकता है और अगर बन जाता है तो कंपनी उसका नाम काट देती है लेकिन ऐसे दो केसेस हैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन जहां पे मेरे बच्चा माइनर फुली पेड शेयर्स अपने लीगल गार्जियन के थ्रू होल्ड कर सकता है यानी उसका नाम नहीं आएगा एज अ शेयर होल्डर वही होल्ड करेगा बट अपने लीगल गार्जियन के थ्रू और वो भी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में वो भी कौन से शेयर मेरे बच्चा फुली पेड शेयर सर इसका क्या मतलब है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा देखो शेयर्स लेने के तीन रास्ते हैं एक होता है कंपनी से आप अलॉटमेंट करा लें एक होता है कंपनी से आप अलॉटमेंट करा, करा लें दूसरा है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उससे ट्रांसफर करा लें ट्रांसफर मतलब वो वॉलंट्री बेचने को रेडी है वो वॉलेंट्री बेचने को रेडी है ठीक है और ट्रांसमिशन मतलब जैसे कि शेयर होल्डर की डेथ हो गई और वो आपको नॉमिनी बना के गया था माइनॉर को नॉमिनी बना के गया था तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन से उसके हो जाएंगे तो या वो पागल हो गया या इनकेपेटेटेड हो गया इस केस में होता है ट्रांसमिशन तो लॉ कह रहा है माइनर कभी अलॉटमेंट से तो शेयर होल्डर नहीं बन सकता है बट ट्रांसफर और ट्रांसमिशन इन दो केसेस से माइनर कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है वो भी ऐसे शेयर्स का जो फुली पेड होने चाहिए फुली पेड क्यों होने चाहिए बिकॉज अगर वो पार्टली पेड है तो माइनर तो पे नहीं कर पाएगा क्योंकि भैया उससे तो आप कभी पैसा नहीं ले सकते हैं इसीलिए वो बोलता है फुली पेड शेयर और वो भी उसका नाम नहीं आएगा किसका नाम आएगा उसके लीगल गार्जियन का नाम आएगा हो सकता है वो उसके पेरेंट्स हो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो बट जो भी उसका लीगल गार्जियन होगा उसके नाम पर वो शेयर होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ माइनोर लास्ट पॉइंट इसका माइनोर कैन नेवर बी डिक्लेय इंसॉल्वमेंट माइनोर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होता है, इसको समझते हैं देखो इंसॉलमेंट पर्सन होता कौन है पहले वो देखते हैं इंसॉलमेंट पर्सन वो होता है जिसके एसेट्स कम पड़ जाते हैं उसकी लाइबिलिटी से क्योंकि लॉस इतना हो जाता है लाइबिलिटी से ठीक है एसेट्स उसके कम हो जाते हैं लाइबिलिटी से ओके यस yes, सर और ये इंसॉलमेंट कौन डिक्लेयर करता है ये इंसॉलमेंट कोर्ट या ट्राइब्यूनल आपको डिक्लेयर करता है ठीक है तो लॉ बोल रहा है माइनोर के कभी भी एसेट लाइबिलिटी से कम नहीं होंगे क्यों बिकॉज वो कभी लाइबल किसी चीज के लिए होता ही नहीं है नॉर्मली वो नॉर्मली किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं रहता है तो जब उसकी लाइबिलिटी जीरो रहेगी और उसके एसेट की वैल्यू मान लो एक लाख रहेगी तो वो कभी इंसॉलमेंट होगा क्या द आंसर इज नो माइनर कभी इंसॉलमेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता है ओके सर ओके सर अंडरस्टूड अब वापस चलते हैं उस स्लाइड के सारे पॉइंट्स को पढ़ने उस स्लाइड के धीमा धीमा सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा ध्यान देना मेरी तरफ ठीक है सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कोई सा भी पेपर में चार मार्क के लिए आ सकता है इसलिए स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है ओके सर पहला पॉइंट तो आप जान गए हैं कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वाइड होता है ठीक है दिख रहा है कलर चेंज कर लो सर कलर चेंज कर लीजिए ओके मेरे बच्चा नो no प्रॉब्लम सेकंड है अगर वो माइनोर मेजर हो भी जाता है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव नहीं कर सकता है हमारा किटरीना वाला एग्जांपल फिर माइनोर जो है वो बेनिफिशियरी बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट में हमने देख लिया पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिशियरी बन सकता है कंपनी के फुली पेड अप शेयर रख सकता है और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होता है ओके देन गार्जियन जो होता है क्या वो माइनोर के उसका जो गार्जियन है जो उसकी देख बेरे है जो उसका ख्याल रखता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माइनोर के लिए कर सकता है कर सकता है लेकिन उसके फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके लिए लाइबिलिटी लेकर नहीं आ सकता है ओके okay. क्या हम माइनर को केस करके ये कह सकते हैं कि जो उसने वादा अपना किया है वो निभाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो भी उसने प्रॉमिस किया था क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि प्लीज इसको परफॉर्म करो लॉ कहता है नहीं क्योंकि तो जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है तो आप कोर्ट तक जा ही नहीं सकते तो कोर्ट में जाके आप यह कैसे कहेंगे कि यह वादा जो है अपना पूरा करे वो आपको कह सकता है अपना वादा पूरा करो बट आप उसे नहीं कह सकते कि अपना वादा पूरा करें ओके माइनोर जो है इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं हो सकता बिल्कुल सही क्या माइनोर एजेंट बन सकता है क्या प्रिंसिपल का क्या माइनोर किसी प्रिंसिपल का एजेंट बन सकता है लॉ कहता है यस माइनर एजेंट तो बन जाएगा बट प्रिंसिपल को लाइबल नहीं रहेगा सर इसका क्या मतलब है देखो ये एक ये एक प्रिंसिपल है, हुँ, हुँ। ये एक प्रिंसिपल है पी ठीक है उसने दो एजेंट रखे ए जो माइनर था और बी जो मेजर था फील करना इस बात को समझ आ जाएगा इसने ए को कहा भैया तुझे मैंने एजेंट रखा है मेरी कार बिकवा दे मिनिमम मिनिमम साठ हजार रुपए में मिनिमम साठ हजार में तुझे मेरी कार बेचनी है और इसको दिया कि तुझे मेरा स्कूटर बेचना है मिनिमम एक लाख रुपए में मिनिमम एक लाख रुपए में तो प्रिंसिपल ने माइनर को कहा साठ हजार में मेरा स्कूटर बिकवा दे एज एजेंट और मेजर को कहा कि मेरा एक लाख रुपए का क्या बिकवा दे मिनिमम स्कूटर बिकवा दे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब माइनर ने वो आगे बेच दिया माइनर ने वो आगे तीस हजार रुपए में बेच दिया ओ oh गॉड कहा था इसे साठ हजार में बेचने को इसने बेच दिया तीस हजार में तो लॉ कह रहा है भैया ये तो दिक्कत वाली बात हो गई है ये तो दिक्कत वाली बात हो गई है ओके okay. सेम ऐसा ही इसने भी किया इसने ये स्कूटर बेच दिया सत्तर हजार में इसको कहा था एक लाख का बेचने के लिए बट इसने आगे कितने का बेच दिया सत्तर हजार में अब आप ध्यान से देखेंगे तो ना ही

वो मुझे दे यानी माइनर एजेंट तो बन गया लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ कर देता है तो प्रिंसिपल उसे कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाके ये नहीं कह सकता कि इसने मेरा नुकसान करा दिया ओके सर सर दिस दिस इज इज डन डन एकदम क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके okay. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट प्रोमिस का ज्वाइंट प्रोमिस का मतलब क्या कहना चाहते हैं वो बेटा ज्वाइंट प्रोमिस में वो ये कहना चाहते हैं ए एक मेजर है बी एक माइनोर है बी एक माइनोर है दोनों ने मिलकर एक स्कूटर खरीदा दोनों ने मिलकर एक स्कूटर खरीदा रुपीज फिफ्टी थाउजेंड का दोनों ने मिलकर एक स्कूटर खरीदा ए मेजर बी माइनर दोनों ने स्कूटर खरीदा सीस से दोनों ने स्कूटर खरीदा सीस से ए मेजर बी माइनर अब हुआ क्या मेरे बच्चा समझना स्कूटर इनको मिल गया स्कूटर इनको मिल गया बट इन्होंने कहा था पचास हजार रुपए हम तीन दिन में दे देंगे इन्होंने क्या कहा था पचास हजार रुपए हम तीन दिन में दे देंगे तो लॉ कह रहा है ए और बी ने मिलकर ज्वाइंट प्रॉमिस किया था ए और बी ने मिलकर ज्वाइंट प्रॉमिस किया था करेक्ट लेकिन सी जो केस कर सकता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर कर सकता है क्योंकि बी के साथ करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड होता है इसलिए बी के ऊपर केस यानी इन केस ऑफ द द्वाइंट प्रॉमिस बाय वन मेजर एंड वन माइनर ओनली मेजर इज लाइबल माइनर इज नॉट लाइबल यानी माइनर कभी सारा लाइबल होता ही नहीं है नॉर्मली ये सर नो यस सर तो यही बात लिखी है अडल्ट विल बी लाइबल यही बात लिखी हुई है बेटा अडल्ट विल बी लाइबल इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस बाय माइनर एंड अडल्ट ठीक है नेक्स्ट है अगर माइनोर की कोई गारंटी लेता है कोई गारंटी लेता है तो थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी सीधा इसको पकड़ती है ना कि माइनोर को इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यस yes सर, no? yes, ये देखो तो लॉ कह रहा है मेरे बच्चा ए माइनोर ने फिफ्टी थाउजेंड उधार लिए फिफ्टी थाउजेंड उधार लिए ठीक है बी से लेकिन बी कह रहा है अरे नहीं नहीं भाई तू तो छोटा है तू कहां से पैसे देगा मुझे किसी की गारंटी दिलवा तो उसने क्या करा उसने सी से गारंटी दिलवाई से गारंटी दिलवाई क्या गारंटी दिलाई कि अगर ए पैसे नहीं देता है अगर ए पैसे पचास हजार रुपए वापस नहीं देता है तो पैसे मैं दूंगा यानी यह क्या बन गया श्योरिटी बन गया ये श्योरिटी दे रहा है कि ए दे देगा पैसे और नहीं देगा तो मैं खड़ा हूं ना भैया क्या दिक्कत की बात है मैं खड़ा हूं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है और अब लॉ कह रहा है, अगर पैसे में नहीं देता है तो बी कभी भी के केस नहीं कर सकता है के पार्टी के को लाइबल होगा थर्ड पार्टी को यानी उसका श्योरिटी डायरेक्ट लाइबल होगा माइनो पैसा इसने खाया पैसा ए ने खाया बट बेचारा भुगतना किसको पड़ा सी को भुगतना पड़ा है ओके सर क्लियर है सर यस बेटा आगे चलते हैं ये दोबारा रिपीट हो गई आईगेस्ट लाइन माइनर कैन टेक हाँ रेटिफिकेशन वाली दोबारा रिपीट है पढ़ चुके हैं कैटरीना वाला एग्जाम्पल ओके सर कंपनी वाला भी मैंने बता दी कंपनी क्या शेयर होल्डर बन सकता है क्या नहीं माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता बट फुली पेड शेयर उसका बन सकता है क्या यस yes, बन सकता है कब बन सकता है ट्रांसफर और ट्रांसफिशन से और लीगल गार्जियन के थ्रू ओके okay. और अगर गलती से माइनर का नाम आ गया तो उसका नाम हटा दिया जाता है चलिए अब आता है अच्छा क्या माइनोर अपने पेरेंट्स और गार्जियन को बाइंड कर सकता है इसका क्या मतलब है एक छोटा बच्चा था वो दुकान पे गया और उसने कहा अंकल अंकल मुझे ना ये साइकिल पसंद आई है आप मुझे ये साइकिल दे दो ना अंकल मैं कितनी अच्छी आ, अंकल ने कहा पता है कितने है? की है साठ हजार रुपए की साइकिल है ऐसे कैसे दे दू अंकल दे दो ना प्लीज सात हजार की मेरी मम्मी दे, दे देंगी आपको पैसे मम्मी नहीं तो भेजा है मुझे साइकिल लेने के लिए आप दे दो ना प्लीज और अच्छा अच्छा मम्मी नहीं भेजा है क्या चल ठीक है फिर ले जा वो लेके चला गया साइकिल और घर पे खड़ी कर दी मम्मी ने पूछा अरे बेटा साइकिल कहाँ से लाया अरे मम्मी दोस्त की मांग के लाया हूं मैं कुछ दिन चलाऊंगा और फिर वापस कर दूंगा अच्छा अच्छा तीन दिन हो गए दुकान वाले को पैसे नहीं मिले तो दुकान वाला घर आ गया और कहने लगा रहे आपका बेटा साइकिल लेके आया था पैसे दे तो तो रहेगा वो अपने को नहीं कर सकता उनके बिना अप्रूवल के बिना अप्रूवल के मतलब अगर दुकान वाला एक बार फोन करके पूछ लेता हाँ आंटी इसको देनी है क्या बताओ और आंटी कहती हा हाँ दे दो तो फिर आंटी बाइंड हो जाती लेकिन वैसे आंटी बाइंड नहीं होती माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वाइट तो उसके पेरेंट्स को पकड़ा नहीं जाता है उनकी कंसेंट उसमें छुपी हुई हो तो ज्यादा से ज्यादा दुकान वाला आप क्या कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकिल को वापस ले जा सकता है पैसा तो ले नहीं सकता है मम्मी से ओके ओके बेटा सो so, माइनर कैन नॉट बाइंड गार्जियन और दी पेरेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में हम आगे भी डिस्कस करेंगे आगे भी एक और यूनिट में इसका डिस्कशन आता है लॉ कहता है कि अगर कोई लॉ क्या कहता है अगर कोई पर्सन माइनोर को अगर कोई पर्सन माइनोर को नेसेसरीज देता है नेसेसरीज क्या होती है जैसे खाना शेल्टर एजुकेशन करेक्ट अगर कोई पर्सन माइनर को शेल्टर फूड एजुकेशन दे रहा है तो वो पर्सन क्या कर सकता है वो पर्सन माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से रिकवर कर सकता है यानी लॉ ये बोलता है अगर किसी पर्सन ने माइनर को नेसेसरीज दी जैसे कि फूड शेल्टर एजुकेशन करेक्ट जो उसकी लाइफ में उसको जरूरत थी उसके पास पहले से नहीं थी तो आप क्या कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी में से अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसमें से रिकवर कर सकते हो बट उससे नहीं ले सकते माइनोर से आप नहीं ले सकते वो पैसा अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रिकवर किया जा सकता है यानी नेसेसरीज का पैसा क्या हम माइनोर से रिकवर कर सकते हैं आंसर इज नो माइनोर का पैसा सिर्फ इसका पैसा सिर्फ किससे रिकवर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से इसमें आपका केस आता है कि एक माइन और था जिसके पास पांच लाख की प्रॉपर्टी है उसने दो लाख रुपए का लोन लिया पढ़ाई के लिए क्या जो बंदे ने लोन लिया लोन दिया क्या वो रिकवर कर सकता है तो आप कहेंगे यस आप वो ए से तो नहीं रिकवर कर सकता बट वो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है यानी पांच लाख की प्रॉपर्टी में से दो लाख रिकवर कर सकता है अगर वही लोन अगर सात लाख रुपए का होता तो क्या होता अंसर? तो ज़्यादा से ज्यादा वो सिर्फ लाख रिकवर कर पाता और लाख उसका नहीं सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटरी वाला ओके सर सारे तो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉ बोलता है सिर्फ माइनर एक ही चीज के लिए लायबल होता है वो होता है टोट्स टोट्स सिविल रॉन्ग के लिए सर टोट सिविल रोंग मतलब क्या बच्चा किसी का साइकिल मांग के लाया ठीक है बच्चा किसी की साइकिल मांग कर लेके आया ठीक है और उसने साइकिल चलाते चलाते वो साइकिल तोड़ दी तो लॉ कहेगा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो लॉ कह रहा है वो लाइबल रहेगा इस गलत काम के लिए या वो किसी का घोड़ा लेकर आया था और उस घोड़े को उसने मार दिया तो लॉ कह रहा है भैया वो लाइबल रहने वाला है ओके सर ओके सर अंडरस्टूड माइनर वाला सब क्लियर हो गया सबको यस सर न कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यस yes, सर एकदम क्लियर है कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे चलिए सर आगे चलिए हां कुछ बातें बच्चों को फिर से क्लियर कर देता हूं भैया कि जो आप कमेंट्स में लिख रहे हैं डीपीपी नहीं आ रही डीपीपी नहीं आ रही है मेरे बच्चा ऐप पर डीपीपी आ जाती है टाइम पर देर आर टू डिफरेंट सेक्शन वन इज ऑफ डीपीपी एंड वन इज ऑफ डीपीपी पीडीएफ आपको डीपीपी पीडीएफ में जाना और वहां से डाउनलोड करनी है आप DPP's में, तो में, में जवानी तो चलो।, चलो 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 शीला की जवानी भी हो गई है मुन्नी की बदनामी भी हो गई है आगे चलते हैं ठीक है तो यहां पे बेटा हमारा पहला टॉपिक कॉम्पिटेंट में पहला टॉपिक क्लियर हो गया क्या कॉम्पिटेंट पार्टीज वाला पहला टॉपिक क्लियर हो गया अब चलते हैं फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए मेरे बच्चा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बट फ्री कंसेंट से पहले सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कंसेंट क्या होती है और फिर सीखना पड़ेगा फ्री कंसेंट क्या होती है हाँ या ना भाई जब तक मुझे यही नहीं पता कंसेंट क्या होती है तो मुझे यह कैसे पता चलेगा कि वो फ्री है या चार्जेबल है हाँ कि ना यस सर ओके लेट्स वोस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट कंसेंट को लैटिन लैंग्वेज में हम लोग कंसेंसस एड भी बोलते हैं कंसेंसस एड भी बोलते हैं इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ये हमारे कालीन भैया हैं जो खरीदना चाहते हैं कालीन भैया ने कहा हम पचास हजार रुपए में घोड़ा खरीदना चाहते हैं बेचोगे क्या तो हमारे गुड्डू भैया ने कहा हंजी बेचेंगे हंजी बेचेंगे अब लॉ देखो इसने ऑफर दिया कालीन ने क्या दिया ऑफर दिया और इसने हांजी कहके के क्या दे दी एक्सेप्टेंस दे दी इसने हांजी कहके एक्सेप्टेंस दे दी तो कालीन भैया ने ऑफर दिया इसने एक्सेप्टेंस दे दी तो प्रॉमिस हो गए उसका प्रॉमिस क्या है घोड़ा देना इसका प्रॉमिस क्या है पचास हजार देना बट क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंसेंट है या नहीं क्योंकि ऑफर भी है एक्सेप्टेंस भी है बट क्या कंसेंट है कि नहीं है तो देखिए कंसेंट होती क्या है जब दो लोग दो या दो से ज्यादा लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो से ज्यादा लोग हैं वो अगर सेम चीज पे एग्री कर रहे हैं सेम सेंस पे अगर दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो कंसेंट होती है अभी पता चल जाएगा मैं कह रहा हूं इसमें ना कंसेंट मिसिंग है मैं क्या कह रहा हूं इस वाले एग्जांपल में कंसेंट मिसिंग है आप कह रहे हैं नहीं मिसिंग है सब तो ठीक लग रहा है क्या कंसेंट मिसिंग है ये देखिए भैया के मन में चल रहा था घोड़े के नाम पे वाला घोड़ा करेक्ट और गुड्डू भैया के मन में चल रहा था कि ये ये कह रहे हैं ये वाला घोड़ा तो दोनों के मन में अलग अलग घोड़े चल रहे थे लेकिन उसको इसने कहा भैया तुम हमें घोड़ा दोगे क्या उसने क्लैरिफाई नहीं किया उसने लगा ये वाला घोड़ा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई तो यहां पर दोनों पार्टीज ने सेम थिंग पे एग्री नहीं करा है और क्योंकि सेम थिंग पे एग्री नहीं करा है तो यहां पर कंसेंट नहीं है यहां पर कंसेंट ही नहीं है और क्योंकि कंसेंट नहीं नहीं है तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता आई होप आपको कंसेंट या कंसेंस एड ईदम वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा ये भी आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चा कंसेंस एड ईदम यानी एग्रिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस ओके सर Now, when we know कि व्हाट इज कंसेंट कंसेंट क्या होती है अब हमें समझना है फ्री कंसेंट क्या होती है तो फ्री कंसेंट क्या होती है सर बिना किसी दबाव के अगर आप कंसेंट दे रहे हो यानी आप खुद से अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं भले अगर आप खुद अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से एग्री करते हो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर दिया गया है आपका मन है खुद कि आप आना चाहते हो तो वो कंसेंट फ्री है लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया है आपसे कोई जबरदस्ती करके कंसेंट ली गई है तो लॉ कहेगा आपकी कंसेंट फ्री नहीं है फोर्सफुल है करेक्ट फ्री कंसेंट नहीं है तो उसी को हम कहते हैं फ्री कंसेंट ओके सर फ्री कंसेंट तो लॉ कहता है कंसेंट फ्री तब होती है कंसेंट फ्री तब होती है जब उसमें कोर्शन नहीं होता अभी समझेंगे क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता फ्रॉड नहीं होता मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता मिस्टेक नहीं होता एक बारी थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कोर्शन क्या होता है सिंपल अगर मैं सिंपल भाषा में लिखू तो एक्सटर्नल और फिजिकल प्रेशर मेरे बच्चा एक्सटर्नल और फिजिकल प्रेशर मेरे बदला बच्चा ठीक है अनड्यू इंफ्लुंस क्या होता है ठीक है मेंटल प्रेशर यह कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा है लेमेन लैंग्वेज में बट एग्जाम में लिखने के लिए यह शब्द हम यूज नहीं करेंगे फ्रॉड मतलब किसी को डिसीव करना किसी को धोखा देना ठीक है मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को इनोसेंटली गलत बात बता देना किसी को innocently अगर आप गलत बात बता देते हैं तो वो मिथ्र प्रेजेंटेशन होता है और मिस्टेक मतलब गलती ये तो आप जानते ही हैं कि हम दोनों गलत चीजों के बारे में सोच रहे थे अभी इवन जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था उसमें भी तो गलती थी ना कि भैया वो सोच रहा था दूसरा घोड़ा और एक बंदा सोच रहा था दूसरा घोड़ा तो ये भी तो एक मिस्टेक ही है यस और नो यस सर आगे चलते हैं सबसे पहले कोर्शन को समझते हैं देखो कोर्शन में क्या हुआ हमारे रोकी भाई आ गए रोकी भाई सलाम रोकी भाई रोकी भाई ने क्या किया रोकी भाई ने कहा हे hey पुष्पा मुझे तेरा घर मुझे तेरा घर दस लाख रुपए में दे दे मुझे तेरा घर दस लाख रुपए में दे दे आई वांट टू बाय इट ऑफर दिया पुष्पा ने कहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा पुष्पा ने ऐसे कहा तो रोकी ने क्या करा जेब में से गन निकाल ली और कहा कैसे नहीं देगा देख ले ऑफर दिया एक्सेप्ट कर ले जैसे ही गन निकली तो बशवा ने कहा दे देगा ना बा क्या दिक्कत है मैं तो बेचना ही चाहता हूं तो यहां पे एग्री टू सेल हाउस एट गन पॉइंट यानी एक्सेप्टेंस यहां पे दी कंसेंट है उसे भी पता है कि वो घर बेच रहा है इसे भी पता है ये घर खरीद रहा है लेकिन क्या इसके साथ गलत नहीं हो गया क्या इसके साथ गलत नहीं हो गया तो लॉ कहेगा ये कौन सी पार्टी हो गई ये पार्टी वो पार्टी है जिसकी कंसेंट इज नॉट फ्री ये वो पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है या आप इसको एग्रीव्ड पार्टी भी बोल सकते हो एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ बुरा हुआ है एग्रीव्ड पार्टी पार्टी कुछ भी बोलिए या तो आप बोले कंसेंट फ्री नहीं थी इसकी क्योंकि इसके साथ कोर्शन हुआ है या एग्रीव्ड पार्टी बोल लीजिए और ये कौन हो गई ये भैया वो पार्टी है जिसने कोर्सन को अप्लाई किया ठीक है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ऑफर आ गई एक्सेप्टेंस आ गई लॉ कहेगा भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कंसेंट फ्री नहीं है ओके okay, सर थोड़ा सा आप टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की डेफिनेशन Def, दी हुई है की मैंने अगेन ब्रेक डाउन कर दिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि आपको समझ आए मेरी तरफ बिल्कुल पूरा ध्यान देंगे इस बारी टेक्निकल लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या होता है लेमेन में तो समझ लिया क्वेश्चन मतलब कमिटिंग कमिटिंग मतलब करना थ्रेटनिंग टू कमिट या कहना कि मैं कर दूंगा तो पहला है करना और दूसरा कह देना कि मैं कर दूंगा क्या कोई ऐसा काम जो इंडियन पैनल कोड में मना है जैसे कि मर्डर किडनैपिंग करेक्ट और मर्डर हो गया किडनैपिंग इवन सुसाइड आप यह भी नहीं कह सकते कि मैं सुसाइड कर रहा हूं मुझे पैसे दे दो यह सब चीजें तो जितने भी एक्ट इंडियन पैनल कोड में मना है अगर आप उन्हें करते हैं या कहते हैं कि कर दूंगा सामने वाले को डराने के लिए तो वो कौरशन का पार्ट बनता है यानी अगर आपने मर्डर करना मना है लेकिन अगर आपने सामने वाले को कहा कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा चल इस साइन कर दे वो तो डर जाएगा ना भाई तो वो डर जाएगा तो लॉ कहेगा ये तो हो गया तो करना या कहना दोनों में ही कवर हो जाता है दूसरा क्या है किसी की प्रॉपर्टी को किसी की प्रॉपर्टी को किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली अपने पास रख लेना या कहना कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लूंगा है ना आपकी प्रॉपर्टी लेकिन ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हैं ताकि सामने वाला वाला पर्सन पर्सन आपके आपके साथ क्या आपके साथ क्या क्या कर 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 ले कर ले 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 एग्रीमेंट एग्रीमेंट सामने और जब भी कोर्शन से एग्रीमेंट होता है तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वाइडेबल होगा वाइडेबल हम पहले भी सीख चुके हैं एक पार्टी के साथ जब गलत होता है तो उस पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है लॉ में कि वो कैंसिल भी कर सकती है या वैलिड भी मान सकती है यानी यहां पे

ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेरे बच्चा लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इन द लेमैन लैंग्वेज अंड्यू इंफ्लुएंस क्या होता है लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं सिंपल भाषा में कहूं अंडू इंफ्लुएंस का मतलब होता है आप अपनी रिलेशन का फायदा उठा रहे हैं सामने वाले से आप की कोई रिलेशन है दूसरे पर्सन से और उसका एडवांटेज उसका फायदा अगर आप लेते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट में ले आते हैं हैं तो उसको कहते कि भैया आपने उसकी ले, ले, ली। okay, सर। जैसे कि ये, ये हमारे तो हुआ टीचर और स्टूडेंट का है, है रिलेशन है, है टीचर ने कहा तुम मुझे अपनी नई कार बेचारा नई कार लाया था कह रहा है, जितने की भी लाए हो ना उससे कम प्राइस में दे दो जितने की तुम लाए हो उससे कम प्राइस में दे दो अगर तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था उसने कहा हां सर तो लॉ यहां पे क्या कहेगा द कंसेंट इज नॉट फ्री किसकी कंसेंट यहां पे फ्री नहीं है मेरे बच्चा स्टूडेंट की कंसेंट फ्री नहीं है क्योंकि अनड्यू इंफ्लुएंस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा मेरे बच्चा कोर्शन की तरह वाइडेबल होगा यानी स्टूडेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये कैंसिल करा सकता है और अपनी कार वापस ले सकता है अपनी कार क्या ले सकता है मेरे बच्चा वापस ले सकता है क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है यस और नो जल्दी बताओ कोई दिक्कत सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चा स की टेक्निकल लैंग्वेज में यहां पे गलती से आ गया इसे मैं कट कर रहा हूं गलती से की जगह कौन सा चार्ट आ गया है caution का चार्ट आ गया है तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया यहीं से पढ़ते हैं मतलब क्या मतलब जब दो पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन है जब दो पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन है जिसमें से कि एक पार्टी डोमिनेट कर रही है जिसमें से एक पार्टी डोमिनेट कर रही है और वो उस डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल कर रही है क्यों इस्तेमाल कर रही है सामने वाले की अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए तो बहुत ही सिंपल भाषा यहां तो लीगल लैंग्वेज भी एकदम सिंपल हो गई कि दोनों पार्टीज में कोई रिलेशन है जिसमें से एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और उस डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करके उसने क्या ले लिया है सामने वाले का एडवांटेज ले लिया है तो हम कहेंगे यहां पे क्या हो गया मेरे बच्चा अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया तो वट आर दी असेंशियल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है या इसका एक और क्वेश्चन भी आता है कि कब हम मानते हैं इसमें से सिर्फ इतना पार्ट भी कई बार आ जाता है इसमें से सिर्फ इतना पार्ट भी कई बार आ जाता है चलिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे बच्चा वो है रिलेशन बिटवीन पार्टीज अगर पार्टीज के बीच में रिलेशन नहीं है किसी भी तरीके का तो कभी भी पार्टीज एक दूसरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है एग्जाम्पल्स से रिलेशन के पेरेंट एंड चिल्ड्रन पेरेंट एंड चिल्ड्रन वाइफ हस्बेंड टीचर स्टूडेंट डॉक्टर पेशेंट गुरु संत और उसके फॉलोअर्स मनी लेंडर एंड इस तरह के मैंने कुछ दिए यानी ये अगर रिलेशन है तो आपको लग सकता है कि भैया इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है ठीक है मेंटल डिस्ट्रेस आप कब मानेंगे यानी रिलेशन तो है बट हमने कहा था ना एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होनी चाहिए एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजिशन में होनी चाहिए तभी अंड्यू इंफ्लुएंस लग सकता है तो डोमिनेटिंग पोजिशन कब कब हो सकती है मेंटल डिस्ट्रेस के केस में मेंटल डिस्ट्रेस का केस मतलब क्या एक पर्सन है जो बेचारा बीमार है एक पर्सन है जो क्या है बहुत बीमार है उसकी मेडिकल अटेंडेंट ये बोल रही है उसकी मेडिकल अटेंडेंट ये बोल रही है कि आप मैं आपकी केयर तब करूंगी जब आप मुझे पांच लाख रुपए दोगे ठीक है ये बेचारा बीमार है बहुत ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस है लंबी परमानेंट टाइप की इलनेस चल रही है इसको केयर के लिए एक बंदा चाहिए उसकी मेडिकल अटेंडेंट क्या बोल रही है कैरी करूंगी आपकी मैं और सेवा करूंगी लेकिन उसके लिए मुझे ना हर महीने पांच लाख नॉर्मली मेडिकल अटेंडेंट सस्ते में बट ये उसका फायदा उठाना चाहती है इसलिए हम बोलेंगे भैया क्या अनड्यू इंफ्लुएंस हो गया मेंटल डिस्ट्रेंस की वजह से और यहां पर कौन डोमिनेटिंग पोजिशन में मेडिकल अटेंडेंट डोमिनेटिंग पोजिशन में अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स यानी ऐसे बार्गेन जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि दिमाग ही नहीं लगाया हुआ जैसे कि एक मनी लेंडर था मनी लेंडर था उसने अपने डेटर को एक मनी लेंडर था उसके लिए वो डेटर होगा उसने पैसे उधार दे रखे थे मनी लेंडर ने करेक्ट मनी लेंडर ने पैसे उधार दे रखे थे डेटर मतलब हमें उससे पैसा लेना है क्योंकि हमने उधार दिया मान लीजिए ऑलरेडी पांच लाख रुपए उधार थे अब इन दोनों की रिलेशन क्या है मनी लेंडर और डेटर की ऑलरेडी एक रिलेशन है यस और नो ऑलरेडी एक रिलेशन है यस yes सर अब हुआ क्या मेरे बच्चा पांच लाख रुपए के केस में ना इसको और लोन चाहिए था तो ये इसके पास लोन लेने गया तो उसने क्या कहा हाँ भैया मैं लोन दूंगा दो लाख रुपए का और लोन दूंगा लेकिन बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे जैसे टेन पर मंथ टेन परसेंट पर मंथ का इंटरेस्ट रेट लगा रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है तो यहां पे कोर्ट कहता है भैया ये तो अनकॉन्सिबल बार्गेन हो गया आपने उसका ले लिया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा होगा आप डेटर से पैसा ले नहीं सकते, आप दो तो ले सकते हैं बट उस पर जेनुअन इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं फिड्यूशरी रिलेशन अगर आपके बीच ट्रस्ट का रिलेशन है ट्रस्ट का रिलेशन कब होता है जैसे डॉक्टर स्टूडेंट डॉक्टर पेशेंट आई एम सॉरी डॉक्टर पेशेंट टीचर स्टूडेंट के रिलेशन है ये संत और उसके followers, ये trust का का अगर अगर आपके है है तो तो जो भी कहेगा कहेगा हो सकता है, वो मान ले गुरु कहेगा, अगर तुम मुझे अपनी कार दे दोगे ना ना तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होगी भगवान की आ जाओ फटाफट अपनी कार की चाबी मुझे दे दो और भगवान की कृपा ले लो तो यहाँ पे क्या है अंडू इन्फ्लुएंस हो रहा है भाई साहब अंडू इन्फ्लुएंस हो रहा है ओके एंड अथॉरिटी रियल अथॉरिटी कैसे होती है

इसमें कौन सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक टीचर थी टीचर ने क्या करा टीचर की बेटी थी टीचर का एक बहुत ही होनार स्टूडेंट था तो टीचर ने अपने होनार स्टूडेंट को कहा होनार स्टूडेंट ए होनार स्टूडेंट मेरी एक बेटी है क्या तुम तो उससे शादी करना चाहोगे क्या मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूं ठीक है और अपनी बेटी को भी लड़के की फोटो देती ओके अब यहां पे

यानी बात किसको प्रूफ करनी है कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोर्ट में केस हो जाता है यानी मान लीजिए जैसे यह बंदा कहां गया भैया स्टूडेंट जो है वो कोर्ट में चला गया टीचर के अगेंस्ट कि सर इन्होंने मेरी कार खरीद ली जज साहब इन्होंने मेरी कार खरीद ली तो किसको प्रूफ करना पड़ेगा कि एंड इन्फ्लुएंस नहीं है टीचर को प्रूफ करना पड़ेगा कि एंड इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था वरना कोर्ट ये मान के चलेगा कि एंड इन्फ्लुएंस हुआ है ओके स सर क्लियर एकदम तो असेंशियल वाला क्लियर हो गया नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चा फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड क्योंकि अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से भी होती है करेक्ट कंसेंट फ्री नहीं होती है अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जाम्पल देखिएगा दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन एक साथ से ध्यान देखिएगा हमारे पप्पी भैया हैं और ये हमारी तन्नू दीदी हैं अब हुआ क्या मतलब दोनों की मैं भैया दीदी बोल रहा हूँ एक्चुअली में भाई बहन नहीं है तो हमारे पप्पी भैया तन्नू के पास जाते हैं और कहते हैं पप्पी कहता है आई वॉन्ट टू सेल अ नेकलेस विच आई हैव फ्रॉम कह रहा है मैं ये नेकलेस तुम्हें सेल करना चाहता हूं मैंने ये लंडन से इंपोर्ट किया है कितने में इंपोर्ट किया भैया जितने में भी कराओ क्या तुम मुझसे ये एक करोड़ रुपए में खरीदोगी क्या क्या तुम मुझसे ये यही क्या हो गया मेरे बच्चा ऑफर हो गया ऑफर हो गया ने देखा तनु कह रही मैं तो बचपन से ही एक यही रानी बाजार में भैया रानी बाजार सरोजनी नगर के बाजू में रानी बाजार है दिल्ली में वहां से मिलता है ये क्या नेकलेस पचास रुपए का और इसने कितने का बेचा एक करोड़ का बेचा क्या, 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 क्या के इंपोर्टेड है ये कहकर Even इसने पूछ भी लिया एक बार कह रही है भैया ये इंपॉर्टेंट है ना पक्का सच में इंपोर्टेंट है ना तो ये कह रहा योर क्वेश्चन oh, yes, yes, लेकिन असलियत में नेकलेस क्या था मेरे बच्चा असलियत में नेकलेस लोकल था इंपोर्टेंट नहीं था नाउ केस वन पप्पी को ये बात खुद ही नहीं पता थी कि भैया नेकलेस लोकल है उसे खुद ही लगता था कि ये सच में इंपोर्टेड वन है यानी उसने जिससे लिया था उसने खुद इसे ये बता के दिया था कि ये इंपोर्टेड वन है तो इस बेचारे को अगर खुद ही नहीं पता था तो लॉ कहेगा यहां पे हो गई है मिस रिप्रेजेंटेशन यानी उस बंदे ने ये बात तो बोली उस बंदे ने ये बात बोली लेकिन वो खुद इस बात को सच मानता था यानी इनोसेंटली उसने गलत बात बोली इनोसेंटली बट यहीं अगर यह प्रूफ होता है कि पप्पी को यह बात पहले से ही पता थी कि यह लोकल है और वो तनु को बेवकूफ धोखा देना चाहता था तो लॉ कहेगा यह क्या हो गया फ्रॉड हो गया लॉ क्या कहेगा यह क्या हो गया फ्रॉड हो गया यानी अगर बोलने वाले को पहले से ही पता है कि वह झूठ बोल रहा है तो फ्रॉड है और अगर बोलने वाले को नहीं पता था कि वह झूठ बोल रहा है उसे लगता है कि यह तो सच बात बोल रहा हूं तो, तो मिथ रिप्रेजेंटेशन है ओके बट दोनों ही केसेस में दोनों ही केसेस में चाहे फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो चाहे फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो दोनों ही केस में आपकी कंसेंट नॉट फ्री रहेगी नॉट अ फ्री कंसेंट नॉट अ फ्री कंसेंट नॉट अ फ्री कंसेंट दोनों ही केस में क्या रहेगी कंसेंट फ्री नहीं होगी, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे, रहेंगे, जिसके साथ गलत हुआ है जिसके साथ गलत हुआ है। वो क्या कर सकती है? कर सकती है तो सर फिर फर्क क्या है सर अगर और में दोनों में ही नहीं है, दोनों ही वॉर्डेबल है तो व्हाट इज द डिफरेंस लॉ बोलता है के में आप कैंसिल तो कर ही सकते हो साथ ही साथ आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो जो आप मिसरिप्रेजेंटेशन में क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि सामने वाले ने आपको जान के गधा बनाया है इसलिए आप डैमेजेस भी ले सकते हो यानी इसकी वजह से अगर आपका कोई नुकसान हुआ है और तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है डैमेजेस लिए जा नहीं सकते हैं ये मेन डिफरेंस है और इवन जो अभी तक हमने पढ़े थे पहले वाले भी करेक्ट अंड्यू इन्फ्लुएंस जो पढ़ा था या क्वेश्चन पढ़ा था वहां पर भी हम नॉर्मली क्या करते हैं सिर्फ वॉयडेबल का ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्लियर है क्या? और yes no. अब आते हैं लैंग्वेज में फ्रॉड की लैंग्वेज में समझ लिया क्या होता है ठीक है अब टेक्निकल इन पांच एक्ट को करना कौन से ये जो लिखे हुए इन पांच एक्ट में से अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तो वो फ्रॉड होता है कौन करता है ये एक्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करती है या उसके अप्रूवल से उसका एजेंट करता है या तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी या उसका एजेंट करता है क्यों करता है क्योंकि वो इंटेंशन धोखा देने की होती है सामने वाले को धोखा देना चाहते हैं है। तो लॉ बहुत ही सिंपल है भैया फ्रॉड को लेके कि अगर आप इन पांचों में से कोई भी एक्ट कर रहे हो अगर आप इन पांचों में से कोई भी एक्ट कर रहे हो आप या आपका एजेंट क्यों कर रहा है सामने वाले को धोखा देने के लिए तो भैया क्या होगा फ्रॉड माना जाएगा कौन से पांच एक्ट को फ्रॉड माना गया है लेट्स रीड इट कौन से पांच एक्स को फ्रॉड माना गया पहला है मेरे बच्चा आपने कोई ऐसी बात बोली जो सच नहीं थी जैसे अभी हमने देखा नेकलेस इंपॉर्टिड है भैया आप भी बिलीव करते थे कि यह बात सच नहीं है यानी आपने एक ऐसी बात बोली जो सच नहीं थी और आप भी यही मानते हो कि वो बात सच नहीं है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ठीक है ओके देन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ छुपाई, कंसीलमेंट मतलब छुपाना कंसिली छुपाई सर एक्टिवली छुपाई क्या होता है सामने वाले ने आपसे पूछा सामने वाले ने आपसे पूछा अरे भैया इसमें यह है कि नहीं और आपने उसे बताया नहीं जैसे कि आपके पास एक घोड़ा था वो घोड़ा बीमार था सामने वाले ने आपसे पूछा भैया आपका घोड़ा बीमार है क्या आपने कुछ नहीं बोला या आपने मना कर दिया कि नहीं मेरा घोड़ा बीमार नहीं है यानी आपने उससे वो बात छुपाई है तो एक्टिव हो गया सिर्फ नहीं एक्टिव हुआ तो लॉ कह रहा है भैया आपने फ्रॉड किया है अच्छा आपने कोई ऐसा वादा करा जो आप निभाना ही नहीं चाहते थे आपने वादा तो कर दिया पार्टी को कि हाँ हाँ ये भी कर देंगे कई बार ऐसा होता है आप टीवी लेने गए वो कह रहा है हाँ भैया टीवी खरीद लीजिए आपके घर इंस्टॉल भी करा देंगे करेक्ट आपके घर भी पहुंचा देंगे बड़े सारे वादे करता था कहता टीवी ले लो इंस्टॉल भी करा देंगे घर भी पहुंचा देंगे तीन महीने बाद आपको एक विजिट भी करा देंगे तीन महीने बाद एक विजिट भी करा देंगे ये सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है बट इसमें से आप इस वादे को निभाना नहीं चाहते थे आपने बस ये बेचने के लिए कह दिया कि भैया मैं सेल करना चाहता हूं तो लॉ क्या कहेगा लॉ क्या कहेगा ऐसा वादा अगर आपने लिखा जो आप करना नहीं चाहते थे सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए तो आपने क्या करा मेरे बच्चा फ्रॉड किया है आपने क्या करा फ्रॉड किया है या कोई भी और एक्ट एक्ट जो ऊपर के तीन एक्ट में कवर नहीं होता है बट वो धोखा देने के लिए करा गया कह रहे हमें नहीं पता बाकी कौन सा एक्ट हो सकता है बट इसके अलावा भी अगर कोई एक्ट है जो धोखा देने के लिए किया गया है वो भी फ्रॉड यानी एक जनरल प्रोविजन हो गया और एनी एक्ट और ओमिशन कोई किसी और लॉ में अगर किसी बात को फ्रॉड कहा गया है यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा किसी और लॉ क्योंकि यहां तो बहुत सारे लॉ है अगर उस लॉ में उस चीज को फ्रॉड बोला गया है तो हम भी उसे यहां क्या मानेंगे फ्रॉड मानने वाले हैं हम भी उसे क्या मानेंगे फ्रॉड मानेंगे ओके क्लियर है तो ये पांच बातें याद रखना फ्रॉड के लिए ठीक है ये पांच बातें अगर आप लिखेंगे ना इस तरह से तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं जब आप फ्रॉड का आंसर करते हो ओके सर

उस, उससे रिलेटेड कोई चाहिए और ये contract offer plus acceptance होने से पहले ही यानी सामने वाली पार्टी ताकि वो आपकी, बातों में जाए।, ताकि वो आपकी वो बातों में जाए और आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बात आप बोल रहे हैं ये क्या है ये, है। ये बात क्या है मेरे बच्चा फॉल्स है यह बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि भैया ये ट्रूथ नहीं है तो जो भी बात आप बोल रहे हैं वो झूठी होनी चाहिए फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले बता देना सामने वाले को धोखा देने के लिए और ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि वो बात झूठी है और साथ में एंड एंड अदर पार्टीज को जो दूसरी पार्टी जिसको आप गधा बना रहे हैं जिसको आप बेवकूफ बना रहे हैं जिसे आप धोखा दे रहे हैं जिसके साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं वो बंदा आपकी उस बात के ऊपर विश्वास कर ले वो आपकी उस बात के ऊपर विश्वास कर ले करना चाहिए और विश्वास करने के बाद वो आपकी बात पे डिसीव हो गया आपने उसे डिसीव करना चाहा और वो डिसीव हो भी गया और इसकी वजह से अगर उसे लॉस हुआ तो हम कहेंगे भैया क्या हो गया फ्रॉड हो चुका है दैट इज दसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड थ्योरी में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा चार या पांच मार्क के लिए आएगा ये सारे पॉइंट लिखेंगे तो फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे ओके नाउ अगेन कम्स द इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन कम्स दी इंपॉर्टेंट स्लाइड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। लॉ कहता है, नॉर्मली फ्रॉड होता है जब आप किसी बात को कहते हो और वो झूठी होती है नॉर्मली फ्रॉड कब होता है जब आप किसी बात को कहते हो वो झूठी होती है हो और आपको पता होता है लेकिन चुप रहना फ्रॉड नहीं होता चुप रहना सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं होता जैसे एक बंदा आया आपके पास बकरी खरीदने आपको पता है आपकी बकरी बीमार है आपने कहा भैया बकरी चेक कर लो ये वो बकरी चेक कर रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी बकरी बीमार है ये उसको चेक करना है कि बकरी बीमार है या नहीं है तो अगर आप चुप रहते हो जबकि आपकी बकरी बीमार है तो लॉ कहेगा ये जो साइलेंस थी आपने उसे नहीं बताया क्योंकि आपकी ड्यूटी नहीं है कि अपने प्रोडक्ट के सारी गलतियां उसको चुपचाप बता दो ये उसको चेक करना है ये बायर को अवेयर रहना होता है कि जब वो सामान खरीद रहा है तो चेक करके ले तो आप एकदम चुप रहते हो तो यहाँ पे क्या कहेगा साइलेंस इज नॉट फ्रॉड साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं रहेगी लेकिन ऐसे दो केसेस हैं जहां पे भी मानी जा सकती है ऐसे कितने केसेस हैं दो केसेस हैं एक जहां पे साइलेंट साइलेंस ही स्पीच मान ली जाती है जैसे वो बंदा जब बकरी लेने आया और उसने आपसे पूछा भैया आपकी बकरी कहीं बीमार तो नहीं है अगर अब आप चुप रह जाते हैं अगर अब आप चुप रह जाते हैं ना तो लॉ क्या कहेगा भैया अगर अब आप चुप रह जाते हैं तो लॉ कहेगा भैया ये साइलेंस स्पीच थी क्योंकि है ना उसने बोला देखना सुनना साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच में उसने क्या बोला अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपकी जो बकरी है वो एकदम हेल्दी है अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो मैं मान लूंगा कि आपकी बकरी हेल्दी है और आप अब चुप रह गए तो आपकी साइलेंस ही स्पीच मान ली जाएगी कि हाँ कि आपने उसके साथ फ्रॉड किया अगर वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी अगर वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी ओके सर नाउ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक ड्यूटी ऑफ अ पर्सन सेकेंड एक्सेप्शन क्या है इसका कि कई बार बंदे को बोलना ही पड़ता है उसकी ड्यूटी है बोलना जैसे कि फिड्यूशरी रिलेशन में फिड्यूशरी रिलेशन मतलब फिड्यूशरी रिलेशन मतलब मेरे बच्चा ट्रस्ट का रिलेशन ट्रस्ट का रिलेशन यानी सपोज आपकी बेटी आपसे बकरी खरीदने आई है आपकी बेटी ही आपसे बकरी खरीदने आई तो लॉ कह रहा है आपके बीच का तो ट्रस्ट का रिलेशन है वो आप पे ट्रस्ट करती है इसलिए वो चेक नहीं करेगी क्योंकि मेरे पापा मुझे बकरी बेच रहे हैं मैं क्यों चेक करूं मैं क्यों चेक करूं अपने पापा पे इतना तो विश्वास कर सकती हूं यहां पे आपकी ड्यूटी है किसको पहले बता दो कि बेटी ये बकरी ना बीमार है अगर आप नहीं बता रहे हो तो हम मान लेंगे भले ही आप चुप रहे ये साइलेंस क्या थी फ्रॉड थी सेम ऐसे प्रिंसिपल और एजेंट के केस में रिलेशन होता है कि अगर एजेंट उसको कुछ नहीं बताता है तो भैया वो क्या माना जाएगा फ्रॉड माना जाएगा ओके सर देन फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर फैमिली में पार्टीशन वगैरह हो रहे हैं सेटलमेंट हो रहा है बंटवारा हो रहा है और कोई बंदा चुप रहता है बताता नहीं कि अरे पापा के पास ये वाली प्रॉपर्टी भी वहां रखी हुई है बंटवारा हो रहा था पापा चले गए थे बच्चों में बंटवारा हो रहा था एक बच्चे को पता था कि पापा के पास एक प्रॉपर्टी लंदन में भी है लेकिन यह बात सिर्फ उसे पता थी वो नहीं बता रहा कह रहा वो प्रॉपर्टी मैं रख लूंगा नहीं प्रॉपर्टी थी तो ओके सर देन शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के भी अगर कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तो उसे अपनी सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी जो भी खरीद रहा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट है अगर आप सपोज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि भैया मेरी एक अगर हेल्थ खराब हो गई तो कंपनी मुझे हॉस्पिटल का पैसा दे देगी कि भैया जो भी खर्चा होगा हम बेयर कर लेंगे और मैं उसके बदले उन्हें प्रीमियम देता हूं लॉ कहती है लॉ कहता है कि भैया जब आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी कोई भी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो ये आपको इंश्योरेंस कंपनी को बतानी ही पड़ेगी यानी सपोज मेरे को ऑलरेडी डायबिटीज है मेरे को ऑलरेडी डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो लॉ कहेगा भैया ये आपको बतानी पड़ेगी कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है अगर आप चुप रहते हैं तो माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने फ्रॉड किया है और अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने फ्रॉड किया है तो वो आपको फिर हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा नहीं देगी जब सही समय आपको जरूरत पड़ेगी और दिस केस आल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई प्रीमियम कोई पॉलिसी बेच रही है तो उसे पॉलिसी में सारी बातें लिखनी होंगी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो वो पॉलिसी में तभी आप देखते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं कि पढ़ी नहीं पाते क्योंकि इतने बड़े होते हैं क्यों क्योंकि उन्हें सारी बातें बताने नहीं तो कल को हम क्या कह देंगे जाके अरे इन्होंने तो हमसे ये वाला क्लॉस छुपाया था भैया वो कह रहे तो अपने रिटर्न में लिखा हुआ है इसीलिए वो सारी बातें आपको बताती हैं अगेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी आपकी ड्यूटी होती है बताना यानी एक लड़के को अपनी फैमिली के बारे में अपने बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है शादी से पहले और लड़की को भी अपने बारे में सब बातें डिस्कलोज करनी होती है क्योंकि शादी हो गई एक बार तो जीवन भर साथ निभाना है बाद में कोई बात निकल के आती है तो उससे सही नहीं होता तो लॉ कहता है कि सामने वाले ने मुझसे क्या करा फ्रॉड करा जैसे कि ए पर्सन था उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी डायवोर्स हो चुका था अब वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तो उसने दूसरी लड़की को नहीं बताया कि मेरी मैं पहले से शादी शुदा हूं अगर वो यह बात नहीं बताता है तो यह माना जाएगा क्या हुआ पी ने ऑप्शन में घोड़ा बेचा और पी को यह बात पता थी कि वो घोड़ा जो है अनसाउंड है पागल है द टू लेकिन दिखने में बाहर से वो साउंड दिखता था बट पी नोज अबाउट द असाउंडनेस ऑफ दाउस आपको बताना है क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं पहली चीज अगर पी कुछ भी नहीं कहता है अपने घोड़े के बारे में क्यू को अगर पी घोड़े के बारे में क्यू को नहीं कहता है तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर पी सेज नथिंग अबाउट इट टू क्यू लेकिन क्यू जो है वो पी की डॉटर होती अगर क्यू पी की डॉटर होती है और वो तब भी कुछ नहीं कहता तब भी कुछ नहीं कहता तो क्या होता तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या नहीं तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्यों? बिकॉज यहां पे ड्यूटी टू स्पीक थी फ्यूडिशरी रिलेशन था दोनों पार्टीज के बीच में तो ये फ्रॉड हो जाता कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती और अगर इफ क्यू ने पी से पूछता भाई अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा घोड़ा ठीक है और पी कुछ नहीं कहता है यहां पे क्या हो गया स्पीच ओ स्पीच लिख रहा हूं हां साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच और क्योंकि साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच यहां पे फ्रॉड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वॉइडेबल हो गया यानी क्यू कैन कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट क्यू कैन कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है क्या सबको यस और नो नाउ सम इंपॉर्टेंट के स्टडीज दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू जो आपको पता होने चाहिए देखो क्या हुआ तोहन ने सूरज को कहा कि भाई तू मेरी मोटरसाइकिल खरीद ले एकदम बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सोहन और सूरज ओ पर मिले सोहन ने सूरज से पूछा भैया भैया तेरी गाड़ी गाड़ी ठीक है उसने कहा मेरी एकदम गुड कंडीशन में आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल वो लेके चला गया सूरज को पता चला क्या पता चला सूरज को कि गाड़ी में तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं गाड़ी में तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं और लॉ ने बता दिया करेक्ट अब ये हो सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन हो करेक्ट हो सकता है फ्रॉड हो बट लॉ ने यह बता दिया कि भैया सूरज कंप्लेट की बहुत सारी गलतियां थी ठीक है सोहन ने सोहन ने कहा भाई सूरज गया सोहन के पास यार तुमने तो कहा था गाड़ी एकदम ठीक है हाँ भैया ठीक ही थी गाड़ी तो अरे इसमें कितनी सारी गड़बड़े हैं यार तुम्हारी गाड़ी में कितनी सारी गड़बड़े हैं ये नहीं चलता वो नहीं चलता इंडिकेटर दबाओ तो हॉर्न बजने लगता है हॉर्न दबाओ तो इंडिकेटर चलने लगता बहुत है बहुत प्रॉब्लम है इंजन प्रॉब्लम है बड़ी सारी प्रॉब्लम है सोहन ने कहा देखिए जो हो गया वो हो गया आप ऐसा करिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ना जाकर आप इसको ना जाकर आप रिपेयर करा लीजिए जितनी भी रिपेयरिंग की कॉस्ट आएगी उसका फोर्टी परसेंट मैं बियर करने को रेडी हूँ उसका फोर्टी परसेंट बियर करने को रेडी हूँ ये सुनकर बंदा थोड़ा शांत हो गया और उसने पता है क्या किया उसने गाड़ी जाके ठीक करा ली उसने गाड़ी जाके ठीक करा ली गाड़ी जाके ठीक कराई चालीस पैसा भी ले लिया कुछ दिन और बीते कुछ दिन और बीते अब तो मोटरसाइकिल चलनी ही बंद होगी। ओ माई गॉड अब तो मोटरसाइकिल चलनी ही बंद होगी तो लॉ क्या कहेगा क्या अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है कि नहीं क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन का फ्रॉड तो हुआ है बट क्या कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो सकता है तो लॉ बोलता है अगर आपने एक बारी है ना प्रॉब्लम जानने के बाद प्रॉब्लम जानने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया अगर आपने प्रॉब्लम जानने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसे कैंसिल करने का राइट right खो बैठते हैं यानी जब आप पहली बार उसके पास गए थे ना तभी आपको कैंसिल करनी थी 40 परसेंट वाले पॉइंट पे एग्री नहीं करना था अगर आपने उसे एग्री करा है नाउ यू हैव लॉस्ट द राइट नाउ यू हैव लॉस्ट द राइट टू कैंसिल इट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइडेबल नहीं रहा तो देखिए एग्रीव्ड पार्टी लूजिज एज पर लॉ खो देती है अपना हक किस चीज का रिजाइन मतलब कैंसल कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने का अगर उसको बाद में पता चल गया कि मिसरिप्रेजेंटेशन जो बात बोली थी वो गलत थी और वो उसके अंदर क्या ले लेती है बेनिफिट ले लेती है इन सम वे या उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो सो नाओ सूरज जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है एक और इंपॉर्टेंट केस स्टडी एक और इंपॉर्टेंट केस स्टडी ठीक है आपको डीपीपी में भी इसके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपके डीपीपी जा रही है वो एकदम डिटेल होने वाली है जरूर सॉल्व करना बार बार कह रहा हूं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ताकि जब भी और जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं ना वो लिख के रखो अपने पेज पे एक बार लिख लो सारी वीडियो देखने के बाद उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख देना जब भी मेरा संडे को लाइव सेशन होगा वी विल बी डिस्कसिंग दैट डाउट्स वी विल बी डिस्कसिंग दैट डाउट्स कमेंट्स में लिखूंगे तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आऊंगा कि आपको कितना सिंपल तरीके से उसको क्लियर करना है ओके सर नाउ क्वेश्चन इज मिस्टर शाम एक मोटर कार को ऑन करते थे मिस्टर शाम देखो शाम के पास एक मोटर कार है शाम के पास एक मोटर कार है ये देखो कितनी बढ़िया मोटर कार बना दी मैंने ओके okay. उसने हरीश के पास गया शाम हरीश के पास गया और शाम ने हरीश को कहा कि मैं अपनी मोटर कार जो है वो थ्री लैक्स में बेचना चाहता हूं ठीक है और शाम ने हरीश को ये भी कहा कि मेरी कार जो है ना वो बीस किलोमीटर पर बीस किलोमीटर ट्वेंटी के एम पर लीटर का एवरेज देती है पर लीटर का मेजर माइलेज देती है यहां पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर दोनों, दोनों चालू थे हरीश ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और कार की डिलीवरी ले ली तीन लाख रुपए लेके यानी उसने तीन लाख रुपए दे दिए और इसने क्या करा कार दे दी अब शाम ने डिलीवरी भी ले ली कार की पैसा भी दे दिया लेकिन दस दिन बाद हरीश वापस आया कहने लगा अरे भैया ये जो तुमने कार दी है ना ये जो तुमने क्लेम कहा था कि बीस रुपए पर लीटर देती है ये झूठ केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन तुमने, तुमने, there तुमने मुझसे झूठ बोला हो सकता है इनोसेंटली झूठ बोला बट तुमने मुझसे झूठ बोला है आपको बताना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो सकता है या नहीं हो सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है नॉर्मली आपको भी लगेगा भैया उसने कोई बात बोली थी वो झूठी निकली ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूं बट ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है सर ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है लॉ कहता है कि अगर जो बंदे ने झूठ बोला है जो भी बंदे ने झूठ बोला है और आप उसे नॉर्मल चेकिंग से चेक कर सकते हो कि वो बात झूठ है तो फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा इसका मतलब क्या है मतलब इस लाइन से आता है ये जो क्वेश्चन में लाइन दी हुई ना फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर ठीक है लॉ कहता है तुम्हें वो गाड़ी चला के देखनी चाहिए थी और फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर को चेक करना चाहिए था कि गाड़ी जो बात बोली गई है बीस किलोमीटर पर लीटर वाली क्या वो बात सत्य है या नहीं है अगर वो बात सच नहीं है मेरे बच्चा तो आप उसी टाइम पे वापस कर देते लेकिन आप क्या रहे आपने खुद चेक नहीं करा तो इसमें आपकी गलती है और क्योंकि आपकी गलती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉयडेबल नहीं रहेगा आप वापस नहीं कर सकते हो आप वापस नहीं कर सकते तो ये एक चार मार्क की स्टडी है मेरे बच्चा ओके सो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉस्ट वो चेक कर सकती थी अगर नॉर्मल चेकिंग ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब क्या अगर आप नॉर्मल एक बंदा जो चेक करता है अगर आप वो चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता कि भैया ये गाड़ी सच में 20 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देती है इसलिए मिस्टर हरीश कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी अब ग्राउंड ये मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है ना एग्जाम में गलत कर देते हैं मोस्ट ऑफ दी बच्चे मतलब आप ये मान लो एटी बच्चा ये सवाल जो है वो गलत करके चला जाता है ओके सर नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चा ठीक है सर हम है कहाँ सर हम खो गए हैं अरे बेटा खो गए हो क्या लाओ वापस ले जाता हूँ हम पता क्या पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं

करेक्ट जिसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता करेक्ट जिसमें जिसमें अभी हम पढ़ेंगे मिस्टेक नहीं होता तो अब हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं यानी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए मतलब गलती नहीं होनी चाहिए तो मिस्टेक मेरे बच्चा दो टाइप की होती है मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट सर मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है और लॉ में भी इंडियन लॉ की गलती हो सकती है फॉरन लॉ की जैसे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ आप ये नहीं कह सकते कि आपको लॉ नहीं पता है आप ये नहीं कह सकते आपको लॉ नहीं पता है नॉर्मली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस नेचर का है वो किस नेचर का है वो पता चलता है यहां पे अगर इलिगल नेचर का रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता है बट अगर कोई जेनुअन नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वर्ड नहीं रहेगा ये कह के कि मुझे लॉ पता नहीं था ओके फॉरन लॉ की बात करता हूं फॉरन लॉ फॉर लॉ आपको पता नहीं होना चाहिए एक इंडियन को सिर्फ इंडिया के लॉ पता होना चाहिए फॉरन के लॉ से नहीं पता होना चाहिए तो लॉ कह रहा है अगर आपकी गलती फॉरन लॉ की है तो हम उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि आपकी लॉ की गलती नहीं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की गलती है और कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकता है वो कैंसल भी हो सकता है

नहीं रहने वाला है क्या ये बात क्लियर होगी नहीं सर ये बात क्लियर नहीं कि एग्जाम्पल तो दे दो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम में बार बार आता है मिस्टेक का, मिस्टेक का इसको याद कर लोगे काम चल जाएगा आपका देखो ए ने बी को कार का ऑफर दिया और कार ने आ, बी ने एग्री कर लिया बी को लगा ए के पास सिर्फ पियाट कार है बी को ऐसा लगा कि ए के पास सिर्फ कौन सी कार है फट कार है बट एक्चुअली में ए एक के पास दो कारें थी एक सेंट्रो और एक फट और ए ने जो ऑफर करा था वो सेंट्रो बेचने का किया था ना कि फियाट बेचने का तो लॉ कहेगा यहां पे क्या हो गई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई

तो हम असेंशियल्स पढ़ रहे थे फिर से हम असेंशियल्स पढ़ रहे थे ताकि असेंशियल्स पढ़ रहे थे असेंशियल में पहला क्या था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल में पहला क्या था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट था ठीक है असेंशियल में पहला क्या था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट था कर लिया हमने दूसरा क्या था प्री कंसेंट था ये भी हमने कर लिया अब आते हम T &D पे एक साथ दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी एक कॉन्ट्रेक्ट में कंसिडरेशन कभी भी इलिगल नहीं हो सकती और उसका ऑब्जेक्ट भी इलिगल नहीं हो सकता है कॉन्ट्रेक्ट का ठीक है सर ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा ऑब्जेक्ट होता है कि कॉन्ट्रेक्ट किस कारण के लिए किया जा रहा है उस कॉन्ट्रेक्ट का पर्पस क्या है और कंसिडरेशन हम ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं प्रॉमिस के बदले किया गया जो दूसरा प्रॉमिस होता है वो कंसिडरेशन होता है यानी समथिंग इन रिटर्न फॉर दी प्रॉमिस तो दोनों में से कोई भी चीज अनलॉफुल नहीं हो सकती लॉ कब कहेगा ये चीजें लॉफुल है लॉ कह रहा है अगर ये तीन तीन छे अगर ये छह चीजें आपके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में नहीं हो रही हैं तो आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल है बट अगर इनमें से एक भी चीज हो रही है तो आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चा अनलॉफुल हो जाएगा अच्छा एक एक पॉइंट हम धीरे से समझेंगे अच्छा सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो हो नहीं पाएगा बिकॉज असेंशियल एलिमेंट नहीं आए तो आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चा हो जाएगा, आप सामने वाली पार्टी के केस नहीं कर सकते, आप उसको में ले जाके नहीं करा सकते हैं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ मना करता है करने से तो आप भैया वाइड एग्रीमेंट बोला जाएगा इसको समझते हैं देखिए आनंदी है पंद्रह साल की जग्या है सत्रह साल का आनंदी पंद्रह साल की जग्या है सत्रह साल का जग्या की ग्रैंड मदर ने आनंदी की मम्मी को कहा क्या कहा ए e, गणी सुन मेरी बात मैं, मैं मुझे पचास लाख दे दे तभी जो मेरा जो पोता है ना जग्या, वो तुझसे वो तेरी बेटी से आनंदी से शादी करेगा मन ने क्या दे दे पचास लाख दे दे ठीक है मन ने पचास लाख दे दे तो जग्ञा की शादी आनंदी से करा दंगी है ना मन ने क्या दे दे पचास लाख दे दे ये बिचारी अपनी बेटी को पचास लाख रुपए ओ माई गॉड पचास लाख रुपए तो लॉ कहता है एक तो ये चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ऑब्जेक्ट क्या है बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है दैट इज चाइल्ड मैरिज और कंसीडरेशन में क्या ले रहे हैं भैया डाउरी ले रहे हैं वो भी इीगल है ओ माई गॉड कंसीडरेशन भी लॉफुल नहीं है यानी फॉरबिडन बाय लॉ है क्योंकि चाइल्ड मैरिज भी लॉ अलाउ नहीं करता है और डोरी लेना भी लॉ अलाउड नहीं करता है दोनों ही चीजें फॉरबिडन बाय लॉ है तो लॉ कहेगा भैया ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है वो है वो मतलब क्या अगर जग्या की शादी आनंदी से हो गई तो वो भी वॉइड मानी जाएगी करेक्ट क्योंकि वो लॉ अलाउड करता है और बाद में जग्ञा की ग्रैंड मदर आनंदी की मां पे केस नहीं कर सकती कि मुझे पचास लाख दो अगर नहीं दिए तो क्योंकि वो क्या था कॉन्ट्रैक्ट वाइड था क्लियर है क्या यस और नो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल तो इस पे टिक मार दू है, एक और एक आया था देखिए हाँ. एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया मिस्टर ए को क्या लाइसेंस दिया कि तुम फॉरेस्ट में ग्रास काट सकते हो और ले जाके बेच सकते हो फॉरेस्ट को नॉर्मली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है क्योंकि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलेट नहीं करेगा तो लोग तो भाई साहब थाड़ पेड़ काटेंगे अभी तो कुछ कम तेजी तेजी से से कट रहे हैं बट उसके बाद तो बहुत तेजी से कटेंगे। तो बहुत कटेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ कुछ लोगों को लाइसेंस देता है जो क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट में ग्रास काट सकते हैं और उस लाइसेंस में एक कंडीशन लिखी हुई थी क्या लिखी हुई थी कि ए जो है ये लाइसेंस किसी और को दे नहीं सकता है उसमें क्या लिखा हुआ था ये लाइसेंस आप किसी और को दे नहीं सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है नाउ ए ने क्या करा ए ने वो लाइसेंस बी को दे दिया कहा भैया मुझे पैसे दो तुम ये लाइसेंस ले लो और तुम जाके घास काटो तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि पेपर में आप गलत करेंगे एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज वैलिड ओ हो सर वैलिड क्यों है सर लॉ ने तो मना करा हुआ वैलिड क्यों है बिकॉज बेटा लॉ ने मना नहीं कराया यहां पे तो बस लाइसेंस में एक छोटी सी कंडीशन डाली थी एडमिन पर्पस के लिए एडमिन पर्पस के लिए मतलब वो बस ये चेक रखना चाहते थे कि चाहे ए काटे चाहे बी काटे उनको पता होना चाहिए कि जंगल में घास कौन काट रहा है इसीलिए ये लॉ ने घास काटना तो मना नहीं करा हुआ क्योंकि लॉ तो घास तो ये काट ही रहा था बंदा तो यानी घास काटना तो मना नहीं है प्रोहेबिट नहीं है लॉ में कौन घास काट रहा है बस इसकी नॉलेज इस डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए इसीलिए कंडीशन रखी थी तो लॉ कहता है भैया ये कंसिडरेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं है और क्योंकि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं है तो ये क्या माना जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना चाहे का चलिए नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं दैट इज़ ध्यान से देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट या <coughs> अगर आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा है यानी लॉ में कोई बात लिखी है और उसको डिफीट कर रहा है उसको हरा दे रहा है लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है इन स्पिरिट तो भैया ये एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड होगा उसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी जैसे एग्जाम्पल हिंदू लॉ में हिंदू लॉ डिफीट हो जाता है अगर कुछ लोग कुछ लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं क्या के एनुअल अलाउंस देंगे ओरिजिनल नेचुरल पेरेंट्स को मतलब क्या ए और बी को बच्चा नहीं हो रहा था टी और डी के पास अभी अभी एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा आया था नन्ना मुन्ना सा बच्चा आया था ए बी ने कहा प्लीज हमें अपना बच्चा दे दो ना हमें बच्चा नहीं हो रहा है प्लीज हमें अपना बच्चा दे दीजिए और इसके बदले हम तुम्हें हर महीने ना दस लाख रुपए देंगे इसके महीने हम तुम्हें हर महीने दस लाख देंगे या सालाना दस लाख देंगे तो लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अनलॉफुल है ये हिंदू लॉ को डिफीट करता है हिंदू लॉ में यह नहीं चलता है इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड रहेगा ये एग्रीमेंट वॉइड रहेगा ओके सर नेक्स्ट कंडीशन मेरे बच्चा फ्रॉड्यूलेंट अगर कोई एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से बनाया जा रहा है तो उसमें भी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाता है जैसे एक एग्रीमेंट हुआ ए और बी ने ए ने बी को एग्रीमेंट किया किस चीज का सेल ऑफ गुड्स का क्यों उसे सेल करा ताकि बी आगे उन गुड्स को क्या कर सके कंट्री से स्मगलिंग कर सके यानी इीगली कंट्री से बाहर ले जा सके तो ए ने बी को गुड्स इसलिए बेचे ताकि बी कंट्री के बाहर उन्हें क्या कर सके स्मगल कर सके इलीगल रास्ते से बाहर ले जा सके तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा वाइड रहेगा और जो प्राइस है मेरे गुड्स का जो बिक है ए बी से रिकवर नहीं कर पाएगा ए बी से वो पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वाइड है जैसी वो कोर्ट में जाएगा कि मैंने बी को ना स्मगलिंग करने के लिए गुड्स बेचे थे तो लो कहेगा अरे आ जाओ पहले तुम्हें स्मगलिंग की अच्छे से बताएं क्या होता है स्मगलिंग अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन अनादर पर्सन ठीक है अगर आप किसी पर्सन को एग्रीमेंट करते हैं कि, कि किसी पर्सन को इंजरी करने के लिए मैंने ए ने बी को पांच लाख रुपए दिए और बोला कि सी को सी सी को जो है ना तू किडनैप कर ले सी की टांग तोड़ दे तो लॉ कहेगा अगर आप इंजरी कर रहे हैं यहां पे देखो इंजरी करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या रहेगा कंसिडरेशन अनलॉफुल है और एग्रीमेंट वॉइड रहेगा या ए ने बी को पैसे दिए कि जाके ना सी की कार को जला दे ए ने बी को पांच लाख रुपए दिए जाके सी की कार को जला दे यानी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजर कर दे तो वहां पे भी क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेगा बट आपकी बुक में क्या दे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपी राइट इज वाइट मतलब जैसे आप जानते हैं कि चेतन भगत एक बहुत बड़े राइटर हैं उनके पास अपनी बुक्स का क्या होगा कॉपीराइट होने वाला है उनके पास अपनी बुक्स का क्या होगा कॉपीराइट होगा बट मुझे उनकी एक पीडीएफ कॉपी मिल गई उनकी बुक की और मैंने एक पर्सन को कहा कि मैं तुम्हें हर कॉपी के दस रुपए दूंगा प्रिंट करने के लिए तो लॉ कहेगा इससे चेतन भगत का नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट लिया हुआ है तो उन जितनी भी बुक सेल होनी चाहिए मार्केट में उसकी कुछ रॉयल्टी इन्हें मिलनी चाहिए बट अगर मैं बेचूंगा तो मैं तो इलीगल छापी है तो लॉ कहेगा यहां पर भी जो एग्रीमेंट हुआ मेरे और प्रिंटर के बीच में वो क्या रहेगा वाइड रहने वाला है वो क्या रहने वाला मेरे बच्चा वाइड रहने वाला है अगर कंसीडरेशन इमोरल है अगर कंसीडरेशन इमोरल है तो भी हम कंसीडरेशन को अनलॉफुल मानते हैं मतलब क्या देखिए मिस्टर बजाज है। ये प्रेरणा है और प्रेरणा के पति अनुराग बासु हैं अब क्या हुआ प्रेरणा देखिए कितना प्यार करती है ओहो कितना प्यार है दोनों के बीच में अनुराग बासु और प्रेरणा के बीच में बहुत प्यार था लेकिन बजाज भी मन ही मन जो है प्रेरणा को प्यार करते थे तो बजाज ने कहा बजाज ने कहा हे प्रेरणा हे प्रेरणा मैं तुझे एडवांस करता हूं मैं तुझे एक करोड़ रुपए देता हूं तू अपने पति से डाइवोर्स ले ले तू अपने पति से ले ले और फिर लेके ना तू मुझसे शादी कर ले तुम मुझसे शादी कर ले लॉ कहता है अब देखिए प्रेरणा ने एक करोड़ रुपए ले लिए बजाज से और वो अनुराग के साथ हनीमून पे निकल गई दूसरे हनीमून पे निकल गई लॉ कहता है बजाज ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो वाइड था वो इमोरल था और इसीलिए वो पैसा रिकवर नहीं कर पा सकता क्योंकि क्या थी मेरे बच्चा इमोरल थी क्या थी मेरे बच्चा इमोरल थी ओके ओके सर सर वापस चलते हैं देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमने ने कवर कर लिए हैं तो हमने फॉरबिडन बाय लॉ कवर कर लिया लॉ अगर फॉरबिड करता है करेक्ट जैसे डॉरी वाला एग्जाम्पल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ हिंदू लॉ वाला एग्जाम्पल इंजरी टू द पर्सन चेतन भगत के कॉपीराइट वाला एग्जाम्पल ब्रॉडलैंड वाला भी कवर कर लिया इमोरल यानी प्रेरणा और अनुराग वासु की लव स्टोरी करेक्ट लास्ट आते हैं is, आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए इस पर मैं थोड़ी देर पहले चर्चा करना चाहता हूं फिर आगे चलूंगा पब्लिक पॉलिसी जो होती है ना मेरे बच्चा वो एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है बहुत वास्ट कंसेप्ट है उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो सकती हैं जैसे आपको लगेगा कि ये जो दारू बिक रही है दुकान पे ये भी तो पब्लिक के लिए बुरा हो रहा है मानते हो कि नहीं ये जो दारू जो बिक रही है जो लिकर बिक रही है भैया दुकान पे उससे भी तो पब्लिक का बुरा होता है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है करेक्ट ये जो सिगरेट बिक रही है ये जो विमल बिक रहा है ये सब कुछ पब्लिक पॉलिसी के तो पब्लिक का बुरा होता है, ये कैसे के है? ये के है, नहीं है। तो ऐसे बहुत, है। ने कहा, ऐसे तो तुम की बहुत सारी चीजों को क्या कर दोगे अनलॉफुल बता दोगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बता दोगे और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे इसीलिए लॉ ने कहा, ध्यान देना कह रहा, है public, कह रहा है मैं मानता हूं कह रहा है मैं मानता हूं ये पब्लिक पॉलिसी बहुत बड़ा कंसेप्ट है पब्लिक पॉलिसी बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसके अगेंस्ट जो भी जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिकली वॉइड होना चाहिए था वो लॉजिकली वॉइड होना चाहिए था बट अगर मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ दूंगा तो तुम बहुत सारी चीजों को वॉइड कहने लगोगे इसीलिए एक्ट ने कहा मैं तुम्हें मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूं एक लिस्ट दे रहा हूं एक लिस्ट दे रहा हूं इस एक्ट के लिए मैं तुम्हें लिस्ट दे रहा हूं अगर वो इस लिस्ट में फॉल करता है तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है अगर वो इस लिस्ट में फॉल नहीं करेगा तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट है ना तो यानी एक्चुअली में वाइडर टर्म है एक्चुअली में बहुत वाइडर टर्म है बट इस एक्ट में सिर्फ हमें किस पे रेस्ट्रिक्ट करना है अगर वो जो लिस्ट लॉ में दी हुई है वो इसमें फॉल करेगा तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है अगर लिस्ट में फॉल नहीं करता है भले ही आपका दिल कह रहा है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है आप उसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मत मानना ओके सर तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या-क्या है लेट्स रीड इट लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चा देयर आर टोटल 9 एक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर टोटल 9 एग्रीमेंट अगर वो हो रहे ये 9 की लिस्ट में अगर आपका केस फॉल करता है तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो देखिए मैं एक चार्ट बनाता हूं देखिएगा नाइन एग्रीमेंट्स सिर्फ नो एग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नाइन एग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं और क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है अगेंस्ट, तो कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा और क्योंकि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा वैलिड नहीं माना जाएगा ये देखिए तो ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना है नो ऐसे लिस्ट के एग्रीमेंट जो लॉ में दिए हुए हैं उनको पब्लिक पॉलिसी और क्योंकि पॉलिसी है तो वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, ये, अब बच्चा क्या करता है बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है बच्चे को क्वेश्चन आता है इन नो एक्ट्स में से बच्चा कहता है हाँ ये पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है और डायरेक्ट लिख देता है ये वाइड है डायरेक्ट लिख देता है, है कई बार इसी के आगे लिख देता है ये बहुत बड़ी गलती होती है आपको स्टेप वाइज आंसर करना है आपको पहले बताना है यह नो एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट है उसमें वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ऑब्जेक्ट तोलॉफुल है और क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ये वाइड एग्रीमेंट है यानी ये वैलिड नहीं माना जाएगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाइन एग्रीमेंट नाउ पहला चीज सबसे पहला है ट्रेडिंग विद एनमी ऑलरेडी हम डिस्कालीफाइड में भी कवर कर चुके हैं और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी माना गया है मतलब क्या अगर किसी कंट्री के साथ आपका वार वाला सिचुएशन है तो आप उस कंट्री के रेसिडेंट उस कंट्री के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो अगर आप करते हो तो इसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी माना जाता है और साथ ही साथ वो पर्सन डिस्कालीफाइड माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा वाइड रहने वाला है यानी दिस केस इज कवर्ड इन बोथ द प्लेसेस

सिर्फ नाम मैकडोनल्ड ने रखा है तो क्या हम डर जाएंगे आंसर इज नो मैं बताता हूं लैंग्वेज में, में क्या होता है इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट या तो फाइन पेनल्टी केस चलना चाहिए था और उसको आप क्या कर रहे हैं रोकने की कोशिश कर रहे हैं यानी आप अपने अगेंस्ट चलने वाले प्रोजीक्यूशन को रोक रहे हैं या उसको धीमा कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टिफलिंग प्रोजीक्यूशन तो स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन नॉर्मली क्या होता है जब आपने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यानी कोई ऑफेंस कर दिया किसी लॉ को तोड़ दिया अब हर ऑफेंस इक्वल दर्जे का नहीं होता है जैसे मैंने सिग्नल तोड़ा और मैं निकल गया या मैंने मर्डर कर दिया दोनों ही ऑफेंस है दोनों ही क्या है मेरे बच्चा ऑफेंस है दोनों में ही आपने लॉ तोड़ा है बट दोनों के लिए क्या पनिशमेंट सेम होगी क्या क्या, क्या जज कहेगा एक बंदा आया उसने सिर्फ सिग्नल तोड़ा था इसको फांसी की सजा दे दो इसने सिग्नल तोड़ा था तुमने क्या किया मर्डर हाँ इसको भी फांसी की सजा दे दो ऐसा नहीं होता है बिकॉज कितना बड़ा आपने ऑफेंस किया कितना बड़ा चीज करी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए छोटा सा छोटा सा ऑफेंस करोगे छोटी मोटी चोरी करोगे तो कम सजा मिलेगी बड़ी चोरी करोगे तो बड़ी सजा मिलेगी तो इसीलिए ऑफेंसिस दो टाइप के होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसिस और

कोर्ट में क्यों जा रहे हो मैं पैसे दे देता हूं कहेगा ये एग्रीमेंट नहीं चलने वाला है ठीक करवा देता हूं कोई नहीं है। वो के अंदर ही माना जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देता हूं अनकंपाउंडेबल ऑफेंस कर देता हूं जिसमें मुझे जेल में जाना ही पड़ सकता है जिसमें होनी ही चाहिए करेक्ट तो वहां पे अगर मैं उसको दबाने की कोशिश करूंगा तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अपोज माना जाएगा ठीक है ओके सर नेक्स्ट पॉइंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है ध्यान से देखिए दैट इज मेंटेनेंस सो देर आर टू वर्ड्स जो आप पहली बार सुन रहे हैं मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इसको एक केस स्टडी के थ्रू बताता हूं क्या हुआ ये बबली है और ये अखिलेश है ठीक है ये बबली है और ये अखिलेश है बबली ने ठीक है बबली ने अखिलेश की प्रॉपर्टी मार रखी है बबली हैज प्रॉपर्टी ऑफ अखिलेश एक प्रॉपर्टी थी मान लीजिए कब्जा कर लिया अब बेचारा अखिलेश पहले ही गरीब था एक ही लैंड थी उसके पास कोई पैसा नहीं था अब चेतन 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 को लगा यार अखिलेश बेचारा बड़ा परेशान है है ना अखिलेश चेतन ने कहा अखिलेश भाई अखिलेश भाई तुम केस फाइल करो मैं तुम्हें दो हजार रुपए देता हूं जो तुम्हें केस के लिए लगेंगे जितने भी पैसे तुम्हें लगेंगे मैं केस के लिए देता हूं मैं खड़ा हूं मैं तुम्हारे केस को मेंटेन करूंगा यानी मैं खड़ा पीछे तुम केस करो ठीक है जबकि चेतन का इस केस के अंदर कोई लेना देना नहीं है इस केस के अंदर कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी वो इन दोनों के बीच के, के केस में कह रहा है पैसा मैं खर्च करूंगा तो लॉ कहेगा ये maintenance का है। ये maintenance का है। क्या ये मेंटेनेंस मेंटेनेंस का का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है 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 लॉ कहेगा क्या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या नहीं है ये पता चलेगा चेतन की इंटेंशन क्या थी अगर चेतन की इंटेंशन देखना अगर चेतन की इंटेंशन अखिलेश की हेल्प करने की थी वो अखिलेश की सच में हेल्प करना चाहता था तो लॉ कहेगा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है लेकिन अगर चेतन इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वो बबली को परेशान देखना चाहता है उसकी बबली से पर्सनल खुंदस है तो लॉ कहेगा अगर उसकी इंटेंशन क्या थी बबली को परेशान करना अगर उसकी इंटेंशन क्या थी बबली को परेशान करना तो लॉ कहेगा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड वाइट तो मेंटेनेंस नॉर्मली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होता यहां पे कर जो maintain कर रहा है उसकी इंटेंशन देखो अगर उसकी इंटेंशन को परेशान करने की थी ना कि अखिलेश को हेल्प करने की तो यह टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा सेकेंड पॉइंट पे आते हैं मेरे बच्चा दैटर्टी चैम्पर्टी भी सिमिलर था समझिए क्या हुआ चेतन ने कहा अखिलेश मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं सेम केस मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं लेकिन जो लैंड आएगी ना जो लैंड आएगी उसमें से हम क्या करेंगे तो मान लो तेरी कब्जा हो गया वो तो डूबी गई थी तेरे पास तो पैसा था नहीं तेरे पास तो पैसा था नहीं वो चार एकड़ की लैंड तेरे लिए तो खाली हो गई ना तू तो भिकारी हो ही गया था मैंने तेरी हेल्प करी तो तुझे चार एकड़ की लैंड मिली तो मुझे एक लैंड तू देना क्योंकि मैंने तेरी हेल्प करी लॉ कहता है कि ये जो चैम्परिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नॉर्मली ये वैलिड है बट अगर ये सिर्फ इंटेंशन अखिलेश की हेल्प करने की नहीं बल्कि की हेल्प से एक बन जाएगा। करने की थी उससे पैसा कमाना चाहता था वो प्रोसीडिंग से सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसने पैसा दिया है तो चैंपर्टी क्या होगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा अदरवाइज है वो वैलिड होते हैं और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चा ट्रैफिकिंग यानी एंड बाइंग या डूइंग कॉन्ट्रैक्ट इन पब्लिक एंड पब्लिक टाइटल्स अगर आप सरकारी नौकरी या सरकारी ऑफिस में नौकरी पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे देखिएगा कादर ने गोविंदा को कहा कादर है कादर खान है और ये ऑफिसर है एक बहुत बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है कादर ने कहा प्लीज मुझसे पचास हजार ले लीजिए ऑफिसर सर और मेरी डॉटर को अपने डिपार्टमेंट में जॉब दिला दीजिए मुझसे पचास हजार ले लीजिए और मुझे जॉब दिला दीजिए तो लॉ कहेगा अब इस बंदे ने पचास हजार रुपए ले लिए ऑफिसर ने कहा हाँ हाँ दिला देंगे लाओ पचास हजार दे दो इस बंदे ने पचास हजार ले लिए अब क्या होगा कादर खान अगर ऑफिसर उसकी बेटी को जॉब नहीं दिला पाया तो कादर खान ऑफिसर के ऊपर केस नहीं कर सकता बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वाइड एग्रीमेंट था जो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता है इसीलिए इसीलिए मेरे बच्चा ऑन फेलियर टू प्रोवाइड जॉब कादर खान कैन नॉट सी यू ऑफिसर एस द एग्रीमेंट वॉज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यस और नो

जो जॉब पे लगा हुआ था उसको हमने कहा कि तू पैसे ले ले और रिटायर हो जा जैसे ही तू रिटायर होगा तो मेरी जॉब लग जाएगी तो अगर आप उसे रिटायर होने के लिए पैसा दे रहे हैं तो वो भी क्या है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या अगर आप पद इस तरह के अवार्ड खरीद रहे हैं टाइटल्स मतलब अवार्ड खरीदना जो बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड होते हैं जैसे कि पद्म विभूषण आपने कहा भैया पैसे ले लो और मुझे पद्म विभूषण दे दो लॉ कह रहा है ये ऐसे नहीं मिलते हैं इनको अचीव करना पड़ता है पैसों से नहीं बिकते हैं ये अवार्ड्स करेक्ट ये बॉलीवुड की तरह थोड़ी हैं जो पैसों में बिक जाएंगे ये तो पद्म विभूषण है मेहनत करके मिलेगा और अगर आप पैसे देके इसे खरीदोगे तो वो एग्रीमेंट क्या होगा वाइड होगा यानी एक बार पैसे दे दिए तो अगर उसने आपको अवार्ड नहीं दिया तो आप पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो ओके okay. ये तो बात मैं बता चुका हूं कि कोई भी एग्रीमेंट अगर आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा पब्लिक ऑफिस में डील करते हो क्योंकि पब्लिक ऑफिस में सिर्फ पैसा नहीं लगता है वो बंदा लगता है जो एक्चुअली में उसके लायक है जो एक्चुअली में उसके लायक है। point. no पढ़ रहे हैं हम, वाले, agreement to create monopoly. तो इंडियन ऑयल हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ये तीन कंपनियां अगर साथ मिल जाएं और ये डिसाइड कर ले all three companies signed an agreement कि हम मोनोपोली बना देते हैं पेट्रोल और डीजल की और कंट्री में हम अपनी हिसाब से प्राइस को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बिकॉज कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है बिकॉज लोगों के तो हाहाकार मच जाएगी करेक्ट सो एग्रीमेंट कि मोनोपोली बना रहे अगर आप मोनोपोली बना रहे हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और ये सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे मेरे बच्चे वाइड होंगे सो so, इन तीन कंपनी के बीच किया गया एग्रीमेंट टू क्रिएट द मोनोपोली विल बी अ वाइड एग्रीमेंट एंड नल एंड वाइड रहेगा ओके सर नेक्स्ट पॉइंट मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट नेक्स्ट पॉइंट मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट इसमें क्या होता है ने करीना को किसी मूवी में देखा और उसने सपना देखा कि काश मेरी शादी करीना से हो जाए तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा अगर मेरी शादी करीना से हो गई तो इसने करीना के पापा को कहा कि अगर तुम करीना को मना लेते हो मुझसे शादी करने के लिए तो मैं तुम्हें पचास करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम करीना को कन्विंस कर लो ना मेरी शादी के लिए मेरे से शादी करने के लिए मैं तुम्हें पचास करोड़ दूंगा लॉ कहता है ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या है मेरे बच्चा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और ये अलाउड नहीं है और इसीलिए पॉलिसी है, है इसीलिए वाइड रहेंगे तो लॉ अगर ये बंदा पचास करोड़ दे भी देता है तो ये बंदा इससे शादी नहीं भी करवाता है तो उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अपना वादा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अच्छा सर फिर ये मैरिज ब्यूरो वाले कैसे काम करते हैं सर ये मैरिज ब्यूरो वाले कैसे काम करते हैं बेटा मैरिज ब्यूरो वाले ना आपसे पैसा लेके ये नहीं कहते कि आपकी शादी करा देंगे उस लड़की से वो सिर्फ ये करते हैं आप जाते हो आपको फोटो दिखाते हैं कि लड़की एलिजिबल है शादी करने के लिए आपको पसंद आ रही है तो ठीक है उनके घर वालों को आपकी फोटो दिखाएंगे अगर दोनों 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 को पसंद आया तो दोनों, शादी दोनों की मर्जी से ही होती है दोनों को पसंद आया तो वो आपको कन्विंसिंग आ रही इसी से कर लो या पैसा लेके बैठा रहे दस लाख दो देखो मैं आपकी उस लड़की से शादी करा दूंगा वैसा मैरिज ब्यूरो में नहीं होता है देफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज करेक्ट और मैन एंड वुमेन्स ओके सर ओके डॉकी ओके डॉकी नेक्स्ट पॉइंट इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस सर इसका क्या मतलब है ए ने ए ने टी का मर्डर किया है मुझे बताओ क्या ए को क्राइम के अंदर जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हो सकता है जीवन भर की जेल हो हो सकता है फांसी होनी चाहिए बिकॉज़ ए ने सी का मर्डर किया था इसको मर्डर करते हुए सिर्फ एक ही बंदे ने देखा था जो था बी बी ओनली विटनेस इन द केस जो कि ए, 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 एक को अगेंस्ट जाने वाला था कि मैं गवाही दूंगा कि हाँ मेरी आंखों के सामने इसने मर्डर किया है बी को बोला हे hey, बी अगर तू विटनेस बनके नहीं गया ना मेरे खिलाफ कल तो मैं तुझे पचास लाख रुपए दूंगा तो मैं तुझे पचास लाख रुपए दूंगा अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बताओ क्या जस्टिस सर्व हो पाएगा क्या क्या जस्टिस सर्व हो पाएगा क्या द आंसर इज नो जस्टिस कैसे मिलेगा सी के घर वालों को तो आप इंटरफेयर कर रहे हो जस्टिस के साथ तो लॉ कह रहा है भैया लॉ कह रहा है भैया ये तो बहुत ही गलत काम हो गया तो बी ने क्या करा बी अगर पैसे ले लेगा और फिर अगले दिन पहुंच भी गया

क्योंकि भैया जस्टिस सर हो गया वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट था जज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लॉ की नजरों में वो नल एंड वाइड था पॉलिसी था so जुडिशियल या किसी स्टेट के पार्शियली या फुली करप्ट करना उसे हम कहेंगे वाइट क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है ओके सर इंटरेस्ट अगेंस्ट obligation इंटरेस्ट अगेंस्ट obligation इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं यह आप हैं ठीक है और यह हमारे हैं क्राइम मास्टर गोगो क्राइम मास्टर गोगो ने आपका पर्स चुरा लिया क्राइम मास्टर गोगो ने आपका पर्स चुरा लिया और चुरा के भाग गया चुरा के भाग गया ठीक है आपने देख लिया कि आपने पीछे देखा रही है, तो क्राइम मास्टर गोगो है पहचान में आ जाता है क्योंकि वो पहन के घूमता है ना सुपरमैन वाला जो पीछे पहन के घूमते है वो पहन के घूमता है तो पहचान में आ जाता है करेक्ट तो आपने देख लिया आप गए दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन आपने कहा पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस भैया पुलिस भैया क्राइम मास्टर गोगो ने मेरा क्राइम मास्टर गोगो ने मेरा क्या किया है पर्स चुरा लिया है ठीक है क्राइम मास्टर ने मेरा पर्स चुरा लिया मैंने अपनी आंखों से देखा था वही लेके गया है पुलिस वाले ने को कहा आपने उसे जाके गिरफ्तार करिए पुलिस वाले ने कहा मैडम देखो ऐसा है उसे गिरफ्तार तो कर लेंगे लेकिन उसके लिए अब देखो मेरा मूड था थोड़ा सही नहीं है मुझे दस हजार रुपए दोगे तो उसको मैं उठाऊंगा अगर आप मुझे दस हजार देंगे तो मैं क्राइम मास्टर गोगो को, को क्या करूंगा पकड़ूंगा मुझे बताओ क्या पुलिस को ऑलरेडी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये काम करने की मिल रही है तो क्या वो अपने वादे से अलग जा रहा है कि नहीं ये जो कंसिडरेशन दे रहा है तो गलत है करेक्ट ये अलाउड नहीं है तो वो ऐसे पैसे मांग नहीं सकता है एक और बताता हूं एक और एग्जाम्पल जो आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें एक एम्प्लॉई है एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें एक एम्प्लॉई है उसको बोला है रॉ मटेरियल खरीदने को उसको क्या बोला है रॉ मटेरियल खरीदने को रॉ मटेरियल मार्केट में बीस रुपए पर किलो के हिसाब से मिल रहा है रॉ मटेरियल मार्केट में कितने से से हिसाब खरीदा है बीस रुपए मुझे बताइए ये मार्केट रेट है एक बंदा उसके पास आके कहता है कहता है भैया तुम मुझसे ना पच्चीस रुपए पर किलो के हिसाब से खरीद रहे हो रॉ मटेरियल अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पांच लाख रुपए भिजवा दूंगा मैं तुम्हारे घर क्या कर दूंगा पांच लाख अब इंप्लॉई जो सैलरी ले रहा है उसे किसके लिए काम करना चाहिए था फॉर्म के लिए काम करना चाहिए था और सबसे लोएस्ट प्राइस पे सामान खरीदना चाहिए था ताकि फॉर्म का फायदा हो लेकिन इसने देखा अपना पर्सनल फायदा कह रहा अच्छा अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे देता हूं और तुम मुझे क्या देते दे ना पांच लाख तो यानी इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन यानी उसकी ड्यूटी क्या थी वट इज एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी थी एम्प्लॉय की ड्यूटी थी एम्प्लॉय की, की ड्यूटी थी क्या ड्यूटी थी कि भैया वो सबसे सस्ते में सामान खरीदे सेम क्वालिटी का सबसे सस्ते में खरीदे लेकिन उसने क्या करा उसने अपना लालच देखा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है इन दोनों पार्टीज के बीच में यह क्या है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और वाइड माना जाएगा लास्ट गए। ओ फाइनली पब्लिक पॉलिसी के लास्ट पे आ चुके हैं लास्ट में क्या बोला है मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में अगर दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल है तो क्या होगा तो लॉ कहता है क्या आप लीगल और इलीगल पार्ट को अलग कर सकते हो क्या अगर आप लीगल और इलीगल पार्ट को अलग कर सकते हो तो लीगल पार्ट वैलिड माना जाएगा और इलीगल पार्ट वॉइड माना जाएगा बट अगर दोनों अलग नहीं हो सकते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या माना जाएगा वाइट माना जाएगा सिंपल सी बात उसने बोली कॉन्ट्रैक्ट अगर सबरेबल हो सकता है अगर लीगल और इलीगल अलग हो सकते हैं तो वैलिड अगर नहीं हो सकते हैं तो पूरा का पूरा होल एक्ट ही होल कॉन्ट्रैक्ट ही क्या माना जाएगा वाइड माना जाएगा ठीक है ओके डन

अब लास्ट पार्ट आता है बेटा लास्ट पार्ट आता है ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वाइड नहीं होने चाहिए यानी एक्ट में कहीं भी उन्हें क्या नहीं बोला जाना चाहिए वाइड नहीं बोला जाना चाहिए सो देर इज अट देर आर टोटल इलेवन केसेस इलेवन केसेस जो वाइड एग्रीमेंट माने जाते हैं देर आर टोटल हाउ मेनी केसेस मेरे बच्चा जल्दी कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे आई एम वेटिंग सब लिखो इलेवन हाउ मेनी इलेवन कितने इलेवन कितने केसेस है ऐसे इलेवन के सर पानी पीना है तो हमसे कमेंट्स लिखवा रहे हो क्या तुम तो होशी हो सब हो, समझ जाते हो सर लेक्चर बड़ा हो रहा है अरे बेटा पार्ट्स में देख लो क्या दिक्कत है यार दिल से पढ़ा रहे सब रहे हाँ सर समझ आ रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेट let सबसे पहला इनकॉम्पिटेंट पार्टीज अगर, अगर करेंगी ब्लैक कर लूंगे ओके okay. अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज करेंगी ना तो वो वाइड होता है जैसे हमने देखा था माइनोर का कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहता है अनसाउंड माइंड का वाइड रहता है और

तो वो होता और नहीं होता तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है ठीक है? है और ये हमने already cover किया था क्या थोड़ी देर पहले agreement made without consideration. कि अगर consideration है, तो contract valid होता 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 है है और अगर consideration नहीं होता तो, होता है, जहां पे consideration नहीं तो पे भी होता है तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या लेते मान लेते तो हैं वैलिड मान लेते हैं तो भी हम एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं तो कौन से कवर करने है? हमें कवर करने हैं ये छे मेरे बच्चा हमें कवर करने है बस ये छे कवर और आपका लवली सा लवली यूनिट थ्री भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा एकदम जैसे ही ये हम खत्म कर लेंगे ओके सबसे पहला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इसको समझेंगे देखिएगा क्या हुआ सिमरन के पापा सिमरन से बहुत प्यार करते थे देखो उनके पास बैठी है रहे मेरी बेटी सिमरन लेकिन उन्हें पता चला जब कि राज सिमरन से प्यार करता है तो वो राज के पास गए कहने लगे राज तू मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तू मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा ले मैं तुझे ये ले ब्लैंक चेक दे रहा हूं साइन करके ये ले ब्लैंक चेक दे रहा हूं साइन करके जा तू बस अब सिमरन से शादी मत करना जा, जी ले, जा राज जिले अपनी जिंदगी ऐसा कह दिया ये ले ब्लैंक चेक जा राज जी ले अपनी जिंदगी अब राज ने ये चेक में पैसा भरा अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए पैसा आ गया और जैसे ही उसने पैसे डाले राज क्या हो गया रिच हो गया राजपुअर से रिच हो गया क्योंकि उसने ब्लैंक चेक क्लियर करा लिया और उसने सबसे पहले क्या करा सिमरन से शादी कर ली सिमरन से शादी कर ली बिकॉज नाउ ही इज अ रिच गाय मैन बट अब फादर कह रहे हैं मैं कोर्ट में जाऊंगा मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इसे पैसा भी दिया था कि ये उससे शादी नहीं करेगा इसका प्रॉमिस था कि सिमरन से शादी नहीं करेगा और मेरा प्रॉमिस था कि मैं इसे पैसे दूंगा मैंने तो अपना वादा पूरा करा करा बट इसने अपना वादा पूरा नहीं करा। तो लॉ क्या क्या पता पता कोर्ट कहेगा भैया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं मतलब माइनर को छोड़ के बिकॉज माइनर अलाउड नहीं होता माइनर यानी किसी मेजर को अगर आप शादी करने से मना करने का एग्रीमेंट करते हैं ना तो भैया वो एक वाइड एग्रीमेंट होता है यानी आपने जो एग्रीमेंट करा था वो लॉ की नजरों में कभी आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते आप उससे के लिए हमारी हेल्प नहीं ले सकते आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो अब तो वैसे भी ये दोनों समझदार हैं ये दोनों का दिमाग चलता है ये अपनी शादी अपने सूझबूझ से कर सकते हैं और देखो ये ही अपनी शादी करके ये ले के गया पापा के सामने पापा की नजरें देख रहे हो कैसी हो गई कैसे, कैसे गुस्से से देख रहे हैं भैया कैसे गुस्से से देख रहे हैं कि कैसा पोपट बना दिया मेरा पैसे भी ले लिए और मेरी बेटी भी ले ली पैसे भी ले लिए और मेरी बेटी भी ले ली सेकंड है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सर इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है मेरे बच्चा ये ए है जिसकी दुकान है नगर में मोमोज की ठीक है और बहुत बढ़िया मोमोज बिक रहे थे बी ने भी अपनी दुकान सामने ही खोल ली मोमोज की बी ने भी अपनी दुकान सामने ही खोल ली मोमोज की ए की दुकान थी चंदन नगर में मोमोज की बी ने भी सामने ही खोल ली ए ने बी को कहा देख मैं तुझे पैसे दे रहा हूं तू यहां पर तू यहां पर अपनी दुकान मत खोल तू कभी मोमोज की दुकान नहीं खोलेगा इससे मना कर दिया तो लॉ कहता है इस तरह के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं सर क्यों होते हैं? बिकॉज आप किसी को धंधा करने से रोक नहीं सकते हो एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल ट्रेड इज वाइड लॉफुल प्रोफेशन लॉफुल बिजनेस लॉफुल ट्रेड किसी भी तरह का करने के लिए रोक नहीं सकते हो हम उसे वाइड कहेंगे बट देयर आर एक्सेप्शन बट देयर आर फोर फोर एक्सेप्शन देयर आर फोर एक्सेप्शन चार एक्सेप्शन है जहां पर आप सामने वाले को बिजनेस करने से रोक सकते हो और ये केस स्टडी में बार बार आते हैं क्या है पहला जो है कि अगर कोई पर्सन अपनी गुडविल बेचता है और बायर से एग्री करता है कि वो लोकल लिमिट्स में लोकल लिमिट्स में अब सेम धंधा सेम धंधा नहीं करेगा सेम धंधा नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जैसे आपको तो पता ही है कि गुरप्रीत सर की एक बहुत बड़ी दुकान है जीएसडब्ल्यू गुरप्रीत समोसे वाला बहुत बड़ी दुकान है मेरी गुरप्रीत समोसे वाला ठीक है मैंने इसकी जो गुडविल थी क्योंकि हर कस्टमर मेरे को जानता है मैंने कहा अब तो मैं फिजिक्स वाला में पढ़ाता हूं तो क्यों ना अब क्या करूंगा ये दुकान खोल के टाइम नहीं बच्चों को पढ़ाऊं कि समोसे बनाऊं समोसे बनाना छोड़ दिया और करेक्ट और मैंने किसी और को गुडविल बेच दी भैया आज से तुम गुडविले दुकान चलाना तो सामने वाले ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि भैया अब अब आप आप इस एरिया 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 में 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 जिस में मेरी दुकान थी उस दोबारा समोसे की दुकान मत खोलना यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया यानी वो मुझे रोक रहा है ट्रेड करने से वो भी लॉफुल लॉ law कहता है ये वैलिड है क्योंकि अगर वो आपको अलाउ कर देगा तो फिर आप ही के समोसे बिकेंगे उस बेचारे की दुकान तो फिर नहीं चलेगी इसीलिए लेकिन हां अगर वो ये कहता है पूरे इंडिया में ही नहीं आप बेच सकते हो तो लॉ कहेगा नहीं जो लिमिट्स लगाएगा ना जो मेरे ऊपर कंडीशन लगाएगा वो रीजनेबल होनी चाहिए कि भैया जरूरी मैं उस एरिया में नहीं चलाऊंगा मैं मानता हूं लेकिन पूरे इंडिया में नहीं चलाऊंगा पूरा जीवन भर नहीं चलाऊंगा वो गलत बात है वैसा नहीं कर सकते हैं तो आपको रीजनेबल बार बार वो क्वेश्चन इसी पॉइंट टेस्ट करता है वो कहेगा पूरे इंडिया में नहीं कर सकते तो तो आप कहना भैया रीजनेबल लिमिट्स नहीं नहीं है एक्सेप्शन तो में फॉल करेगा और क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा तो क्या रहेगा वाइड एग्रीमेंट रहेगा यानी अगर वो मुझे कहेगा सिर्फ एरिया में नहीं करेगा तो वैलिड माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा लिख देता हूं क्योंकि दोनों ही वी से चालू हो रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट अगर वो कहेगा पूरे इंडिया में नहीं करेगा तो क्या माना जाएगा वाइड माना जाएगा ठीक है Wide माना जाएगा एक्सेप्शन है कि पार्टनरशिप अगर एक कोई पार्टनर partner, पार्टनरशिप से छोड़कर जा रहा है तो वो चाहे तो बाकी पार्टनर से जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ये साइन कर सकता है कि मैं सिमिलर बिजनेस मैं सिमिलर बिजनेस जो है वो कुछ पीरियड के लिए या लोकल लिमिट्स स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में नहीं करूंगा यानी अगर तीन लोग पार्टनर थे ए बी सी तीन लोग पार्टनर थे उसमें से सी उस जा रहा है तो सी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि अब मैं मतलब आप उसे ये नहीं कह सकते कि जीवन भर नहीं कर सकता या आप ये नहीं कह सकते पूरी कंट्री में नहीं कर सकता पूरे शहर में नहीं कर सकता तो रीजनेबल लिमिट लगाओगे तो वैलिड रहेगा वरना क्या रहेगा रीजनेबल लिमिट लगाओगे तो वैलिड रहेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर रीजनेबल लिमिट नहीं होगी तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सेम दूसरा पॉइंट है अगर पार्टनर जो है जा नहीं रहा है में ही है जैसे कि बी और ए कौन कौन फॉर्म में बचा था कौन कौन में बचा था मेरे बच्चा ए बी फॉर्म में बचे थे तो ए और बी आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम दोनों पार्टनरशिप के फॉर्म का कॉम्प्यूटिंग बिजनेस नहीं करेंगे रीजनेबल लिमिट्स में तो वो भी वैलिड माना रहेगा ओके एंड लास्ट एम्प्लॉई अगर आप किसी के एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉयर आपको मना कर सकता है आपको मना कर सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस करने के लिए जैसे एक डॉक्टर ने एक प्रेशर डॉक्टर को अपॉइंट करा एज एम्प्लॉय प्रेशर डॉक्टर ठीक है एक डॉक्टर है जो एक्सपीरियंस है उसने एक प्रेशर डॉक्टर को रखा ताकि ये बंदा काम सीख सके मेरे पास आके लेकिन ये डॉक्टर क्योंकि ये एज एम्प्लॉय रखा था तो आप अपने एंप्लॉ को मना कर सकते हो कि भैया तू मेरा कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेगा जब तक तू क्या है मेरा एम्प्लॉई है तो जब तक तू मेरा एम्प्लॉई है तब तक तू कॉम्पीटिंग नहीं कर सकता ये आप डाल सकते हो वैलिड रहेगा वैलिड रहेगा ओके सर ओके सर ये मैंने सारे समझा दिए हैं नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सर व्हाट इज दिस ये तो आपको इसी से ही समझ जाएगा एग्जाम्पल ही ए ने बी को गुड सेल करे और बी ने ए को कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा मान लीजिए दस हजार लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन डाल दी इन्होंने क्या लाइन डाल दी इस कॉन्ट्रैक्ट में यह लाइन डाल दी कि दोनों पार्टी में से अगर कोई भी अपना वादा तोड़ता है तो हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर नहीं जाएंगे क्या क्लॉज डाल दिया कि नो केस कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट इन द केस ऑफ ब्रिज यानी ए अगर अपना वादा तोड़ती है तो बी कोर्ट में नहीं जाएगा और बी अगर अपना वादा तोड़ता है तो ए तो यानी आप लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर रॉक लगा रहे हो यानी उसके जो लॉफुल राइट दिए हुए वो आपने मना कर दिए तो लॉ कह रहा है भैया ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा क्या रहेगा वाइड माना जाएगा यानी वो केस कर सकता है अगर आपने किया भले ही लिखा हुआ भी हो उसमें तब भी वो केस कर पाएगा इससे फर्क नहीं पड़ता है ओके okay, सर एक और जो कि इंपॉर्टेंट है क्या लखनऊ का पर्सन है एक और एक अलाहाबाद का पर्सन है ए ने लखनऊ के पर्सन ने अलाहाबाद को बोला कि भैया मैं गुड्स सेल करूंगा तुझे अब क्योंकि ये लखनऊ का है तो अगर वादा टूटता है तो लखनऊ के कोर्ट में भी जा सकता है और अलाहाबाद के कोर्ट में भी तो यानी आप अलाहाबाद में भी जाके केस फाइल कर सकते हो और लखनऊ में भी केस फाइल कर सकते हो अगर कोई पार्टी अपना वादा तोड़ देती है तो बट लॉ कहता है ए और बी ने ये एग्री करा कि अगर हम वादा तोड़ते हैं ब्रीच करते हैं यानी वादा तोड़ते हैं तो केस सिर्फ और सिर्फ अलाबाद कोर्ट में फाइल होगा लखनऊ में फाइल नहीं होगा लखनऊ में नहीं सिर्फ और सिर्फ जबकि लॉ ने राइट दोनों का दिया हुआ है बट यहां पे क्या कहा गया है कि सिर्फ अलाहाबाद में होगा इन्होंने ये डिसाइड करा तो क्या ये भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा या नहीं द आंसर इज नो बिकॉज अभी भी कोर्ट में जाने का राइट right तो बचा हुआ है ना तो इसीलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे तो, तो भले ही अलाहाबाद के पास जाओ क्या फर्क पड़ता है बट कोर्ट में तो जा पा रहे हो ना तो ये आपका क्या हो गया मेरे बच्चा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट देर आर टू एक्सेप्शन देर आर टू एक्सेप्शन एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ आप डाल सकते हैं क्या डाल सकते हैं आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ सर आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ क्या होता है कई बार क्या होता है जब ब्रीच होता है ना जब भी कॉन्ट्रैक्ट में से कोई पार्टी हटती है तो ब्रीच होता है तो ये दोनों पहले ही डिसाइड करते हैं कि कोर्ट में जाके लग जाता है टाइम कोर्ट में जाने से लगता है टाइम लगता है पैसा तो ये कहते हैं हम क्या करेंगे एक आर्बिट्रेटर को बिठा लेंगे एक ऐसे समझदार बंदे को बिठा लेंगे जो बंदा दोनों की बात सुनेगा और बता देगा कि कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है तो लॉ कहता है अगर आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालते हो तो वो वैलिड है यानी आप सीधा कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाना चाहते हो आर्बिट्रेशन के मामले से भी खुश हो इससे क्या होगा जो कोर्ट में केसेस है वो ही जाएंगे है ना और ये थर्ड पर्सन होता है ये आर्बिट्रेटर इन दोनों से इन्फ्लुएंस नहीं होता ये क्या होता है एक थर्ड पर्सन होता है ये एकदम सही सुनकर बताता है कि क्या है लेकिन अगर आप इससे भी खुश नहीं हो तो आप कोर्ट चले जाते हो बट सबसे पहले नॉर्मली आजकल जो लोग हैं वो ये वाला कंटेंट डालते ही हैं ये वाला क्लॉज डालते ही है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि भैया आर्बिट्रेटर होना चाहिए ताकि कोर्ट में जाने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बच जाता है इस प्रोसेस से तो यही इन्होंने लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पार्टीज एग्री कि अगर कोई लड़ाई हमारे बीच में होती है तो हम कोर्ट में पहले नहीं पहले कहां जाएंगे आर्बिट्रेशन में जाएंगे यानी किसी पार्टी को पकड़ेंगे तो यह क्या होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ठीक है या डिस्प्यूट हो गया या कोई क्वेश्चन हो गया डिस्प्यूट लड़ाई भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज को लेकर या कोई क्वेश्चन आ गया कॉन्ट्रैक्ट में कि कौन सही है कौन गलत है उसके लिए भी आप जा सकते हैं आर्बिट्रेशन में ओके सर नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है एग्रीमेंट जिसका मीनिंग

हेयर ऑयल चाहिए कह रहा सर देख के लग तो रहा है उसे हेयर ऑयल चाहिए बट जरूरी नहीं है ना बेटा वो तो मैंने फोटो ऐसी एग्रीमेंट तो वॉइड रहेगा क्योंकि टाइप ऑफ ऑयल नहीं पता बट वही अगर मान लो अब्दुल की दुकान पे सिर्फ कोकोनट ऑयल ही मिलता है अगर अब्दुल डीलर है कोकोनट ऑयल का ही तो बताने की जरूरत ही नहीं है बताने की जरूरत ही नहीं है एग्रीमेंट फिर वैलिड रहता है यानी अगर अब्दुल बहुत सारे ऑयल बेचता है तो वाइड एग्रीमेंट होगा क्योंकि हमें नहीं पता कौन से टाइप का ऑयल लेकिन अगर अब्दुल सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता है तो उसे समझ जाएगा कि मेरी दुकान पर आया है, तो कोकोनट ऑयल ही लेना चाहता होगा क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही अपनी दुकान पर रखता हूं एक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट एक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट अगर आपका जो वादा है वो शुरू से ही इम्पॉसिबल है तो हम उसे वाइड एग्रीमेंट बोलते हैं जैसे ए ने बी को वादा किया कि तुम मुझे अगर एक लाख रुपए दोगे तो मैं मैजिक करके खजाना ढूंढ दूंगा ये शुरू से ही पॉसिबल नहीं है ये शुरू से ही पॉसिबल नहीं है कि जादू से खजाना ढूंढा जा, जा सके वरना ये एक लाख रुपए लेके ढूंढता ये तो खुद ही ढूंढ लेता ना भैया ये तो खुद ही ढूंढ लेता ये आपसे एक लाख रुपए क्यों लेता तो हम इसको बोलेंगे ये ये एग्रीमेंट है है बिकॉज़ परफॉर्म नहीं हो सकता लेकिन कई एक्ट जो है वो इंपॉसिबल बनता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद उसको हम वाइड एग्रीमेंट नहीं हम उसे क्या कहते हैं वाइट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज अर्लियर वैलिड बट अब वो वाइड हो चुका है जैसे ए ने अपनी बकरी बी को बोला दस हजार में बेचेगा दस दिन बाद कह रहा एग्री कर लिया कि दस दिन बाद मैं आपको अपनी बकरी बेच दूंगा बट पांचवे दिन बकरी जो थी वो मर गई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया ड्यू टू सुपर इम्पॉसिबिलिटी यानी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो क्या हो गया मेरे बच्चा वाइड हो चुका है सुपर वेनिंग सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो इस केस में है यानी शुरू से ही इम्पॉसिबल था अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है तो मैं कहता हूं ये वाइड एग्रीमेंट है और अगर मेरे बच्चा सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी होती है तो मैं कहता हूं ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है दोनों ही केस में क्या मतलब है दोनों ही केस में मतलब है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में अब नहीं जा सकते इसमें आप पहले जा सकते थे बट अब आप वो हक खो चुके और इसमें तो आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा नहीं सकते थे ओके सर ओके सर हा नाउ हेयर कम्स द वेजरिंग एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट भी एक वाइड एग्रीमेंट का ही पार्ट है ठीक है वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं सिंपल सी बात है होती है, जैसे, जैसे, जो नॉर्मली आपकी बुक में पहले एग्जाम्पल देखते हैं वो लेंगे फिर मैं जो अपना बनाऊंगा वो लेंगे ए ने बी को बोला अगर आज बारिश हुई तो मैं तुझे पचास हजार दूंगा और अगर बारिश नहीं हुई बारिश हुई तो मैं तुझे पचास हजार दूंगा और बारिश नहीं हुई तो तू मुझे पचास हजार देना दिस इज अजनिंग एग्रीमेंट दोनों को ही बारिश से कोई लेना देना नहीं है दोनों को बारिश से कोई लेना देना नहीं है भैया दोनों को ही बारिश से कोई लेना देना नहीं है बस शर्त लगा ली कि भैया क्या भैया अगर हो गई तो पचास हजार तू मेरा लॉ कहता है ये वाइड है वाइड मतलब क्या क्या लॉ ने इसे प्रोहिबिट करा हुआ है क्या आप ऐसा कर नहीं सकते हो नहीं ऐसा नहीं है लॉ ने कहा अगर बारिश हो गई और पैसे नहीं दिए तो आप हमारे पास मत आना कोर्ट में आके कि भैया देखो इसने मुझसे ऑफर भी किया था एक्सेप्टेंस भी हुआ था और ये देखो पैसे नहीं दे रहा कोर्ट के दरवाजे बंद है आप करते रहो हम मना नहीं कर रहे हमने इसे इलिगल नहीं कहा है, हमने इसे प्रोहिबिट नहीं करा हमने बस ये कहा है कि हमारे पास मत आना वाइड मतलब हमारे पास मत आना कोर्ट ऑफ लॉ में आके तुम ये नहीं कह सकते कि सर इसने मुझसे वादा किया था बारिश होगी तो पचास हजार दे रहा है अब ये बारिश हो गई तो पचास हजार क्यों नहीं दे रहा है इससे कहिए मुझे पचास हजार देगा लो कह रहा है हम इसे दिलवा नहीं पाएंगे लो क्या दिलवा नहीं पाएंगे अब मेरे या नहीं बच्चे ने अबे, का उस दिन भी नहीं आया था मुझे नहीं लगता आ अच्छा तो एक बच्चे ने कहा दूसरे बच्चे को कि चौदह तारीख को अगर गुरप्रीत सर का लेक्चर आया तो मैं तुझे हजार रुपए दूंगा और वो कह रहा है अगर नहीं आया तो कह रहा मैं तुझे हजार रुपए दूंगा वैसे जरूरी नहीं है दोनों का प्रॉमिस इक्वल होना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुझे सौ रुपए दूंगा और वो हजार दे रहा है तो इस चीज पे भी आपने बैटिंग कर ली कि गुरपीत सर का लेक्चर आज आएगा या नहीं आएगा चौदह तारीख को आज आएगा या नहीं आएगा दोनों चार बजे बैठे हुए हैं पीसी के भैया आएगा नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा ओ माई गॉड लेक्चर तो आ गया तो क्या हुआ बच्चे को देना पड़ा बट उसने देने से मना कर दिया कह रहा मैं क्यों दूं मैं नहीं दूंगा

रुपए की लगी चल अगर लड़की बल्टी तो मैं तुझे तीन सौ दूंगा नहीं बल्टी तो मैं तुझे गई तो मैं दू ना दू, कोई नहीं, में, वो में नहीं जा सकता है। Now, First, होना चाहिए क्या पैसे देने का या पैसे की वर्थ मतलब काइंड में भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है या तो आप पैसे दो या में दो ठीक है और प्रॉमिस जो है वो कंडीशनल होना चाहिए कंडीशनल मतलब कि इवेंट होगा तो तू जीतेगा और इवेंट नहीं होगा तो मैं जीतूंगा इट शुड बी बेस्ड ऑन दी कंडीशन कि ये हुआ तो मैं जीतूंगा नहीं हुआ तो तू जीतेगा वैसा देयर मस्ट बी और वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए वो इवेंट क्या होना चाहिए अनसर्टेन होना चाहिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वी डोंट नो बट अगर वो इवेंट हंड्रेड परसेंट श्योर है कि होगा हो ही होगा तो वो आप बैटिंग वो वेजर नहीं माना जाता है. जो होने ही वाला है उस पर वेजरिंग नहीं हो सकती है अच्छा कितनी पार्टी होनी चाहिए मिनिमम दो पार्टी चाहिए और हर पार्टी के पास जीतने और हारने का चांस होना चाहिए आई एम नॉट अबाउट द प्रोबेबिलिटी की फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होनी चाहिए उससे लेना देना नहीं है बस प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसकी नाइनटी हो इसकी टेन हो हो सकता है इसकी फिफ्टी हो इसकी फोर्टी फिफ्टी uh, हो गई तो इसकी भी फिफ्टी हो गई ना यार फोर्टी हो इसकी सिक्सटी हो परसेंटेज ऑफ विनिंग और लूजिंग आई एम जस्ट कि दोनों पार्टीज के पास जीतने या हारने का चांस होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी जीत सकती है और दूसरी पार्टी सिर्फ हारेगी तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है ठीक है okay. और बैटिंग की इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज का शर्त लगाने की इंटेंशन होनी चाहिए और उस इवेंट में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जैसे बारिश हो, हो बारिश हो रही है नहीं हो रही है उससे मुझे क्या लेना देना बारिश हो रही है या नहीं हो रही है उससे मुझे क्या लेना देना हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है ये लड़की पलट रही है नहीं पलट रही है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है तो अगर आपका इवेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो लॉ कहेगा भैया क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा उस इवेंट में इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है तो ओके सर नाउ कुछ ऐसे केसेस जो वेजर माने जाएंगे और लॉ ने कहा ये वॉइड है जैसे कि लॉटरी लॉटरी जो होती है वो वाइड है सर लॉटरी वाइड है क्यों बिकॉज लॉटरी जो है चांस से जीती जाती है आप लॉटरी की टिकट खरीद तो हो सकता है जीतो हो सकता नहीं नॉर्मली लोग हारते ही है लॉटरी में एक ही बंदा जीतता है करेक्ट तो नॉर्मली जीत हार चलती रहती है लॉटरी में बट सर हमारे यहां तो लॉटरी बिकती है अगेन अगर आपके यहां पे लॉटरी मिल रही है तो मैंने कब कहा कि लॉटरी इलीगल है मैंने नहीं कहा लॉटरी गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है चलाने का बट वो वाइड है मतलब अगर सामने लॉटरी वाला बंदा पैसे नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो कि भैया पैसे लेना है बस इतनी बात मैं आपसे कर रहा हूं ठीक है तो यहां पे आपका गैम्बलिंग का मोटिव होता है करेक्ट और ये वेजर होता है कई बार लॉटरी जो होती है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हुई यानी जो आपके स्टेट में आप दुकानें देखते हो लॉटरी की वो सरकार ने अप्रूव करी हुई है वो फिर भी वेजरिक ट्रांजेक्शन है वो फिर भी बस इतना फर्क पड़ता है कि वो लीगल है तो देखिए मान लीजिए आपके घर के पास दो लॉटरी की दुकानें हैं लॉटरी वन लॉटरी टू लॉटरी वन के पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है और लॉटरी टू के पास गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है ठीक है लॉटरी वन के पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है वो वाइड है वो वाइड है यानी अगर आप जीत भी गए तो केस करके पैसा नहीं निकलवा सकते हैं बट लॉटरी टू के केस में मेरे बच्चा लॉटरी टू के केस में उसके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल भी नहीं है तो लॉ कह रहा है ये वाइड तो है ही है साथ में ये जो बंदा धंधा कर रहा है ना ये इलीगल भी है इसे जेल भी कर सकते हैं तो ये वाइड और इलीगल

एट दी रेट ऑफ रुपीज ट्री मंथ आफ्टर थ्री मंथ ठीक है बी को बी ने भी एग्री कर लिया तीन महीने बाद तीन महीने बाद क्या हुआ थ्री महीने बाद मार्केट प्राइस टमाटर का है सोलह रुपए पर के जी यहाँ पे बारह रुपए पर के जी था एग्रीमेंट में और मार्केट में सोलह अब ए और बी ना सच में टमाटर नहीं लेना चाहते थे वो क्या करना चाहते थे देखना ए ने कहा भाई तू मुझे 12 रुपए पे टमाटर देने वाला है मार्केट में 16 के मिल रहा है यानी तू 16 में खरीद के मुझे 12 बार, रुपए में देगा तो तुझे कितने का नुकसान होगा चार रुपए का नुकसान होगा 4 इंटू हजार के जी यस और नो ये चार रुपए तू मुझे पे कर दे ये मुझे टमाटर नहीं चाहिए मुझे ये जो सेटलमेंट करके मुझे सिर्फ चार हजार दे दे मैं अपने चार में खुश हूं। सच में किसी ने ना टमाटर खरीदे ना बेचे सिर्फ क्या किया स्पेकुलेट किया कि कि मार्केट का प्राइस क्या होगा कि बढ़ेगा कि गिरेगा और दोनों एग्रीमेंट में आए और ये क्या है ये प्योर सट्टेबाजी है प्योर क्या है मेरे बच्चा वेजरिंग एग्रीमेंट है क्लियर है क्या सबको यस और नो लेकिन यही सर अगर सच में लेता तो अगर वो सच में खरीद लेता थाउजेंड के जी रुपए में तो क्या होता देखिए अगर सिर्फ सेटलमेंट किया है विदाउट परचेस मैंने नहीं खरीदे सिर्फ नेट सेटलमेंट कर लिया तो वेजर होता है और अगर मैंने एक्चुअली परचेस करे हैं टमाटर अगर मैंने एक्चुअली वो परचेस करे हैं तो वो क्या होगा नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट नॉट अ वेजर मतलब एक वैलिड रहेगा तो अगर सच में खरीदे हैं तो वैलिड रहता है नॉर्मली सर हजार के कौन खरीदता है मैं बताता हूं ना

अगर आपका प्राइस पांच रुपए से कम है तो वो वेज रिंग है अगर आपका प्राइस पांच से कम है मतलब अगर सौ रुपए तो है तो वेज रिंग है फोर नाइन नाइन है वेजरिंग है जैसे ही पांच सौ रुपए होगा नोट वेजर और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा पांच सौ से कितना भी ऊपर होगा वेजर होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सर लेकिन ऐसा क्यों सर ये भी तो सट्टेबाजी है हॉर्स रेसिंग में फिर ऐसा क्यों है कि पांच तक की लिमिट है मेरे बच्चे ये लिमिट लिखी गई थी 1872 में उस टाइम पे 500 बहुत बड़ा अमाउंट होता था तब राजा महाराजा लोग करा करते थे 500 की बैठे बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा होता था। तो लेकिन नहीं हुई है इसलिए ऐसी भैया पड़ी, है। है। है है। पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है जो पड़ा हुआ हमें पढ़ाना पड़ रहा है चलिए बात करते हैं कुछ खेलों की आइए गेम्स अगर आप कोई क्रॉसवर्ड पजल कोई गेम्स कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन ये सब करते हैं क्या वो वेजनिंग एग्रीमेंट है या नहीं है लॉ बोलता है क्या आपका गेम लक या चांस के ऊपर डिपेंडेंट है या स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है क्या आप जो खेल खेल रहे हैं उसमें लक काम करता है ताज खेल रहे हैं तीन पत्ती खेल रहे हैं तो उसमें लक काम कर रहा है लेकिन वहीं अगर सुडोकू खेल रहे हैं तो उसमें स्किल काम कर रही है करेक्ट तो लॉ कहता है अगर लक वाला गेम है तो वो तो प्योरली वेजरिंग एग्रीमेंट है क्योंकि उसमें स्किल नहीं लग रही है प्योरली सट्टेबाजी है प्योरली आपने करी है लेकिन अगर स्किल है तो पूछो कि प्राइस कितना मिलने वाला है अगर प्राइस हजार रुपए तक है टू थाउजेंड है तो वेजरिंग नहीं मानेंगे लेकिन हजार रुपए से ज्यादा है तो वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा और उसे हम क्या कहेंगे वाइड कहेंगे ओके सर ओके सर चलिए

और मंथ के एंड में मंथ के एंड में जिसकी भी चिट्ठी निकलती है उस लकी विनर को यह पैसा दे दिया जाता है मानिए एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने लोग हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठों लोग क्या करेंगे हजार हजार रुपए हर महीने डालेंगे ऐसा एग्री होगा हजार हजार रुपए डालेंगे आठ हजार हो जाएंगे पहले मंथ में चिट्ठी निकाली जाएगी मान लो डी की चिट्ठी निकलेगी तो किसे आठ हजार रुपए किसे मिलेंगे, किसे मिलेंगे? D को मिल जाएंगे ठीक है अब डी का नाम अगले महीने से नहीं डाला जाएगा उस डब्बे में जिसमें से चिट्ठी निकाली जाती है अगले महीने फिर से सारे लोग पैसा डालेंगे से फिर से आठ हजार इकट्ठे होंगे फिर चिट्ठी निकाली जाएगी मान लो इस बार निकला तो ए को आठ हजार मिल जाएंगे अब ए का नाम कट जाएगा बाकी की चिट्ठी डाली जाएगी तो सिंपल आठ महीनों में सबको आठ आठ हजार रुपए मिलते हैं बस इससे सर फिर फायदा क्या होता है इससे ये फायदा होता है कि आपको पैसा एक साथ मिल जाता है नहीं तो नॉर्मली इकट्ठा करना मुश्किल होता है तो चिटफंड में आपको पैसा एक साथ ये वो नहीं है अनुराधा फंड कि इक्कीस दिन में पैसा डबल उसकी बात यहां पर हो नहीं रही है ओके सर ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन या शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन जिसमें हम एक्चुअल डिलीवरी ले लेते हो गुड्स की यानी जो टमाटर की अगर सच में डिलीवरी ले ली तो वो वेजर नहीं कहा जाता है वो वेजर नहीं कहा जाता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेजर होता है कि नहीं क्योंकि उसमें भी तो यही होता है ना कि भैया अगर मेरी गाड़ी मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया तो अगर मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो मुझे पैसे मिलते हैं और नहीं हुई तो मुझे पैसे नहीं मिलते बट मेरा प्रीमियम तो चला जाता है ये तो लॉटरी की तरह है

अपने आप को बचाना नहीं चाहते आप पैसा कमाने की इंटेंशन रखते हो यहाँ पे आप अपने लॉस को बचाने की इंटेंशन रखते हो ठीक है इंश्योरेंस इसलिए ले जाता है कि अगर कोई एकदम से बड़ा खर्चा आ गया या कोई बुरी चीज हो गई तो मेरे पास पैसा होना चाहिए सेव करके चलते हो जबकि बैटिंग आप इसलिए करते हो कि आप अमीर बनना चाहते हो बैटिंग से ओके सॉखे जॉन जो जॉन जॉन चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है लेमन लैंग्वेज में समझे तो दो पार्टीज के अलग अलग वादे होते हैं करेक्ट अपने अपने पार्टी वादे होते हैं तो अगर उसमें से एक भी पार्टी अपना वादा निभाने से मुकर जाती है तो हम कहते हैं भैया उसने क्या कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया लेट्स टेक वन एग्जाम्पल देखिएगा ए ने बी से वादा किया ए ने बी से वादा किया कि मैं तुझे अपना घर दूंगा और बी ने भी बदले में वादा किया करेक्ट कि मैं तुझे अमाउंट दूंगा कितना अमाउंट दूंगा भैया रुपीज टेन लैख रुपीज टेन लैख दूंगा ओके तो ए का वादा क्या था घर देना और बी का वादा क्या था दस लाख रुपए देना ठीक है अब ए मुकर गया ए ने कहा भैया मैं घर नहीं दे सकता सॉरी बी आई कैन नॉट गिव यू हाउस जबकि एग्रीमेंट हो गया था वादा हो चुका था कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था बट ऐसा हुआ तो ब्रीच हो गया यहां पे हम कहेंगे ए ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को ए ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है ए ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को ए ने अगर ब्रीच कर दिया तो ए होगी ए कौन सी होगी बेटा ए होगी डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने डिफॉल्ट किया है डिफॉल्टिंग पार्टी बोलेंगे हम इसको इसने डिफॉल्ट किया है करेक्ट और बी कौन माना जाएगा बी तो अपना वादा निभाना चाहता था पैसे दे के घर लेना चाहता था बी को हम बोलेंगे एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है एग्रीव्ड पार्टी ठीक है तो लॉ कहेगा लॉ कहेगा कि एग्रीव्ड पार्टी ए को ए को घसीट कर कोर्ट ले जा सकती है यानी ए के अगेंस्ट केस कर सकती है बिकॉज ए ने क्या कर दिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और वो सारे राइट्स बी वो सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है जो लॉ ने उसको पावर दी है जो लॉ ने उसको पावर दी है सेकंड एग्जांपल देखते हैं ए ने बी को हाउस का वादा करा और बी ने ए को दस लाख का वादा करा करेक्ट अरे सर ये तो सेम एग्जांपल है बेटा सेम एग्जांपल है लेकिन स्टोरी थोड़ी अलग है इस बार बी ने मना करती है भैया पहले ए ने मना करा था पहले वाले एग्जाम्पल में इस बार बी ने ब्रीच करा और क्योंकि मेरे बच्चा बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो लॉ क्या कहेगा बी कौन हो गया आप डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई करेक्ट और ए कौन हो जाएगी इस केस में एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगी और ये एग्रीव पार्टी अब केस कर सकती है कर सकती है केस फाइल कर सकती है बी के अगेंस्ट तो दोनों ही पार्टी में से जो भी पार्टी अपना प्रॉमिस निभाएगी नहीं निभाएगी तो हम कहेंगे भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ सो ब्रीच मीन ऑफ फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस या ऑब्लीगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ आपको कुछ लीगल रास्ते राइट देता है रेमेडीज देता है जो आप क्या कर सकते हैं गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट कर सकते हैं इसको डिफॉल्टिंग भी गिल्टी पार्टी भी कहते हैं इसको डिफॉल्टिंग पार्टी को हम लोग गिल्टी पार्टी भी कहते हैं क्योंकि इसने गलत काम किया है ओके सर नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं मेरे बच्चा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ओके सर एंटीसिपेटरी ब्रीच जो होता है वो हो सकता है एक्सप्रेस हो और हो सकता है इंप्लाइड हो बट सर पहले ये तो बताओ कि एंटीसिपेटरी ब्रीच होता क्या है देखो एंटीसिपेटरी ब्रीच को पहले के एग्जांपल से समझते हैं एंटीसिपेटरी को देखिए उदय भाई कह रहे हैं आलू ले लो गुंगरू भाई को आवाज सुनाई दी कि कोई आलू बेच रहा है तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 अप्रैल की बात थी 1 अप्रैल को उदय भाई जो वेजिटेबल सेलर हैं करेक्ट जो वेजिटेबल सेलर हैं एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रेक्ट विद घुंगरू भाई फॉर डिलीवरिंग कह रहा है मैं तुम्हें पांच सौ किलो आलू दस रुपए के जी के भाव से दस अप्रैल को दे दूंगा तो एक अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस अप्रैल को आपके पास पांच सौ किलो आलू पहुंच जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट एक तारीख को तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी तारीख को हुआ फर्स्ट अप्रैल लेकिन परफॉर्मेंस कब करनी है परफॉर्म कब करना है वादा मेरे बच्चा टेंथ अप्रैल को करना है टेंथ अप्रैल को करना है अब अप्रैल को उदय भाई ने गुंगरू भाई को फोन करा और फोन करके कहा कि भाई मैं सॉरी मैं माफी मांगता हूं मैं तुम्हें 500 किलो आलू नहीं दे सकता हूं तो इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोलते हैं करेक्ट यानी डेट आने से पहले परफॉर्मेंस की तारीख से पहले ही है ना अभी तारीख आई कहां थी जब वादा करना था पांच अप्रैल को ही उसने क्या कर दिया अपने वादे से वो मुकर गया सो दिस इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यस सर और ये कौन से टाइप का था एक्सप्रेस टाइप का था क्योंकि इसको बाय वर्ड्स कम्युनिकेट किया गया था ओवर अ फोन कॉल सेकंड एग्जांपल लेते हैं सेकंड एग्जांपल देखिए अक्षय ने अक्षय ने वादा करा कॉन्ट्रैक्ट करा राकेश के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करा राकेश के साथ कि मैं तुम्हें अपनी ब्लैक गोट बेचूंगा मैं तुम्हें क्या बेचूंगा अपनी काली बकरी बेचने के लिए रेडी हूं तो एक जुलाई को अक्षय ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी काली बकरी एक लाख रुपए में एक अगस्त को दूंगा कब दूंगा एक जुलाई को एक जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और परफॉर्म कब करना था एक अगस्त को यानी अगले महीने ठीक है अब हम्म <laughs> सॉरी पे अगस्त 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 आएगा 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 मेरे बच्चा ठीक है करेक्ट कर लिया हमने हाँ, अगस्त को वादा पूरा करना था अब अगस्त अगस्त को को क्या हुआ अक्षय ने अपनी बकरी राकेश की जगह कादर भाई को दे दी कादर भाई को दे दी हम इसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रिज बिकॉज दस अगस्त आने से पहले ही डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने से पहले ही हमने अपना वादा तोड़ दिया दस अगस्त आने से पहले ही हमने अपना वादा तोड़ दिया तो लॉ कहेंगे एंटीसिपेटरी और ये एक्सप्रेस था या इंप्लाइड राकेश को बताई गई क्या ये बात नहीं ये इंप्लाइड ब्रीच है क्योंकि अगर उसने अपनी बकरी किसी और को बेच दी है तो अब ये पक्का है कि वो सेम बकरी राकेश को बेच नहीं पाएगा दस अगस्त को तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंप्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो तो वट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की रिफ्यूज कर देती है मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से अपना वादा परफॉर्म करने से करेक्ट ठीक है मना कर देती है ओके okay? हाँ, हाँ, बिफोर द ड्यू डेट यहां लिख लेंगे हा कहा गया ये रहा यस एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर टाइम फॉर परफॉर्मेंस टाइम्स यानी परफॉर्मेंस आने से पहले अगर आप मना कर देते तो एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है ये एम्प्लाइड भी हो सकता है दोनों के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं सर मुझे ये बताइए जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उदय और घुंगू भाई के साथ करेक्ट उदय और घुंगरू भाई में एंटीसिपेटरी ब्रिज हुआ पांच तारीख को उसने मना कर दिया तो अब घुंगू भाई के पास क्या ऑप्शन है देखो नाउ घुंगू भाई को लॉ दो ऑप्शन देता है इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी कितने ऑप्शन देता है दो ऑप्शन देता है ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन वो ऐसा मान ले ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड आप कैंसिल मानिए कॉन्ट्रैक्ट के और सामने वाले के ऊपर केस कर दिए फ्यू फॉर डैमेजेस फ्यू फॉर आप सामने वाले के ऊपर डैमेजेस के लिए केस कर दीजिए इमीडिएटली यानी आप कॉन्ट्रैक्ट को इमीजिएटली कैंसिल मानिए कॉन्ट्रैक्ट को इमीजिएटली कैंसिल मानिए और उसके ऊपर केस कर दीजिए यानी घुंगू भाई आप लगे पांच तारीख को ही पांच तारीख को ही उदय भाई के ऊपर केस कर देंगे और दूसरा ऑप्शन देता है लॉ कहता है अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप क्या करिए वेट करिए वेट करिए सर किस दिन का एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस का यानी दस तारीख का हमारे केस में दस तारीख का वेट करिए एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानिए लगेज केस कर दीजिए या आप क्या करिए वेट कर लीजिए एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस सर अगर हमने वेट करा अगर हमने वेट करा तो इसका क्या मतलब है वेट करा सर उसने तो मना कर दिया ना फिर हम वेट क्यों कर रहे हैं आप वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दिल में लगता है कि वो प्रू वो अपना वादा पूरा कर दे शायद वो अपना वादा पूरा कर दे अब मान लीजिए आपने वेट करा तो 10 तारीख को तीन चीजें हो सकती हैं आपने वेट करा 10 तारीख को तीन चीजें हो सकती हैं पहली चीज उदय ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया यानी आपको आलू दे दिए आपको मतलब किसको घुंगरू भाई को प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया ये पहला ऑप्शन है आप भी तो यही चाहते थे कि वो वादा परफॉर्म कर दे आपने इसीलिए तो वेट करा था आपको आपके आलू मिल गए गए आप खुश हो हो सेकंड वो क्या कर सकता है दस को? हो सकता है है अप्रैल को उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए यानी कोई इंपॉसिबिलिटी आ जाए मैं ये कहना चाहता हूं कोई इंपॉसिबिलिटी आ जाए तो अगर इंपॉसिबिलिटी आ गई अगर इंपॉसिबिलिटी आ गई मान लो उसकी फैक्ट्री में आग लग गई तो फैक्ट्री में मान लो या उसके गोडाउन में मान लो फैक्ट्री मान लो गोडाउन फैक्ट्री क्या करेगा इसमें

तो भी केस नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया लास्ट ऑप्शन बचता है इंपॉसिबिलिटी भी नहीं आई और उदय ने परफॉर्म भी नहीं करा उदय डिड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस दस तारीख तक हमने वेट करा डेट ऑफ शेड्यूल तक हमने वेट करा बट उसने परफॉर्म नहीं करा तो हम क्या करेंगे अब हम रेमेडीज को लगाएंगे अब हम उसके ऊपर केस करेंगे अब हम उसके ऊपर केस करने वाले हैं क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यानी जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर टू एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए वेट करो वेट करो मतलब कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं माना जाएगा अगर आप वेट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अलाइव माना जाएगा और जब आप कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव करते हैं तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी डेट ऑफ दस अप्रैल मतलब डेट ऑफ

कमिंग्स टू द एक्चुअल ब्रिज नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रिज सर एक्चुअल ब्रिज क्या होता है एक्चुअल ब्रिज होता है एक्चुअल ब्रिज होता है जब आप डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन ही मना कर देते हो जब आप डेट ऑफ परफोर्म मेंस वाले दिन मना कर देते हो वो होता है मेरे बच्चा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ ऑन शेड्यूल डेट यानी आप जिस दिन परफॉर्म होने वाला था उसी दिन आपने मना कर दिया तो वो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा और अगर आपका परफॉर्मेंस लंबे समय तक चलने वाला था सपोज मैंने आपको कहा तीन माले की बिल्डिंग बना दो करेक्ट और तीन माले की बिल्डिंग बनाने में आपको छह महीने लगते हैं आपने तीन महीने तो बनाई लेकिन फिर आगे आपने दो माले बना दिए लेकिन तीसरा माला अभी भी बाकी था और आप चले गए तो लॉ कहेगा यह भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यानी एक्चुअल ब्रीच के दो टाइप होते हैं एक जब आप डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन स्टार्ट करने से पहले ही मना कर देते हो उसी दिन मना कर देते हो या जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो बीच में कहीं आके आप परफॉर्मेंस को क्या कर देते हो रोक देते हो यानी एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग परफॉर्मेंस सो नॉट परफॉर्मिंग द कंप्लीट प्रॉमिस अगर आप अपना पूरा वादा नहीं निभाते हो यह भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है देखो सेम एग्जाम्पल लिया मैंने आपको दिमाग में डालने के लिए वहां पे कब वादा टूटा था चार अप्रैल को यहां वादा टूटा है दस अप्रैल को दस तारीख ही डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी और दस तारीख ही डेट ऑफ ब्रीच है तो यहां पे अब हम एंटीसिपेटरी नहीं बोलेंगे यहां पे अब हम इसको क्या बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच बोलेंगे क्योंकि दोनों अब उसने पहले नहीं बताया उसी दिन बताया जिस दिन परफॉर्म करना था ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है हा 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 यह हमारे ब्रह्मा जी है ये हमारे ब्रह्मा जी है ठीक है इन ये बहुत बड़े बार के मैनेजर है या मान लीजिए पब के मैनेजर है इन्होंने पब्लिक की डिमांड पर ढिंचक पूजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ढिंचक पूजा के गाना गाएगी दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर दिलों का शूटर तो ढिंचक पूजा के साथ ये वाला गाना उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारे यहाँ गाना ढिचक पूजा को और बोला क्या बोला तुम हर सैटरडे एंड संडे आना हम तुम्हें एक करोड़ रुपए देंगे एक गाने का हर एक गाने का जब तुम सैटरडे का होगा ना एक करोड़ रुपए देंगे है ही इतनी फेमस हमारी मैम आपको क्या पता है ना अगले तीन महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट है यानी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ मंथ के के लिए के लिए बेटा आप आना हम तीन महीने के आपको देना हम आप गाने सुनना चाहते हैं एक करोड़ रुपए देना चाहते हैं अब क्या हुआ फर्स्ट सैटरडे एंड संडे वो आई सेकंड सैटरडे एंड संडे वो आई लेकिन थर्ड सैटरडे को पूजा जी ढिंचक पूजा अरे सॉरी मिस नहीं ढिंचक लिख देता हूं है ना आई शुड गिव रिस्पेक्ट राइट पूजा ने विलफुली एबसेंट कर दिया यानी वो उस दिन नहीं आई हम इसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसने अपना वादा तोड़ दिया है इसने अपना वादा तोड़ दिया है और जब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वादा टूटता है तो कोर्ट कहता है आपके पास दो ऑप्शन है या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लीजिए और आगे के तीन महीने अब पूजा को मत बुलाइए या उस बिचारी को माफ कर दीजिए और अगले संडे से फिर से यानी वो सैटरडे नहीं आई कोई बात नहीं बट संडे से फिर से आ रही है तो उसको बुला लीजिए यानी आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और कंटिन्यू भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ये आपकी मर्जी है लेकिन दोनों ही केसेस में आपको डैमेजेस तो मिलेंगे क्यों क्योंकि सैटरडे रात को जो आपने टिकटें बेची होंगी और वो नहीं आई तो आपका नुकसान हो गया ना आपको तो जूते पड़ गए ना तो लॉ कह रहा है सैटरडे को जो आपको नुकसान हुआ चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो आगे के महीनों के लिए लेकिन दोनों ही केस में आपको डैमेजेस मिलेंगे दोनों ही केस में आपको डैमेजेस मिलेंगे और अगर आपने एक बारी एक बारी ढिंचक पूजा को वापस अलाउ कर दिया कॉन्टिन्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को उसको आने को तो आप दोबारा सेम ग्राउंड पर

रेमेडीज लॉ हमें कुछ हक देता है करेक्ट फाइव राइट देता है राइट वन राइट राइट थ्री राइट फोर एंड राइट फाइव तेरा टोटल फाइव रेमेडीज जो हमें लॉ देता है ठीक है इन दोनों को पहले मैं आपको साथ पढ़ाऊंगा फिर इन दोनों को साथ पढ़ाऊंगा एंड फिर यह तो अपने आप में ही एक बहुत अलग विषय है तो पहले इन दोनों को पढ़ते हैं डैमेजेस क्या होते हैं रिसिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं देखना ए ने बी को हाउस देने का वादा किया था और बी ने ए को टेन लाख देने का वादा किया था ए बाद में अपने वादे से पलट गया उसने घर देने से मना कर दिया तो बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मान लेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसल हो गया मतलब रिजाइंड हो गया है रिजाइंड हो गया है और बी को अब ए को दस लाख देने की जरूरत नहीं है यानी अगर A मुझे घर नहीं दे रहा है तो बी भी दस लाख रुपए को नहीं देगा क्योंकि उसे बदले में घर नहीं मिलने वाला है दिस इज नोन एज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल्ड मान लीजिए और आपको अपना वादा भी अब निभाने की जरूरत नहीं है जब सामने वाली पार्टी अपना वादा नहीं निभा रही है जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मानेगा वो क्या करेगा केस करेगा किस चीज का केस करेगा डैमेजेस के लिए केस करेगा अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ तो उसका वो कंपनसेशन मांगेगा सर कंपनसेशन कैसे निकालते हैं सर डैमेजेस कैसे निकालते हैं समझेंगे मेरे बच्चा लेट्स अंडरस्टैंड इन लैंग्वेज मिस्टर श्याम और मिस्टर राम में कॉन्ट्रैक्ट था क्या कॉन्ट्रैक्ट था देखिए मिस्टर श्याम ने राम को बोला कि मैं तुझे हजार एप्पल दूंगा रुपए पर एप्पल के हिसाब से कितने एप्पल दूंगा भैया लिख लेता हूं इधर हजार रुपए रुपए नहीं हजार एप्पल्स. कितने पे दूंगा एट दुपीज फाइव पर एप्पल ठीक है यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब बाद में क्या हुआ केस वन एप्पल जिस दिन देने थे उस दिन शाम ने यानी सेलर ने मना कर दिया कि हम एप्पल नहीं देंगे ओ हो 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 एप्पल देने से मना कर दिया बट राम को तो एप्पल जूस पीना था तो एप्पल लेने ही थे तो उसने मार्केट से सात रुपए पर एप्पल खरीदे यानी क्योंकि क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं मिल पाए तो मार्केट से मैंने कितने पे लिए सात रुपए पर एप्पल लिए यानी मुझे क्या हो गया लॉस हो गया कितना लॉस हो गया बेटा दो रुपए पर एप्पल का लॉस हो गया तो लॉ कहेगा दो रुपए पर एप्पल इन टू थाउजेंड एप्पल दो हजार रुपए आपका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान वो कंपनसेशन शाम राम को देगा वो कंपनसेशन शाम किसको देगा राम को देगा ये तो देगा ही देगा डैमेज इस तो देगा ही देगा सात में करेक्ट प्लस जो केस करने की कॉस्ट आएगी लीगल कॉस्ट आएगी लॉजिकली वो वो भी देगा कि नहीं देगा कि उसकी वजह से ही तो मुझे उसके ऊपर केस करना पड़ा तो मैं डैमेजेस भी लेता हूं और नॉर्मली उससे लीगल कॉस्ट भी लेता हूं ठीक है अब देखिए सेकंड एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल, पहले शाम पलटा था अब इस केस में मैंने राम को पलटवा दिया राम ने खरीदने से मना कर दिया शाम को शाम तो हजार एप्पल लेके पहुंच गया था कि ये लो भैया हजार एप्पल ले लो बट राम ने कहा नहीं नहीं मुझे अब जरूरत नहीं है इन एप्पल की क्योंकि राम, राम ने अगर एप्पल लेने से मना कर दिया तो अब शाम उसे एप्पल नहीं देगा करेक्ट लेकिन डैमेजेस तो लेगा सर डैमेजेस कैसे निकाले जाएंगे इस केस में मान लो राम ने अगर मना कर दिया तो शाम मार्केट में जाके बेचेगा और शाम ने मार्केट में चार रुपए पर एप्पल के हिसाब से बेच दिए पहले वो सेब पांच रुपए पर एप्पल के हिसाब से बिकने थे लेकिन क्योंकि राम ने लेने से मना कर दिया तो चार रुपए पर एप्पल के हिसाब से वो बिके तो यानी कितना लॉस हो गया वन रुपीज पर एप्पल का लॉस हो गया इन टू थाउजेंड थाउजेंड रुपीज का लॉस हुआ ये थाउजेंड रुपीज हम राम से रिकवर करेंगे शाम भैया राम से रिकवर करेंगे केस टू, अगर एप्पल दस रुपए के बिक जाते मार्केट में तो क्या होता हम तो पांच में बेचना चाहते थे हम तो पांच रुपए में बेचना चाहते थे बट मार्केट में मजा आ गया भाई साहब बेचने गए तो किसी ने दस रुपए दे दिए पर एप्पल बल्कि फायदा हो गया नुकसान की जगह फायदा हो गया तो अब आप इनसे डैमेजेस नहीं लेंगे राम से कोई भी डैमेज नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे राम से कोई डैमेज क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है कोई नुकसान नहीं हुआ है तो कंपनसेशन किस बात का सर अगर पांच रुपए में ही बिकते तो उसने मना किया मैंने मार्केट में बेचे पांच के ही बिक गए पी को तो क्या होता तो भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो जब आपको नुकसान नहीं होता है तो लॉ कहता है हम आपको डैमेजेस नहीं देंगे बिकॉज डैमेजेस इज नथिंग बट अ कंपनसेशन अच्छा सर सर ये बताओ अगर मार्केट में हम गए लेकिन वो बिके ही नहीं हमें कोई बायर मिला ही नहीं उन सेबों को खरीदने वाला तो क्या होता वो सड़ जाते वो खराब हो जाते तो बेटा आप पूरा का पूरा पांच इंटू हजार पांच हजार रुपए आप पूरे के पूरे उनसे लेते पांच हजार रुपए पूरे के पूरे उनसे लेते ऐसा ही तो होता है जब आप जोमैटो पे खाना ऑर्डर करते हो तो उन्हें पता है कि अब आपके लिए खाना बनाया गया था अब आप उसे लेने से मना कर रहे हैं तो जोटो वाले को पता होता है कि अब ये खाना किसी के काम नहीं आएगा इसलिए वो आपसे पूरा का पूरा पैसा ले लेते हैं ओके okay, सर क्या आपको डैमेजेस निकालने आ गए या नहीं आए सर आ गए अब देखिए इसको पढ़ते हैं क्या बोला है जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो पार्टी जो सफर करेगी यानी जिसका नुकसान होगा उस ब्रीच की वजह से जिस भी पार्टी का नुकसान होगा वो दूसरी पार्टी से यानी दूसरी पार्टी कौन जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो एक पार्टी जिसका नुकसान हुआ है और दूसरी पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो कंपनसेशन लेगी कंपनसेशन लेगी किस चीज का कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज जो उसको हुआ है उस, उस ब्रीच की वजह से और यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है इसको देखना अरे सर आपने पेन चेंज करा कांट बिलीव इट विच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग यानी हम सिर्फ कौन से डैमेजेस देंगे जो नेचुरली होने ही होने थे जो हम डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं नेचुरली जो होने ही होने थे और स्पेशल नेचुरली और स्पेशल ठीक है तो डायरेक्ट डैमेजेस ठीक है नेचुरली और स्पेशल ओके okay? और इनडायरेक्ट डैमेजेस इनडायरेक्ट डैमेजेस यानी जो डायरेक्ट नहीं होते हैं अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये आपको कभी भी नहीं मिलते हैं इनडायरेक्ट डैमेजेस लॉ अलाउ नहीं करता है डायरेक्ट डैमेजेस अलाउ करता है बट डायरेक्ट में भी कौन से नेचुरली वाले तो मिल ही जाते हैं बट स्पेशल वालों के लिए एक प्यारी सी कंडीशन है जो हम आगे देखने वाले हैं तो नाउ कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ डैमेजेस तो कितने टाइप है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल सिक्स टाइप ऑफ डैमेजेस है मतलब जनरल डैमेज स्पेशल कलर चेंज कर लेते हैं हाँ 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 स्पेशल डैमेज विंडिक्टिव सबको धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं पहले जनरल और स्पेशल समझाता हूं पहले जनरल और स्पेशल समझाता हूं। एक केस स्टडी के जरिए एक केस स्टडी के जरिए आपको जनरल डैमेजेस कैसे निकालते हैं और स्पेशल डैमेजेस कैसे निकालते हैं वो निकालना सिखाता हूं ठीक है सर क्या हुआ एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे वन थाउजेंड वाटर बोटल बेचूंगा कितने में बेचूंगा 5 पर बोटल एट द रेट पांच रुपए पर बोटल यानी वाई का वादा था मैं तुझे पांच रुपए दूंगा हर बोटल के हिसाब से और तू मुझे हजार वाटर बोटल्स देगा यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई के बीच ठीक है एक्सड ने एक्स को ठीक है अब क्योंकि इसको आगे हजार वाटर बोटल देनी थी तो एक्स ने Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि Z देगा हजार वाटर मिस्टर X को और वो भी किस रेट पे? दी रेट पे एट द पर वाटर बोटल तो देखिए तभी तो बिजनेस होगा ना भैया दिस इज कॉल्ड बिजनेस Z से खरीद रहा है साढ़े चार रुपए में आगे बेच रहा है पांच रुपए में पचास पैसे पर बोटल पर कमाएगा यानी पांच का फायदा होने वाला था अब हुआ क्या जिस दिन तारीख आई जेड ने अपना वादा नहीं निभाया जिस दिन तारीख आई जेड ने अपना वादा नहीं निभाया और उस दिन मार्केट में रेट चल रहा था पांच रुपए पर पैसे पर बोतल ये रेट चल रहा था ये रेट चल रहा था ये मार्केट प्राइस था उस दिन का जिस दिन हमें डिलीवरी लेनी थी और जेड अपने वादे से मुकर गया यानी जेड ने ब्रीच कर दिया तो कितने डैमेजेस एक्स लेगा जेड से वो आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं जनरल डैमेज निकालना जनरल डैमेज कैसे निकालेंगे मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रेक्टेड प्राइस इनटू क्वांटिटी मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रेक्टेड प्राइस इनटू क्वांटिटी मार्केट प्राइस कितना है पांच रुपए पच्चीस पैसे कॉन्ट्रेक्टेड प्राइस कितना था इससे कितने में लेनी थी साढ़े चार में साढ़े चार में माइनस फोर पॉइंट फाइव जीरो कितनी बॉटल लेनी थी इनटू थाउजेंड is इक्वल टू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा इन टू हजार कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना साढ़े सात सौ रुपए सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज एक्स जेड से लेगा क्या ये बात आपको क्लियर हो गई ये बात हमें क्लियर हो गई ठीक है ये मैंने आपको जनरल डैमेजेस निकालने सिखा दिए कि जनरल डैमेजेस कैसे निकालने बट स्पेशल डैमेजेस सर स्पेशल डैमेजेस डैमेजेस क्या होते हैं स्पेशल मतलब अब देखो ने X को बोतल नहीं दी इस वजह से एक्स जो प्रॉफिट कमाने वाला था एक्स जो प्रॉफिट कमाने वाला था क्या वो लूज कर गया योर yes नो no. क्या वो प्रॉफिट लूज कर गया तो लॉ कहता है अगर आप ये बात अगर ये बात एक्स रेड को पहले से ही बता देता कि मैं आपसे बोतल इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे वाई को देने हैं तो वो होता किसके लिए special damages के लिए तो देखिए अगर रेड को पहले ही बता देते तो क्या केस होता अगर एक्स रेड को पहले ये बात बता देता कि मैं हजार बोतल इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे वाई को देनी है तो हम स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे स्पेशल डैमेजेस कैसे निकालेंगे स्पेशल ठीक है स्पेशल डैमेजेस कैसे निकालेंगे यहां पे मुझे बताओ हम कितने में बेचने वाले थे वाई को पांच रुपए में बेचने वाले थे और हमें कितने में पढ़ने वाली थी साढ़े चार रुपए में पड़ने वाली थी इन टू थाउजेंड और नो तो ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई रुपीज फाइव हंड्रेड ये हमारे क्या हो जाएंगे मेरे बच्चा स्पेशल डैमेजेस हो जाएंगे ये हमारे स्पेशल डैमेजेस हो जाएंगे क्लियर है क्या यस और नो ठीक है आपका आंसर देता है ना तो भैया तो बताया तो है तो वो पैसा कौन देगा करेक्ट बट ठीक है जितना इंस्टीट्यूट ने बताया उतने तक ही चलते हैं सर लेकिन ये क्या लिखा हुआ है हार्डले वर्सिस बैक्स चलिए इसकी स्टोरी बताता हूं आपको क्या हुआ था मेरे बच्चे से स्टोरी में देखना एक पर्सन था जिसने एक मशीन का स्पेयर पार्ट दिया था मशीन का स्पेयर पार्ट दिया था और उसने किसको दिया था ट्रांसपोर्टर को दिया था और बोला था क्या बोला था कि भैया इसे जाके एक जगह पे दे दो सपोज इसको यहां पे भेजना था ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजना था मशीन का स्पेयर पार्ट दिया था अब ट्रांसपोर्टर ने वो कहा कि मैं ये तीन दिन में पहुंचा दूंगा ट्रांसपोर्टर ने क्या कहा मैं ये तीन दिन में पहुंचा दूंगा बट किसी कारण की वजह से ये सात दिन में पहुंचा किसी कारण की वजह से कितने दिन में पहुंचा सात दिन में पहुंचा तो सात दिन में पहुंचा यानी डिले हो गया वादा आपने किया था तीन दिन में पहुंचा दोगे बट सात दिन में पहुंचा ठीक है इस पर्सन ने इस ट्रांसपोर्ट कंपनी पे केस कर दिया क्या केस कर दिया कह रहा है इस मशीन स्पेयर पार्ट की वजह से मेरी पूरी फैक्ट्री बंद थी करेक्ट मेरी पूरी फैक्ट्री क्लॉज थी और क्योंकि मेरी फैक्ट्री क्लॉस थी इस वजह से पहले ये तीन दिन क्लॉज रहने वाली थी बट इनकी वजह से ये सात दिन क्लॉज रही तो ये जो एडिशनल दिन मेरी फैक्ट्री क्लॉज रही इसका जो प्रॉफिट का लॉस हो गया मुझे ये जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये मैं इनसे रिकवर करना चाहता हूं बट कोर्ट ने कहा अरे भैया ट्रांसपोर्टर को क्या खा रहे थे कि भैया तुम्हारी मशीन की वजह से इस मशीन स्पेयर पार्ट की वजह से पूरी फैक्ट्री बंद है उसके हिसाब से तो भैया सिर्फ स्पेयर पार्ट को वहां से से वहां था था उसको थोड़ी पता था कि इसकी वजह हाँ, तो अलग बात होती है तो आप स्पेशल डैमेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं वरना आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं सो so, यहां पे देखिए जनरल डैमेजेस कौन से होते हैं ऐसे डैमेजेस जो नेचुरली होते हैं जो सीधा कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं लेकिन स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जो अगर स्पेशल सरकम से होते हैं और आपने सामने वाली पार्टी को उसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए सर क्यों इंपॉर्टेंट बिकॉज बार बार अगर वो ब्रीज पे पूछता है तो इसी पे पूछता है कि सामने वाली पार्टी को नहीं पता था तो कितने डैमेज मिलेंगे तो स्पेशल डैमेज नहीं मिलता है फिर सिर्फ कौन सा डैमेज मिलता है मेरे बच्चा जनरल डैमेज मिलता है नाउ गोइंग टूवर्ड्स विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डेमेजेस और एग्जाम्पलरी डेमेजेस सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ दो केसेज में दिए जाते हैं विंडिकटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में दिए जाते हैं फर्स्ट केस होता है जब आप मैरिज का वादा करके मैरिज का वादा करके हट जाते हो और दूसरा केस होता है जब चेक हो जाता है। ये आपके सर हैं गुरप्रीत समोसे बड़े फैन है मुकेश भाई इनके समोसों के बहुत बड़े फैन है तो मुकेश भाई ने क्या किया मिस्टर मुकेश बाइस ट्वेंटी समोसा फ्रॉम गुरप्रीत समोसे रुपीज इन्होंने मुझसे बीस समोसे लिए इन टू थर्टी और 600 सौ रुपए के समोसे खरीद लिए बड़े आदमी है तो अपने पास कैश नहीं रखते हैं अपने पास कैश नहीं रखते हैं। हमेशा चेक बुक रखते हैं और इन्होंने मुझे छह सौ रुपए का चेक दे दिया कह रहे हैं ये लोग गुरप्रीत मैंने साइन कर दिया छे सौ रुपए का चेक तुम इसे क्लियर करा लेना मैं चेक बैंक में डिपॉजिट कराया और ये चेक जो था ना

क्योंकि मुकेश सर की जो इज्जत है जो इज्जत है वो मार्केट में क्या हो गई बिगड़ गई कि नहीं लोगों के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है अरे ये देखो ये छह सौ रुपए का समोसे के पैसे नहीं दे सकते हैं ये क्या ही करेंगे इनके साथ बिजनेस नहीं करना है इनकी रेपुटेशन खराब हो गई किसकी वजह से बैंक की वजह से जिसने इनका जो चेक है वो गलती से बाउंस कर दिया तो मिस्टर मुकेश केस कर सकते हैं करेक्ट कौन से डैमेजेस के लिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस के लिए किसके ऊपर बैंक के ऊपर करेक्ट क्योंकि उनकी जो मार्केट में बिजनेस में रेपुटेशन थी बिजनेसमैन के बीच वो क्या हो गई डैमेज हो गई और एक और बात बताता हूं इस केस में क्या होता है ना जितना छोटा चेक का अमाउंट होता है उतने ज्यादा डैमेजेस मिलते हैं सर इसका क्या मतलब है देखो अगर मुकेश सर 100 करोड़ का चेक देते वो बाउंस होता तो लोग समझ सकते थे अरे 100 करोड़ का बड़ा अमाउंट है इसलिए बाउंस हो गया लेकिन छह सौ रुपए का चेक बाउंस हो गया इससे उनकी रेपुटेशन पे ज्यादा बड़ा दाग लगा है तो लॉ कहता है जितना छोटा चेक

देखो क्या हुआ मेरे बच्चा क्या हुआ रणबीर ने कैटरीना से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा ठीक है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ बट फिर क्या हुआ फिर रणबीर भाई ने आलिया से शादी कर ली जिसकी वजह से मैरिज का प्रॉमिस ब्रीच हो गया वादा किया रणबीर ने कैटरीना को और शादी करी आलिया से नाउ कैटरीना की यहां पे फीलिंग्स को हर्ट हुआ लॉ कहता कैटरीना की यहां पे

गुरप्रीत समोसे वाले का चेक बाउंस हुआ छे सौ रुपए का और मुकेश अंबानी का छह सौ रुपए का चेक बाउंस हुआ दोनों में अलग अलग के अमाउंट मिलेंगे क्योंकि मेरी रेपुटेशन इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं है यार जितनी इन सर की है इसीलिए इनको डैमेजेस ज्यादा मिलेंगे और मुझे डैमेजेस कम मिलेंगे बिकॉज मेरी मार्केट में रेपुटेशन उतनी नहीं होगी मानते हो कि नहीं है बात सर मानते हैं आपकी रेपुटेशन तो नहीं है बता दो चलिए वापस चलते हैं वापस चलते हैं यस तो हमने जनरल डैमेजेस कर लिया स्पेशल डैमेजेस निकालना आ गया विंडिक्टिव डैमेजेस नॉमिनल डैमेजेस नॉमिनल डैमेजेस मतलब नाम के डैमेजेस ये सच में डैमेजेस नहीं होते हैं, ये सच में डैमेजेस नहीं होते हैं। सर इसका क्या मतलब है सिंपल सी बात देखो ए ने बी को एक लाख रुपए के गुड्स बेचने के लिए कहा था ठीक है तो बी ने कहा मैं तुझे एक लाख दूंगा ए ने कहा मैं गुड्स दूंगा बी अपने वादे से मुकर गया अब ये गुड्स मार्केट में ए ने किसी और को बेच दिए सी को मान लो एक लाख रुपए में ही बेच दिए क्या ए कोई लॉस हुआ ए को कोई लॉस हुआ एक लाख के बी को बेचने सी को बेच, बेच दिए क्या सच में कोई लॉस हुआ क्या सच में कोई डैमेजेस मिलने चाहिए इज नो देर कैन नॉट बी एनी डैमेजेस बिकॉज दोनों अमाउंट इक्वल है बट फिर भी ए ने बी के ऊपर केस कर दिया फिर भी ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कोर्ट ने कहा हां कोर्ट ने कहा हां मानते हैं कि बी गलत है बी ने ब्रीच करा है लेकिन क्योंकि तुम्हें कोई लॉस नहीं हुआ है तो हम तुम्हें डैमेजेस अवार्ड नहीं कर सकते है ना इसलिए हम तुम्हें नॉमिनल डैमेजेस दे रहे हैं नॉमिनल डैमेजेस मतलब मान लो कोर्ट ने कहा हम तुम्हें एक रुपया एज अ डैमेज दे रहे हैं सर लेकिन इससे क्या फायदा होगा सर एक रुपया लेने से क्या फायदा होगा अरे बेटा फायदा पता क्या होता है अब ए बी के ऊपर इसलिए केस कर रहा है यह प्रूव करने के लिए कि यह पार्टी सही नहीं है इससे यह पता चलता है कि ये पार्टी सही नहीं है बिजनेस लायक करने ये तो पलट जाती है भैया बिजनेस में चलता है कि आप अपने वादों से ना पलटो क्योंकि आपके वादे के ऊपर हम आगे दस जगह अपने कस्टमर को वादा करके बैठे होते हैं कि भैया परसों माल आ जाएगा परसों माल आ जाएगा और अगर आप हमें माल नहीं देंगे टाइम पे तो कस्टमर कहेगा अरे भैया आपने मैं दो दिन से चक्कर लगा रहा हूं आप तो कल कल करते जा रहे हैं, तो इससे मार्केट में रेपुटेशन बी तो क्या हो जाएगा बी के साथ गलत होगा इवन तो पैसे नहीं मिले बट एटलीस्ट प्रूफ तो हो गया कि गलती किसकी है बस यही होते हैं बेटा नॉमिनल डैमेजेस नॉमिनल डैमेजेस मतलब क्या प्लेटिव ने प्रूफ तो कर दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्लेंटिव मतलब जिसने केस किया था है ना? जिसने केस किया था बट इनफैक्ट उसको कोई भी लॉस या डैमेज नहीं हुआ नॉर्मली ये कितने के होते हैं रुपीज एक मान लो रुपीज दस मान लो इससे ऊपर ये नहीं दिए जाते दीज आर दी क्लियर है तो ये आपको चारों क्लियर हो गए अब चलते हैं डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कोस्ट बाय डीले डैमेजेस फॉर डिटोरेशन आपने किसी ट्रांसपोर्टर को किसी कैरियर को अपने गुड्स भेजने के लिए दिए और उसने अगर वो गुड्स डीले कर दिए अगर उसने वो गुड्स डीले कर दिए या वो रास्ते में खराब हो गए वो फिजिकली डैमेज हो गए या वो डीले हो गए जिसकी वजह से अब वो गुड्स सेल नहीं हो सकते हैं तो आप उस ट्रांसपोर्टर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप किससे क्लेम कर सकते हो उस ट्रांसपोर्टर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो क्योंकि उसने आपका सामान डिले कर दिया या उसने आपका सामान जो है खराब कर दिया जैसे मैंने टीवी एक जगह से दूसरी जगह भेजा और सामने वाले को मैंने बताया भाई इसके अंदर टीवी है और उसने तोड़ दिया रास्ते में तो बात है भैया उसने टीवी तोड़ा है तो मैं उससे तो पैसा रिकवर करूंगा कि नहीं करूंगा बिल्कुल करूंगा नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्री डैमेजेस दैट इज प्री डेमेजेस डैमेजेस इसको आप समझ गए ना तो एकदम क्लियर हो जाएंगे डैमेजेस देखो क्या होता है कई बार पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में ही यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही एडवांस मतलब टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये लिख लेती हैं कि अगर दोनों पार्टीज ने में से किसी ने भी ब्रीच करा दोनों पार्टीज में किसी ने भी ब्रीच करा तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा इतना पैसा आपको देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पहले से ही जो डैमेजेस फिक्स्ड हो जाते हैं केस वन ठीक है और ठीक है केस टू यहां लिख दूंगा छोटा बना दूंगा केस वन केस टू ए बी ए ने बी को बोला मैं तुझे गुड्स दूंगा ठीक है और बी ने कहा मैं तुझे तीन लाख रुपए दूंगा मैं तुझे तीन लाख रुपए दूंगा ठीक है इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो वो दूसरी पार्टी को एक लाख रुपए एज डैमेजेस पे करेगी एज डैमेजेस पे करेगी दिस इज केस वन तो हम इसको बोलेंगे प्री डैमेजेस प्री फिक्स डेमेजेस यानी एडवांस में ही डिसाइड होगा ठीक है फिर से ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया बी ने यहाँ पे गुड्स दिए यहां पे दो लाख रुपए और इन्होंने डिसाइड कर लिया भैया कि अगर किसी ने भी करा कराना तो वो दूसरी पार्टी को पंद्रह लाख रुपए देगी ब्रीच करने पे पंद्रह लाख डैमेजेस देंगी क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है ये पार्टीज तो कुछ भी डिसाइड कर सकती है हो सकता है वो जेनुअन कि सच में इतना हो क्योंकि damages क्या होता है लॉस होता है ना हो कई तो बार इसको हम नॉर्मली बोलते हैं पेनल्टी। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आप अपना वादा तोड़ेगा तो आपसे क्या ली जाएगी पेनल्टी ली जाएगी और ये पेनल्टी क्यों लगाई जाती है ताकि सामने वाली जो पार्टी है वो एकदम डरे वो डर जाए वो क्यों डर जाएगी क्योंकि भैया अगर नहीं करा तो इतना मैं पैसा देना पड़ जाएगा इसीलिए तो प्री प्रीफिक्स डैमेजेस वो डैमेजेस होती है जो पार्टीज पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि इतना अमाउंट ब्रीच के टाइम पे देना पड़ेगा पहले से ही डिसाइड होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं लिक्विडिटी डैमेजेस या दूसरा पेनल्टी लिक्विडिटी डैमेजेस क्या होता है लिक्विडिटी डैमेजेस मतलब कैलकुलेशन एडवांस में करी जाती है कि दोनों को कितना होगा अगर ब्रीच हुआ तो? ऐसा अमाउंट जिससे कि सामने वाला डर जाए उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुई पांच लाख रख देते हैं दस लाख रख देते हैं है ना तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स डैमेजेस अगर मैं बात करूं है ना? आगे भी मैंने डिस्कस करे हुए फर्स्ट इज लिक्विडी डेमेजेस सेकेंड इज पेनल्टी लिक्विडी रीजनेबल था ब्रीज के, के केस में। और पेनल्टी में क्या होता है अमाउंट आर्बिट्रली आर्बिट्रली मतलब मन से जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है मन से फिक्स कर दिया गया कि कितने डेमेजेस देने वाले हैं ठीक है थीके? डैमेजेस जो होता है वो इक्वल होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोबेबल डैमेजेस जो होने वाले जो एक्चुअल लॉस होने वाला है उसके आसपास होता है जबकि पेनल्टी बहुत ज्यादा बड़ी होती है कि जितना आपको डैमेज होने वाला होता है उससे बहुत ज्यादा रखी जाती है क्यों ज्यादा रखी जाती है ताकि आपके मन में टेरर आ जाए ताकि जो पार्टी ब्रीच कर रही है उसके मन में क्या आ जाए बेटा टेरर डर बना रहे और वो अपना वादा तोड़े ना जबकि लिक्विडिटी डैमेजेस सिर्फ जेनुअन अमाउंट होता है कि कितना डैमेजेस निकाला जाएगा कितना डैमेजेस निकाला जाएगा सर एक प्यारा सा एग्जांपल लो ना तो मजा आ जाए सर एक प्यारा सा एग्जांपल लो तो मजा आ जाए चलो तुम्हारे लिए एक प्यारा सा एग्जांपल ले रहा हूं बस हंड्रेड एप्पल्स एट दुपीज फाइव पर एपल ठीक है ओके बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन्होंने क्या करा इन्होंने देखा कि नॉर्मली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो मार्केट में रेट चल रहा होगा उस टाइम पे इन्होंने एस्टीमेट किया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो उस टाइम पे एस्टीमेटेड रेट था उस टाइम पे चल रहा होगा मान लीजिए सात रुपए पर एप्पल तो इन्होंने ऐसे कैलकुलेशन करके 100 डिफरेंशियल दैट इज ₹2 तो इन्होंने कहा ₹200 जो डैमेजेस है वो हम फिक्स कर दिए इन्होंने क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिए कि कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी तो एक दूसरे को क्या देगी अगर बी ने ब्रीच करा तो बी ए को देगा अगर ए ने ब्रीच करा तो बी को देगा दैट इज रुपए ये क्या है इसको हम बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हमने कैलकुलेट करके निकाले जो हमने कैलकुलेट करके निकाले हैं जबकि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि ए और बी एग्री करते चलो ऐसा करते हैं अगर किसी ने भी तोड़ा ना तो छे सौ रुपए छे सौ रुपए डेमेज रख देते हैं अब वो कैसे निकला नहीं पता बट पांच सौ रुपए के सेम है पांच सौ रुपए के सेम है छह सौ रुपए तो पेनल्टी रख दी तो इसको हम बोलते हैं पेनल्टी और ये दोनों ही पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि भैया प्री इसको भी प्रीफिक्स डैमेज बोलेंगे और इसको भी प्रीफिक्स डैमेज बोलेंगे सर मुझे ये बताइए कि अगर सच में ब्रीच हुआ तो कोर्ट क्या करता है कोर्ट क्या देगा क्या कोर्ट छ सौ रुपए अवॉर्ड कर देगा यानी छह सौ रुपए लेने देगा इज नो इंडिया में अलग है रूल और बाहर अलग है इंडिया में कोर्ट पता क्या करता है इंडिया में कोर्ट का प्रोसीजर रहता है इंडिया में वो कहता है वो लॉस निकालता है वो कहता है है रीजनेबल लॉस कितना पहले वो लॉस निकालता है ठीक है वो रीजनेबल लॉस कैलकुलेट करता है कोर्ट ठीक है लॉस कैलकुलेट करता है कोर्ट रीजनेबल लॉस कैलकुलेट करता है रीजनेबल लॉस कैलकुलेट करता है मान लो वो लॉस आया तीन सौ रुपए फिर देखता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट कितना है अमाउंट मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर अमाउंट मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर अमाउंट मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रीफिक्स सपोज आपने जितने भी आपने प्रीफिक्स डैमेजेस कितने करे थे दो सौ रुपए और पेनल्टी करी थी छे सौ रुपए दोनों केस लेके चल रहा हूं अगर आपने दो सौ रुपए लिखा था तो कोर्ट कहेगा विच एवर इज लोअर यानी आपको दो सौ रुपए अवार्ड कर देगा दो सौ रुपए अवार्ड कर देगा जो भी से जो भी से वो जो उसने निकाला कोर्ट ने रीजनेबल लॉस और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इंडिया में यही होता है विच इज लोअर हो जाएगा और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में छे सौ लिखा था और उसने तीन सौ निकाला तो विच इज लोअर आपको तीन सौ रुपए दे देगा तो यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट मेंशन है और जो कोर्ट ने कैलकुलेट करा उसमें से जो भी लोअर होता है वो कोर्ट क्या कर देता है अवॉर्ड कर देता है वो कोर्ट क्या करता है अवॉर्ड कर देता है तो इंडिया में देखो इंडिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है लिक्विडिटी डेमेजेस और पेनल्टी में कोर्ट क्या करता है रीजनेबल कंपनसेशन निकालता है लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं होती किससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखा है यानी सिंपल सा वो क्या कह रहा है रीजनेबल कंपनसेशन और प्री इज लोअर रीजनेबल कंपनसेशन और प्रीफिक्स लोअर जबकि बाहर के लॉ में इंग्लिश लॉ में अलग बात लिखी हुई है बाहर का लॉ बोलता है कि वो पहले चेक करता है कि प्री डैमेजेस है या पेनल्टी है अगर लिक्विडिटी डैमेजेस है तो वो दे देता है जो भी लिक्विडिटी डैमेजेस है उसको अवॉयड कर देता है जितने भी लिखे हुए हैं वो दे देता है बट अगर वो पेनल्टी है तो पेनल्टी को डिसरिगार्ड कर देता है कहता है ये कोई काम की नहीं है भाई आता है और एक्चुअल निक, लॉस निकाल के उसे वो दे देता है तो इंग्लिश लॉ में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इंडियन लॉ कहता है नहीं मुझे देखने की जरूरत नहीं मुझे तो सिर्फ ये देखना है कितना कंपनसेशन बनता था कितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दोनों में से कम कौन है वो दे देता हूँ बात हो गई खत्म बात हो गई खत्म क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यस सर तो हमने ये सारे डैमेजेस कवर कर लिए अब चलते हैं ठीक है लास्ट लाइन पे ये जो हम बार बार लिखे होते नो कंपनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस क्या आपको जनरल डैमेजेस मिलेंगे स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे विंडिक्टिव डैमेजेस मिलेंगे नॉमिनल मिलेंगे डैमेजेस फॉर ड्यूटोरेशन कोज बाय डीले मिलेंगे प्रीफि सब मिलेगा लेकिन कभी भी इनडायरेक्ट लॉस या रिमोट लॉस रिमोट भी वैसा ही होता है यानी दूर का लॉस दूर का लॉस रिमोट देखा ना दूर से चलाते हैं इसलिए उसको रिमोट कहते हैं तो दूर का लॉस या इनडायरेक्ट लॉस आपको कभी भी नहीं मिलेगा

कहीं पे जाके शेल्टर ले लीजिए कहीं आसपास होटल ढूंढ लीजिए और वहां पर रुक जाइए ठीक है अब रणवीर और आलिया बेचारे कहाँ मनाली जाने वाले थे कहाँ रास्ते में पड़े हुए हैं उन्होंने क्या करा उन्होंने क्या करा वो आ, ये बुक नहीं आएगा हाँ उन्होंने वॉक इन करा कोल्ड नाइट में रात को और वो एक होटल में गए और वहां पे उसे बुक कर लिया और क्योंकि वो बेचारी ठंड में चली तो आलिया को क्या लग गया ठंडी लग गई और उसे फीवर हो गया ठीक है अब रणबीर ने केस कर दिया किसके अगेंस्ट केस कर दिया ट्रेवल कंपनी के अगेंस्ट क्या कह रहा है हमें पर्सनल इनकनवीनियंस हुआ एक तो है ना इतना रात को चलना पड़ा पर्सनल हुआ होटल के चार्जेस लग गए हमारे जो नहीं लगते अगर वो का, बस ठीक बेचते तो और ऊपर से टीवर हो गया उसके मेडिकल खर्चा अलग है उसका मेडिकल खर्चा अलग है तो कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने क्या कहा भैया कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने कहा रणबीर तुम्हें पर्सनल इनकन्वीनियंस के पैसे मिलेंगे पर्सनल इनकन्वीनियंस जो हुआ है तुम्हें वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि बस डायरेक्ट है ये तुम्हें होटल के चार्जेस भी दिए जाएंगे तुम्हें होटल के चार्जेस भी दिए जाएंगे लेकिन बेटा मेडिकल एक्सपेंसेस के तुम्हें चार्जेस नहीं मिलेंगे सर क्यों नहीं मिलेंगे चार्जेस क्योंकि बेटा वो एक इनडायरेक्ट लॉस है और इनडायरेक्ट लॉस या रिमोट लॉस का कंपनसेशन कभी भी नहीं मिलता तो मेडिकल जो है चार्जेस वो आपको मिलने वाले नहीं हैं ऐसा लॉ ने बताया है क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया यस yes, सर तो हमने सूट फॉर डैमेजेस कर लिया रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नाउ लेट्स डिस्कस दीस टू दीस टू रेमेडीज ये क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन एक-एक एग्जांपल से समझते हैं देखिएगा हमारे बहुत बड़े इंडिया के डॉक्टर है मुन्ना भाई एम डॉक्टर और एक पेशेंट है आनंद बिचारा देखो इसकी तो आंखें भी नहीं खुली ऐसे पड़ा हुआ है अब हुआ क्या मुन्ना भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया आनंद के पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आनंद के साथ तो कर नहीं सकता बिकॉज आनंद बोल नहीं सकता लिख नहीं सकता है आप मान लीजिए आनंद के फैमिली मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या फॉर पांच करोड़ रुपए कह रहा मैं आपसे पांच करोड़ लूंगा और है ना और आपके आनंद की जो है सर्जरी कर दूंगा सर्जरी कर दूंगा इसे ठीक कर दूंगा ठीक है बट लेटर ऑन लेटर ऑन जब दिन आया तो मुन्ना ने आनंद को ट्रीट करने से मना कर कर दिया कह रहा रहा मैं इसकी सर्जरी कर रहा। तो अब पेरेंट्स आनंद के रोने लगे और दुखी होके कहा चले गए कोर्ट में चले गए और उन्होंने मुन्ना भाई के अगेंस्ट केस कर दिया ठीक है केस कर दिया अब यहां पर डैमेजेस मुझे बताओ आप यहां पर क्या डैमेजेस काम करेंगे क्या क्या आनंद बिचारा मर जाएगा तो क्या डैमेजेस काम करेंगे यहां पे डैमेजेस कंपनसेट नहीं कर सकते यहां पे तो हमें

डेमेज सही नहीं है मुन्ना भाई तुम अपना परफॉर्मेंस अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो जो तुमने किया था दैट इज टू ट्रीट टू ट्रीट आनंद सर एक और एग्जांपल ले लीजिए ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यस बेटा ले लेता हूं ए ने बी को कहा था कि मैं तुझे एक एंटीक आइटम बेचूंगा बी ने कहा मैं तुझे पांच लाख रुपए दूंगा ये एंटीक आइटम ये एंटीक आइटम इतनी एंटीक है कि और कहीं नहीं मिलती तभी तो एंटीक है है ना कहीं और नहीं मिलती अब जब ए से सामान लेने गए तो ए ने कहा नहीं, नहीं मैं नहीं दे रहा एंटीक आइटम है भैया मैं नहीं दूंगा ऐसे पांच लाख रुपए में तो यहां पे मुझे बताइए जब ये कहीं और अवेलेबल नहीं है बी इसे ही खरीदना चाहता है तो डेमेज काम नहीं करते तो एंटीक आइटम के केस में भी नॉर्मली जो होता है वो देखता है कि भैया कितनी जरूरत है और क्या देता है वादा किया है ना उसको निभा तुमने अरे ये तो गाना सा बन गया हे ए निभा दे तू अपना वादा निभा दे दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नेक्स्ट था सूट फॉर इंजेक्शन इसको समझते हैं सूट फॉर इंजेक्शन क्या होता है और फिर मैं इसको समराइज करूंगा देखिएगा यो यो हनी सिंह यो यो ने टी सीरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कह रहा है मैं नेक्स्ट पांच सालों के लिए आपके लिए गाने गाने, गाने वाला हूं मैं नेक्स्ट पांच सालों के लिए आपके लिए सॉन्ग्स गाने वाला हूं ओके लेकिन उसके साथ मैं उन पांच सालों में किसी और लेबल के लिए गाना नहीं गाऊंगा उन पांच सालों में मैं किसी और लेबल के लिए गाना नहीं गाऊंगा अगले पांच सालों तक सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के लिए गाना गाऊंगा लेकिन तीन साल बाद ही उसने क्या करा जी म्यूजिक के साथ गाना स्टार्ट कर दिया जी म्यूजिक दूसरे लेबल के साथ गाना स्टार्ट कर दिया तो टी सीरीज कोर्ट में जाएगा और कहेगा hey, कोट, हे कोर्ट हे कोर्ट मैं चाहता हूं कि तुम हनी सिंह के अगेंस्ट मुझे ऑर्डर ऑफ इंजक्शन दे दो मतलब क्या कि मना कर दो यो यो हनी सिंह को कि वो किसी और लेवल पे गाए वो किसी और लेवल पे गाए सर इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है देखो आप जानते हो कि प्रॉमिस दो टाइप के होते थे करेक्ट एक कुछ करना करेक्ट और आई शुड से टू डू और एक कुछ ना करने का भी प्रॉमिस होता है ठीक है नॉट टू डू Not to, to. जब कुछ करने का प्रॉमिस होता है और वो वो बंदा नहीं करता है तो आप करते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और जब वो ना करने का होता है तो आप करते हैं सूट फॉर इंजेक्शन मतलब जो उसने ना करने का वादा किया था उसे बोलो कि वो आप उसे करने ना लगे यानी हनी सिंह ने बोला था ना कि मैं किसी और के साथ गाने नहीं तो वो कोर्ट को कह रहे हैं कि कोर्ट एक ऑर्डर दे दो दो कि कि हनी सिंह को मना कर दो कि वो किसी और के साथ अगले पांच साल जो उसने वादा किया था वो निभाए और वो कहीं और इंजेक्शन क्लियर है क्या यस और नो जल्दी बताइए yes no? yes no? तो ये भी क्लियर हो गए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन लास्ट आता है सूट फॉर क्वांटम मेरियट लास्ट आता है सूट फॉर क्वांटम पहले इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्वांटम मेरिट का सूट क्या होता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यह होता है कि मैंने जितना काम किया है उसका मुझे उतना पैसा तो मिल जाना चाहिए हो सकता है मैंने पूरा काम ना कराओ बट मैंने जितना काम किया जितना मैं डिजर्व करता हूं ना उतना पैसा मुझे चाहिए साडा हक एथेरक लैंग्वेज में क्या साडा हक एथेरक मतलब जितना मैं डिजर्व करता हूं जितना मैंने ऑन करा है उतना तो पैसा मुझे मिलना ही चाहिए सर इसे समझाइए ना सर इसे समझाइए ना सर प्लीज प्लीज इसे समझाया बिल्कुल समझा देंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है देखो एग्जाम्पल देखो बॉब द बिल्डर और ये नॉडी है बॉब द बिल्डर ने बोला कि नॉडी मैं तेरे लिए देखना दस फ्लोर की बिल्डिंग बना दूंगा दस फ्लोर की बिल्डिंग बना दूंगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ठीक है तो मैं तेरे लिए दस फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा ऐसा बॉब द बिल्डर ने नॉडी को कहा और उसके लिए तू मुझे कितने देना दस लाख रुपए देना यह वादा हो गया अब बॉब द बिल्डर ने सिर्फ दो फ्लोर बना दिए थे बॉब द बिल्डर ने कितने फ्लोर बना दिए थे मेरे बच्चा दो फ्लोर ही बनाए थे अभी तक दो फ्लोर ही बनाए थे दो फ्लोर ही बनाए थे कि नोडी ने उसे मना कर दिया कि तू तो बाकी के फ्लोर और मत बना बाकी के आठ फ्लोर मत बना क्या यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया यस और नो यस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया यस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया क्योंकि नोडी ने मना कर दिया नाउ लॉ कहता है कि बॉब द बिल्डर ने जो दो फ्लोर बना दिए ये जो काम कर दिया इसको क्वांटम मैरिएट के प्रिंसिपल पे दो फ्लोर का पैसा तो मिलना चाहिए यानी दो फ्लोर का कितना पैसा होता है टेन लैख डिवाइड बाई टेन फ्लोर इज इक्वल टू वन लैख पर फ्लोर इज इक्वल टू वन लैख पर फ्लोर करेक्ट तो मैंने दो बना दिए तो बॉब द बिल्डर ने जितना काम कर दिया कितना काम कर दिया दो लाख का कर दिया करेक्ट दो लाख का कर दिया ये तो उसे मिलना ही चाहिए क्योंकि वो इतना डिजर्व करता है साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा अब उसको आठ फ्लोर और नहीं बनाने हैं करेक्ट बॉफ द बिल्डर को अब आठ फ्लोर नहीं बनाने हैं तो लॉ कहता है इसके लिए वो डैमेजेस क्लेम करेगा क्या आठ फ्लोर के क्यों आठ फ्लोर में उसका कुछ प्रॉफिट होगा करेक्ट आठ फ्लोर में उसका कुछ प्रॉफिट होगा तो जितना भी प्रॉफिट उसका लूज हो गया इसकी वजह से उसको लॉस हो गया उसके वो भी करेगा। तो जितना मेरा प्रॉफिट एलिमेंट है वो खो गया लेकिन दो फ्लोर जो मैंने काम कर दिया क्वांटम एरिएट कहता है उसका पैसा मुझे मिल जाना चाहिए क्वांटम एरियट कहता है उसका पैसा मुझे मिल जाना चाहिए ओके okay? तो देखिए क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना आपने काम कर दिया सर्विस जितना डिजर्व करती है उतना तो मुझे दे ही देना चाहिए ठीक है जब भी ब्रीच होगा तो आपने मैंने जितना काम भले ही हो सकता है सारा ना कराओ बट जितना भी काम करा है उसका मुझे कंपनसेशन मिल जाना चाहिए दैट इज कंपनसेशन फॉर द वैल्यू ऑफ डन जितना भी मैंने काम करा है ओके okay, सर और नॉर्मली ये डॉक्ट्राइन तब होता है जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है मतलब आप अपना वादे पूरे कर चुके थे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के और क्लेम जो होता है वो पार्टी करती है जो डिफॉल्ट में नहीं है जिसकी गलती नहीं है अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट ये केस में आता है एक दो तीन चार पांच ऐसे केसेस हैं जहां पे कि ये रूल लगता है आपके स्टडी मटेरियल में इसके एग्जांपल सारे नहीं दिए हुए हैं बट यहां पे मैं छह के छ एग्जांपल लेके चलने वाला हूं ओके okay, सर केस वन केस वन दैट इज कौन सा पढ़ा रहा हूं पहले जहां तो देखिए आरुही एक लिकर सेलर है और उसने राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या करने का आरुही ने कहा दस जनवरी को कि मैं तुम्हें पंद्रह जनवरी और बीस जनवरी को लिकर दूंगी आरुही ने पंद्रह लिकर को पंद्रह जनवरी को पंद्रह जनवरी को, को, को लिकर डिलीवर कर दी बीस जनवरी को करने ही वाली थी कि अठारह जनवरी को क्या हो गया लिकर बैन हो गया तो देखिए क्रोनोलॉजी समझिए साहब दस जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ दस जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ पंद्रह जनवरी को फर्स्ट लिकर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी लिकर की वो डिलीवर हो गई ठीक है अठारह जनवरी को बैन हो गया लिकर बैन हो गई यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बच्चों वाइड हो गया और 20 जनवरी को जो लेकर जानी थी अब जाएगी क्या वो नहीं जाने वाली है बीस जनवरी को जो लिकर जाने वाली थी वो अब नहीं जाएगी वो अब नहीं जाएगी ओके तो लॉ कहता है कि कि को कॉन्ट्रैक्ट लगा के कि ये जो तारीख को काम किया था ये जो पंद्रह तारीख को काम किया था उसका पैसा तो मिल जाना चाहिए बिकॉज उसने इतना काम कर दिया फॉर द वर्क ही हैज डन फॉर द वर्क शी हैज डन आई शुड से ठीक है सेकेंड वाला केस जहां पर लगता है जब आप कोई काम वॉलंट्री नहीं करते हो ग्रेसुअसली नहीं करते हो ठीक है तब तो देखिए अब्दुल, अब्दुल मुझे एक पैकेट मुझे एक मिल्क का पैकेट दे दो अब्दुल दौड़ता दौड़ता गया और गलती से एक की जगह दो मिल्क पैकेट दे आया एक देना था दो मिल्क पैकेट दे आया

तो अलग बात होती लेकिन अब आपको पैसा देना पड़ेगा ओके सर थर्ड कई बारी पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है काम करने से देखिए प्रेम के पास प्रॉपर्टी थी प्रेम के पास दो घर थे हाउस वन हाउस टू प्रेम के पास कितनी प्रॉपर्टी थी दो प्रॉपर्टी थी हाउस वन हाउस टू उसने बादशाह को एज एजेंट अपॉइंट किया तो प्रेम ने कहा hey बादशाह तुम मेरे एजेंट बन जाओ और मेरे दोनों घर बिकवा दो एजेंट ने एक घर बिकवा दिया और दूसरा घर वो बिकवाने ही वाला था दूसरा घर बादशाह बिकवाने ही वाला था कि भैया प्रेम ने उसकी एजेंट की रिलेशनशिप खत्म कर दी यानी उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी कह रहा आज से तू मेरा एजेंट नहीं है आज से तू मेरा एजेंट नहीं है तो लॉ कहता है मिस्टर प्रेम को हैज टू पे दी कमीशन ऑन सेल ऑफ वन हाउस यानी एक घर की कमीशन तो देनी ही पड़ेगी एज पर द रूल ऑफ क्वांटम मैरियट एज पर दी रूल ऑफ क्वांटम मैरियट क्लियर है क्या नाउ इन दी केस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो कैसे चलेगा तो देखिए मिस्टर शर्मा सेलर है मिस्टर वर्मा बायर है किस चीज के सेलर है भैया देखे मिस्टर शर्मा ने कहा हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन टू मिस्टर वर्मा एट अ प्राइस ऑफ हजार रुपए पर बेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम तुम्हें सौ बेल देंगे हजार रुपए पर बेल पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दो इंस्टॉलमेंट में जाएंगे पहले पचास बेल जाएंगी फिर पचास बेल जाएंगी शर्मा ने पहली इंस्टॉलमेंट भेज दी थी पहली इंस्टॉलमेंट बेल्स की चली गई वर्मा के पास लेकिन केस वन शर्मा दूसरी इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया दूसरी इंस्टॉलमेंट बेचारा भेज नहीं पाया कह रहा मैंने एक भेज दिया बट दूसरी नहीं भेज पाया तो लॉ पता क्या कहेगा कह रहा तुमने एक भेज दी शर्मा ने एक भेज दी तो एक का पैसा तो इसे मिल ही जाएगा यानी फिफ्टी बेल्स का पैसा मिल जाएगा लेकिन सर जो बाकी की फिफ्टी नहीं भेज पाया बाकी की फिफ्टी नहीं भेज पाया शर्मा उसने तो ब्रीच कर दिया ना क्या शर्मा ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया यस यस और नो सर शर्मा ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वर्मा उससे डैमेजेस क्लेम करेगा क्योंकि वर्मा कहीं और से वो पचास बेल खरीदने वाला होगा तो ही विल बी एलिजिबल फॉर जनरल डैमेजेस फ्रॉम शर्मा बट शर्मा इज एलिजिबल फॉर दी 50 बेल्स का पैसा जो वो भेज चुका है आपको समझना पड़ेगा मिले शर्मा की वजह से तो वो क्या करेगा डेमेजिस क्लेम करेगा लेकिन शर्मा जी क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना क्वांटम क्वान्ट मेरियट के हिसाब से कहेगा जो काम मैंने कर दिया उसका पैसा दे दो ठीक है ओके केस टू अगर वर्मा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने से मना करता तो क्या होता तो शर्मा जी पचास तो शर्मा जी पचास बेल्स जो उन्होंने पहले दी थी उसका क्वांटम मेरिएट से पूरा पैसा लेंगे और बाकी पचास बेल्स जो वो भेजने वाले थे उसके जनरल डैमेजेस लेंगे Clear है क्या? यानि यहां पे ट भी चलेगा और जनरल पचास में भेज चुका था तो उसका पैसा दे दो और क्युं गए वर्मा जी तो मेरा लॉस हो गया आपकी वजह से तो मैं कंपनसेशन लूंगा डैमेजेस के ओके सर ओके सर एंड लास्ट इज लमसम अगर लमसम अमाउंट है तो क्या होगा इसको ध्यान से समझेंगे स्लो लेता हूं थोड़ा लमसम अमाउंट वाला देखिएगा भैया मजनू भाई के बहुत बड़े फैन है अलोन भाई ने मजनू को बोला अरे मजनू क्या तू मेरी दस, पेंटिंग दे? मैं तुझे दस करोड़ दूंगा। भाई ने कहा हाँ आपकी पेंटिंग देंगे, दस, करोड़ में। लेकिन आपको दस बारी मेरे शोरूम में स्टूडियो में आना पड़ेगा, जहां मैं पेंटिंग बनाता हूं अब हुआ क्या मजनू भाई डिनाइड टू कंप्लीट द पेंटिंग केस वन सेकंड सिटिंग हुई अलोन मुस्काए कि हाँ हाँ मेरी पेंटिंग कंप्लीट करो एलोन ने मजनू कह दिया अरे मैं नहीं मैं नहीं बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊंगा ठीक है ऐसा कह दिया तो किसने ब्रीच कर दिया मजनू ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मजनू ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया पहली बात मुझे बताइए क्या मजनू ने अगर सिर्फ कान बनाया होगा सपोज मान लो चेहरे का कान ही बनाया था पूरी पेंटिंग में क्या इसे कोई पैसा मिलना चाहिए क्या सिर्फ कान बनाने का कोई पैसा अलोन क्या ये ये कह सकता है अरे भैया मैंने जितना काम किया कान बना दिया दस करोड़ की पेंटिंग थी चेहरा बनाना था तो एक करोड़ का कान भी तो होगा तो एक करोड़ दे दो धान सर इस नो बिकॉज ये इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है यहां पे पैसा कैसे मांग सकता है यहां पे अगर पूरा होता तो ही मांग पाता यहां पे अगर पूरा होता तो ही मांग पाता ऐसे वो मांग नहीं सकता है ठीक है और यहां पे बल्कि एलोन मुस्क में डेमेज का क्योंकि मजनू भाई ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया केस टू अगर एलोन मना कर देते हैं सेकेंड सिटिंग के बाद तो क्या होगा अगर एलोन ने मना कर दिया तो मजनू भाई केस कर देंगे डैमेजेस का मजनू भाई केस कर देंगे कि भैया तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है अच्छा केस थ्री मजनू ने कंप्लीट तो कर दी पेंटिंग मजनू ने कंप्लीट तो कर दी पेंटिंग बट वैसी नहीं बनी जैसी आप लोग सोच रहे थे कि जितनी ग्रेट वैसी नहीं बन पाई देखिए कैसी ये रही पेंटिंग देखो मजा नहीं आया ना दस करोड़ की पेंटिंग लग रही है क्या मजा नहीं आ रहा ना तो यही तो लॉ कहता है यहां पे क्वांटम मेरिएट की बात होगी कि भैया जहां पे आपने पेंटिंग तो कंप्लीट कर दी यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल था और आपने उसे पूरा कर दिया बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो लॉ कहता है मजनू भाई को दस करोड़ मिलने चाहिए लेकिन आप उसमें से बैड वर्क यानी आपको जितना लगता है कि उसने गलत काम किया है उसका पैसा काट लो उसका पैसा क्या कर लो बैड वर्क का डिडक्ट कर लो लेकिन उसने अपना काम तो पूरा करा है तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे लेकिन बैड वर्क का डिडक्ट कर लो बैड वर्क का कितना डिडक्ट करना है वो पार्टीज नेगोशिएट करेंगी वो हो सकता है कोर्ट में जाकर डिसाइड हो बट पैसे तो आपको देने पड़ेंगे बिकॉज उसने काम आपका पूरा कर दिया है आपने पेंटिंग बनाने को बोला था उसने पेंटिंग बना दी है क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बच्चों को यस और नो यस सर नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आपका यूनिट टू में दिया गया हेयर बिकॉज आई थिंक हेयर इट इज मोर रेलिवेंट यहां पर रेलवेंट है क्या बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं श्याम ने राम को लैंड सेल करने का प्रोमिस किया ठीक है और श्याम ने राम को लैंड करने का प्रॉमिस किया फॉर दी टेन करोड़ रुपीस ठीक है टेन करोड़ रुपीस तो लॉ ये कहता है ध्यान से देखना लॉ ये कहता है इन दोनों पार्टीज इन दोनों पार्टीज में से मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं शाम ने ब्रीच कर दिया शाम ने ब्रीच कर दिया अपना वादा पूरा नहीं करा तो आप जानते हैं कि राम जो है केस कर सकता है फॉर डैमेजेस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर इंजेक्शन जिस भी चीजों के लिए वो केस कर सकता है बट प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि राम की जगह राम की जगह कोई और पर्सन शाम के ऊपर केस नहीं कर सकता यानी राम का भाई शाम के ऊपर केस नहीं कर सकता राम के दोस्त शाम के ऊपर नहीं केस कर सकते सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा केस कर सकता है शाम के ऊपर वो खुद राम क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी डॉक्टर एन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यह बोलता है कि ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सी ईच अदर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर राम वादा तोड़ता है तो उसको सिर्फ केस करने का हक किसके पास है शाम का है शाम का भाई नहीं कर सकता शाम की वाइफ नहीं कर सकती शाम की मम्मी नहीं कर सकती सिर्फ और सिर्फ शाम ही केस कर सकता है राम के ऊपर यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस कर सकती है जो दोनों पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है बट कोई ऐसा पर्सन जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो आकर इन पे से केस नहीं कर सकता है यानी सपोज शाम का भाई आ गया शाम का भाई कह रहा है मैं राम के ऊपर केस कर दूंगा तो वो अलाउड नहीं है डॉक्टर ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ओके okay, यानी लॉ ये कह रहा है कि आप याद करेंगे कि कंसीडरेशन तो थर्ड पार्टी से आ सकती है याद है कि नहीं कंसीडरेशन थर्ड पार्टी से आ सकती है बट केस जो फाइल करने की ताकत है वो थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है वो थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता यानी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकती है बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है थर्ड पार्टी से आ सकती है। आ सकती है, सर ये क्या बोलते हैं सर, सर, क्या बोलते हैं ये वो केसेस है मेरे बच्चा जहां पे अगर आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है ना जहां पे अगर आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हैं तो भी कर सकते हैं केस यानी थर्ड पार्टी सिर्फ इन केसेस में जो एक्सेप्शन है वहां पे थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है वरना केस थर्ड पार्टी कभी नहीं कर सकती है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को एक एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रस्ट का एक एक एग्जाम्पल बना रहा हूं ध्यान दीजिएगा अंकल हैं उनके पास हंड्रेड करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली में एक ही बचा है उनकी ग्रैंड डॉटर उनकी ग्रैंड डॉटर बची है जो अभी सिर्फ ट्वेल्व इयर्स की है तो ग्रैंड फादर अंकल के पास एक ग्रैंड डॉटर है जो कितने साल की है बारह साल की है और वो अपनी हंड्रेड करोड़ की प्रॉपर्टी इसे देना चाहते हैं बट बत मुझे बताओ क्या ये हंड्रेड करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ये ग्रैंड डॉटर मैनेज कर पाएगी अभी अगर कल को अंकल मर गए तो क्या ये ग्रैंड डॉटर एलिजिबल है कि मैनेज कर लेगी बारह साल की लड़की दू तो अंकल क्या करते हैं अपने एडवोकेट अपने एडवोकेट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करके क्या कहते हैं कि मैं सारा का सारा प्रॉपर्टी तुझे दे रहा हूं एज अ ट्रस्टी तो एडवोकेट बन जाएगा ट्रस्टी क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट करा गया है ट्रस्टी और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलेंगे सेटलर सेटलर ठीक है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलेंगे सेटलर यानी जो ट्रस्ट बना रहा है जिसपे ट्रस्ट किया गया उसको बोलते हैं ट्रस्टी और ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी अंकल ने कहा जब तक मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं होगी तू संभाल ले उसके बाद तू उसको दे तो ग्रैंड डॉटर मतलब की सौ करोड़ भी ग्रैंड डॉटर की सर एडवोकेट को क्या मिलेगा बेटा एडवोकेट को फीस मिलेगी वो अगर मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को तो उसको फीस मिलती है उसकी बात हो रही है तो लॉ कह रहा है देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ अंकल और एडवोकेट के बीच में कि मैं तुझे सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं किसके लिए ग्रैंड डॉटर के लिए ठीक है अब कल को ग्रैंड डॉटर की की हो 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 गई 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 जब 12 साल की थी बड़ी 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 जाएगी एक दिन होगी कि नहीं बड़ी हो वो एडवोकेट के पास गई। अरे एडवोकेट चल मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दे है ना मेरे दादा ने तुझे दी थी चल मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दे एडवोकेट कह रहा है कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो वो कह रही है मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी तो एडवोकेट कह रहा है अबे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अंकल और मेरे बीच हुआ है तू कहां से आ गई तू हम पे केस नहीं कर सकती फिर लड़की कह रही है मैंने गुरपेश सर से पढ़ा है मुझे पता है ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी भी केस कर सकता है भले ही वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो यानी ये बेनिफिशियरी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी फिर भी ये एडवोकेट के ट्रस्ट so क्यों क्योंकि भले ही वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी बट सेटलर और ट्रस्टी के बीच में वो आ सकती है कोई दिक्कत की बात नहीं है सेकंड है मेरे बच्चा फैमिली सेटलमेंट फैमिली सेटलमेंट का एग्जांपल समझते हैं ठीक है फैमिली सेटलमेंट का एग्जांपल समझते हैं देखिए ये हमारे सलमान भाई या सलमान भाई और सोहेल भाई सलमान भाई और सोहेल भाई ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया जो उन्हें पापा से मिली थी उसका क्या कर लिया बंटवारा कर लिया कह रहा पापा प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम लोग आपस में बांट लेते हैं हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लेते हैं दोनों ने बंटवारा कर लिया दोनों ब्रदर्स दोनों ब्रदर्स ने एग्री करा कि वो हर महीने अपने पापा के लिए पचास हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे दोनों सलमान भी पचास देगा और सोहेल भी पचास हजार देगा ठीक है ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सलमान और सोहेल के बीच में सलमान और सोहेल के बीच में ठीक है अब अगर बाद में यहां पे बेनिफिशियरी कौन है फादर सलीम खान है उनके पापा है जिनको पचास हजार रुपए हर महीने मिलने वाले थे इन्वेस्ट होकर इफ सलमान एंड सोहेल स्टॉप डूइंग सो अगर वो बाद में ये करना बंद कर देते हैं तो क्या सलीम उनके ऊपर केस कर सकता है द आंसर इज यस इवन दो सलीम इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इवन दो सलीम इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सलमान और सोहेल के बीच में था बट इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बाकी मेंबर भी केस कर सकते हैं बस यही लिखा हुआ है तो इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट

की वाइफ है राज की वाइफ थी सिमरन राज ने सिमरन से शादी कर ली आज मैं आपको डीडीएलजे की, A, की जा आपको आगे की स्टोरी सुना रहा हूं आगे की स्टोरी सुना रहा आगे क्या हुआ राज का प्यार धीरे धीरे सिमरन के लिए कम होने लगा शादी के बाद जो होता है ना लव स्टोरी का एंड हो जाता है लव का भी एंड हो जाता है लव स्टोरी का भी एंड हो जाता है तो राज जो है वो सिमरन से धीरे धीरे प्यार कम होने लगा और वो उसको इल्ट्रीट करने लगा मारने लगा सिमरन को इस ये बात सिमरन ने अपने पापा को बताई पापा राज मुझे मारता है पापा राज मुझे डोमेस्टिक वायलेंस करता है पापा मुझे इज्जत नहीं देता है पापा मुझे पापा पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटी मैं जाके मिलता हूं गुस्से में आए और राज से मिले अरे राज तुम ये मेरी बेटी के साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो तो राज ने कहा अंकल मैं आपसे माफी मांगता हूं मैं आपसे माफी मांगता हूं और प्रॉमिस किया प्रॉमिस किया क्या प्रॉमिस किया किसको प्रॉमिस किया सिमरन के पापा को प्रॉमिस किया कि अब से मैं अपनी वाइफ सिमरन का ख्याल रखूंगा उसे इल्ट्रीट नहीं करूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे हर महीने मंथली अलाउंस भेजूंगा हर महीने क्या दूंगा उसे मंथली पैसा देने लगूंगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है राज और सिमरन के पापा ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है बट क्या सिमरन केस कर सकती है क्या अगर उसने उसके बाद भी उसे इल्ट्रीट करा तो द आंसर इज यस बिकॉज दिस इज इन एक्सेप्शन टू ऑफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिस इज एन एक्सेप्शन टू यही लिखा हुआ है कि अ प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन एंड ही मे फाइल केस थ्रू ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट भले ही वो पार्टी नहीं है फिर भी वो केस कर सकते हैं ओके सर नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सर इसको बताइए देखिए आपके प्यारे लव कौशिक सर आपके प्यारे लव कौशिक सर ठीक है ने मुझसे एक लाख रुपए लेने थे ने गुरप्रीत सर से एक लाख रुपए लेने थे मैंने आपके प्यारे लव कौशिक सर को क्या देने थे एक लाख रुपए देने थे मुझे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है तो मैं इन लोगों से लेता रहता हूं तो मैंने लव कौशिक सर से एक लाख रुपए ले रखे थे और लव कौशिक सर ने आपके प्यारे राहुल सर को पांच लाख देने थे पांच लाख देने थे ठीक है तो देखो एक लाख का कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच हुआ था लव कौशिक और गुरप्रीत सर के बीच में लव करेक्ट अब राहुल सर लव कौशिक से पैसे मांगने अरे भैया पांच लाख रुपए देने थे कहां गए कब दे रहा है पांच लाख तो लव कौशिक ने कहा देखिए सर मुझे गुरप्रीत से एक लाख रुपए लेने मैं क्या करता हूं

कह रहे हैं उसने जो पैसे लेने थे ना वो असाइन कर दिया है मुझे बेनिफिट और क्योंकि मुझे बेनिफिट कर दिया अब तुझे पैसे देने मैंने, मैंने कहा मैं नहीं देता तो लॉ कहता है इवन दो इस लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था लव कौशिक सर और गुरप्रीत सर के बीच में था बट राहुल सर केस कर सकते हैं गुरप्रीत के ऊपर एक लाख के लिए क्योंकि लव कौशिक सर ने अपना जो बेनिफिट था कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या कर दिया है असाइन कर दिया था राहुल सर को दैट इज द एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बी असाइंड असाइन कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल बस उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए ओके okay. क्योंकि पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असाइन नहीं हो पाते हैं ओके okay. नेक्स्ट है एक्नोलिजमेंट और एस्टोपल सर एक्नोलिजमेंट और एस्टोपल क्या है देखिए <laughs> कौन सा बढ़िया करेक्टर ले लिया जाए चलिए गब्बर ले लेते हैं गब्बर से आपको याद रहेगा गब्बर गब्बर ने कौन है भैया गब्बर के लिए कौन था ठाकुर हाँ गब्बर ने ठाकुर के दस लाख रुपए देने थे तो वो ठाकुर की नगरी में गया गब्बर ठाकुर की नगरी में गया और ठाकुर को दस लाख रुपए लेके पहुंचा गब्बर और उसने ठाकुर दरवाजा खटकाया ठाकुर के घर का तो अंदर से निकला जय अंदर से कौन निकला जय निकला जय निकला और जय ने कहा भैया क्या हुआ है कह रहा मैं ठाकुर साहब के पैसे लेकर आया था कह रहा ठाकुर साहब तो नहीं है तो गब्बर ने कहा ठाकुर साहब नहीं है अच्छा तो मैं वापस चलता हूं तो एक बारी गब्बर ने ठाकुर को फोन किया कह Came रहा ठाकुर साहब आप नहीं है मैं आपके इतनी दूर से पैसे लेके आया था ठाकुर ने कहा रे रुको 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 ये पैसे तुम क्या करो ना जय को दे दो ये पैसे तुम जय को दे दो ये तुम पैसे को दे दो मैं जय से ले लूंगा ठीक है मेरी एक बारी जय से बात करा देना वो कह रहा अच्छा था। ठाकुर ने ये दस लाख रुपए किसको दे दिए जय को देने किसको थे दे? ठाकुर को देने थे दे. बट गब्बर ने ये दस लाख रुपए किसको दे दिए जय को दे दिए गब्बर ने पैसे जय को दे दिए देने थे ठाकुर को और जय ने कंफर्म भी करा ठाकुर को कि हाँ हाँ ये पैसे मेरे पास है जी मेरे पास रखें कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठाकुर अपने गांव वापस आता है और जय को कहता है कि पैसे दो तो जय कहता है कौन से पैसे तो लॉ कहता है भले ही ठाकुर था, केस किसके बीच में होता था? ठाकुर और गब्बर के बट आप जय के ऊपर केस कर सकते हो बिकॉज जय ने एक्नोलेज करा है जय ने एकज करा है, कि पैसे उसके पास है। सर वहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ एस्टोपल एस्टोपल का मतलब है अगर जय के पास सच में पैसे नहीं है बट फिर भी उसने हाँ कह दिया कि हाँ मैंने ले ली है मतलब उसने ऐसा दिखा दिया जो सच में नहीं है तो भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो तो भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो सो so, एक्नोलेजमेंट और एस्टोपल वेयर द प्रोमिस अपने कंडक्ट से या कहकर यह दिखा देता है कि हाँ मेरे पास पैसे पड़े हैं थर्ड पार्टी का तो आप उसके ऊपर भी केस कर सकते हो भले ही वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता है लास्ट लास्ट दो दो केसेस केसेस मेरे बच्चा ठीक है सबसे पहले सिंपल वाला एक लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ने अपना एजेंट रखा हुआ है एजेंट ने कस्टमर को गुड सेल करें और उसने क्रेडिट पे सेल करे थे कि हाँ उधारी पे तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ एजेंट और कस्टमर के बीच में हुआ बट अगर कस्टमर पैसे नहीं देता है तो प्रिंसिपल भी कस्टमर के ऊपर केस कर सकता है प्रोवाइडेड एजेंट ने एज अ एजेंट ही एक्ट किया था अपनी अथॉरिटी में एक्ट किया था तो प्रिंसिपल के पास पूरी पावर होती है कि वो कस्टमर के ऊपर थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सके क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट एक ही माने जाते हैं लॉ की नजरों में यस और नो यस सर ओके नाउ लास्ट पॉइंट इन द केस ऑफ कंडीशन रनिंग विद लैंड या कॉवनेंट रनिंग विद लैंड इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं देखिएगा ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है ये एक बंदा है जिसके पास एक दस एकड़ की लैंड है इसके पास कितनी एकड़ की लैंड थी दस एकड़ की लैंड थी टोटल दस एकड़ की लैंड ठीक है उसमें से उसने एक एकड़ पे वो एग्रीकल्चर करता था ये ओनर और नौ एकड़ पे नॉन एग्रीकल्चर था नॉन नाइन एकड़ पे एग्रीकल्चर नहीं होता था एक एकड़ पे एग्रीकल्चर होता था ओनर ने यह लैंड इस पर्सन को बेच दी इस पर्सन को बेच दी विद अ कंडीशन उसमें कंडीशन लगा दी कि यह नौ एकड़ आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज मत करना इंडस्ट्रियल आप इसे रेसिडेंशियल घर बना सकते हो इस नौ, नौ एकड़ पे बट इस पर फैक्ट्री वैक्ट्री वन वर्ग डालना क्योंकि उससे पोल्यूशन होगा और पोल्यूशन से मेरी जो बाजू की एक एकड़ की लैंड है ना वहां पे मैं सही से एग्रीकल्चर नहीं कर पाऊंगा तो यानी बेचने वाले ने लैंड के ऊपर एक कंडीशन लगा दी बेचने वाले ने एक लैंड के ऊपर एक कंडीशन लगा दी ओके सर तो क्या ये कंडीशन इसे फॉलो करनी पड़ेगी क्या द आंसर इज यस क्योंकि इन्हीं के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसे फॉलो करनी पड़ेगी अब आगे इस पर्सन ने इसे वो नौ एकड़ की लैंड बेच दी इसने इस पर्सन को नौ एकड़ की लैंड बेच दी ठीक है इस बंदे ने आते ही उस नौ एकड़ पे क्या करा इंडस्ट्रियल काम करना स्टार्ट कर दिया तो लॉ कहता है ये जो ऑनर है ना पुराना ऑनर ये इस पे केस कर सकता है और कैसे जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था सेकंड वाला इसने तो लैंड इससे ली थी ना बट लॉ कह रहा है फिर भी ये ओनर जो है वो केस कर सकता है जितने भी जितने भी नए ओनर्स आएंगे उनको वो लैंड की कंडीशन माननी ही पड़ेगी ये सिर्फ लैंड के साथ ही होता है कि लैंड के साथ अगर कोई कंडीशन चली आ रही है तो भले ही वो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो अगर कोई कंडीशन लगाई थी तो वो उसको क्या करवा सकते हैं इनफोर्स करा सकते हैं केस कर के केस कर के क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया यस yes, सर ये पॉइंट हमें एकदम क्लियर हो चुका है वेरी गुड आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये हम पहली बार सुन रहे हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तो हमने कभी इसका नाम सुना नहीं था सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं तो पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट वन में तो ये नहीं सिखाया था वहां तो वाइड वॉइडेबल एक्सप्रेस एम्प्लाइड ये सब सिखाया था तो अब क्यों सिखाए जा रहे हैं ये absolute और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट गुड क्वेश्चन बेटा समझते हैं क्या होता है पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं देखो ये बायर है बायर ने सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक है बायर ने सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कह रही है आई वांट टू बाय वन टन राइस फॉर रुपीज फाइव लाख कह रही है मैं पांच लाख रुपए के एक टन राइस लेना चाहती हूँ सेलर ने कहा यस आई एम रेडी टू सेल तो ये ऑफर भी आ गई और एक्सेप्टेंस भी हो गई और अभी तक हम इसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते आए थे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट यानी अभी तक जितना भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी थी उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी थी लेकिन इसी को अगर मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊं भाई उसने फिर से कहा मैं चावल खरीदना चाहती हूं उसने कहा हां मैं बेचूंगा लेकिन वो राइस अभी ना शिप में है जो इंडिया में आ रही है वो कह रहा है राइस ना अभी यूएस से निकले हैं अभी राइस यूएस से निकले हैं शिप के अंदर है अभी राइस शिप के अंदर है अगर शिप इंडिया पहुंच गई अगर इंडिया शिप शिप अगर इंडिया पहुंच जाती है तो मैं तुम्हें राइस देने को रेडी हूं यह परफॉर्म हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तब परफॉर्म हो सकता है जब जब यह इवेंट हो जाएगा और यह इवेंट क्या है शिप का इंडिया आना शिप का इंडिया आना सो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है सेल और परचेज ऑफ राइस चावल का खरीदना बेचना मेन कॉन्ट्रैक्ट बट इवेंट जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, जिसको हम इवेंट तो तो मेरे बच्चा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो देखो लेमन लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ भी है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं बट इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे यानी जब किसी प्रॉमिस को करना है परफॉर्म या नहीं करना है वो किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंड होता है जो हो भी सकता है और ना भी हो तो हम लॉ बोलते हैं कि भैया ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ओके सर देखिए पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हैपनिंग ऑफ आ इवेंट है इवेंट मतलब आएगा तो चावल दिए जाएंगे शिप आएगा यानी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब शिप का आना कि अगर शिप आई तो राइस दिए जाएंगे अगर शिप नहीं आई तो हम राइस दे नहीं सकते यानी बायर फिर केस नहीं कर सकता सेलर के ऊपर कि भैया तुमने मुझे राइस नहीं दी अगर शिप नहीं आई क्योंकि शिप आ, उसने पहले ही बोल दिया था शिप आएगी तभी हम देंगे सेकंड आता है एक होता है नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट मतलब कुछ ना होगा तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा जैसे देखना राजू भाई अपने आप देख ही रहे हैं राजू भाई अपने इनको उधार चाहिए था पैसा तो ये गए तोतला सेट के पास ए तोतला सेट तोतला सेट मुझे एक करोड़ दे कह रहा क्यों चाहिए कह रहा वो मुझे ना अनुराधा चिट फंड्स में लगाने हैं मुझे अनुराधा चिट फंड्स 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा मुझे एक करोड़ रुपया देना तोतला सेट ने कहा तू मिलते एक किलो रुपया क्यों ले लेकिन तुम मेरे ले, लेकिन मुझे तुझ पर ना विश्वास नहीं है मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है कह रहा है मुझ पर विश्वास नहीं है कोई बात नहीं मेरी गारंटी देंगे बाबू भैया बाबू भैया मुझ पर गारंटी देंगे तो तोतले ने कहा अत बाबू भैया अगर, ते तो अगर तेरी गारंटी देंगे तो ठीक है बाबू भैया अगर तेरी गारंटी देंगे तो ठीक है अब यहां पे क्या हुआ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब उधार किसने लिया राजू भैया ने उधार किसने दिया तोतला भैया ने एक करोड़ लेकिन बाबू भैया ने गारंटी दे दी यानी बाबू भैया ने कहा अगर राजू पैसे नहीं देगा अगर राजू पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा यानी अब देखना यहां पे दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ध्यान देना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है राज राजू और तोतला के बीच ठीक है वो एबसुलूट कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सुलट कॉन्ट्रैक्ट है कि तोतला ने पैसे दिए हैं तो राजू को वापस करने ही पड़ेंगे दैट इज एन एब्सुलट कॉन्ट्रैक्ट बट एक कॉन्ट्रैक्ट और हुआ है बाबू और तोतला के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर राजू पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा यानी इस इवेंट के ना होने पर राजू के पैसे ना देने पे इस इवेंट के ना होने पे पैसे देना दैट इज अ नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट अगर राजू ने पैसे दे दिए तो बाबू को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर राजू ने पैसे नहीं दिए तो तोतला किससे पैसे लेगा बाबू भैया से पैसे लेगा सो कॉन्टीजेंट so, इवेंट हो सकता है कि आपका प्रॉमिस आप तब निभाए जब वो इवेंट हो या जब वो इवेंट ना हो वो आप डिसाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि कैसे हमें करना है चलिए आगे चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज टेस्ट योर नॉलेज बेसिक है अभी तक कुछ पड़ा नहीं है बट टेस्ट योर नॉलेज एक हॉस्पिटल था कोविड का समय चल रहा था और उसने डॉक्टर ए को अपॉइंट करा तीन महीने के लिए कह रहे हैं हम तुम्हें तीन महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं डॉक्टर कह रहा है अच्छा हॉस्पिटल ने कहा कि हम तुम्हें लाख रुपए देंगे अगर तुम इन महीनों में में कोविड कोविड पॉजिटिव हो हो गए यानी काम करते हुए अगर तीन में तुम्हें तुम्हें गया तो हम तुम्हें कितने रुपए देंगे एक लाख रुपए देंगे पहला ये, कैसा है? ये कैसा है अब बच्चे इस जब ये पेपर में आया ना तो बच्चे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, है बड़ी सारी ज्ञान पेला लेकिन ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि ये कॉन्ट्रैक्ट है 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 बिकॉज उसका कोविड होना होना या ना होना, एक है, एक अनसर्टेन अनसर्टेन इवेंट इवेंट और वो कह रहे हैं हम अपना वादा तब निभाएंगे जब ये इवेंट हैपन होगा तो हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट होना था सो दिस इज अथिंग बट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अब केस वन अगर ए को सच में कोविड हो गया तो क्या होगा अगर उन तीन महीनों में ए को कोविड हो गया तो क्या होगा सिंपल ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और हॉस्पिटल को लाख रुपए देना पड़ेगा हॉस्पिटल को अपना वादा निभाना पड़ेगा बट अगर उन तीन महीनों में इसे कोविड नहीं हुआ तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा क्यों क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया ना अब पैसे देने की जरूरत नहीं है सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरे बच्चा वाइड हो जाएगा टेक्निकल yes no? yes पहले एकदम ज्ञान चल रहा था ज्ञान चल रहा था कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ करने का या नू? कुछ ना करने का आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव्स भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं कुछ करना या ना करना लेकिन वो किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होता है और वो इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट होता है तभी उसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अगर वो इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अगर वो किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो हम उसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं चलिए नाउ वट आर दी दसेंशियल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट या तो हैपनिंग पे होना चाहिए या

सिर्फ कॉलेट्रल इवेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कॉन्ट्रैक्ट में ये ये राइस देंगे और ये पैसा देंगे बस इतना ही है बट इवेंट का क्या कॉन्ट्रैक्ट से एक्चुअली में कोई लेना देना है क्या शिप शिप का आना कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन है क्या आंसर इज नो वो सिर्फ एक कोलेट्रल इवेंट है जिसका होना जरूरी है तो वो इतनी सी ही बात लिख रहे हैं क्या भैया कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉलेट जो कॉलेटरल इवेंट है वो परफॉर्मेंस भी नहीं होनी चाहिए और वो कंसिडरेशन भी नहीं होनी चाहिए यानी वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए दैट इज ओवर एंड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सर थर्ड कंडीशन क्या है इवेंट जो है वो प्रोमिसर की मर्जी पे नहीं चलना चाहिए प्रोमिसर की मर्जी पे मतलब मैंने कहा मेरा अगर मन करेगा तो मैं आपको एक लाख रुपए दूंगा अब ये पूरा का पूरा प्रॉमिस किस पर डिपेंडेंट है मेरे मन के ऊपर मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये कोई अनसर्टेन इवेंट है वो तो हो सकता है कि मेरी मर्जी हो मेरी मर्जी नहीं हो लेकिन लॉ कह रहा है कि इवेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी विल पे होना नहीं चाहिए इवेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी विल पे होना नहीं चाहिए अगर सिर्फ प्रोमिसर की विल पे है तो वो हम उसको क्या नहीं मानेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे और इवेंट क्या होना चाहिए अनसर्टेन होना चाहिए देखिए इवेंट तीन टाइप के होते हैं इवेंट तीन टाइप के होते हैं एक होता है सर्टेन अगर वो इवेंट होने ही वाला है तो भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही हो जाएगा ना आपका कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कंटिजेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा कंटिजेंट और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है ठीक है अगर वो इवेंट इंपॉसिबल है तो हम उसको कहेंगे वाइट क्योंकि वो होने ही नहीं वाला है अगर आपने कहा कि ये इवेंट होगा इस इवेंट के होने पे मैं ये काम करूंगा और वो होने ही वाला है वो पूरा सर्टेन हंड्रेड परसेंट तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि आपको करना ही है यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आई आई शुड शुड नॉट से से वैलिड बनेगा ये क्योंकि वो होने ही वाला है तो आप अपना काम करेंगे ही करेंगे लेकिन अगर अनसर्टेन है तो कॉन्टीजेंट है और अगर इंपॉसिबल है होने ही नहीं वाला है अगर इम्पॉसिबल है तो लॉ कहेगा ये क्या है वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बस इसी की बात हुई है तो दीज आर दी दी फोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स की कब कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में तो सबसे पहला आता है कि क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग ऑफ इवेंट पर डिपेंडेंट है यानी इवेंट के होने पे आप करेंगे तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है जैसे A ने कहा ए मेक्स अट विचूंगा खरीदने से मना कर दिया है ना वो इवेंट हो गया उसने मना कर दिया तो मैं तुम्हें घोड़ा जो है वो ऑफर करूंगा तो लॉ कह रहा है लॉ क्या कहेगा अगर वो इवेंट हो गया यानी सी ने घोड़ा खरीदने से मना कर दिया तो फिर आपको बी को घोड़ा देना ही पड़ेगा क्योंकि वो चीज हो गई बट अगर वो इवेंट इंपॉसिबल हो गया मतलब सी ने एक्सेप्ट कर लिया और घोड़ा ले गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बेटा वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर एक और एग्जांपल दीजिए ना ऐसे मजा नहीं आ रहा बेटा एक और एग्जांपल दे लेते हैं वापस चलते हैं वापस चलते हैं देखो इसने क्या कहा था शिप इंडिया में आ गई तो मैं आपको राइस दूंगा मान लो कि शिप इंडिया में आ गई मान लो कि शिप इंडिया में आ गई तो क्या आप चावल देने पड़ेंगे yes. मान लो शिप डूब गई क्या आप शिप कभी भी आ सकती है होना इम्पॉसिबल हो गया उसका शिप अगर डूब गई तो क्या आप इंडिया आ जाएगी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया बस इतनी सी बात वो कह रहे हैं इतनी सी बात कह रहे हैं ओके सर ओके ओके जॉकी ओके जॉकी

मैं तुझे एक करोड़ रुपए दूंगा अगर तूने ऐश्वर्या से शादी कर ली तो सलमान ने कहा विवेक को भैया मैं तुझे एक करोड़ रुपए दूंगा अगर तूने किससे शादी कर ली ऐश्वर्या से शादी कर ली विवेक खुश होकर कह रहा आप तो एक करोड़ मिलेंगे लेकिन ऐश्वर्या ने ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली मुझे बताइए अगर ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली है तो क्या अब क्या अब विवेक की शादी इससे हो सकती है द आंसर इज नो क्योंकि वो क्या हो गया मेरे बच्चा इम्पॉसिबल हो गया अब ये क्या हो गया विवेक की शादी ऐश्वर्या से होना इम्पॉसिबल हो गया तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मेरे बेटा वाइड हो गया लेकिन वही अगर ऐश्वर्या इससे शादी कर लेती तो सलमान को एक करोड़ रुपए देने पड़ते ठीक है तो अगर वो कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन पे डिपेंडेंट है और वो कुछ ऐसा कर जाती है जिससे कि अब वो इवेंट हो ही नहीं सकता है तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया यानी अगर ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया और अगर ऐश्वर्या और विवेक की शादी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया और भाई को सलमान भाई को एक करोड़ का फटका लग गया ऐश्वर्या तो गई गई साथ में एक करोड़ वैसे तो दोनों ही केस में ऐश्वर्या चली गई थी बट इसमें पैसा भी जा रहा है ओके सर अगर इवेंट फिक्स टाइम पे है तो कैसे करेंगे अगर इवेंट फिक्स टाइम पे यानी इवेंट की हैपनिंग पे है बट टाइम स्पेसिफाइड है तो कैसे करने वाले हैं सिंपल सा एग्जांपल अगेन लेते हैं वही ए ने बी को राइस का कॉन्ट्रैक्ट करा यहां पे मैं लाया हूं क्या यस yes, मैं लेके आया बायर ने सेलर सेलर को कहा हे hey क्या तू मुझे एक टन राइस देगा क्या पांच लाख रुपए में मुझे एक साल के अंदर चाहिए मुझे एक साल के अंदर चाहिए उसने कहा हाँ मैं तुझे दे दूंगा अगर मेरी जो यूएसए से शिप निकली है ना अगर वो इंडिया आ गई तो मैं तुझे दे दूंगा एक साल के अंदर इंडिया आ गई तो मैं तुझे दे दूंगा ये एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अब केस देखते हैं मान लीजिए कितने केसेस हो सकते हैं सबसे पहले ये हो सकता है शिप इंडिया आ गई शिप इंडिया आ गई मतलब वो इवेंट हैपन हो गया शिप इंडिया आ गई इन वन ईयर इन वन ईयर अगर वो इवेंट हैपन हो गया तो क्या होना चाहिए राइस देने चाहिए या नहीं देने चाहिए देने चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वैलिड हो गया यस इट कैन बी इन्फोर्स्ड ठीक है बट मेरे बच्चा सेकंड क्या हो सकता है शिप सिंक हो गई विद इन One year, within one year. Ship जो है डूब गई एक साल के अंदर हो ही नहीं सकता तो हम क्या करेंगे वाइड मान लेंगे इसको क्या मान लेंगे वाइड मान लेंगे और थर्ड केस क्या हो सकता है शिप डूबी भी नहीं शिप आई भी नहीं शिप अभी भी रास्ते में है इन वन ईयर यानी वन ईयर खत्म हो गया बट शिप अभी भी रास्ते में है

कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इवेंट नॉन हैपनिंग की बात करते हैं बहुत ही सिंपल यहां पे नॉन हैपनिंग के ऊपर है कि अगर वो काम नहीं हुआ अगर वो काम नहीं हुआ तो लॉ ने देखिए ए ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया कि भैया जो उसकी शिप है करेक्ट जो उसकी शिप है अगर वो इंडिया नहीं पहुंची तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी क्योंकि उसको क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसको क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा अगर उसकी शिप एक साल के अंदर इंडिया नहीं पहुंची तो तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हाँ अगर तुम्हारी शिप एक साल के अंदर इंडिया नहीं पहुंची तो हम तुम्हें क्या देंगे पैसा दे देंगे तो मान लीजिए इफ इवेंट है इवेंट विद इन टाइम यानी शिप अगर इंडिया आ गई तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी ए को पैसा देगी नहीं देगी क्यों क्योंकि ए का तो कोई लॉस हुआ ही नहीं तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम यानी टाइम पे नहीं हुआ यानी एक साल में नहीं आई या एक साल के अंदर ही वो डूब गई तो इस बारी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि भैया अब तो शिप आ सकती नहीं है ओके सर ओके सर क्लियर हो गया सर कोई दिक्कत की बात नहीं है नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ठीक है इसको समझते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है

देर इज नो ऑफर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टरेशन इन द्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं पार्टी से होते हैं बट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं लॉ उन्हें इंपोज कर देता है लॉ उन्हें इंपोज कर देता है और ये किस रूल पे बेस है बेटा कि कोई भी पर्सन दूसरे के नुकसान के ऊपर अमीर नहीं बन सकता है नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ दी अदर पर्सन लॉस कुछ स्पेसिफिक केसेस है मेरे बच्चा जहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लगता है एक एक चीज हम जब हम पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल तो हमें समझ जाएगा सिर्फ इसमें हमें पर्सन को नेसेसरीज देते हैं जो कैपेसिटी नहीं थी जिसकी कॉन्ट्रैक्ट की जैसे कि माइनोर अनसाउंड माइंड को तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से ये क्लेम कर सकते हैं एज पर द्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स तो देखिए अब्दुल भाई है वो कहेंगे गया हाँ ये रहे अब्दुल भाई अब्दुल भाई ने भाई साहब एक माइनर को इस बच्चे को इस बच्चे को ठीक है भूख लगी थी इसको फ्रूट दे दिए फ्रूट्स आर नेसेसरीज इसको फ्रूट दे दिए और ये बेचारा रोहित आगे पढ़ना चाहता था ये लोनेटिक है ये बेचारा ठीक है

इससे जो केले सेब जो भी फ्रूट दिए थे उसके पैसे किससे रिकवर करेगा माइनोर से नहीं रिकवर कर सकता माइनोर की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है यहां पे रोहित से रिकवर नहीं कर सकता रोहित की प्रॉपर्टी से जितना भी एजुकेशन का लोन था वो रिकवर कर सकता है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे बार बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार मेरे बच्चा ये एग्जाम में देखने को मिलता है ठीक है तो ये हो गया नेसेसरी सप्लाइट पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का सर क्या मतलब है देखिए हमारे कालीन भैया है मिर्जापुर से ये जो कालीन भैया है ना भैया मिर्जापुर से इनके पास बहुत बड़ी मिर्जापुर में क्या है लैंड पड़ी हुई है बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है गुड्डू भैया को गुड्डू भैया को इस लैंड के ऊपर बहुत बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी थी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी थी तो गुड्डू भैया ने कालीन भैया से यह पूरी की पूरी लैंड क्या ले ली रेंट पर ले ली रेंट पर ले ली आगे मान लीजिए दस सालों के लिए रेंट पर ले ली ठीक है अब गवर्नमेंट का नोटिस आया कालीन भैया को क्या नोटिस आया गवर्नमेंट का कि आपने इस लैंड के ऊपर टैक्स नहीं भरा है आपने इस लैंड के ऊपर टैक्स नहीं भरा है अगर आप इसे नहीं भेरेंगे तो इसका हम ऑक्शन करके बेच देंगे और अपना टैक्स रिकवर कर लेंगे तो बेचारे गुड्डू भैया टेंशन में गुड्डू भैया क्यों टेंशन में आ क्योंकि भैया तो खर्च चुके थे अगर अब ये हो जाएगी, तो, तो गुड्डू भैया ने क्या करा गुड्डू भैया ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया लैंड के टैक्स का क्यों कर दिया टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट हिज लीज राइट है ना और जबकि उसने कालीन भैया से बात भी नहीं करी तो पे किसको करना था कालीन भैया को पे करना था पे करना था मेरे बच्चा कालीन भैया को करेक्ट पे किसने कर दिया गुड्डू भैया ने लेकिन गुड्डू भैया ने क्यों पे करा है गुड्डू भैया ने इसलिए पे करा है मेरे बच्चा क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी थे तो अगर एक इंटरेस्टेड पार्टी पे करती है तो लॉ कहता है वो इसे लीगली ले सकते हैं कालीन भैया से वो कालीन से पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इसे लीगली ले सकते हैं यानी कालीन भैया को वो पैसा गुड्डू भैया को देना पड़ेगा जबकि यहां एक्ट मतलब जो मैंने वॉल्ट्री नहीं किया मैंने पैसों के लिए किया था उस एक्ट को अगर हमने किसी के लिए करा तो मुझे पैसे मिलने चाहिए उस एक्ट को अगर मैंने किसी के लिए किया तो मुझे पैसे मिलने चाहिए ठीक है ओके सर ओके जैसे अब्दुल भाई स्टोर ओनर है उन्होंने भिड़े को दूध का पैकेट देना था बट गलती से वो किसको पैकेट दे देते हैं दूध का जेठा लाल को वो पैकेट दे देते हैं किसको पैकेट दे देते हैं मेरे बच्चा जेठा लाल को पैकेट दे देते हैं गलती से भिड़े की जगह जेठा और जेठा लाल भी उनकी चाय बनाकर उसकी चाय बनाकर पी लेता है तो लॉ कहता है एज पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जेठा लाल को जेठालाल को को अब्दुल को ये पैसे देने पड़ेंगे जेठालाल को को अब्दुल को ये पैसे देने पड़ेंगे जो उसने दूध मिलाया यूज करा है ओके okay, सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया मैं किसी के घर गया था घर जाने के बाद क्या हुआ मैं वहां पे घर गया था आम लेकर अपने आम लेकर और उसके घर पे भूलाया और उसने वो आम खा लिए तो लॉ कहता है उसको वो आम के पैसे मुझे देने पड़ेंगे क्यों क्योंकि मैं उसको फ्री में मैं अपने जान के उसे वो आम दे के नहीं आया था वो तो मैं बस भूल गया था तो उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे अगर उसने यूज कर लिया है तो ओके सर देन हाँ देन मेरे बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड अगर किसी पर्सन को खोया हुआ सामान मिल जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सर इसका क्या मतलब है एग्जाम्पल लेते हैं देखिए ये बंदा जा रहा था ये शर्मा जी मान लो वर्मा जी मान लो ये बंदा जा रहे थे इन्हें एक तो ये मिला और साथ में एक ये मिला इन्हें दो चीजें मिली बेटा ये और ये तो लॉ कहता है जब आपको कोई खोई हुई चीज किसी और की मिलती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या कि आपको इसके ट्रू ओनर को ढूंढना है कि इसका सच्चा ओनर कौन है और उसे यह चीज रिटर्न कर देनी है उसे यह चीज रिटर्न कर देनी है जिसकी भी यह चीज थी आपको उसे रिटर्न करनी है यहां पे कोई ऑफर नहीं हो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो बट जैसे ही जिस मोमेंट आपने ये सामान उठाया ना जिस मोमेंट आपने यह सामान उठाया ना मेरे बच्चा तो यह क्या हो गया आपके बीच क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अब आपको इसे ट्रू ओनर को देना है इस पर एक बड़ी प्यारी केस स्टडी आती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं एक तो जो भी गुड्स जिसे मिलते हैं वो बेली बन जाता है बेली मतलब बेलमेंट के के कॉन्ट्रैक्ट में जब आप गुड्स किसी किसी को को देते हो किसी पर्पस के लिए तो तो उस पर्सन बेली बेली कहते हैं तो कह रहे वो बंदा बन जाता है और उसकी क्या क्या, -क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर केयर रखेगा गुड्स की यानी वो गुड्स को इधर उधर फेंक नहीं सकता एक नॉर्मल पर्सन जैसे केयर रखता है वैसे वो इसकी केयर रखने वाला है टू फाइंड दी ओरिजिनल ओनर ऑफ गुड्स उसको ओरिजिनल ओनर को असली ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है और जब वो मिल जाए तो उसे वापस दे देना है रिटर्न कर देना गुड्स को जब वो मिल जाएगा और तब तक गुड्स को यूज नहीं अपने पर्सनल पर्पज के लिए वो उन गुड्स को यूज नहीं कर सकता मतलब ये बंदा उस को लॉकेट को जो भी उसे मिला था ब्रेसलेट वगैरह वो उसे पहनकर घूम नहीं सकता यानी पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता और अपने गुड्स के साथ भी मिक्स नहीं कर सकता ये सारी ड्यूटीज हैं उसकी ये सारी ड्यूटीज हैं बट एक प्यारी बात एक प्यारी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है ये वाला केस लो आप पढ़िए ये बड़ा ही प्यारा है देखिए एक केस लो था होलिन वर्थिस हाउलल एरर ठीक है एच पिक्ड अप अ डायमंड ऑन फ्लोर ऑफ एफ शॉप एच को एफ की दुकान पे एक डायमंड मिला देखो लग रहा है ना डायमंड है ना एच को एफ की दुकान पे एक डायमंड पाया तो ये क्या बन गया फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड इसको बोलेंगे फाइंडर ऑफ दी लॉस्ट गुड कौन एच एच ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई बंदा नहीं दिखा तो उसने क्या करा उसने वो ठीक है उसने वो दे दिया एफ को ये कह रहा एफ मुझे आपकी दुकान में डायमंड रिंग मिली थी ये आप रखिए जब तक इसका असली ओनर नहीं मिल जाता अब एच भी ओनर को ढूंढ रहा है और एफ भी ओनर को ढूंढ रहा है बट इतना सब ढूंढने के बाद भी ट्रू ओनर बेचारा मिला ही नहीं उस डायमंड का ट्रू ओनर नहीं मिला ओके ना कुछ हफ्तों बाद क्योंकि ओनर नहीं मिला एच वापस गया एफ के पास और एच ने कहा भैया मैंने आपको डायमंड रिंग दी थी वो मुझे वापस दे दीजिए करेक्ट और मैं आपको जो भी लीगल आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था वो सब मैं आपको पैसे दे देता हूं और प्लीज मुझे वो डायमंड वापस कर दीजिए एफ ने कहा भैया वो डायमंड तुम्हारा नहीं है हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा क्या एफ को डायमंड वापस करना है लीगली या नहीं करना है तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ये कहता है कि जिसको भी पहली बार वो गुड्स मिलते हैं ना जैसे कि एच वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स ट्रू ओनर को देने के लिए लाइबल है अगर वो किसी और को देता है जैसे कि एफ हो गया या किसी को भी जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है किसी थर्ड पार्टी को देता है यानी अदर देन ट्रू ओनर तो वो उनसे लीगली रिकवर कर सकता है वो उनसे लीगली रिकवर कर सकता है यानी एफ को गुड्स वो जो डायमंड है वो एच को वापस देना ही पड़ेगा मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इसके स्टडी का आंसर गलत लिख के आते हैं और कहते हैं भैया क्या लिखाते हैं कि नहीं नहीं एफ को देने की जरूरत नहीं ऐसा नहीं है किसको मिला था एच को मिला था तो एच का है तब तक जब तक कि वो ट्रू ओनर को नहीं ढूंढ लेता यानी ट्रू ओनर मिल गया तो उसे वापस कर देंगे वरना अपने पास रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात मेरे बच्चा नहीं है ओके सर ओके okay, आगे चलते हैं ये भी हो गया अब लास्ट आता है मनी पेड बाय बाई मिस्टेक ये तो बड़ा ही प्यारा था मेरे साथ हुआ था मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ गुरपित सर के साथ हाँ गुरपीत सर के साथ क्या हुआ मैं ना ऑफिस में था ऑफिस में था किसी को मुझे यूपीआई करना था बीस हजार रुपए का तो मैंने उसको बीस हजार भेजने थे जब मैं उसे बीस हजार रुपए भेजने लगा ना तो गलती से जल्दबाजी में मैंने गोल गप्पे वाले को बीस हजार रुपए भेज दिए गलती से मुझे भेजने नहीं थे गोल गोलगप्पे वाले को बीस हजार भेजने तो किसी और के थे तो बट गलती से किसके पास चले गए गोलगप्पे वाले के पास चले गए मैं ऑफिस से भागा भागा ऑफिस से भागा भागा गया भैया कहा गोलगप्पे वाले के पास और मैंने कहा अरे गोलगप्पे वाले हे गोलगप्पे वाले मेरे बीस हजार रुपए जो मैंने तुम्हें गलती से ट्रांसफर कर दिया प्लीज उसे देख लो ना प्लीज मैंने गलती से कह रहा ऐसा कोई पैसा नहीं अरे मैंने कहा ध्यान से चेक कर लो कह रहा कह रहा वो मेरा भाई देखता अरे मैंने प्लीज भैया बड़ा अमाउंट है बस कंफर्म कर दो कि आपके पास है बाकी मैं दिक्कत नहीं लूंगा तो यहां पर लॉ बोलता है कि अगर आप किसी को गलती से पैसा पे कर देते हैं या गलती से किसी को गुड्स दे देते हैं या पैसा दे देते हैं तो आप उसे लीगली रिकवर कर सकते हैं मतलब इस पानीपुरी वाले को जो गलती से पैसा मिला है वो गुरप्रीत सर को रिटर्न करना ही पड़ेगा वो गुरप्रीत सर को रिटर्न करना ही पड़ेगा वो ये बीस हजार रुपए लेके रख नहीं सकता है लॉफुली भी मैं उसके ऊपर केस करके पैसा वापस ले सकता हूं ये सिर्फ मिस्टेक के केस में नहीं होता है लॉ कहता है ये कॉर्शन अगर किसी ने आपसे कॉर्शन अप्लाई किया है मतलब क्या जो हम ऑलरेडी पढ़े थे वो नहीं यहां पे वाइडर मीनिंग है यानी यहां पे किसी ने आपको धमका के डरा के अगर आपसे पैसे लिए हैं तो वो भी आप लीगली उससे रिकवर कर सकते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ना अब देखिए मैंने इसे बीस हजार रुपए दिए तो क्या इसने ऑफर दिया एक्सेप्टेंस हुआ था आंसर इज नो बट फिर भी लॉ बोल रहा है इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट की कुछ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ प्यारी बातें मैं आपको बताता हूं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की प्यारी बातें सर की क्या प्यारी एक तो इसमें एग्रीमेंट नहीं होता क्यों एग्रीमेंट नहीं होता बिकॉज ना ऑफर होता है, है।, है।, है, है। क्योंकि इसे लॉ इंपोज करता है इसलिए हम इसे प्रॉमिस नहीं बोलते इसको ड्यूटी बोलते हैं जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो दिल से किया जाता है तो हम उसे प्रॉमिस बोलते हैं लेकिन जब लॉ उसको चीज को डालता है तो हम उसको क्या बोलते हैं ड्यूटी बोलते हैं तो राइट अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ राइट टू मनी नॉर्मली आपको जो वापस मिलता है वो राइट टू मनी मिलता है और आप उसे किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही ले सकते हैं जैसे मैंने गलती से पानीपुरी वाले को पैसे भेज दिए तो मैं और किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता किसके ऊपर केस करूंगा सिर्फ और सिर्फ उस पानीपुरी वाले के ऊपर केस कर सकता हूं बाकी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता सो दिस दिस राइट राइट इज इज नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट होल वर्ल्ड स्पेसिफिक पर्सन और आप बिल्कुल वैसे केस कर सकते हैं जैसे आप किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं इसीलिए तो इसके नाम के आगे क्या रखा गया है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है इसीलिए तो मेरे बच्चा इसके नाम के आगे क्या रखा गया है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है क्या ये बात आपको क्लियर हो गई ये सर ये बात तो हमें क्लियर हो गई है चलो बच्चों ये आज हम समझते हैं भाई कि हमने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाता है ऑफर हो जाता है एक्सेप्टेंस हो जाता है उसके बाद उसके बाद वादों को पूरी करने की बात आती है वादों को पूरी करने की बात आती है और अगर कोई पर्सन प्रॉमिस पूरा नहीं करता है तो हम कहते हैं भैया ब्रीच हो गया ब्रीच हो गया चलो इसके ऊपर केस कर दे बट यह बात कहां पे लिखी हुई है कि आपको अपने वादे पूरे करने ही पड़ेंगे तो यह बात मेरे बच्चा लिखी हुई है सेक्शन नंबर सेवन बोलता, बोलता है कि भैया जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो प्रॉमिसर को प्रोमिसर को या तो देनी होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस या देनी होती है ऑफर टू परफॉर्मेंस सर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है ऑफर टू परफॉर्मेंस क्या होता है इन दोनों में कोई फर्क होता है क्या सर यस yes, बेटा इन दोनों में फर्क होता है सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस तो देखिए एग्जांपल देखिएगा मेरे बच्चा ये आपके गुरप्रीत सर हैं, तो गुरप्रीत सर ने मोबाइल निकाला गुरप्रीत सर ने देखिए मोबाइल निकाला जोमैटो ऐप खोली और क्या किया जोमैटो ऐप खोल के जोमैटो ऐप खोल के ना ऑर्डर करा कढ़ाई पनीर दाल मखनी और तंदूरी रोटी और ऑनलाइन पेमेंट कर दी भाई जी ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो गुरप्रीत सर ने जोमैटो ऐप से कढ़ाई पनीर दाल मखनी और तंदूरी रोटी ऑर्डर कर दी क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी और ऑनलाइन पे भी कर दिया भैया जैसे ही ऑनलाइन पे हुआ ऑफर किसके पास जाता है उस रेस्टोरेंट के पास जाता है जिसको आपने ऑर्डर किया है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हाँ हम ये खाना भेज देंगे हम ये खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट ने भैया एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया खाना बनाना स्टार्ट कर दिया अब हुआ क्या खाना बन गया फिर एक, एक डिलीवरी गाय आया एक डिलीवरी गाय आया जोमैटो डिलीवरी गाय जिनका नाम क्या है मेरे बच्चा सोनू जिसका नाम क्या है मेरे बच्चा सोनू तो सोनू भैया अपनी गाड़ी लेकर गाड़ी लेकर मेरे घर तक आए जहां पे मैंने बुलाया था जहां पे मैंने बुलाया था और वहां, पे आने के बाद, वहां पर आने के बाद उतरे गाड़ी से खाना उतारा और मेरे घर की डोर बैल बजाई टिंग, टिंग टिंग डोर बैल बजाई गुरप्रीत सर ने गेट खोला कह रहे अच्छा ले आयो भैया खाना बड़ी तेज भूख लगी थी लाओ मुझे खाना दे दो लाओ मुझे खाना दे दो ठीक है तो यहां पे देखो क्या हुआ डिलीवरी गाय गुरप्रीत सर के घर आया और उसने ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया गुरप्रीत सर को। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस सर एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आप क्या कहना चाहते हैं मतलब जो उसने वादा किया था रेस्टोरेंट ने कि हमें खाना देंगे वो उन्होंने सच में दे दिया यानी उन्होंने अपना वादा परफॉर्म कर दिया एक्चुअल बेसिस पे परफॉर्म कर दिया इसको हम बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस सर आपने अपना वादा निभा दिया क्या बेटा मैं तो अपना वादा पहले ही निभा चुका था ऑनलाइन पेमेंट करके मैं अपना वादा ऑलरेडी निभा चुका था सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब वो जहां पे कि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की वो कर देती है हैज डन वो कर देती है क्या कर देती है जो उसने कहा था कि वो करेगी तो हम इसको बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो लॉ कहता है आपको क्या करना है अपने वादे को एक्चुअली परफॉर्म करना है या दूसरा ऑप्शन है ऑफर टू परफॉर्म करना है सर ऑफर टू परफॉर्म क्या है एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू लेते हैं मेरे बच्चा देखिए क्या हुआ अगेन गुरप्रीत सर ने अगेन गुरप्रीत सर ने मानिए ऑर्डर मंगाया अगेन गुरप्रीत सर ने सेम ऑर्डर किया टटटट अगले दिन Zomato से रिपीट ऑर्डर रिपीट ऑर्डर कर दिया भैया रिपीट ऑर्डर कर दिया पे ऑनलाइन कर दिया रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया फिर से हमारे फिर से हमारे Zomato डिलीवरी गाय फिर से हमारे Zomato डिलीवरी गाय आए और कैसे आए गाड़ी लेकर आए फिर से और उतरे गाड़ी से और बैल की घंटी बजाने लगे ओ बालकनी डोर की डोर बेल बजाने लगे टेंगे लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा है वो खाना ठंडा हुआ जा रहा है बट कोई गेट नहीं खोल रहा है फिर उन्होंने मुझे फोन किया अरे भैया मैं आपके घर की कब से घंटी बजा रहा हूं सोनू भाई ने कॉल किया अरे भैया मैं आपका खाना लेके बाहर खड़ा हूं कब से आपके घर की घंटी बजा रहा हूं आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं तो गुरप्रीत सर ने क्या कहा अरे भूल गया था यार भैया मैं दोस्त के साथ बाहर आ गया हूं अब तो मैं ले नहीं पाऊंगा अब तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा दूर आ गया हूं घर से तो आप ऐसा करिए खाना वापस ले जाइए आप ऐसा करिए खाना वापस ले जाइए ओ माई गॉड्स ओ माई गॉड्स वो बेचारे का खाना बन चुका था ठंडा हो रहा था अब इसे कौन खाएगा गुरप्रीत सर तो यहां पे आए नहीं तो लॉ कहता है कि रेस्टोरेंट वाले ने क्या कर दिया ऑफर दे दी ऑफर टू परफॉर्म कर दिया या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दी मतलब उसने जो वादा किया था उसने उसे निभाने की पूरी कोशिश करी लेकिन सामने वाले बंदे ने ही मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं सामने वाले बंदे नहीं तो यहां पर जो रेस्टोरेंट है यह मान लिया जाएगा कि उसने अपना वादा निभा दिया जबकि उसने मुझे खाना दिया नहीं है बट उसने ट्राई तो किया था ना देने के लिए मैंने ही तो खाना नहीं लिया तो इसमें प्रोमिस की गलती है प्रॉमिस और की कोई गलती नहीं है तो लॉ मान लेता है कि भैया

अनकंडीशनल होना चाहिए दिस इज दर्स्ट कंडीशन सर अनकंडीशनल मतलब यानी जब वो वादा पूरा करना आए तो वो कोई कंडीशन उसमें ना लगा दे वो ये ना कह दे भैया मैं आ गया हूं लेकिन आपको उसके लिए ना दो किलोमीटर दूर आना पड़ेगा अपने घर से कंडीशन लगा रहा है अरे भैया तूने घर पे आने का वादा किया था तो घर पे दे के जाना तू अब इस कंडीशन क्यों लगा रहा है तो अगर वो दूर चौक से खड़े होकर मुझे फोन करेगा एक किलोमीटर दूर से फोन करेगा तो लॉ बोलेगा ये ऑफर टू परफॉर्मेंस नहीं है आपको वहां जाना पड़ेगा घर पे पहुंचना पड़ेगा डोरबेल बजानी पड़ेगी फोन करना पड़ेगा तब जाके हम मानेंगे ऑफर टू परफॉर्मेंस है सेकेंड कंडीशन इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस मतलब कि भैया मैंने दोपहर को 12 बजे खाना मंगाया था और जोमैटो वाला खाना लेकर रात को 3 बजे आया कह रहा है भैया आपका खाना आ गया है भैया आपका खाना आ गया है ले लीजिए ना तो लॉ कहेगा ये ऑफर अब मैं रात को 3 बजे थोड़ी लूंगा मैंने तो 12 बजे मंगाया था एक घंटे के अंदर आ जाना चाहिए था ना तो यहां पर प्रॉपर टाइम पे वो नहीं आया इसीलिए हम मानेंगे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है उसने ब्रीच किया है उसने क्या किया मेरे बच्चा ब्रीच किया क्योंकि उसने अपने वादा सही टाइम पे नहीं मंगाया दूसरा क्या हो सकता है प्रॉपर प्लेस मतलब मैंने घर पे मंगाया था और वो कहीं और चला गया मेरे घर पे आया ही नहीं कहीं और खड़ा है तो वो भी प्रॉपर प्लेस पे आके अगर मेरे घर पे आके घंटी नहीं बजाएगा तो लॉ बोलेगा ये ऑफर टू परफॉर्मेंस नहीं है क्या ये बात आपको क्लियर हो गई यस सर ये बात मुझे क्लियर हो चुकी है ओके इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग अगर ऑफर किसी चीज को डिलीवर करने का है तो सामने वाले को आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो चेक कर सके कि वो चेक कर सके कि, कि आप क्या सामान ऑर्डर कर रहे थे यानी उसके पास ये देखने का ऑप्शन होना चाहिए कि आप सच में खाना लेकर आए थे या नहीं लेकर आए थे ये ऑप्शन होना चाहिए वो एक्सरसाइज करे चाहे ना करे लेकिन आपने उसको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि भैया आ जाइए मैं खाना लेकर खड़ा हूं आपको देखना है तो देख सकते हैं ओके सर ओके सर क्लियर हो गया क्लियर हो गया सर कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चा लॉ सिंपल सी बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई प्रॉमिस है तो उसे उस प्रॉमिस को उसे उस प्रॉमिस को निभाना है यानी एक्चुअली परफॉर्म करना है या कोशिश करनी है परफॉर्म करने की मतलब वो तो पूरा तैयार था करने के लिए सामने वाले ने मना कर दिया तो इसमें हमारी क्या गलती सर एक बात बताइए सर मुझे एक बात बताइए क्या बताऊं सर अब आपने खाना तो नहीं लिया आपने खाना तो नहीं लिया तो क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं आपको क्या लगता है क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं अगर मैंने खाना नहीं लिया तो खाना नहीं लिया तो क्या मुझे वाले को पैसे देने पड़ेंगे या वो बिना पैसे के ही चला जाएगा क्या लगता है कि वो पैसे मुझे रिफंड कर देने चाहिए द आंसर इज नो बिकॉज यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भैया क्या हो रहा है यहां पर मैंने खाना लेने से मना कर दिया उनका तो फूड वेस्ट हो रहा है ना उनका तो फूड वेस्ट हो रहा है तो लॉ क्या कहता है भैया यहाँ पे लॉ कहता है कि सामने वाले को आपका वो जो पैसा है वो लोग रिटर्न नहीं करेंगे वो आपका पैसा रिटर्न नहीं करने वाले हैं ओके सर अच्छा ये बात क्लियर हो गई नाउ लेट्स गो टू आ इम्पोर्टेंट थिंग लेट्स गो टू अम्पोर्टेंट थिंग ठीक है सर जो वादा होता है वो वादा कौन निभाएगा जो वादा होता है वो कौन कौन निभा सकता है वो कौन कौन निभा सकता है बेटा देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं मलिका जी हैं आप फील करना पहले फिर प्रोविजन बताऊंगा पहले फील करना मैं क्या कहना चाहता हूं मलिका जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया मजनू भाई के साथ कि भैया मेरी पेंटिंग जो है वो एक बड़े कैनवास पे मेरी पेंटिंग आप बना दीजिए ऐसा उसने मजनू भाई को बोला मजनू भाई ने कहा हाँ हाँ बना देंगे आफ्टर सिक्स्थ सिटिंग यानी छठी बार जब वो बनवाने क्योंकि पेंटिंग बहुत सारी मल्टीपल सिटिंग्स में बनती है मजनू भाई का एक एक्सीडेंट हो गया और इसकी वजह से इसकी वजह से क्योंकि मजनू भाई का एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से क्या हुआ लॉ बोलता है इसकी वजह से क्या हुआ भाई इसकी वजह से अब वो पेंटिंग पूरी नहीं कर पाएंगे अब वो मलिका जी की लवली पेंटिंग पूरी नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे ठीक है अब उदय भाई उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उदय भाई उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है यानी मजनू भाई के बाद उदय भाई ने टेक ओवर किया है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आपको क्या लगता है क्या मलिका जी क्या मलिका जी उदय भाई के ऊपर बोल सकती है उदय भाई के ऊपर केस करके कि उदय भाई तुम वादा पूरा करो क्योंकि तुम तो मजनू भाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो क्या आपको ऐसा लगता है द आंसर इज नो सर वाई आंसर इज नो बिकॉज मेरे बच्चा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी इसमें मजनू भाई की पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी और जिस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती है वहां पर आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं कर सकते तो मिस्टर उदय कैन नॉट पेंट द पेंटिंग रिमेनिंग पेंटिंग एज कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड पर्सनल स्किल्स और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मेरे बच्चा वाइड हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मेरे बच्चे एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्यों वाइड हो गया बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी तो क्या उदय भाई से ले जा सकते हैं द आंसर इज नो अच्छा अगर मलीका जी ने कुछ पैसे एडवांस में दे रखे होंगे मजनू भाई को मान लो दस हजार रुपए एडवांस दे रखे थे तो क्या ये पैसे रिटर्न मिल जाने चाहिए या नहीं क्या ये पैसे रिटर्न मिल जाने चाहिए या नहीं बिल्कुल मिल जाने चाहिए बिकॉज भैया मेरी यहां पर तो नहीं हुआ तो आपको मजनू भाई को मैं किस बात के पैसे दूं इसीलिए मजनू भाई के पास जो पैसे थे वो रिटर्न हो जाने चाहिए मलिका जी को अपने पैसे मिल जाने चाहिए पेंटिंग नहीं मिली तो क्या हुआ लेकिन कम से कम क्या मिल जाना चाहिए मेरे बच्चा पैसा तो वापस मिल ही जाना चाहिए ओके सर एक और एग्जांपल लेते हैं जो इंस्टीट्यूट ने आपकी किताब में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखिएगा ए ने वादा करा कि मैं गुड्स डिलीवर करूंगा बी को ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज वन लैक तो ए ने बी को वादा करा कि मैं तुझे गुड्स दूंगा एक लाख रुपए अगर तू देगा तो लेकिन यहां पर ए जो है बेचारा मर गया ओ हो 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 ए बेचारा मर गया वो दिन आने से पहले यानी गुड्स की डिलीवरी हो पाई या नहीं हो पाई सर गुड्स की डिलीवरी नहीं हो पाई तो लॉ बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को के लिए आप लोग मुझे बताइए क्या यहां पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है क्या क्या यहां पर एक पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है गुड्स भेजने के लिए द आंसर इज नो द आंसर इज नो और क्योंकि यहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो लॉ कहता है ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना ए का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो गुड्स देगा बी को और बी उसे क्या देगा एक लाख रुपए देगा यानी बड़ी प्यारी सिंपल सी बात देखो कॉन्ट्रैक्ट में अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है और उस बंदे को पैरालिसिस डेथ कुछ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करता है लेकिन वही मेरे बच्चा अगर ली, अगर पर्सनल स्किल्स नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वादा पूरा करना पड़ता है अभी हम आगे इस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं चिंता मत करो ओके okay, सर तो ये लाइन लॉ में लिखी हुई है प्रोमिसर्स बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर यानी अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वो वादा निभाना पड़ता है बट पर्सनल स्किल है तो नहीं निभाएंगे पर्सनल स्किल है तो नहीं निभाएंगे ओके सर ओके सर आगे चलते हैं आगे चलते हैं सेक्शन की बात करते हैं देखना बहुत प्यारी बात लिखी हुई है लॉ कहता है कि सामने वाले ने परफॉर्मेंस स्टार्ट तो करा था सामने वाले ने परफॉर्मेंस स्टार्ट तो करा था बट बीच में उसने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं करा यानी स्टार्ट तो कर दिया था उसने अपना वादा निभाना वो वादा निभा भी रहा था लेकिन बीच में उसने क्या कर दिया निभाना बंद कर दिया तो क्या होता है ये ऑलरेडी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं बट क्योंकि ये आपके यूनिट फोर का भी पार्ट है सो आई एम डिस्कसिंग इट अगेन ओके सर मिस्टर ब्रह्मा थिएटर ओनर है ठीक है थिएटर ओनर है कॉन्ट्रेक्टेड मिस ढिनच पूजा दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर परफॉर्म हर फेमस सॉन्ग ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे हर सैटरडे एंड संडे एक करोड़ रुपए पर मंथ यहां पे लिख लेंगे फॉर फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ अगले तीन महीनों के लिए आप हर सैटरडे एंड संडे आएंगी और हमारे थिएटर में गाना गाएंगी ताकि जो पब्लिक है वो झूम उठे ताकि जो पब्लिक है वो झूम उठे ऑन थर्ड संडे यानी फर्स्ट संडे वो आई से फर्स्ट सैटरडे आई सेकंड फर्स्ट सैटरडे भी आई फर्स्ट संडे भी आई फिर सेकंड सैटरडे भी आई सेकंड संडे भी आई लेकिन थर्ड सैटरडे को थर्ड सैटरडे को पूजा जी ने क्या कर दिया वो हमारे थिएटर में नहीं आई ब्रह्मा जी की बैंड बज गई उन्हें लगा था गाना बजेगा थिएटर में लेकिन ब्रह्मा जी की बैंड बज गई भैया ओके नाउ जब ये बैंड बजी जब ये बैंड बजी तो ब्रह्मा जी को लॉ ने दो ऑप्शन दिए कह रहा है सर आपके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इस ढिंच पूजा से अपना नाता खत्म कर दो ये तो धोखेबाज निकली ये तो धोखेबाज निकली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दीजिए या दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दीजिए मतलब इस थर्ड सैटरडे नहीं आई कोई बात नहीं उसे बोलिए भैया अगले संडे आ जाए होता रहता है लेकिन आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे लॉ बोलता है दोनों ही केस में दोनों ही केस में आपको डैमेजेस मिलेंगे यानी अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो भी डैमेजेस मिलेंगे अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो भी डैमेजेस मिलेंगे और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी डैमेजेस मिलेंगे क्योंकि जो थर्ड सैटरडे को आपका नुकसान हुआ जो आपने जूते खाए पब्लिक से जो भी जूते आपने खाए होंगे वो उसका हरजाना किसको भरना पड़ेगा ढिनचक पूजा को भरना पड़ेगा आप पूजा के ऊपर केस करके ये डैमेजेस ले सकते हैं आप को मतलब अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो मेरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद ब्रह्मा जी दोबारा उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते सेम ग्राउंड पे यानी देखिएगा मान लीजिए थर्ड सैटरडे को वो नहीं आई थर्ड सैटरडे को वो नहीं आई बट आपने उसे थर्ड संडे को बुलाया फिर सैटरडे को बुलाया बट फोर्थ संडे को जब वो आई तो आपने उसे बोला मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं उसने कहा क्यों कर रहे हो क्योंकि तुम थर्ड सैटरडे को नहीं आई थी तो लॉ कहता है ये अलाउड नहीं है अब आप क्योंकि एक बार कंटिन्यू कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो दोबारा आप सेम ग्राउंड पे उसे नहीं कर सकते हैं क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैंने शायद पिछले में भी मार्क कराई होगी अगेन आई एम मार्किंग दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस स्टडी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है कि वादे कौन कौन निभा सकता है तो तीन लोग हैं देर आर थ्री पीपल्स हु कैन परफॉर्म द प्रॉमिस ऐसा ये लोग बोलते हैं बट मैं आपको आगे बताऊंगा कि और भी लोग निभा सकते हैं और भी लोग निभा सकते हैं आप चिंता मत करिए पहला प्रॉमिस क्या है देखिए पहला कौन है पहला बंदा है प्रोमिसर खुद अपना वादा निभा सकता है दूसरा बंदा है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर या प्रोमिसर का एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एजेंट ओके सर क्वेश्चन देखिए व्हेन प्रोमिसर परफॉर्म द प्रॉमिस प्रॉमिसर खुद कब प्रोमिस परफॉर्म करता है सबसे पहली चीज वो कब करता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल होती है लॉ में इसको पर्सनल कंसिडरेशन भी बोलते हैं पर्सनल स्किल्स को कई बार वो क्या बोलते हैं पर्सनल कंसिडरेशन भी बोलते हैं पर्सनल कंसिडरेशन भी बोलते हैं जैसे डांसिंग पेंटिंग सिंगिंग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जहां स्किल्स इन्वॉल्व होती है तो वहां पर प्रोमिसर परफॉर्मस दर्सनल स्किल्स ठीक है ओके okay. और सेकंड क्या है जहां कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा हुआ है या ये इंटेंशन है पार्टीज की कि हम वादा पूरा करवाना चाहते हैं खुद प्रोमिसर से यानी देर आर टू केसेस जब प्रोमिसर निभाता है एक तो पर्सनल स्किल्स उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं उसे ही निभाना पड़ेगा और सेकंड ऑप्शन इज जब पर्सनल स्किल्स तो इन्वॉल्व नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पार्टीज की ये इंटेंशन थी कि उसे प्रोमिसर ही निभाए और कोई ना निभाए। ओके सर, सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब निभाता है वादे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब निभाता है? When? जब प्रॉमिसर वादे को नहीं निभा पाता है अनेबल मतलब या तो प्रोमिसर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है या प्रोमिसर क्रिटिकली इल हो गया या पैरालिसिस हो गया यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब करता है जैसे ही प्रोमिसर की मृत्यु हो जाती है या वो पैरालिसिस हो जाता है तो नॉर्मली हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ते हैं प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कौन सा होना चाहिए अब आपको पता है पर्सनल स्किल्स का पर्सनल स्किल्स को छोड़ के अगर प्रोमिसर के साथ कुछ भी होता है तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ लेते हैं नाउ दर कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार मार्क कर लिया है मैंने क्या बोलता है कह रहा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वादा तो निभाएगा लेकिन सिर्फ कितना कह रहा जितनी प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट करी है प्रॉमिसर से उतना ही सर इसका एग्जाम्पल दीजिए ना एग्जाम्पल देख लीजिए इस बात का एग्जाम्पल नंबर वन क्या हुआ ये मिस्टर ए हैं इन्होंने बी ने पचास लाख के गुड्स ए को दिए थे बी ने पचास लाख के गुड्स 50 लाख के गुड्स है ना आप कंफ्यूज 50 लाख के गुड्स गुड्स दिए थे बी ने गुड्स दिए थे और ए ने कहा था मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा ठीक है ओके सर अब ए की डेथ हो गई ए की डेथ हो गई तो बताओ डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्व नहीं है पचास लाख ,00 देने कोई भी दे सकता है इसमें पर्सनल स्किल्स की क्या जरूरत है तो हम किसको पकड़ेंगे ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी को तो सी इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ठीक है और इसने ए से ए से जो है प्रॉपर्टी इनहेरिट करी कितने की थर्टी लैक्स रुपीज की प्रॉपर्टी ली 30 रुपीस की प्रॉपर्टी इसने अपने लीजिए फादर सन है ए फादर था और सी सन था तो इसीलिए हमने कहा भैया ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है लाख की प्रॉपर्टी इसे अपने पापा से मिली इसकी खुद की प्रॉपर्टी पांच करोड़ की है इसकी खुद की प्रॉपर्टी पांच करोड़ की है बट इसे पापा से कितने मिले तीस लाख रुपए मिले अब बी पैसे लेने आया बी ए के पास आया अरे A, वो मैंने तेरे पापा को गुड्स दिए थे ना पचास लाख के उसके पैसे दे दे सी कह रहा है मैं क्यों दू तूने तो पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था तो बी कह रहा है अबे तू लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनका तेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि ये इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है ओ अच्छा यार पापा तो डुबा गया यार कह रहा अच्छा कह रहा कितने देने हैं कह रहा है फिफ्टी लैक्स देने पड़ेंगे फिफ्टी लैक्स 50 लाख देने पड़ेंगे अरे मुझे तो पापा से सिर्फ 30 लाख मिले हैं मुझे तो पापा से सिर्फ 30 लाख मिले तुझे 50 लाख कैसे दे दूं तो वो कह रहा है अपनी प्रॉपर्टी में से दे दे तो लॉ कहेगा नहीं ज्यादा से ज्यादा ये बंदा सी जो है सिर्फ बी को 30 ही लाख रुपए देगा सिर्फ 30 लाख देगा पर बाकी के 20 लाख कौन देगा फिर बाकी के 20 लाख बैड डेट्स हो जाएंगे बेड डेट सुना है कि नहीं सुना है नहीं सुना है तो हमारे प्यारे ऋषभ सर आपको सिखा देंगे बेड डेट्स के बारे में तो यहां पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी क्या यस yes, सर एकदम क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है कोई दिक्कत की बात इसमें मुझे नहीं लग रही है लास्ट एजेंट कब परफॉर्म करता है प्रॉमिस को एजेंट कब करता है तो लॉ कहता है अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है तो प्रोमिसर या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए तब एजेंट जाके यानी अपॉइंट करना पड़ता है एजेंट को पहले वो काम करने के लिए उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए तो वो भी वादा पूरा कर सकता है वो भी वादा पूरा कर सकता है ओके सर देखिए एक केस स्टडी लाए लेट्स रीड दिस केस स्टडी एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हार्ट दिल से समझेंगे हम लोग देखिए ए को मिले ए को क्या मिले सर्टेन गुड्स मिले ठीक है बी से चलो यहां पे लिख लेता हूं ए को बी से गुड्स मिले ए को बी से गुड्स मिल गए ठीक है एंड ए ने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें एक लाख रुपए बाद में दूंगा लेटर मैं तुम्हें एक लाख रुपए बाद में दूंगा लेटर ए ने कह दिया मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं मेरे पास पैसे नहीं है भैया ए ने बी को कहा मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं तो क्या हुआ सी जो ए का दोस्त था सी जो ए का दोस्त था उसने उसने मेरे बच्चा साठ हजार रुपए बी को दे दिए ए के हाँ पे उसने ए के बिहाफ पे सी को कित, बी को कितने दे दिए साठ हजार रुपए दे दिए आपको याद होगा कंसीडरेशन में भी हमें पढ़ा था कि थर्ड पर्सन से भी कंसीडरेशन आ सकता है जरूरी नहीं है कि वो प्रोमिसरी पे करे यस और नो लेकिन ये बात ये बात ए को पता नहीं थी ये बात सी ने ए को नहीं बताई लेकिन बी को उसने पैसे दे दिए ठीक है और बी ने वो साठ रख भी लिए नाउ ये बात क्योंकि ए को पता नहीं थी तो बी ने कहा बी ने कहा मैं ए के ऊपर केस कर देता हूं कितने का एक लाख रुपए का अरे भैया बी कितना लालची है तू एक लाख रुपए तूने लेने थे साठ हजार तुझे किसी और से मिल गए और तू अभी भी एक लाख मांग रहा है क्या आपको ये गलत नहीं लग रहा तो लॉ भी यही कह रहा है कि अब बी केस तो कर सकता है लेकिन कितने अमाउंट का

और एक्सेप्ट किससे करा थर्ड पार्टी मतलब कौन सी? So, वो बाद में यानी बी बाद में अब प्रोमिसर से प्रोमिसर से ए से वो दोबारा मांग नहीं सकता जितना उसने एक्सेप्ट कर लिया इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बात ए को पता है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बात ए को पता है या नहीं आपको पैसे मिल गए ना तो आप बस अब रिमेनिंग पैसों के लिए ही केस कर सकते हो रिमेनिंग पैसों के लिए ही केस कर सकते हो 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 क्या ये हो ये, ये पॉइंट पॉइंट क्लियर क्लियर गया गया okay, यस सर सर ओके यहां से आपका फोकस एकदम हंड्रेड परसेंट आना चाहिए मेरे ऊपर क्योंकि ये जो अब हम स्लाइड स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टीट्यूट के फेवरेट सवालों में से एक है और आपको एग्जाम में देखने को चार मार्क या छह मार्क के लिए दिखने वाला है तो दिल से समझेंगे तो समझ आ जाएगा और सिर्फ देखने के लिए देखेंगे तो कद्दू समझ आएगा तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूं है ना सर आप कब से स्लो ही जा रहे हैं ओके बेटा समझेंगे धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या हुआ गोपाल भाई लकी भाई और हमारे माधव भाई एक बिजनेस ओपन करना चाहते थे ये तीनों लोग एक बिजनेस ओपन करना चाहते थे इसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी की जरूरत थी इसके लिए तो ये पहुंचे हमारे प्यारे वसूली भाई के पास जिनका क्या धंधा है लोगों को पैसे देना इनका धंधा है तो देखिए क्या हुआ मिस्टर गोपाल, मिस्टर मिस्टर गोपाल माधव और लकी ने क्या लिए लिएइंटली मतलब एक साथ बोरो करे नौ लाख रुपए फ्रॉम वसूली भाई फॉर दो महीने दो महीने के लिए इन्होंने कहा वसूली भाई तीनों पहुंच गए हे वसूली भाई हमें एक नया बिजनेस खोलना है पटाखों की फैक्ट्री दिवाली आ रही है ना हम दिवाली पे बिजनेस खोलना चाहते हैं प्लीज हमें पैसे दे दो एकदम बढ़िया पटाखे छुटाएंगे देखा कैसे नौ लाख के बीस लाख हो जाएंगे आपको भी इंटरेस्ट दे देंगे वसूली भाई खुश हो गए कह रहे मुझे लग रहा है कि पटाखे ये लोग बेच लेंगे तो उन्होंने क्या करा ये नौ लाख रुपए इनको दे दिए इनको दे दिए मतलब कंबाइंडली इन तीनों को दिए किसको कितना दिया उन्हें भी नहीं पता उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें एज अ ज्वाइंट प्रोमिसर दिए यानी तीनों का वादा है तीनों मिलकर मुझे क्या देंगे नौ लाख रुपए देंगे अब लॉ क्या कहता है लॉ क्या कहता है कि इन तीनों को ज्वाइंटली एंड सबरली इसका मतलब अभी हम आगे समझेंगे बट पैसा देना है किसको देना है वसूली भाई को पैसा देना है वापस अब मान लीजिए मान लीजिए समझिएगा अगर ए की डेथ ए कह रहा गोपाल की डेथ हो जाती है अगर गोपाल भाई की डेथ हो जाती है तो नौ लाख रुपए कौन देगा तो मेरे बच्चा नौ लाख रुपए देगा गोपाल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस मिस्टर लकी प्लस मिस्टर माधव यानी अगर गोपाल की डेथ हो जाती है तो गोपाल का रिप्रेजेंटेटिव लकी और माधव ये तीनों देने पड़ेंगे इन तीनों को पैसे देने हैं सर अगर लकी की भी डेथ हो जाती है गोपाल की भी डेथ हो जाती है लकी की भी डेथ हो जाती है तो क्या होगा तो गोका गोपाल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लकी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मा, माधव ये तीनों वसूली भाई को पैसे देंगे सर मुझे एक बात बताइए तीनों ही गाड़ी में जा रहे थे पटाखे लेने पटाखे लेके आ ही रहे थे कि, कि किसी ने सिगरेट पीते हुए उनकी गाड़ी में डाल दी इतने सारे पटाखे थे और वो जल गए वो मर गए तीनों ही उड़ गए भैया तो फिर कौन पैसे देगा वसूली भाई को तो लॉ कहेगा कौन पैसे देगा गोपाल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस लकी का रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव प्लस माधव का लीगल, का लीगल ये तीनों लोग पैसे देंगे ठीक है एक और चीज समझना ये तीनों पैसे तो देंगे लेकिन कितने देंगे जितना इन्होंने इनहेरिट किया है उससे ज्यादा लीगल रिप्रेजेंटेटिव देते नहीं है होने दो तो नौ लाख रुपए का लोन आया कितना है जेब में वो बात करो कि कितना इनहेरिट करा है उससे ज्यादा हम लोग देने वाले नहीं है आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भैया डेथ के केस में लीगल प्रोमिस में कैसे वादा पूरा होता है कैसे वादा पूरा होता है ओके okay, सर तो देखिए यही बात इन्होंने लॉ में ऐसे लिखी हुई है वेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ ज्वाइंट प्रोमिस unless

हुई है। सेकंड पॉइंट चलते हैं का, ठीक है? सेकंड पॉइंट यह बोलता है सेकंड पॉइंट क्या बोलता है क्योंकि एक joint promise है। वसूली भाई दो महीने खत्म हो गए अब वसूली भाई इन तीनों को ढूंढ रहे हैं है। ये तीनों छुपे हुए हैं ये तीनों छुपे हुए हैं मिल नहीं रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं तीनों मिले तो पैसे ले लूं अब इन्हें मान लीजिए गोपाल मिल गया गोपाल मिल गया और इन्होंने गोपाल का कोलर पकड़ लिया वसूली भाई ने और कहा कहाव का टीका तो लगा ही रखा कह रहे हैं गोपाल पैसे दे आपको क्या लगता है क्या गोपाल को नौ लाख रुपए देने चाहिए या नाइन लैख डिवाइड बाई थ्री नाइन लैख डिवाइड बाई थ्री क्या गोपाल को थ्री लाख रुपीज देने चाहिए वसूली भाई को या नौ लाख रुपए देने चाहिए क्या लगता है क्या लगता है वसूली भाई तो कह रहा है मुझे वो दोनों नहीं मिल रहे मुझे नहीं पता तू मुझे पूरे पैसे दे तो लॉ कहता है वसूली भाई एज पर लॉ लीगली ज्वाइंट के केस में पूरे के पूरे पैसे यानी पूरे के पूरे नो लाख ले सकता है तीन लाख नहीं लेगा ओ हो हो सर ये तो बड़ा गलत हो गया बिचारे गोपाल के साथ तो बुरा हो गया सर क्या बुरा हो गया बेटा सर गोपाल ने बिचारे ने मांगे तीनों थे ने, थे पैसे लेकिन गोपाल को पूरे देने पड़ गए तो लॉ कहता है सुनो क्या कहता है लॉ कहता है भैया गोपाल ने नौ लाख दे दिए करेक्ट वसूली को क्या अब वसूली भाई का क्रेडिट खत्म हो गया उधारी खत्म हो गई यस yes. अब गोपाल को देने कितने थे एक्चुअली में देने थे तीन लाख यानी उसने एक्स्ट्रा कितने पे कर दिए छह लाख रुपए पे कर दिए तो लॉ कह रहा है गोपाल वो छह लाख रुपए लकी और माधव से रिकवर कर सकता है यानी अब गोपाल लकी और माधव को ढूंढेगा पहले कौन ढूंढ रहा था वसूली भाई ढूंढ रहे थे बट अब गोपाल भाई लक्की को ढूंढ रहे रहे हैं आ ओ, आ ओ को रहे हैं को ढूंढ ना ये, ये, ये इसमें से किसी को भी पकड़कर पैसा ले सकता है एक और केस ले लेते हैं कोई बात नहीं और सिंपल करते हैं एक और केस मान लो वसूली भाई को सिर्फ गोपाल नहीं गोपाल और लकी दोनों मिल गए गोपाल और लकी दोनों मिल गए उसने दोनों को पकड़ लिया कह रहा कहां भाग रहे हो भैया इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था कहां भाग रहे हो नहीं नहीं जाने नहीं दूंगा दोनों के कॉलर पकड़ रखे वो छूट रहे हैं लेकिन वो जाने नहीं दे रहा है वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जाने नहीं दे रहा है क्यों नहीं जाने दे रहा है भैया बिकॉज अब उसने क्या कहा उसने कहा वसूली भाई वसूली भाई ने कहा मुझे नौ लाख रुपए तुम दोनों से चाहिए तो गोपाल ने साढ़े लाख रुपए दिए मान लो और लकी ने भी साढ़े चार लाख रुपए दिए यानी दोनों ने कितने दे दिए टोटल नाइन लाख रुपए वसूली को मिल गए और वसूली कहां चला गया मेरे बच्चा घर चला गया अब लॉ कहता है ये लोग माधव से पैसा रिकवर कर सकते हैं, यानी अब गोपाल और लकी जाएंगे और कहेंगे हे माधव चल अपने तीन लाख निकाल और ये तीन लाख रुपए देगा तो कैसे बटेंगे डेढ़ लाख रुपए कौन किसको मिलेंगे गोपाल को क्योंकि उसने डेढ़ लाख एक्स्ट्रा भरे थे और डेढ़ लाख मिलेंगे लकी को क्या यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए यस और नो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है आपको है ना ओके सर नाउ सर अगर कोई ज्वाइंट प्रोमिसर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कैसे कैलकुलेशन होती है वो बताइए तो ये उसके ऊपर एग्जाम में आया हुआ सवाल मैं लेके आया हूं लेट सॉल्व इट लेट सॉल्व इट ए बी सी डी तो देखिए दो चार लोग हैं ए बी सी डी ओके इन्होंने ज्वाइंटली लाख रुपए एफ से लिए हैं इन्होंने ज्वाइंटली कितने पैसे देने हैं छह लाख रुपए देने हैं एफ को ओके okay? अब हुआ क्या बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए लॉ कह रहा है बी हो गया है इंसॉल्वेंट सी हो गया है इंसॉल्वेंट ओके okay जी बी इंसॉल्वेंट हो गया सी इंसॉल्वेंट हो गया ओके okay. बी वाज अने क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसने तो एक भी रुपया नहीं दिया तो बी से कितना रिकवर होगा बी से कितना रिकवर होगा कह रहा है बी तो एक रुपया भी नहीं दे सकता उसका तो पूरा ही वाला निकल गया उसके पास कोई एसेट ही नहीं थे बट सी से सी से हम पचास हजार रुपए निकाल सकते हैं सी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा रुपीज फिफ्टी थाउजेंड कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है अभी भी रुपीज फिफ्टी थाउजेंड अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ओके नाउ ए इज कंपेल्ड टू पे दी होल अमाउंट टू एफ एफ ने ए को पकड़ लिया एफ को कौन मिल गया रस्ते में ए मिल गया और लीगली आप जानते हैं कि वो किसी भी पर्सन से पूरा पैसा ले सकता है तो ए ने क्या करा छह लाख रुपए पूरे पे कर दिए एफ को तो क्या एफ का अकाउंट क्लियर हो गया क्या येस yes. एफ का पूरा अकाउंट क्लियर हो गया बिकॉज ए ने पूरे छ लाख रुपए दे दिए। अब क्वेश्चन आता है कि वो जब रिकवरी रिकवरी करने जाएगा, किस-किस से करेगा? मैंने कितने दिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना सबसे पहले निकाल लो कि इन्होंने कितना कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था कितना कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था लेट्स कैलकुलेट लेट्स कैलकुलेट कितना कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था ए बी सी डी सिक्स लैख डिवाइड बाई फोर इन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था सिक्स लैख डिवाइड बाई फोर कितना अमाउंट आता है बच्चा डेढ़ लाख रुपया ओके okay. डेढ़ लाख रुपया ठीक है यहां पे भी डेढ़ लाख रुपया इससे लेना था सी को भी डेढ़ लाख रुपया देना था और डी को भी डेढ़ लाख रुपया देना था क्या यह पॉइंट क्लियर हो गया चारों को डेढ़ डेढ़ लाख रुपए देना था कैसे आया सिक्स डिवाइड बाई फोर सिक्स बेटा लॉ में भी मैथ्स क्या बताऊं ओ हो हो पसीने आ गए मुझे तो इतनी कैलकुलेशन करके अब छह लाख डिवाइड बाई फोर डेढ़ डेढ़ लाख रुपए देना था बट पूरे के पूरे पैसे दे दिए मेरे बेचारे ए ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए मेरे बेचारे ए ने क्योंकि उसे पकड़ लिया गया था आप बताइए बी से क्या कोई पैसा रिकवर हो पाएगा द आंसर इज नो बी से कोई भी पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा यानी ये जो लॉस है ये बियर करना पड़ेगा बाकी लोगों को ये किसे बियर करना पड़ेगा बाकी प्रोमिसर्स को बियर करना पड़ेगा अच्छा ओके सी भी इंस्टॉलमेंट हो गया सी से कितने मिल पाए सिर्फ पचास हजार मिल पाए सिर्फ पचास हजार मिल पाए ओके तो यानी वन लाख रुपीज ये भी लॉस हो गया तो देख रहे हो एक वन लैख का लॉस हो गया बी से क्योंकि वो नहीं दे रहा है 1.5 का सॉरी 1.5 लाख का लॉस हो गया बीस से प्लस 1 लाख का लॉस हो गया सी से करेक्ट दोनों को मिला के टोटल लॉस कितना हो गया ढाई लाख रुपए का लॉस है जो इन्हें क्या करना पड़ेगा रिमेनिंग जो बचे हुए हैं इन्हें बी करना पड़ेगा यानी एक और डेढ़ लाख तो देना ही था साथ में ढाई लाख डिवाइड बाय टू साथ में ढाई लाख डिवाइड बाय टू सर टू से क्यों डिवाइड करा क्योंकि जितने भी प्रोमिसर्स बचते हैं उनमें वो लॉस इक्वली बट जाता है उनमें वो लॉस इक्वल शेयर में बट जाता है लॉ बोलता है इसीलिए मैंने ऐसा करा तो ढाई लाख रुपए डिवाइड बाय टू कितना आएगा मेरे बच्चा एक लाख पच्चीस हजार एक लाख पच्चीस हजार आएगा तो देखो डेढ़ लाख प्लस एक लाख पच्चीस हजार डेढ़ लाख प्लस एक लाख वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री पॉइंट टू फाइव लैख ये ए को देना है सेम कैलकुलेशन यहां होगी तो डी को भी कितना देना है <laughs> कुछ गड़बड़ कर दी क्या बच्चा कह रहा है गड़बड़ कर दिए हैं आप ओके okay. बच्चा कह रहा है आप तो गड़बड़ कर दिए हैं सर ओके okay, बेटा होती है जीवन में जीवन क्या है जीवन यही तो है गड़बड़ तो होती रहती है यहां पे एक्चुअली तो तो वो कितना रिकवर करेगा अब देखिए कैलकुलेशन हो चुकी है लॉ कहता है क्योंकि इसने पूरा छह लाख पे करा था तो ये डी से लेगा टू पॉइंट सेवन फाइव और सी से लेगा पचास हजार रुपए सर फाइनल आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर ये आया है कि ए डी से लेगा कितना आया था अमाउंट 2.75 और सी से लेगा पचास हजार दट इन जीरो पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार खुद से जरूर सॉल्व करके देना देखो यही आंसर आया है फ्रॉम सी पचास हजार और फ्रॉम डी दो लाख पचहत्तर हजार आप दोबारा कैलकुलेशन यहां पे भी देख सकते हैं बट मैं आपको कहूंगा कि खुद से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना ठीक है ओके सर नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन को हम रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है ये देखिए एक्स वाई जेड ने मिलकर जेड से एक्स वाई जेड ने मिलकर कितने लिए थे जेड से नहीं कौन है एल है एल से 90000 रुपीस लिए हैं तीनों ने मिलकर 90000 लिया है मतलब क्या कह सकता हूं मैं 30000 30000 30000 ऐसा होना चाहिए था क्योंकि तीनों ने मिलकर 90000 लिए हैं बट एल ने माफ कर दिया एल ने एक्स को कह रहा है जा एक्स जा मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा एक्स को मना कर दिया कि मैं तुझसे से पैसे नहीं लूंगा आपको क्या लगता है क्या अब एल Y और ड से सिर्फ साठ हजार लेगा या पूरे नब्बे हजार लेगा क्या लगता है आपको लॉ क्या बोलता होगा क्या पूरे पैसे लेने चाहिए क्योंकि उसने एक्स को माफ कर दिया है या है ना या सिर्फ साठ हजार लेगा नब्बे हजार लेगा साठ हजार लेगा क्या लेगा वो क्योंकि उसने एक्स को कह दिया मैं तुझसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा तो लॉ कहता है लॉ कहता है भले ही उसने एक्स को माफ कर दिया वो फिर भी पूरे नब्बे लेगा किससे Y और Z से Y और Z से वो पूरे नब्बे हजार लेगा Y और Z से यानी सर L का कोई नुकसान हुआ क्या L का कोई भी नुकसान नहीं हुआ अब मान लो आगे चलता हूं मान लो उसे Y मिल गया रास्ते में और Y ने नब्बे हजार पे कर दिए किसको L को Y ने नब्बे हजार पे कर दिए L को और इसको देने कितने थे तीस हजार देने चाहिए थे लॉजिकली अगर तीनों लोग तीस तीस हजार देते बट इसकी जेब से कितने चले गए नब्बे अब ये वापस गया घर और इसने Z और X को पकड़ा। इसने Z Z और और X X X X को को पकड़ा पकड़ा बड़ा खुश है है कह रहा भैया मुझे तो L ने माफ कर दिया है मुझे तो एल ने माफ कर दिया अब मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा वाई कह रहा है अब तेरे हिस्से के भी पैसे मैं देकर आया हूं उसने तुझे माफ करा है मैंने तुझे माफ नहीं करा चल तीस हजार रुपए निकाल x को भी देने पड़ेंगे तीस हजार रुपए और जेड को भी y को देने पड़ेंगे अगर l किसी बंदे को माफ भी कर देता है तो वो बाकियों से पूरा पैसा ले सकता है और बाकी उस बंदे से भी पैसा ले सकते हैं जिसको उसने माफ किया था क्योंकि y ने कभी भी x को माफ नहीं किया था क्या ये बात क्लियर हो गई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आप बस देख लेना कौन सा कंसेप्ट ज्वाइंट प्रोमिसर में टेस्ट कर रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट वो टेस्ट कर रहा है ओके okay, सर ये तो मेरे बच्चे अभी तक हमने बात करी जब ज्वाइंट प्रोमिसर थे जब उन्हें पैसा देना था ज्वाइंटली अब हम बात कर रहे हैं अगर पैसा ज्वाइंटली लेना होता तो क्या होता तो कैलकुलेशन कैसे होते हैं अगर पैसा लेना होता तो यहां पे मैंने उस एग्जाम्पल को टोटली totally रिवर्स कर दिया यहां पे वसूली भाई वसूली भाई कह रहे लोग मेरा पैसा लेके चले जाते हैं भैया मुझे पैसे की जरूरत है प्लीज गोपाल लक्की और माधव है ना हर किसी का वक्त बदलता है अगर आप देखेंगे वक्त वक्त सबका सेम नहीं रहता है वक्त बदलता है बदलता तो अब वसूली भाई आ गए पैरों पे गिर गए और कह रहे हैं गोपाल लकी माधव मुझे प्लीज नौ लाख रुपए दे दो ना नौ लाख रुपए दे दो ना दो महीने के लिए मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा तो लॉ कह रहा है इस केस में इस केस में ध्यान देना अगर गोपाल की डेथ हो जाती है पैसे देने के बाद तो गोपाल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस लकी प्लस माधव ये तीनों मिलकर ये उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस लकी प्लस माधव क्लेम कर सकते हैं वसूली भाई के ऊपर केस कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या यस सर ये पॉइंट क्लियर हो गया है ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया अब आते हैं एक और टॉपिक पे जो अभी लास्ट टॉपिक किया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट से एक और आ गया आएगा अप्रोप्रिय ऑफ पेमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है तो सब बता दीजिए इंपॉर्टेंट है ना हम बस यही करते हैं ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपको डीपीपी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप चिंता मत करिए हाँ नेक्स्ट टॉपिक ये बोलता है कि भैया चलो आपने वादा कर दिया कि प्रोमिस किया दिया कि आपको निभाना है ठीक है लेकिन द क्वेश्चन इज कौन सी डेट को मुझे अपना वादा निभाना है करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी डेट को और किस टाइम पे मुझे अपना वादा निभाना यानी ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए बी को गुड्स देगा और बी ए को पैसे देगा बट द क्वेश्चन कम्स कि कौन सी तारीख को ए गुड्स देगा और कितने बजे गुड्स देगा यह कैसे पता चलता है लॉ इसके बारे में क्या बोलता है यह कैसे पता चलेगा तो देखिए कई बार तो हम कॉन्ट्रैक्ट में ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सी तारीख को ये गुड्स देने हैं जैसे अगर मैं बात करूं मान लीजिए कि बर्थडे था चार तारीख को बर्थडे था हमारे राहुल सर का चार तारीख को बर्थडे था हमारे राहुल सर का तो हमने केक ऑर्डर किया मैंने चार दिन पहले केक ऑर्डर कर दिया मैंने कहा भैया मुझे केक चाहिए वो कह रहा है कौन सी तारीख को चाहिए मैंने तभी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही बता दिया मैंने कहा भैया चार तारीख को केक चाहिए चार तारीख को बर्थडे इससे इससे लेट लेट मत करना। लेट मत करना करना तारीख को केक चाहिए क्या मैंने डेट बता दी द आंसर इज यस यानी कहीं बार हम कॉन्ट्रैक्ट में ही बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही बता देते हैं कि कौन सी तारीख को देना है और टाइम वो कह रहा है भैया सुबह ले जाओगे शाम को ले जाओगे मैं उस हिसाब से बना के रखूंगा तो मैंने कहा भैया शाम की पार्टी है मैं दोपहर में ना सुबह आऊंगा ना शाम को आऊंगा शाम को तो पार्टी है दोपहर को ले जाऊंगा भैया तो दोपहर को ले जाऊंगा मैंने उसे टाइम बता दिया अराउंड अम तो कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट में ही स्पेसिफाई कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सी तारीख और कौन सी वक्त कौन सी तारीख और कौन से वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अपना वादा निभाना है लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला तो क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हमने डिस्कस नहीं करा तो क्या होगा तो कहता है कहीं तुमने उसे यह तो नहीं कहा था कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कई बार जाके और मैं कहता कहता हूं वो कहता है भैया ये सामान आपको कहां पे देना है कब देना है तो मैं उसे कहता हूं मैं आपको फोन करके बताऊंगा भैया कहां पे भेजना है मैं आपको फोन करके क्योंकि जगह भी डिसाइड नहीं होती मान लीजिए मान लीजिए ठीक है करेक्ट मान लीजिए हम एक पार्टी रखने वाले हैं बट पार्टी की अभी डेट डिसाइड नहीं हुई पार्टी की अभी डेट डिसाइड नहीं हुई मैंने कहा भैया आपकी मुझे कैटरिंग की सर्विस खाने की सर्विसेज चाहिए होंगी बट पार्टी की डेट तो वो पूछ रहा भैया कौन सी तारीख मैंने कहा भैया मैं आपको फोन करके बता दूंगा कि कौन सी तारीख रहेगी अभी मुझे भी पता नहीं है तो यहां पर लॉ कहता है कि अगर आपने ऐसा करा है तो आपको बताना ही पड़ेगा यानी आपको क्या करनी पड़ेगी उसे एप्लीकेशन करनी पड़ेगी लॉ का वर्ड क्या है एप्लीकेशन मतलब एक्चुअली उसे बता देना कि भैया कहां पे देना है कौन सी तारीख को देना, है, उसे बता देना तो आपको पे आपका मेन ढांचा बन चुका है जो मैं बताना चाहता था तो इस चार्ट को देखिए बेटा इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट से समझिए कब परफॉर्म होना चाहिए तो सबसे पहले मैंने कहा क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए यह बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं यानी मैं एप्लीकेशन करूंगा कि किस तारीख और किस समय को करना है अगर आपने उसे यह कहा था कि मैं आपको बताऊंगा भैया कौन सी तारीख को देना है तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा ड्यूटी ऑफ द प्रोमिस टू टेल डेट एंड प्रॉपर टाइम मतलब सर जैसे मेरे घर का ना एसी खराब हो गया है मेरे घर का एसी खराब हो गया मैं जा रहा था मैंने कहा भैया मैं कहीं जा रहा था जा रहा था एकदम से मुझे वो मिल गया इलेक्ट्रीशियन जो रिपेयर करता है ना एसी वाला वो मिल गया अरे मैंने कहा भैया हाँ यार वो ना मेरा एसी खराब हो गया है है ना कितना चार्ज करते हो तुम तो? वो कह रहा हूँ हजार रुपए चार्ज करता हूं मैंने कहा डन भाई डन मेरा एसी ठीक कर दोगे ना वो कह रहा दो ऑफर हुआ एक्सेप्टेंस हुआ खत्म हो गया लेकिन उसने कहा भैया किस दिन आऊं आपका एसी ठीक करने किस दिन आऊं मैंने कहा यार मैं तुझे बता दूंगा मैं तुझे बता दूंगा एक्चुअली वो डिपेंड करता है किस दिन ऑफिस की छुट्टी रहेगी ना

तो वक्त कैसे पता चलेगा तो वक्त में देखो हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही डेट और टाइम मेंशन कर दिया हो यानी जैसे हमारा बर्थडे वाला एग्जांपल था कि मैंने उसे पहले ही बता दिया कि मुझे चार तारीख को केक चाहिए भैया और दोपहर को चाहिए क्योंकि शाम को पार्टी है तो परफॉर्मेंस एज मैंशन इन कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो बात हुई थी उस समय पर आपको परफॉर्म करना है एज पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था कई बार यह होता है तारीख तो हम बता देते हैं बट टाइम बताना भूल जाते हैं यानी मैंने टाइम तो बता दिया कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बट उसे क्या नहीं बताया बच्चा उसे क्या नहीं बताया तारीख बता दी बट किस समय दिन में सुबह रात किस टाइम वो नहीं बताया तो लॉ कहता है यहां पे लॉ बोल रहा है बिजनेस आवर्स के टाइम पर कभी भी बिजनेस आवर्स के टाइम पे कभी भी और बिजनेस आवर्स क्या होते हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है हो सकता है अगर वो नॉर्मल बिजनेस है तो 10 से 5 चलता है अगर कोई नाइट पब वगैरह है तो रात को चलता है तो वो कह रहा है जब भी डेट पता है तो उस तारीख को परफॉर्म करना लेकिन टाइम क्या होगा यूजुअल बिजनेस होगा लेकिन सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ना ना तारीख बताई वक्त बताया ना तारीख बताई ना वक्त बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा करना है अपना वादा कब निभाना है तो क्या होगा और एप्लीकेशन तो मैंने बोला ही नहीं था मैं बताऊंगा तो लॉ ने कहा भैया रीजनेबल टाइम पे उसे कर देना उसे कब कर देना रीजनेबल टाइम रीजनेबल टाइम मतलब क्या होता है जैसे हम रीजनेबल टाइम केस टू केस बेसिस पे चेंज होता रहता है यानी अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो नॉर्मली एक घंटे पे आपका खाना आ जाना चाहिए अगर आप कोई Amazon से गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं तो एक दो दिन में आ जाते हैं करेक्ट इट डिपेंड्स तो रीजनेबल टाइम क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंड करेगा बट अगर तो आपको बस ये चार्ट याद रखना है मेरे बच्चा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है तो एप्लीकेशन के हिसाब से एप्लीकेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है क्या और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो रीजनेबल टाइम यानी रीजनेबल डेट और रीजनेबल टाइम पे होगा सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट मेरे बच्चा एप्लीकेबल होता है किस जगह वादा निभाना है सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है किस जगह पर वादा मतलब कहां आकर मुझे परफॉर्म करना है कहां आकर मुझे परफॉर्म करना है पहले एक लॉजिकल सी बात बताता हूं मैंने बंदे को बोला मेरा घर का एसी खराब है तो वो कहां आएगा ऑफिस जाएगा कि घर जाएगा ऑफिस जाएगा कि घर जाएगा सर घर जाएगा अगर मैंने उसे कहा ऑफिस का एसी खराब है तो वो ऑफिस जाएगा कि घर जाएगा सर जाएगा सर ऑफिस यानी कई बार हम इंटेंशन पहले ही क्लियर कर देते हैं तो लॉ कहता है यहां पर भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है और एप्लीकेशन नहीं रिक्वायर्ड है यानी आपको उसे फोन कर कर बताना है या नहीं बताना है आपको उसे फोन कर बताना या मेल करके जैसा भी है अगर आपने उसे बोला है कि मैं बताऊंगा कहां पर आना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे एक प्रॉपर प्लेस बताए और वो वहां पर आकर अपना वादा पूरा करेगा आप उसे प्रॉपर प्लेस बता दीजिए वो वहां पर आकर वादा पूरा करेगा या प्लेस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई है प्लेस ऑलरेडी मतलब नॉर्मली जब हम एमेजॉन से कोई सामान मंगाते हैं तो हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही उसे बता देते हैं एड्रेस क्या मैं उसे एड्रेस हमेशा बताता हूं या नहीं बताता हूं एड्रेस बताता हूं तभी तो वो मेरे घर आकर दे पाता है या जहां पर भी मुझे मंगाना है कई बार मुझे लगता है मंडे को सामान आने वाला है तो मैं ऑफिस में मंगाता हूं और लगता है कि डिलीवरी संडे को दिखा रहा है तो मैं घर पे मंगाता हूं इट डिपेंड्स लेकिन उसे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूं तो जहां पे मैं उसे कहता हूं वो वहीं पर आके मुझे देकर चला जाता है बट अगर प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया है तो क्या होगा इसको देखिएगा तब क्या होगा ना मैं उसे बताने वाला था ना मैंने उसे बताया है तो वो बंदा मुझे फोन करेगा ये उसकी ड्यूटी है वो पूछेगा भैया कहां आकर मुझे अपना वादा निभाना है इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू कर लीजिए टू फॉर अपॉइंटिंग अ रीजनेबल प्लेस तो मैं उसे बताऊंगा भैया यहां पर आना है यानी यहां पर उसकी ड्यूटी है मैं पूछ ना क्लियर है क्या यस और नो यस सर एकदम क्लियर हो चुका है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ने से पहले यह समझते हैं प्रॉब्लम क्या थी वाज प्रॉब्लम जिसकी वजह से सेक्शन बना है तो देखिएगा फील करिएगा ए ने बी को एक को तारीख के गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट ठीक है ए ने बी को पांच हजार के गुड्स बेचे फिर दो तारीख को गुड्स बेचे बारह हजार के ऑन क्रेडिट अगेन ऑन क्रेडिट फिर पांच तारीख को दोबारा सत्रह हजार रुपए के गुड्स भेजे ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट ठीक है पांच हजार के गुड्स बेचे बारह हजार के गुड्स बेचे के अब बी ने क्या करा बी ने क्या करा देखिएगा दस तारीख को दस तारीख को तीन हजार रुपए तीन हजार रुपए बी के बैंक अकाउंट में डाल दिए अब मुझे बताइए आप लोग मुझे बताइए इस अमाउंट में से इस अमाउंट में से बस मैं ये जानना चाहता हूं यह तीन हजार रुपए कौन से में से माइनस होने चाहिए पांच हजार में से माइनस करूं बारह हजार में से माइनस करूं या सत्रह हजार में से माइनस करूं आपका दिल कहता है कि भैया पांच हजार में से माइनस कर दो आपका दिल क्या कह रहा है कह रहा है जो पहले बिका था उसमें से माइनस करो उसी के तो पेमेंट किए होंगे बट लॉ ऐसा नहीं कहता है लॉ कहता है आप ऐसे नहीं कर सकते कि भैया तीन हजार रुपए आए हैं तो इसमें से माइनस कर दो जो पहला बिका ऐसा नहीं कहता लॉ कहता है मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं उसमें आपको करने पड़ेंगे तो लॉ की सीक्वेंस क्या हम एक एग्जांपल से समझेंगे क्या आप इश्यू समझ गए क्या हैव यू अंडरस्टूड है प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज जब एक पर्सन मल्टीपल उधारी होती है और वो पेमेंट करता है तो वो इस उधारी में से कौन सी उधारी को अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको देखना है एक एग्जाम्पल लेंगे अगेन मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है और बच्चा इसको गलत ही लिख के आता है ओके सर चलिए क्या है? पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं लेमन लैंग्वेज में फिर जो लॉ में लिखा है वो पढ़ेंगे बट पहले एक बार लेमन लैंग्वेज में लॉ कहता है पहले जिसने पैसे भेजे हैं ना जिसने पेमेंट करी है उसने कुछ बताया है क्या उसने कुछ बताया है तो वैसे अप्लाई होंगे उसने कुछ बताया है तो वैसे अप्लाई होंगे अगर उसने कुछ भी नहीं बताया हो सकता है वो एक्सप्रेसली बताए हो सकता है इंप्लाइडली बताए ये भी समझेंगे हो सकता है वो एक्सप्रेसली बताए हो सकता है इंप्लाइडली बताए फिर आपको वैसे लगाने हैं अगर उसने कुछ नहीं बताया तो जिसको पैसे मिले हैं जिसको पैसे मिले हैं उसकी मर्जी है वो जैसे मर्जी जैसे मर्जी उसे अप्लाई कर सकता है चाहे फिर वो डेट चाहे फिर वो डेट टाइम बार्ड ही क्यों ना हो चुका हो वो उसके अगेंस्ट भी अप्लाई कर चुका है बट डिस्प्यूटेड डेट्स पे वो लगा नहीं सकता है, बट डिस्प्यूटेड डेट्स पे वो लगा नहीं सकता है और अगर दोनों ही पार्टी डिसाइड नहीं कर रही है तो कहता है मैं बताता हूं फिर उस पर लगाना जो सबसे पहले जो सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ टाइम यानी ऑर्डर ऑफ टाइम जो ड्यू हुआ था वैसे करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं समझ जाएगा एग्जाम्पल देखिएगा ये रहा ये केस स्टडी मैंने बनाई है इसमें सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे देखिए ए और बी ही लिए है एक सेकेंड ए हां बी को मल्टीपल टाइम्स गुड्स सेल करे हैं। तो देखेंगे ए ने बी को एक अप्रैल 2016 को गुड्स बेचे कितने के हजार रुपए के और ड्यू डेट क्या थी यानी गुड्स बिके 2016 को नॉर्मली ये तीस दिन की उधारी करते हैं तो एक मई को वो पैसा ड्यू हो गया यानी क्या हो 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 गया बार्ड हो गया 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 टाइम 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 बार्ड 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 क्यों हो गया सर क्योंकि बेटा आप ना मैं ये जो केस स्टडी है ये अप्रैल 2022 का है यानी आप कहां पे खड़े हो आप अप्रैल 2022 की केस स्टडी लेके खड़े हो इसीलिए अगर तीन साल ऑलरेडी हो चुके हैं तो मैंने लिखा हुआ ये डेट टाइम हो चुका है मतलब इसका टाइम जा चुका है अब आप सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते हो ओके okay. फिर 10 अप्रैल का दिया हुआ है ऐसे करके आपको बड़े सारे सेल्स दे रखे हैं उनकी डेट्स दे रखी है और इतना सारा पैसा अभी तक आया नहीं है अब करना क्या है सर हमें क्या करना है देख ला देखो मेरे बच्चा क्या हुआ एक अप्रैल को 2022 को ए ने बी को बाईस हजार रुपए भेज दिए है ए ने बी को ए बी एक सेकंड यहां पे ए ने बी को नहीं बी ने ए को गुड सेल करे हैं मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे बी ने ए को गुड्स सेल करे हैं सॉरी बी सोल्ड गुड्स टू ए तो पैसा किसको देना है ए को पैसा देना है ए को पैसा देना है ओके सर अंडरस्टूड सर चलिए अब चलते हैं एक अप्रैल को ए ने बी को पैसा भेजा कितना भेजा मेरे बच्चा बाईस हजार भेजा और उसने यह भेजते हुए बताया कि ये पेमेंट मैंने ग्यारह टेन टू जीरो टू वन के अगेंस्ट भेजा है यानी इस तारीख को जो तुमने मुझे गुड्स बेचे थे ना ग्यारह दस दो हजार इक्कीस को उसके लिए भेजा तो 11 10 2021 11 10 2021 यानी इसमें से उसने बोला जो गुड्स तुमने मुझे 11 10 2021 को बेचे थे उसमें से इस बाईस हजार को माइनस करना और लॉ भी यही कहता है कि अगर भेजने वाला बता देता है तो जो भी अमाउंट उसने बोला है वहां से माइनस होगा यानी यहां से बेटा बाईस हजार रुपए एडजस्ट हो जाएंगे बाईस हजार ही भेजे थे ना हाँ हजार रुपए एडजस्ट हो जाएंगे यानी कितने रुपए बचेंगे यहां पे ड्यू 48000 एडजस्ट हो जाएंगे क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया उसने बताया है तो लॉ कह रहा है पहले उसकी बात सुनना और अप्लाई कर देना ओके सर सेकंड पॉइंट तीन अप्रैल को फिर से पैसा आया 9680 रुपए लेकिन ए साइलेंट है और उसने मुझे नहीं बताया ए साइलेंट है उसने मुझे नहीं बताया उसने मुझे एक्सप्रेसली नहीं बताया बट क्या आपको लग रहा है कि नाइन सिक्स एट जीरो किस चीज का पैसा हो सकता है ओ माई गॉड ये तो मैच हो गया आ हा, हा। तो गया यानी हम यहां पे कहेंगे ए, silent तो था बट मुझे इंप्लाइडली पता चल गया कि ये किस चीज का पैसा है मुझे इंप्लाइडली पता चल गया कि ए ने ये किसका पैसा भेजा है तो मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा यहां से नाइन सिक्स एट जीरो भी सेट ऑफ हो चुके हैं ये भी क्या हो चुके हैं सेट ऑफ हो चुके हैं जबकि ये डेट ड्यू नहीं हुआ था डेट ड्यू अभी नहीं हुआ था अप्रैल में बट मुझे पता है कि उसने मुझे पहले ही पैसे भेज दिए हैं ओके सर थर्ड क्या हुआ मेरे बच्चा पांच अप्रैल 2022 को तेईस हजार रुपया आए और ए इस बार भी साइलेंट था चलो चेक करते हैं कहीं पे तेश, तेश हजार का अमाउंट है क्या तेईस हजार तेईस हजार तेईस हजार तेईस हजार तेईस हजार तेईस हजार, 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 हजार कहीं दिख रहा है नहीं तो यानी ना एक्सप्रेसली उसने मुझे बताया ना इंप्लाइडली उसने मुझे बताया तो मैं क्या करूंगा ऑप्शन करूं? करूं? तो है, देते हैं पैसा मिलने वाले को ऑप्शन देते हैं वो डिसाइड कर सकता है वो किसके अगेंस्ट अप्लाई करना चाहता है यानी उसकी मर्जी आएगी तो वो इससे भी अप्लाई कर सकता है उसका मन होगा तो वो इससे भी अप्लाई कर सकता है उसकी इच्छा है तो इससे भी उसकी इच्छा है इससे भी उसकी इच्छा है इससे भी बट इससे अप्लाई नहीं कर पाएगा सर इससे क्यों नहीं अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लॉ कहता है डिस्प्यूटेड डेट पे आपको ऑप्शन नहीं है अगर आपके डेट पे लड़ाई चल रही है तो इसके अगेंस्ट वो नहीं कर सकता बट क्या इसके अगेंस्ट कर सकता है क्या क्या इसके अगेंस्ट कर सकता है क्या द आंसर इज यस और ये, ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है तो चेक करने की जरूरत नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है यानी इसमें से किसी सर लेकिन ये तो टाइम बार्ड है आप कहोगे सर ये टाइम टाइम है तो क्या हम इसके अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं द आंसर इज यस के केस में मेरे बच्चा आप सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते हो पैसा रिकवर करने के लिए लेकिन अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो उसको सेट ऑफ कर सकते हो अगर उसने आपको बताया नहीं है तो यहां पे मैं क्या करूंगा अच्छा कोई होशियार इंसान होगा तो क्या करेगा ऑप्शन लॉ ने उसको किसी में से भी माइनस करने के लिए दिए हैं बट लॉजिकली वो किससे माइनस करेगा सबसे पुराने डेट से क्यों करेगा बिकॉज वो कहेगा ये टाइम बार्ड है इसको क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं तो यहां पे कितने बच्चा माइनस हो जाएंगे थर्टी थाउजेंड में से माइनस हो जाएंगे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तो कितने बचेंगे सेवन थाउजेंड रुपीज बचे हैं सेवन थाउजेंड बचे हैं आगे चलते हैं ये भी हमने क्लियर कर लिया ये कैसे करा हमने बी की विश पर बी की विश पर और उसमें हम डिस्प्यूटेड डेट पे नहीं लगा सकते थे ओके सर 6 अप्रैल 2022, आ हा 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 अप्रैल को सात हजार का और पेमेंट आया ए साइलेंट है बट बी आल्सो नॉट अप्रोप्रिएटेड ए साइलेंट है बट बी आल्सो नॉट अप्रोप्रिएटेड अब देखिएगा यहां पे मेरा सात हजार मैच कर रहा है आपको भी लग रहा है सात हजार मैच कर रहा है तो क्या no. no, इंप्लाइड मान लो के लिए तो यहां पे बात पता नहीं है तो यहां पर मैं इंप्लाइड मान नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे खुद के एडजस्टमेंट से पैसा आया है ओके okay, सर तो यहां पे ना मैंने ना ए ने करा ना बी ने करा तो यहां पे लॉ लगेगा और क्या कहेगा? कहेगा में. में सबसे पुराना डेट कौन सा है सेवन तो यहां पे सेवन थाउजेंड माइनस हो जाएगा उसके बाद बीस हजार फिर, 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 फिर से आ गए दस अप्रैल को लॉ कह रहा है बी ने अप्रोप्रिएट नहीं करे क्या यह बीस कहीं मैच हो रहा है क्या बीस मैच हो रहा है क्या नहीं मैच हो रहा बी ने भी नहीं लगाए तो अब क्या होगा फिर से ऑर्डर ऑफ टाइम पे तो सबसे पुराना डेट आपका कौन सा बचा है सर पचास हजार बट यहां पे ध्यान दीजिए दोनों सेम डेट पे है ओ हो हो अगर दोनों सेम डेट पे हैं तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ टाइम पे कैसे लगाऊ अब पता ही नहीं है कि कौन सा पहले है क्योंकि दोनों सेम तारीख को दिए गए हैं तो क्या होगा मेरे बच्चा तो लॉ कहता है कितने पैसे आए थे मेरे बेटा बीस हजार रुपए आए थे तो लॉ कहता है बीस हजार डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल कर लो 1.5 पॉइंट फाइव लैख ठीक है इनटू 50,000 50,000 यहां स्पेस नहीं है अगले पेज पे ले जाता हूं 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख प्लस 50,000 करेक्ट 1 लाख प्लस 50,000 थाउजेंड दैट इज वन लैख प्लस फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि दोनों सेम डेट पे थे इनटू फिफ्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाय वन लैख प्लस फिफ्टी थाउजेंड 1 वन लैख ठीक है तो जितना भी अमाउंट आएगा जितना भी अमाउंट आएगा करेक्ट आप उस अमाउंट को क्या करने वाले हैं मेरे बच्चा उस अमाउंट को क्या करेंगे जो पचास जो यहां से अमाउंट निकलेगा ना जो यहां से अमाउंट निकलेगा रुको निकाल ही लेते हैं ना आओ निकाल ही लेते हैं आओ कहा गया माजा कैलकुलेटर मेरा कैलकुलेटर कहा गया ये देखो ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाय वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू फिफ्टी थाउजेंड कितना आ रहा है सिक्स 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 सेवन माइनस ट्वेंटी थाउजेंड वन थ्री 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 ठीक है तो पचास हजार में से सिक्स 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 सेवन माइनस होगा और एक लाख में से इतना माइनस होगा बस ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है बिकॉज दोनों सेम डेट पर आ रहे थे ठीक है क्लियर है क्या मैंने सारे पॉइंट्स यहां पे एक ही केस स्टडी में कवर कर दिए क्या प्रायोरिटी थी सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी सबसे पहले पैसे भेजने वाले की प्रायोरिटी होगी उसने एक्सप्रेसली बताया है या इंप्लाइडली मैच हो रहा है तो वैसे क्लियर करेंगे अगर उसने नहीं बताया है एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली तो आपकी मर्जी है और आप उसे टाइम बार डेट पर भी लगा सकते हैं बट डिस्प्यूटेड डेट पर नहीं लगा सकते हैं और अगर दोनों ने ही अप्रोप्रिएट नहीं करा तो लॉ कहता है ऑर्डर ऑफ टाइम पे होगा इंक्लूडिंग टाइम बार डेट लेकिन अगर दोनों सेम डेट पर हैं अगर दोनों सेम डेट पर हैं तो प्रोपोर्शनेटली बांट देना प्रोपोर्शनेटली बांट देना इसको एकदम टाइम स्टैंप नीचे मार लेना ताकि आप लास्ट डे इसको जरूर देखकर जाए लास्ट डे दे आपको देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, है। एग्जाम में इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में थोड़ा लाइट क्वेश्चन आता है बट आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो बस वही लीगल लैंग्वेज में सब लिखा हुआ आप लोग एक बार रीड कर लेंगे सेम चीज जो मैंने आपको बताई है नाउ इट इज रिटर्न इन द लीगल लैंग्वेज और एग्जाम में ये लैंग्वेज आपको लिखनी बहुत जरूरी है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे बच्चा यहां पर आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का टॉपिक खत्म होता है नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है नेक्स्ट टॉपिक ये बोलता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको लॉजिकली अपना वादा निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा यस और नो यस सर मुझे अपना वादा परफॉर्म करना पड़ेगा यह बात हमें सेक्शन थर्टी सेवन ने बताई बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कब मुझे अपना वादा नहीं निभाना पड़ेगा अगर दोनों पार्टी साथ में मिलकर रेडी हो जाती हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिसेशन सबसे पहले क्या बताता हूं शन बताता हूं इसको ध्यान से समझना देखिए ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा ठीक है एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था किस चीज का एक ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा था बी के साथ किस चीज का कि मैं आपका हाउस मैं आपका हाउस रेंट पर लिया हुआ हूं एट द रेट टेन थाउजेंड पर मंथ पर पर मंथ, 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 ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था A और महीने का, का के लिए तो ये वो एग्रीमेंट है क्या आपको दिख रहा है ये एग्रीमेंट सर ये एग्रीमेंट आप पढ़ नहीं सकते हैं, बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ इसलिए आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है. अब थर्ड मंथ में थर्ड मंथ में थर्ड मंथ में दोनों पार्टीज ने एग्री करा सर क्या एग्री करा दोनों पार्टीज ने? दोनों पार्टीज ने एग्री करा कि हम इसको आगे लेकर नहीं जाना चाहते हम इसको आगे लेकर नहीं जाना चाहते यानी हम रेंट पे और आगे नहीं रहना चाहते दोनों पार्टीज ने एग्री करा तो अगर दोनों पार्टीज ने एग्री करा तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे फाड़ दिया जाएगा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कैसे यानी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें वो ये लिखेंगे कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कैंसल हो गया है और दोनों उस पर एग्री कर जाएंगे इसको हम बोलते हैं रेसेशन इसको हम बोलते हैं रेसेशन कि भैया पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था अब तीन महीने बाद अब आपको ग्यारह महीने के पैसे देने की जरूरत नहीं है बट कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते देखना अगर ए और बी दोनों इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं तो वो क्या है रेसेशन है यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया बट मान लो सिर्फ ए ही कैंसिल करना चाहता है बट बी कैंसिल नहीं करना चाहता तो मैं इसको बोलूंगा कि ब्रीच हो गया भैया क्या फील कर पा रहे हो रिसेशन में में और ब्रीच फर्क बी तो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट आगे चले बट ए कह रहा है चल निकल मेरे घर से चल निकल मेरे घर से तो यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जबकि दोनों पार्टीज जब एग्री करती है तो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इवन अगर ए चाहता है बट बी नहीं चाहता यह भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जब सिर्फ दोनों पार्टीज एग्री करती है कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं ले जाना चाहते तभी रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है सेकंड पॉइंट समझते हैं अल्ट्रेशन पहले पढ़ाता हूं और इजी आएगा अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन में क्या हुआ मेरे बच्चा देखना अल्ट्रेशन में क्या हुआ सेम था दस हजार ग्यारह महीने इन्हें लगा कि रेंट ना थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ए और बी को लगा महंगाई बढ़ रही है तो दोनों ने एग्री करा टेन थाउजेंड का रेंट कितना हो जाना चाहिए ग्यारह हजार रुपए पर मंथ हो जाना चाहिए टेन थाउजेंड का रेंट कितना हो जाना चाहिए ग्यारह हजार रुपए पर मंथ होना चाहिए तो लॉ कह रहा है यहां पर क्या हो गया अल्ट्रेशन हो गया अल्ट्रेशन मतलब माइनोर चेंज इन दाइनोर चेंज इन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट माइनोर चेंज इन दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप माइनोर छोटा मोटा चेंज करते हैं अब मुझे बताइए पुराने एग्रीमेंट पे लिखा था दस हजार रुपए देना है और नए एग्रीमेंट पे लिखा है ग्यारह हजार रुपए देना है तो अब कौन सा वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट नए वाला ग्यारह हजार वाला और पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा डिस्चार्ज हो गया यानी अल्ट्रेशन से क्या होता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेकिन उसमें क्या है स्मॉल चेंजेस हुए हैं स्मॉल चेंजेस यानी ऑलमोस्ट वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है बट नए कॉन्ट्रैक्ट में स्मॉल चेंजेस हुए तो लॉ कह रहा है इसको अल्ट्रेशन हो गया धनी और इसके लिए भी दोनों पार्टी एग्री करनी चाहिए कि हां दस हजार का रेंट कितना हो जाना चाहिए ग्यारह हजार रुपए हो जाना चाहिए नाउ कमिंग टू दास्ट जो इंपॉर्टेंट है नोवेशन नोवेशन पे आते हैं नोवेशन पे फिर इसका डिफरेंस भी समझेंगे नोवेशन में क्या होता है नोवेशन में मेजर चेंज होता है छोटा मोटा चेंज नहीं यहां पे बड़े चेंज हुए यहां पे का भैया रेंट पर रुपए कर देंगे ग्यारह महीने नहीं तीन साल कर देंगे करेक्ट पहले एक फ्लोर ले रखा था दो फ्लोर कर देंगे तो अगर मेजर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं अगर मेजर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं तो लॉ क्या कहता है Law कहता है कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन हो गया यानी नयापन आ गया यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया अल्ट्रेशन में भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है नोवेशन में भी बट यहां पे नया कॉन्ट्रैक्ट जो आया उसमें बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हो गए तो हम बोलते हैं नोवेशन हम बोलते हैं नोवेशन एक और चीज एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको कंक्लूड करेंगे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था घर को लेके मान लो ए अपनी जगह C को कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहता है यानी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगे जो इनके रेंट एग्रीमेंट में थे वो सेम थे बस पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज चेंज करना चाहते यानी पहले ए और बी पार्टी थे और अब वो बी एंड सी को पार्टी करना चाहते यानी ए को हटा देना चाहते हैं इसमें तीनों के साइन लगते हैं इसमें तीनों के साइन लगते हैं बिकॉज तीनों पार्टीज आ गई इसको नोवेशन कहूं या अल्ट्रेशन कहूं क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तो सेम है बट पार्टीज चेंज हो गई तो लॉ कहता है जब टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहते हैं बट पार्टीज चेंज हो गई सो दिस इज नोन एज नोवेशन दिस इज नोवेशन सर लेट मी गिव यू द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड अल्ट्रेशन नोवेशन और अल्ट्रेशन का डिफरेंस देखो डिफरेंस देखोगे ठीक है और सिमिलैरिटी भी बता देता हूं साथ में यहीं पे सिमिलैरिटी भी बता देता हूं सिमिलैरिटी दोनों में सिमिलर क्या है सिमिलैरिटी बिटवीन अल्ट्रेशन एंड नोवेशन आपको दोनों ही पता होना चाहिए डिफरेंस भी पता होना चाहिए और सिमिलैरिटी भी पता होना चाहिए सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है दोनों में ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो जाता है और दोनों में ही एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आता है दोनों में ही एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है यह दोनों में सिमिलर है पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है सर लेकिन फिर डिफरेंसेस क्या है नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स मेजर चेंजेस कंटें मेजर चेंजेस जबकि अल्ट्रेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स स्मॉल चेंजेस और आई शुड से माइनोर चेंजेस ठीक है सेकेंड पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन चेंज इन केस ऑफ नोवेशन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन चेंज वो बदल सकती है हा पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन चेंज इन केस ऑफ क्या मेरे बच्चा नोवेशन ठीक है बट यहां पर कभी भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकती पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर चेंज ओनली छोटा मोटा टर्म्स एंड चेंज हो सकते हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन

रेमिशन अब बच्चा रेसीशन और रेमिशन में बड़ा कंफ्यूज होता है रेसीशन और रेमिशन में बड़ा कंफ्यूज होता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दोनों का भी डिफरेंस बता के चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए देखो पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं रेसीशन मतलब क्या होता है रेसिसन मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कॉन्सेंट विद म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों पार्टी एग्री कर रही है बट रेमिशन क्या होता है दोनों के एग्जाम्पल भी लेंगे रेमिशन रेमिशन इज वेवर ऑफ माफ कर देना वेवर ऑफ राइट रेसिशन इज वेवर ऑफ राइट हाँ वेवर ऑफ राइट ठीक है मे बी पार्शियल वेवर हो सकता है या फुल वेवर हो सकता है तो देखिए यहां पे देखिएगा ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा मैं तुझे गुड्स दूंगा और तू मुझे पांच लाख रुपए देना यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन परफॉर्मेंस डे से पहले दोनों ने एग्री कर लिया बी कह रहा मुझे गुड्स की जरूरत नहीं है ए दोनों पार्टी ने एग्री करा कि हम अपना अपना प्रॉमिस नहीं निभाएंगे हम अपना अपना प्रॉमिस नहीं निभाएंगे क्या ये पॉइंट क्लियर है और इसमें दोनों पार्टी के साइन जरूरी है ना ओके सर रेमिशन के केस में क्या हुआ सेम एग्जांपल लेता हूं ताकि आप फील कर पाए बी को गुड्स दिए बी ने ए को फाइव लाख मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ पहले सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम गुड्स देंगे आप मुझे पांच लाख देना सेम यहीं पे लेकिन रेमिशन कब होगा देखना ए ने पांच लाख के गुड्स बी को पहुंचा दिए यानी ए ने अपना वादा पूरा कर दिया ए ने बी को गुड्स पहुंचा दिए लेकिन बी ने बी ने जब पांच लाख देने की बारी आई तो बी ए के पैरों में गिर गया कह हे ए मेरे पास पांच लाख नहीं है सिर्फ तीन लाख रुपए हैं इससे ज्यादा मैं तुझे नहीं दे सकता प्लीज पांच लाख के बदले तीन लाख रुपए ले लेना प्लीज पांच लाख के बदले तीन लाख रुपए ले लेना तो ए ने क्या करा ए का हक कितने का था पांच लाख रुपए का राइट था उसका लेकिन उसने अपना राइट पार्शियली वेव कर दिया कि चल ठीक है मैं पांच लाख के बदले तीन लाख ले लेता हूं इसके बाद और कोई पैसा नहीं लूंगा यानी अब ये लीगली पूरा पैसा नहीं लेगा और लॉ की नजरों में भी पूरा का पूरा का सेटलमेंट हो चुका है तो रेमिशन मतलब वेवर ऑफ योर राइट आप अपने हक को क्या कर रहे हैं वेव कर रहे हैं पार्शियल फुली बी हो सकता था फुली मतलब बी कहता मेरे पास एक भी रुपया नहीं है प्लीज मुझे, मुझे माफ कर दो तो ए हो सकता उसे माफ कर दे। ए हो सकता है उसे माफ कर दे क्या क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? दोनों पॉइंट क्लियर है है अच्छा दोनों 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 में दोनों की लगती है। में चीज क्या की कंसेंट जरूरी है ओके तो okay, एक और पॉइंट आपको बताता हूं रेमिशन को लेके फील कर लेना रेमिशन को लेके एक और पॉइंट आपको बताता हूं रेमिशन नहीं सॉरी रिसेशन को लेके रिसेशन को लेके हाँ, देखो रेसिशन को लेके दो पॉइंट और बताता हूं देखो रेसिशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है ए ने बी को हाउस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी ने ए को 50 लाख देने का वादा किया यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों पार्टीज जब एग्री कर जाएंगी दोनों पार्टीज जब एग्री कर जाएंगी तो लॉ क्या बोलेगा भैया आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि आपने एग्री कर दिया रिसेशन हो गया बट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में सेम एग्जाम्पल लेता हूं ए ने बी को हाउस और बी ने ए को 50 लाख लेकिन यहां पर बी ने ना बी ने घर गन पॉइंट पे लिया था इसको गन दिखा कर लिया था ए को गन दिखा कर लिया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा फ्री कंसेंट नहीं थी क्या हो जाएगा मेरे बच्चा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बी ने ए को जो घर लिया था अब यहां पर किसके किसके पास ऑप्शन होगा एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होगा ए के पास राइट right है क्या करने का कैंसल करने का जानते हो कि नहीं यही तो बात कर रहा था ए के पास कैंसिल करने का यानी रिजाइन करने का राइट होता है तो लॉ कह रहा है ए कर सकता है बी से बिना पूछे यहां पर दोनों की कंसेंट जरूरी थी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, के केस में दोनों की कंसेंट जरूरी नहीं होती क्योंकि लॉ ने सिर्फ एक बंदे को हक दिया होता है कैंसिल करने का और वो रिजाइंड अगर करता है तो लॉ कहता है जब आप रिजाइंड करोगे ना सिर्फ कॉम्युनिकेट कर देना सिर्फ क्या कर देना कॉम्युनिकेट कर देना किस चीज को अपने कैंसिलेशन को बी पे यहां पे बी के कंसेंट की जरूरत नहीं है यहां पे सिर्फ उसे कम्युनिकेशन की जरूरत है सर कैसे कम्युनिकेट करेंगे जैसे मैंने आपको ऑफर कम्युनिकेट करना सिखाया था ना उसी सेम मैनर में यानी वो बी की नॉलेज में आ जाना चाहिए बी की नॉलेज में अगर आ गया तो आपका रिसीशन फाइनल हो गया ओके okay, सर सर आगे चलते हैं नेक्स्ट गो अहेड अगर कोई वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें आपको बेनिफिट मिला है तो वो आपको रिटर्न करना पड़ता है सर व्हाट दिस यू मीन बाय दिस इसी एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूं अगर बी ने ऑलरेडी पचास लाख रुपए ए को दे दिए थे और ए उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है ए उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर रहा है तो लॉ कहेगा ये जो पचास लाख ए को मिले थे क्योंकि अब वो घर देने वाला नहीं है तो यह फिफ्टी को वापस क्या करने पड़ेंगे रिटर्न करने पड़ेंगे तो ऑफ इनकेबल कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिजाइंड कर रहे हो तो अगर आपको कोई बेनिफिट कोई पैसा कुछ भी मिला है तो उसको क्या कर देना रिटर्न कर देना रिटर्न कर देना ठीक है ये भी क्लियर हो गया ये भी क्लियर हो गया ये भी क्लियर हो गया आगे चलते हैं मेरे बच्चा ये भी आ, अच्छा वाइड एग्रीमेंट वाला नहीं हो, क्या ओ हो हो सर क्या कर रहे हो ऐसा मत करो सर हम गरीबों के साथ ऐसा मत करिए ये वाला लेकिन क्लियर हो गया कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन मैंने आपको बता दिया ये सिर्फ वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, के केस में होता है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है रिसेशन को ओके अब बचे हैं सिक्स और एट सिक्स और एट इस पर मैं डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा डिटेल वाला देखो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड था अगर आपका एग्रीमेंट वाइड था या कॉन्ट्रैक्ट वाइड था तो लॉ बोलता है अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा जैसे डेज क्या दूंगा लिखकर दूंगा ठीक है बी ने कहा उसके लिए पचास हजार दूंगा मैं तुझे तीन दिन बाद लिख दूंगा पचास हजार की तू मुझे क्या देगा लिखकर देगा बट तीन दिन बाद ये देनी थी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था आंसर इज यस दिस वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिस वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या डे ही डे ही, ठीक है सेकेंड डे ही गवर्नमेंट ने लिकर को बैन कर दिया कह रहा आज से लिकर बेन ना बन लिकर हो चुकी है बैन मान लीजिए अगर बी ने ऑलरेडी ए के पास एडवांस कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए थे पचास हजार की जगह उसने उसे मान लीजिए पांच हजार रुपए डिपॉजिट दिया था पांच हजार रुपए डिपॉजिट दे के रखा था और कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से क्या हो गया मेरे बच्चा दो तारीख दो दिन सेकेंड डे वाइड हो गया तो लॉ कह रहा है ये जो पांच हजार रुपए है ना ये आप क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे ये आप क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे ये आपको रिटर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आपने उसे लिकर नहीं दी है तो उसके पैसे वापस देने पड़ेंगे बट वहीं अगर मैं आपको बात बताऊं लिकर पचास हजार फाइव थाउजेंड एडवांस फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड एडवांस थर्ड डे लिकर इस बारी बैन नहीं हुई थर्ड डे ए बी के पास गया लिकर लेके कह रहा भैया बी लिकर ले लो और बी ने कहा मुझे नहीं चाहिए बी ने मना कर दिया ए तो लिकर लेके पहुंचा था बट बी ने मना कर दिया यानी ऑफर टू परफॉर्म हो गया सामने वाले ने मना कर दिया यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो वादा पूरा नहीं कर रहा है इस केस में लॉ बोलता है अब क्या मुझे पांच हजार एडवांस वापस करना चाहिए क्या नहीं यार उसकी गलती है

ये रही देखिए ये बहुत प्यारी केस स्टडी है और बहुत बड़ी केस स्टडी है लेट्स रीड दिस केस स्टडी हुआ क्या था इस केस स्टडी में आराम से पढ़ते हैं देखिए मिस्टर झूठ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सच झूठ ने सच के साथ एग्रीमेंट करा यहां पे बना लू क्या झूठ ने सच के साथ एग्रीमेंट करा झूठ और सच का एग्रीमेंट हो गया बैलेंस करके चलना पड़ता है ना कि मैं तेरी मोटर कार खरीदूंगा पांच लाख में यानी झूठ क्या देगा पांच लाख रुपए देगा और सच क्या देगा मोटर कार देगा मोटर कार एमसी मतलब मोटर कार ओके okay, सर विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ उसने बोला तीन महीने के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी तीन महीने में मैं तेरी कार लेकर चला जाऊंगा ठीक है तो भैया आस... झूठ ने सच को एक बीस हजार का सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कराया कह रहा है तीन महीने तू वेट करेगा तू किसी और को मत बेचना लगे तो ट्वेंटी थाउजेंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करा देता हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों जमा कराया बिकॉज सच को डर है ना भाई कल को अगर झूठ वापस नहीं आया तो भैया मेरी तो कार डिले हो जाएगी मैं किसी और को बेच देता मैं तीन महीने उसका इंतजार कर रहा हूं कुछ प्रूफ तो हो कि वो आएगा तो इसीलिए हम नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेते हैं और वो उसने पे भी कर दिया ठीक है अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्री मंथ तीन महीने पूरे हो गए जो तीन महीने की बात हुई थी वो तीन महीने पूरे हो गए मिस्टर मिस्टर सच ने फोन करा झूठ को कि भैया मेरे से कार लेके चले जाओ तीन महीने हो गए हैं लेकिन तीन महीने और हो गए यानी ये तीन महीने तो हो गए और तीन महीने हो गए भाई साहब यानी टोटल छह महीने हो गए मिस्टर झूठ ने ना हमारा फोन उठाया ना हमसे बात करी हमारा फोन ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया आफ्टर लैप्स ऑफ अनदर पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ठीक है आफ्टर लैप्स ऑफ ऑफ अनदर पीरियड मिस्टर झूठ और छह महीने होने के बाद मिस्टर झूठ ने हमें फोन कर कॉन्टेक्ट करा कि भैया फोन करके कहा कि भैया मैं गाड़ी लेना नहीं चाहता हूं यानी और छह महीने बाद तीन महीने पहले चले गए तीन महीने और चले गए ठीक है आफ्टर अनदर छे महीने और हो गए छह महीने के बाद झूठ ने बोला कि मैं आपकी गाड़ी लेना नहीं चाहता हूं अब बता रहा है भाई साहब कह रहा क्योंकि मैं आपकी गाड़ी नहीं ले रहा हूं तो मेरे बीस हजार रुपए वापस दे दीजिए मेरे बीस हजार रुपए वापस दे दीजिए आपको क्या लगता है क्या बीस हजार वापस करने चाहिए या नहीं क्या यहां पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या नहीं यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है झूठ ने ब्रीच करा है तो हम इससे क्या करेंगे मेरे बच्चा हम इसके पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर किसकी गलती है झूठ की गलती है तो नो मनी विल बी रिटर्न नो मनी विल बी रिटर्न तो आपको उसे गाइड करना है कि हम उसके पैसे देंगे नहीं वही मेरे बच्चा सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा अच्छा आप बताओ अगर गाड़ी तीन महीने के अंदर जलकर राख हो जाती या एक्सीडेंट हो जाता खत्म हो जाती तीन महीने के अंदर तो आपका आंसर क्या होता क्या फिर आप बीस हजार रुपए वापस करते या नहीं हां अगर तीन महीने में वो गाड़ी खत्म हो जाती तो ये इंपॉसिबिलिटी आ जाती इंपॉसिबिलिटी की वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता और जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया ना तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में मुझे क्या करना पड़ता है जो भी बेनिफिट मुझे मिला है वो क्या करना पड़ता है रिटर्न करना पड़ता है तो सच विल बी रिटर्निंग द अमाउंट टू झूठ उसका रीजन क्या है क्योंकि अगर वो आ जाता तीन महीने में तो मैं उसे गाड़ी वापस नहीं दे पाता तो मैं उसे गाड़ी वापस नहीं दे पाता ये मैंने आंसर दिया हुआ मिस्टर सच इज नॉट रिक्वायर्ड फर्स्ट केस में आपको पैसा वापस नहीं करना है लेकिन सेकंड केस में आपको पैसा वापस करना है क्योंकि वॉइड हो जाता है प्रोविजन एनालिसिस सब मैंने लिख के दिए हैं सर सर एक बात बताइए क्या बताइए सर सर आप हमें कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ा रहे हैं सर हाँ कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ा बट सर हमें ना लिखना नहीं आता राइटिंग प्रैक्टिस कब कराओगे बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, है ना तो थोड़े से पेशेंस रखो नेक्स्ट जब मैं यूनिट लेके आऊंगा कंपनी एक्ट या जो भी एक्ट मैं आपको खुद से क्वेश्चन में आपको कैसे आपको पेपर लिखना आता होगा उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दीजिए ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर हम आपकी बात को समझ गए सर हम आप पे भरोसा करते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है लास्ट मेरे बच्चा एट पॉइंट फेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिस रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस यानी वो कह रहे हैं वादा करने वाला तो पहुंचा था लेकिन सामने वाले ने हेल्प ही नहीं करी तो क्या होता है तो क्या होता है इसके लिए भी मैं लेकर आया हूं देखिएगा इस पॉइंट को समझते हैं इस पॉइंट को समझते हैं हैं क्या हुआ मेरे बच्चा ए ने बी ठीक है ए ने बी को बोला तू मेरे लिए शू रैक बना दे तू मेरे लिए शू रैक बना दे और इसके लिए मैं तुझे जो लकड़ी लगती है टिम्बर लगती है वो भी दूंगा और फेविकोल लगता है वो भी दूंगा ठीक है ए ने बी को कहा तू मेरे लिए शूरेक बना देना, ने का बना दूंगा अपना सामान लेकर ए के घर पहुंच गया जो औजार वगैरह होते हैं और ए से बोला हाँ भैया मैं शूरक बनाने आ गया हूं लाइए मुझे लकड़ी और फेविकॉल दे दीजिए मैं आपका शूरैक बना देता हूं बट ए उसे शूरेक और टिम्बर और फेविकॉल प्रोवाइड नहीं कर पाया तो मुझे बताइए अगर मैं ये प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं ए प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो क्या वो बी को कह सकता है कि मेरा शूरेक बना के दे? द आंसर इज नो द आंसर इज नो ऐसा नहीं हो सकता है तो वहीं पे बोल रहे हैं कि जहां पर प्रोमिसर तो अपना प्रोमिस निभाने आया था लेकिन आपने उसे रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दी जो उसको जरूरत थी अपने वादा निभाने की अगर आप उसे रीजनेबल फैसिलिटी नहीं देंगे तो क्या होगा तो भैया क्या होगा तो वो वादा निभा नहीं सकता यानी इसको मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूं क्या आंसर इज नो बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया बल्कि मैं तो कहूंगा एक कहेगा अबे तेरी वजह से मेरा आज का दिन खराब हो गया मैं तेरा ठीक करना है था मुझे कंपनसेशन दे जो मेरी आज की दिहाड़ी मर गई है ना उसका मुझे कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मेरी मैं अगर तेरे घर नहीं आता तो किसी और के घर शूरैक बना रहा होता उसका जो नुकसान हुआ है वो मुझे पे कर दे भाई ओके सर अंडरस्टूड तो यहां पे हमारे सारे पॉइंट्स कवर होते हैं आठों के आठों पॉइंट जिसमें से कि ये शुरू के चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसमें से ये शुरू के चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन नीचे आठों में से चार ऊपर वाले थ्योरी में भी आ सकते हैं स्टडी बन के भी आ सकते हैं ओके okay, सर अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज दैट दैट इज इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके मेथड्स पहले समझते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पार्टीज ने जो वादे किए थे वो फुलफिल हो चुके हैं जो ऑब्लिगेशन करी थी वो एंड पे आ चुकी हैं वो काम खत्म हो गया या अब उन्हें वो करने की जरूरत नहीं है डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट से ऑब्लिगेशन सराइज होती है जो आपको परफॉर्म करनी होती है या तो वो पूरी हो चुकी है मतलब खत्म हो गई है या अब वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट एंड पे आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है जो वादा किया था वो फुलफिल हो चुके हैं या वो अब करने की जरूरत नहीं बची है तो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि आपका वादा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता जिससे 95 परसेंट प्लस केसेस डिस्चार्ज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो होता है कि आपने जो वादा किया था उसे परफॉर्म कर दिया हो सकता है एक्चुअली परफॉर्म कर दिया हो हो सकता है ऑफर टू परफॉर्म कर दिया हो यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया हो इन दोनों में से कुछ भी किया होगा तो हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है डिस्चार्ज हो चुका है ओके नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट इसी से डिस्चार्ज होता है कि ए ने बी को कहा था मैं तुझे गुड्स दूंगा बी ने कहा था पैसे दूंगा उसने गुड्स दे दिए उसने पैसा दे दिया कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बात खत्म हो गई दोनों पार्टी अपने घर चली गई सेकेंड सीना होता है दोनों पार्टी मिलकर कहती है कि इसको डिस्चार्ज करना है मतलब क्या जो अभी हमने सीखा था दैट इज नोवेशन पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया अल्ट्रेशन पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया बिथ छोटे मोटे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया वो करना पड़ेगा रिसिशन सिर्फ पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है कैंसिल हो गया कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया और रेमिशन रेमिशन एक्चुअली आपकी बुक में दो बार दिया हुआ यहां भी दिया हुआ और यहां भी दिया हुआ है बट दोनों में यही होता है अगर हम किसी पार्टी की राइट को क्या कर देते हैं वेव अभी हमने इसको सीखा था और क्या होता है सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म ही नहीं हो सकता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है इसको मैं अभी आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं ओके okay, सर डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है ए ने बी को दो हजार सोलह में गुड्स बेचे थे बी ने कहा था मैं तुझे पैसे वापस दे दूंगा पचास हजार रुपए गुड्स के दे दूंगा बट बी ने पैसे नहीं दिए ए ने तीन साल तक उसके ऊपर केस नहीं करा तो क्या हो गया लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा टाइम बार डेट हो जाएगा टाइम बार डेट हो जाएगा ये करेक्ट और क्योंकि ये टाइम बार डेट हो जाएगा तो लॉ कहता है भैया लॉ क्या कहता है लॉ कहता है अब हम ये मान लेंगे कि बी पचास हजार दे दिए हैं क्योंकि अब उसे देने की जरूरत है ही ही नहीं लीगली तो आपने तो आपने गुड्स दे दिए थे तीन साल बाद अगर आपने उस पर केस नहीं करा तीन साल के अंदर तो ये भी क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया दैट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम यानी कई बार कॉन्ट्रैक्ट टाइम खत्म होने की वजह से भी क्या हो जाता है फुलफिल हो जाता है जबकि बी ने अपना वादा एक्चुअली में नहीं निभाया जबकि बी ने अपना वादा एक्चुअली में नहीं निभाया है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी प्रोमिसर की अगर डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बट आप जानते हो अगर प्रोमिसर की डेथ होती है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव निभाता है बट अगर पर्सनल स्किल का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है वाइड हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है कि अब आप आपको वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है वादा पूरा कर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों पार्टीज में से एक पार्टी अपना वादा निभाने से मना कर देती है जब दोनों पार्टी में से एक पार्टी अपना वादा निभाने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी भी अपना वादा नहीं निभाएगी क्योंकि भैया सिंपल सी बात है ए ने अगर गुड्स देने से मना कर दिया तो क्या बी ए को अब पैसे देगा द आंसर इज नो तो यहां पे क्या होता है हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया और साथ में हम केस भी करेंगे उसके ऊपर डैमेजेस के लिए है ना तो जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्चार्ज रिजाइंडेड मान लेते हैं और क्या करेंगे केस भी करेंगे किसके ऊपर केस करेंगे गिल्टी पार्टी के ऊपर जिसने गलत किया है जिसने गलत किया है रिमिशन हमें क्लियर है और यही अभी हमने पढ़ा था नॉट प्रोवाइडिंग रीजनेबल फैसिलिटीज वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया सामने वाले ने अगर क्या नहीं दी फैसिलिटी नहीं दी मतलब टिम्बर वाला एग्जाम्पल अगर उसने नहीं दिया तो लॉ कहेगा भैया अगर आपने टिम्बर नहीं दिया तो वो बंदा अब कॉन्ट्रैक्ट निभा नहीं सकता वो शूरैक बना नहीं सकता जब तक आप उसे सामान देंगे ही नहीं तो अगर आप उसे सामान नहीं दे रहे हैं तो भैया वो कैसे शू रैक बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लेगा डिस्चार्ज मान लेगा और वो घर चला जाएगा और ये मर्जर ऑफ राइट ये बस एक पॉइंट नया आया है मर्जर ऑफ राइट क्या है इसको एग्जाम्पल से समझेंगे वाई ने जेड को रेंट पर लैंड दी है ठीक है कितने सालों के लिए ईयर्स के लिए एग्रीमेंट हुआ रेंट लैंड पर दी है और जेड ने कहा है मैं हर महीने दस हजार रुपए पर मंथ आपको रेंट देता रहूंगा टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ आपको रेंट देता जाऊंगा पांच सालों तक जब तक जो है लैंड मैंने ले रखी है अब ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर वन तक सब सही था ईयर टू तक सही था बट ईयर थ्री में क्या हुआ जेड ने वो लैंड परचेज कर ली जेड ने वो लैंड क्या कर ली परचेज कर ली मेरे बच्चा आप बताओ अगर जेड ने वो लैंड खरीद ली अब लैंड किसकी हो गई है जेड की हो चुकी है लैंड अब जेड की अगर लैंड हो गई तो क्या जेड को अब भी रेंट पे करते जाना होगा क्या क्या रेंट अब भी पे होगा क्या आगे के सालों के लिए द आंसर इज नो यानी जिस दिन जेड ने लैंड खरीद ली उसके बाद से उसे रेंट देने की जरूरत नहीं है इसको बोलते हैं मर्जर ऑफ राइट मतलब रेंट का एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो गया रेंट का एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो गया जब जब देखना ओनरशिप ओनरशिप ऑफ लैंड एक होता है ओनरशिप ऑफ लैंड और एक है लीजिंग ऑफ लैंड करेक्ट लीजिंग ऑफ लैंड ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट थे ओनरशिप जो लैंड की है वो सुपीरियर राइट right है ओनरशिप जो लैंड की है वो क्या है सुपीरियर राइट right है और लीजिंग ऑफ लैंड इनफीरियर राइट है लीजिंग ऑफ लैंड का राइट राइट ऑलरेडी के के पास पास था और सुपीरियर right भी के पास आ गया तो हम बोलते हैं दो राइट मर्ज हो गए सुपीरियर राइट मर्ज हो गया इंफीरियर right राइट right मर्ज हो गया तो कौन सा सुपरसीड करेगा सुपीरियर राइट right चलेगा यानी अब यह वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा डिस्चार्ज मान लिया जाएगा डिस्चार्ज मान लिया जाएगा क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए यस और नो यस सर ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो बच्चा कहता है ये 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 क्या 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 आ आ आ गया 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 सर सर तो चलो इसे पढ़ते हैं एकदम क्लियर करते हैं रेसिप्रोकल प्रोकल प्रोमिस सबसे पहले समझेंगे रेसिप्रोकल प्रोकल प्रोमिस क्या होता है कोई नई चीज नहीं है अगेन नाम बदल दिया नाम बदल दिया देखना देखना ये भारत इंडिया हिंदुस्तान क्या ये अलग अलग चीजें हैं भारत इंडिया हिंदुस्तान क्या ये अलग अलग चीजें हैं या ये एक ही चीज के नाम है या ये एक ही चीज के नाम है सर एक ही चीज के नाम है वैसे ही रेसी प्रोकल भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बस वो ये कह रहा है देखना शाम ने राम को चाय देने के लिए बोला और राम ने शाम को दस रुपए देने के लिए बोला तो राम का प्रॉमिस क्या था राम का प्रॉमिस था पी वन दैट इज टी देना और राम का प्रॉमिस नहीं सॉरी शाम का प्रॉमिस शाम अपने ही बनाता हूं मैं और गलत बोल देता हूं कैसा चलेगा भाई दन्ना अपना शाम जो है है देगा ठीक और राम का प्रॉमिस क्या है राम का प्रॉमिस है वो क्या देगा? दस रुपए देगा सर ये बात तो आप हमें सौ बार बता चुके पी वन की कंसिडरेशन क्या है अगर कोई पूछेगा प्रॉमिस की कंसिडरेशन क्या है वापस बेसिक्स पर ले जा रहा हूं ले जाना पड़ता है क्या करें हो लंबा लेक्चर है ना आप भूल गए तो ले जाना पड़ रहा है P1 की कंसिडरेशन क्या है पी वन की कंसिडरेशन है मेरे बच्चा दस रुपए yes no? रुपीज टी दैट इज टी दैट इज पी वन तो पी वन की कंसिडरेशन पी टू है पी टू की कंसिडरेशन पी वन है यही बोल रहा है लॉ कि जो प्रोमिस एक दूसरे की कंसिडरेशन होते हैं उन प्रमिसेस को कलेक्टिवली, यानी एंड आर रेसिप्रोकल वो बोल रहे पी वन एंड P2 को हम क्या कहेंगे कलेक्टिवली नहीं नहीं। कह बोलेंगे ये एक दूसरे के है, मतलब एक दूसरे के लिए किए गए वादे एक दूसरे के लिए किए गए वादे दैट्स इट पहले उसे कंसिडरेशन बोल रहे थे यहां क्या एक ही वर्ड यूज कर लो यार क्या दिक्कत है चलो

नो प्रोमिसर नीड्स टू परफॉर्म हिज प्रोमिस अनलेस द प्रोमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसी प्रोकल प्रोमिस चलिए कुछ नहीं समझा आइए देखिएगा गुरप्रीत सर ने एमेजॉन वेबसाइट से आईफोन फोर्टीन प्रो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया गुरप्रीत सर ने अमेजोन से आईफोन फोर्टीन देख लीजिए कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया ठीक है जो उनके पास चार दिन बाद आएगा करेक्ट चार दिन बाद आएगा मुझे लगता है सर ने आपको बता ही दिया होगा मेरे पास पैसे कहां से आए हैं मैं कैसे मुश्किल से कौन से सर ने अपने राहुल सर मैथ्स के मेजिशियन ने आपको बता दिया होगा अपने लेक्चर में कि गुरप्रीत सर के पास आईफोन के पैसे कहां से आए हैं तो अब कैश ऑन डिलीवरी मैंने मंगा लिया ठीक है अब हुआ क्या सर कैश ऑन डिलीवरी क्यों मंगाया बिकॉज बेटा किडनी बेच के अगर आईफोन मंगाऊंगा तो पैसे बैंक में नहीं आते ना कैश में लोग देते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। कर रहे थे खुद इलीगल पढ़ाते हो इतना कुछ पढ़ाते हो, खुद इलीगल आईफोन इज लव अच्छा चलो छोड़ो है ना आओ बात करते हैं गुरप्रीत एमेजॉन आई फोन फोर्टीन प्रो कैश ऑन डिलीवरी अब देखिएगा गाड़ी वाला आया गाड़ी वाला मतलब डिलीवरी बॉय आया गाड़ी से उतरा उसने मेरा प्यारा आईफोन 14 प्रो लेके मुझे फ़ोन किया हेलो आ, सर मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ सर लोकेशन पे मतलब सर जहाँ पे आपने जो एड्रेस डाला था वहाँ अच्छा, आ गया हूँ अच्छा आ गए हैं क्या मैं नीचे आ रहा हूँ मैं नीचे आ रहा हूँ अब हम दोनों की मुलाकात हुई उसके हाथ में आईफोन फोर्टीन प्रो है और मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैंने कहा लाओ आईफ फोर्टीन प्रो दो उसने कहा लाइए पैसे दीजिए मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा लेकिन तुमने वादा किया तुम तो अपना वादा निभाओ चलो फटाफट अपना आईफोन फोर्टीन प्रो दो मैं पैसे नहीं दूंगा तो लॉ कहता है जब प्रोमिस को एक साथ परफॉर्म करना होता है साइमल्टेनियसली आप तब तक अपना वादा पूरा मत करना जब तक सामने वाला पर्सन अपना प्रॉमिस रेडी ना हो परफॉर्म करने के लिए यानी अगर गुरपी सर रेडी नहीं है पैसे देने के लिए तो सामने वाला बंदा भी आईफोन भले ही उसके हाथ में है वो देगा नहीं वो कह रहा है पहले आप रेडी रहो आप दोगे तो मैं दूंगा आप दोगे तो मैं दूंगा मैंने कहा ये क्या बात हुई तुमने तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तुम्हें तो अपना वादा निभाना चाहिए मैं तुम पे केस कर दूंगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कह रहा है केस मैं नहीं आप मुझे बस पैसे दीजिए तभी मैं दूंगा मेरी कंपनी ने मुझे कहा वरना मैं ये आईफोन वापस लेके जा रहा हूं तो सिंपल सा लो है अगर सामने वाली पार्टी रेडी है तो आप भी अपना वादा पूरा कर सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी रेडी नहीं है तो आपको भी अपना वादा निभाने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस जो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ परफॉर्म होने चाहिए थे आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड पॉइंट चलते हैं सेकेंड पॉइंट चलते हैं ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं होने हैं तो ऑर्डर क्या रहेगी ऑर्डर मतलब कौन पर्सन अपना वादा पहले हिंदी में लिखूंगा तो आप लोग जज कर लेंगे ओके okay. इंग्लिश में लिखता हूं ठीक है इंग्लिश में लिखता हूं ठीक है ऑर्डर करेंगे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस यानी कौन पहले अपना परफॉर्म करेगा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इसमें मुझे याद आती है फेरा फेरी वाली मूवी यहां पे अक्षय कुमार है ठीक है वो कह रहा है तू पैसे लाया तू पैसे लाया और यहां पे वो बंदा है जो ड्रग्स खरीदने आया था वो कह रहा है तू माल लाया ए तू माल लाया क्या है वो कह रहा है हां मैं माल लाया तू पैसा लाया क्या अब दोनों ए पहले तू दे ए पहले तू दे तो यहां पे क्या हो रहा है भैया ऑर्डर क्या रहेगा परफॉर्मेंस का कौन पहले देगा ये कैसे पता चलता है कौन अपना वादा पहले पूरा करेगा ये कैसे पता चलता है तो लॉ कहता है लॉ क्या कहता है इस बारे में देखिएगा लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही फिक्स है आपने बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही फिक्स है तो भैया पहले किस तरह से परफॉर्म होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले बोला गया है वो पहले होगा और दूसरा प्रॉमिस बाद में होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो दिमाग मत लगाओ जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ वैसा कर दो लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा तो पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या मांगती है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या मांगती है जैसे नॉर्मली देखिए ट्रेडिशन क्या बने हुए हैं अगर मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं देखिएगा अगर मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाने जाता हूं और एक बाहर के मैकडॉनल्ड्स में खाने जाता हूं इंडियन रेस्टोरेंट में जैसे ही मैं खाने खाने जाता हूं तो लॉ कहता है पहले मैं खाना खाऊंगा यानी रेस्टोरेंट अपना वादा पूरा करता है और जब मैं पूरा खा के मेरा पेट भर जाता है मैं तृप्त हो जाता हूं तो मैं अपना वादा पूरा करता हूं पैसे पे करने का तो यहां पर ऑर्डर क्या है हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं किया बट ऑर्डर हमें पता है पहले खाना आएगा फिर पैसे जाएंगे बट मैकडोनल में ऐसा नहीं है मैकडोनल्ड में क्या होता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में McDonald's में पहले आप ऑर्डर करके पैसे देते हो वो आपका ऑर्डर ले लेते हैं पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद क्या होता है मेरे बच्चा पैसे लेने के बाद क्या होता है वो आपको आपका ऑर्डर हैंड ओवर करते हैं तो यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है तो ट्रांजेक्शन का नेचर क्या रिक्वायर करता है उस हिसाब से पहले होता है उस हिसाब से पहले होता है इंस्टीट्यूट ने जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है ने बी को बोला कि तू मेरे लिए घर बना ए ने बी को बोला कि तू मेरे लिए घर बना और मैं तुझे क्या दूंगा पैसे दूंगा तो को घर बना के दे रहा है उल्टे हो गए येलो बी जो है बी का प्रॉमिस है घर बनाने का और ए का प्रॉमिस है घर बनाने के लिए पचास लाख रुपए देने का ठीक है तो यहां पे पहले क्या होता है नॉर्मली जब घर बनता है तो घर पहले बनेगा और फिर हम लोग पैसे देते हैं यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो घर पहले बनेगा और फिर पैसे दिए जाएंगे और नॉर्मली क्या होता है घर कुछ परसेंटेज बन जाता है तो पैसे दे दिए जाते हैं फिर कुछ परसेंटेज बन जाता है तो पैसे दे दिए जाते हैं इस तरह से वहां पे पैसे रिलीज होते हैं लेकिन अगर ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि भैया पहले एडवांस देंगे फिर घर बनेगा तो फिर वो होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया तो क्लियर है क्या यस और नो यस सर तो लॉ बस यही बोल रहा है कि जब ऑर्डर जो होता है वो एक्सप्रेसली डिसाइड है तो एज पर जो डिसाइड करा है लेकिन अगर वो एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं है तो जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर करती है वैसे वो होने वाला है अगर सामने वाली पार्टी आपको वादा निभाने से रोक रही है आप निभाना चाहते हैं तो क्या होगा जैसे ए ने बी को कहा कि भैया मेरे घर आकर मेरा एसी ठीक कर देना हजार रुपए में मैं तुझे रुपये दूंगा तू तो आके मेरा ए ठीक कर देना घर पे आके सम वर्क मतलब मान लो एसी रिपेयर का एसी रिपेयर का वर्क ठीक है बी अपना सामान लेकर है ना काम करने पहुंच गया बी अपना सामान लेकर काम करने पहुंच गया कि भैया मैं ठीक कर देता हूं आपका केसी बट ए ने उसे रोका ए ने उसे एसी ठीक करने नहीं दिया कह रहा मैनी गेट खोल रहा हूं मैं नहीं गेट खोल रहा हूं मैं तुझे ए ठीक नहीं करने दे रहा हूं बता नहीं रहा है कौन सा ए ठीक करना है तो यहां पे क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा यानी बी कहेगा अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मैं घर जा रहा हूं कैंसिल तो होगा हो ही होगा साथ में वो कंपनसेशन भी लेगा क्योंकि उसे जो लॉस हुआ है पूरे दिन का भाई अगर वो कहीं और जाके एसी रिपेयर करता तो उसको पैसे है, कर है। कंपनसेशन भी मिलता है ओके सर सेम वही वाला शूरैक वाला भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि ए ने अगर शूरैक बनाने दिया सामान नहीं दिया तो क्या होगा तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और कंपनसेशन भी मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा कंपनसेशन भी मिलेगा रिपीटेशन की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम पे अगर टाइम पे काम नहीं हुआ जो टाइम हमने डिसाइड किया था अगर उस टाइम पे काम नहीं हुआ हमने एक तारीख जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था कि किस टाइम पे परफॉर्म करना है अब हम पढ़ रहे हैं अगर उस टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा यानी मैंने बोला था एक बंदे को कि तीन तारीख को आके काम कर देना बट वो तीन को नहीं चार तारीख को आया चार को नहीं पांच तारीख को आया तो क्या होगा तो लॉ बोलता है अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स था कि कौन सी तारीख को आना था कितने बजे आना था बट वो बंदा टाइम पे नहीं कर पाया तो सबसे पहले ये पूछो कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इंपॉर्टेंट था इंपॉर्टेंट नहीं था क्या टाइम इंपॉर्टेंट था यह टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था सर यह कैसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे बताओ हम आपको सीए फाउंडेशन की क्लासेस दे रहे हैं अगर हम ये काम करने को रेडी हैं लेकिन हम इसको दिसंबर की जगह जनवरी तक चाणक्य बैच चलाएंगे तो क्या आपका काम फुलफिल होगा नहीं क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इंपॉर्टेंट है सर यहां तो हम पैसे नहीं पे कर रहे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कंसिडरेशन नहीं है बेटा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है है रियल ऐसा मान के कर लो अरे सर बेवकूफ मत बनाओ चलो मान लो आपने दो रुपए दिए हैं मान मान लो educate consideration की है, मान लो की है आपने चनक के, बैच के लिए दो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते आपने कहा भैया बैच जो है दिसंबर में एग्जाम है पंद्रह नवंबर तक खत्म करा देना पंद्रह नवंबर के बाद हमें कोई भी क्लास नहीं चाहिए हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे उसके बाद आपका ज्ञान हम लेना नहीं चाहते ज्यादा से ज्यादा आरटीपी एमटीपी टीपी सोल्व करा देना ओके बेटा मुझे बताओ अगर हम ये डीले करते हैं जनवरी तक बैच लेके जाएंगे क्या आपका काम चलेगा क्या यहां पे टाइम असेंस है या नहीं है बिल्कुल टाइम असेंस है मान लो पांच तारीख को मेरी शादी है पांच तारीख को अगले महीने पांच तारीख को मेरी शादी है मैंने उसे कहा भैया मेरे लिए शेरवानी ले आना मुझे शेरवानी पहननी है शादी के लिए और वो सात तारीख को ला रहा है मुझे बताइए क्या टाइम एसेंस है या नहीं है यानी कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट देख के ही पता चल जाता है कि इसमें तो ये तो बहुत जरूरी है इसमें तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम जोमेटो से खाना मंगाते हैं भाई एक घंटे में आ जाना चाहिए ना भूख लग रही है इसलिए तो खाना मंगाया इसलिए थोड़ी मंगाया कि फ्रिज में दो दिन बाद आएगा है ना तो वहां पर भी टाइम जरूरी है तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जरूरी है और वो टाइम पे उसने नहीं करा तो लॉ आपको एकदम ऑप्शन दे देता है आप इसे क्या कर सकते हो कैंसल कर सकते हो क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जरूरी था ठीक है कई बार आप एक्सप्रेसली भी टाइम को जरूरी बना सकते हो भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से ना पता चले तो आपको ऑप्शन दे दिया वॉयडेबल वॉयडेबल का मतलब क्या है आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं तो लॉ कहता है अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो आप डैमेजेस ले सकते हैं दैट इज कंपनसेशन ऑफ लॉस लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि आप वाइडेबल है तो कैंसिल ना करें कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चा तो आप क्या कर सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करिए और कंपनसेशन ले सकते हैं कि इस केस में ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको उसे उस टाइम पे नोटिस देना पड़ेगा कि मैं क्या लूंगा कंपनसेशन लूंगा यानी अगर टाइम एसेंस था और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया

मुझे ऐसा उनकी जरूरत नहीं थी बस मेरा मन कर रहा था मैंने ऑर्डर कर लिए यहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में अब लॉ बोल रहा है वो लेट तो हो चुका है उसने बोला था बारह तारीख को आपके जूते आ जाएंगे उसने क्या बोला था बारह तारीख को आपके जूते आ जाएंगे ठीक है लेकिन बारह तारीख तक जूते नहीं आए और लिखा आ गया डिलीवरी इज डिले ड्यू टू वेरियस रीजन डिलीवरी इज डिलेड ऐसा लिखा गया बारह तारीख तक जूते नहीं आए बट टाइम जरूरी नहीं था वो पूछ रहे हैं क्या परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम में आ गई रीजनेबल टाइम मतलब एक दिन लेट हो जाएगा दो दिन चार दिन लेट हो जाएगा करेक्ट जूते चार दिन लेट हो जाएंगे तो अगर परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम पे उसने कर दी यानी दो तीन दिन बाद भी आ गया अगले दिन आ गया उससे अगले दिन आ गया चलता है तो मैं उससे कंपनसेशन तो ले सकता हूं अगर मुझे कोई लॉस हुआ है बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं कर सकता यानी यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता हूं सर अमेजोन पे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है बेटा वो उन्होंने दे रखा है अब उन्होंने दे रखा है इनसे सबसे ज्यादा लॉस उन्हें ही होता है लेकिन उन्हें ट्रस्ट तो बढ़ाना है ना लेकिन नॉर्मली आप जो है लॉ आपको अलाउ नहीं करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको कह रहे हैं तो आप कर सकते हो पार्टी ने आपको कहा बट लॉ आपको अलाउ नहीं करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो सो परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम तो आप कंपनसेशन ले सकते हो बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते बट अगर वो तीन महीने बाद आ रहा है

इंपॉसिबिलिटी दो टाइप की होती है इनिशियल इंपॉसिबिलिटी और सबसिक्वेंट सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटीबिलिटी सर इनिशियल इंपॉसिबिलिटी क्या होती है वो बताता हूं सबसिक्वेंट क्या होती है वो बताता हूं इनिशियल इंपॉसिबिलिटी वो इंपॉसिबिलिटी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम पे ही इंपॉसिबल होती है सर इंपॉसिबिलिटी का मतलब जो आपने वादा किया है ना वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है उसको हम बोलते हैं वो लीगली परफॉर्म नहीं हो सकता है सो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक हो सकता है वो हो ही नहीं सकता है। और एक हो सकता है वो लीगली इम्पॉसिबल है तो दोनों ही केस में हम उसको क्या बोलेंगे इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इंटू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी सेकेंड टाइप की इम्पॉसिबिलिटी होती है सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इसको दो और नाम दिए गए हैं सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इंपॉसिबिलिटी इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इंपॉसिबिलिटी यह कॉन्ट्रैक्ट के बाद होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ था तब तो वैलिड था लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से चीजें इंपॉसिबिल हो गई जब इनिशियल इंपॉसिबिलिटी होती है ना उससे बनता है वाइड एग्रीमेंट ध्यान देना उससे बनता है वाइड एग्रीमेंट और जब सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी होती है तो उससे बनता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट उससे बनता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट और इससे बनता है वाइड एग्रीमेंट ठीक है यानी ये शुरू से ही वाइड था कभी इंफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था इसलिए इसको एग्रीमेंट बोला गया और ये पहले तो वैलिड था बट बाद में हो गया, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला गया क्या अगर वो इंपॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को पता थी जैसे बी ने कहा मैं तुझे पांच लाख रुपए दूंगा अगर तू तैरते हुए इंडियन ओशियन को एक हफ्ते में पार कर लेगा बी ने कहा ए, मैं तुझे पांच लाख दूंगा अगर तू तैरते हुए अगर तू तैरते हुए क्या करेगा तैरते हुए इंडियन ओशन को एक हफ्ते के अंदर पार कर लेगा मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है दान्सरीजनो? ये बात ए को भी पता है ये बात बी को भी पता है ए और बी दोनों को ये बातें पता है कि ये चीज क्या है मेरे बच्चा इम्पॉसिबल है ये चीज क्या है इम्पॉसिबल है तो लॉ कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये जो एग्रीमेंट है आई शुड से एग्रीमेंट है वो वाइड है यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते बी ए के ऊपर केस नहीं कर सकता कि ए ए साहब देखिए जो है वो स्विमिंग करके जा नहीं रहा है और ए बी बी के ऊपर केस नहीं कर सकता कि ये मुझे पांच लाख रुपए दे नहीं रहा है क्या ये पॉइंट क्लियर है यस yes. सेकंड है जब दोनों ही पार्टीज को ये बात नहीं पता थी कि यह चीज इंपॉसिबल है मतलब क्या ए ने बी को अपना घोड़ा बेचा दस हजार रुपए में कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तुझे घोड़ा बेचूंगा दस हजार रुपए में लेकिन दोनों को यह बात पता नहीं थी कि घोड़ा मर चुका यानी सुबह ए अपने घर से निकला तब उसका घोड़ा जिंदा था ठीक है पांच मिनट ही हुए थे उसको घर से निकले कि उसका घोड़ा मर गया और वो जब तक एक डेढ़ घंटे बाद बी के पास पहुंचा उसने कहा भैया हाँ हाँ मेरा घोड़ा बदमस्त है ये वो और पैसे बोला दस हजार रुपए में तुझे बेच दूंगा इस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बी को तो पता ही नहीं है घोड़ा मरा हुआ और ए उसको भी नहीं पता है कि उसका घोड़ा क्या है मर चुका है तो लॉ कहेगा भैया दोनों को ही नहीं पता है तो ये मिस्टेक हो जाती है सब्जेक्ट की करेक्ट और इनिशियल भी है तो यहां पे भी एग्रीमेंट क्या है है वॉइड यानी बी ए के ऊपर केस करके ये नहीं कह सकता कि भैया तूने मेरे साथ क्या किया है फ्रॉड किया है वो उससे केस करके उससे पैसे ले नहीं सकता घोड़ा ले नहीं सकता बट अगर ये बात ए को पता थी यानी ए जब सुबह निकला तो उसने देख लिया कि उसका घोड़ा मर चुका है उसने देख लिया उसका घोड़ा मर चुका है यह चीज इंपॉसिबल है बट वो फिर भी बी के पास पहुंच गया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी उसने कहा हाँ हाँ मेरा घोड़ा जिंदा है लाइए दस हजार रुपए दे दिए ए अवेयर था इस बात को कि उसका घोड़ा मर चुका है फिर भी उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यहां पर क्या आपको लग रहा है फ्रॉड हुआ एक तरह से यस और नो तो लॉ कहता है इस केस में बी जो है क्योंकि उसे घोड़ा तो मिलने वाला नहीं है वो तो पक्का है क्योंकि वो मर चुका है बट कंपनसेशन क्लेम कर सकता है बिकॉज ए ने उसको झूठ बोल के एक ऐसी बात बोली जो उसे पता थी कि झूठ है फ्रॉड हो गया तो ही कैन क्लेम कंपनसेशन ही कैन क्लेम डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड है बट डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है यानी इंपॉसिबल थी पहले से ही इंपॉसिबल थी पहले से ही और वो क्या कर सकता है मेरे बच्चा डैमेजेस क्लेम कर सकता है ओके okay.

वाइड होता है ओके, ओके, ओके। अगले पॉइंट पे चलते हैं लॉ क्या कह रहा है रेसिप्रोकल प्रोमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इीगल अगर आपने कुछ चीज लीगल और कुछ चीज इलीगल करी है तो क्या होगा जैसे ए और बी ने एग्री करा कि ए उसे घर बेचेगा ए ने कहा मैं तुझे क्या दूंगा घर दूंगा किसको कहा बी को कहा कितने में देगा फोर रुपीज पांच लाख फोर रुपीस फाइव लैख फोर रुपीज फोर रुपीज फाइव लैख ठीक है ओके okay. एंड साथ में उसने कहा एंड ऑल्सो उस अगर बी मेरे घर में गैमिंग करेगा मतलब सात लाख रुपए देंगे सात लाख रुपए अगर वो उस घर को एज अ गैम्बलिंग हाउस यूज करता है तो, तो लॉ यहां पे बोलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा वैलिड रहेगा करेक्ट ये वैलिड रहेगा यानी अगर घर देने से मना कर देता है तो बी ए के ऊपर केस कर देगा या बी अगर पैसे देने से मना कर देता है तो ए उस पर केस कर देगा बट जो सेकंड पार्ट है मेरे बच्चा वो क्या रहेगा इलीगल रहेगा और इलीगल रहेगा तो क्या रहेगा मेरे बच्चा इलीगल रहेगा इलीगल रहेगा तो क्या रहेगा मेरे बच्चा वाइड रहेगा यानी अगर बी उसे एज अ गैम्बलिंग हाउस यूज नहीं करता है तो ए उस पर केस नहीं कर सकता है और बी भी, भी ए के अगर बी गैम्लिंग हाउस की तरह यूज करने लगा बट वो ए के ऊपर केस करके उससे साढ़े सात लाख रुपए ले नहीं सकता है यही बस वो कहना चाहते हैं कि वेयर पर्सन रेसिप्रोकली प्रोमिस कुछ चीज जो लीगल थी और सेकेंडली कुछ चीज जो इन थी कुछ चीज जो इन थी तो जो लीगल चीज थी वो वैलिड रहेगी और जो इन चीज थी वो वाइड रहेगी जो इन चीज थी वो वाइड रहेगी बस इतनी ही बात कर रहे हैं यानी यहां पे टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट वन जो लीगल है वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट टू जो इन है वो वाइड एग्रीमेंट है क्योंकि वो शुरू से ही वाइड है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे वाइड एग्रीमेंट हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चा नेक्स्ट पॉइंट अल्टरनेटिव प्रॉमिस यहां पे क्या होता है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग ही नहीं होते एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लीगल और इलीगल दोनों हैं पिछले वाले एग्जांपल में दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल था एक इलीगल था बट अल्टरनेटिव प्रॉमिस के अल्टरनेटिव के केस में ठीक है एग्जाम्पल ए एंड बी ने एग्री करा ए ने कहा मैं तुम्हें ए शॉल पे बी मैं तुम्हें एक लाख रुपए दूंगा फॉर विच बी उसको क्या देगा बी बदले में क्या देगा राइस दे सकता है या राइस नहीं दे पाया तो गांजा दे सकता है स्मगल्डी ओपी, ओपीएम दे सकता है तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ ए ने कहा ने कहा मेरा प्रॉमिस क्या है एक लाख रुपए का और तेरा प्रॉमिस क्या है या तो तू राइस दे दे या स्मगल ओपीएम दे दे तो स्मगल ओपीएम क्या है मेरे बच्चा इलीगल है और राइस क्या है मेरे बच्चा लीगल है राइस क्या है लीगल इस अब कॉन्ट्रैक्ट एक ही है पूरा यहां पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसी के अंदर अल्टरनेट है एक लीगल और इलीगल तो लॉ कहता है ये जो पॉइंट है ये लीगल प्लस पांच ला, एक लाख रुपए वाला ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा करेक्ट और ये जो ओपीएम वाला है ये वाइड माना जाएगा मतलब ए, बी के ऊपर केस कर सकता है राइस के लिए बट स्मगल्ड ओपीएम के लिए केस नहीं कर पाएगा बट राइस के लिए वो केस कर सकता है क्या द आंसर इज ये और बी भी अगर राइस दे देता है उसको तो एक लाख के लिए केस कर सकता है बट अगर उसने स्मगल्ड ओपीएम दे दिया तो वो एक लाख के ऊपर एक लाख के लिए केस नहीं कर पाएगा एक लाख के लिए केस नहीं कर पाएगा ओ माई गॉड्स क्या हो गया भाई साहब फाइनली

कि कुछ बच्चे लिख रहे हैं अरे यार कम, आ, वीडियो कब आएगा वीडियो कब आएगा गुरप्रीत सर का सेकंड पार्ट कब आएगा शॉर्ट्स आ रहे हैं वीडियो नहीं आ रहे अरे मेरे बच्चा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है क्वालिटी कंटेंट ऐसे नहीं दिया जाता दिन रात मेहनत कर रहे हैं तब जाके आपको एक कंसाइज कंटेंट मिल रहा है ताकि आपको क्वालिटी टीचिंग मिले आपको सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कई चीजें मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है बच्चों आपको लिए। मुझे लगता है कि नहीं ये पॉइंट आपको नहीं समझेगा इसको और और सिंपल सिंपल करना चाहिए तो मैं वहां और सिंपल करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक बारी में समझ आए आपके डाउट जितने कम होंगे ना उतना एग्जाम में आप ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे और मैं जानता हूं आपके पास टाइम कम है इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए वादा किया तो निभाएंगे तो है यार आपको अगर इस बार बस आपको क्या कहना है अब की बार सीए फाउंडेशन पार अब की बार सी ए फाउंडेशन पार तो कमेंट सेक्शन में अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो ये कमेंट जरूर लिखेगा मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने मेरा लेक्चर पूरा देखा है अब की बार सी ए फाउंडेशन पार और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ नई पावर के साथ इस बार हम करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे थैंक यू मेरे बच्चों लव यू ऑल